फ्टनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग, so, लोग होप्स रहेंगे बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो बहुत सारे बच्चों केमेंडमेंट लेक्चर आपने देखा होगा ये दूसरा अमेंडमेंट लेक्चर है तो पहले अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने आपको असेसमेंट प्रोसीजर एज वेल एज टेक्स रेट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट थे मेजर जो अमेंडमेंट था वो असेसमेंट प्रोसीजर में था जो वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी उसके बाद में आपको 150 वगैरह मैंने पूरा आपको इन डिटेल एनालिसिस करवाया और इन डिटेल आपको समझाया तो होप सो आपको वो पहला अमेंडमेंट लेक्चर अच्छा लगा होगा अब आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं बहुत सारे बच्चे है ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फास्ट जाना चाहते हैं जिंदगी में वो लोग ये बोलते हैं कि सर अगर हम आपके नए वाले रिविजन लेक्चर देख रहे हैं तो क्या हमको अमेंडमेंट लेक्चर देखने चाहिए क्या करके ठीक है मैं आपको बता दूं जो लोग लाइक like, जिन्होंने पहले बैचेज लिए थे और अब अमेंडमेंट कवर करना चाहते हैं उनके लिए है तो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर अमेंडमेंट लेक्चर कितने आएंगे क्योंकि आप अगर पहला लेक्चर देखेंगे तीन घंटे से ज्यादा था ये सेकंड लेक्चर है ये भी तीन चार घंटे का हो सकता है थर्ड लेक्चर भी आ सकता है तो बारह तेरह घंटे है वो अमेंडमेंट हमको देखने पड़ेंगे मैं आपको बता दू आंसर इज यस इस बार देर आर अमेंडमेंट्स और ऐसे ऐसे अमेंडमेंट है ना मार्केट में लोगों को समझ में ही नहीं आ रहे आप देखोगे करके ठीक है मार्केट में लाइक लोगों को समझ में ही नहीं आ रहे और उसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं अगर आप कॉम्पैक्ट में देखते होंगे तो हर अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मिलेंगे और बड़ी मेहनत की है और आप ये अमेंडमेंट देख के जाना बिकॉज एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है और सी ए फाइनल का जब एग्जाम होता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो अमेंडमेंट से आते हैं तो मेरा मानना यह है कि लाइक आप अमेंडमेंट लेक्चर देखिए और अमेंडमेंट लेक्चर देखने के बाद में फिर आप रिविजन लेक्चर देखिए तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा करके ठीक है मैं ऐसा बोल के आगे नहीं जा सकता कि नहीं नहीं ये अमेंडमेंट काम का नहीं है नथिंग लाइक दैट ऑब्वियसली सब चीजें काम की है और सब चीजें आपको देखनी है ठीक है चलिए सो so, आज हम ट्राई करेंगे कुछ प्रोसीजरल पार्ट के अमेंडमेंट्स पढ़ने का कैपिटल गेन है पीजीबीपी है ट्रस्ट टैक्सेशन है बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं तो आज अपन देखेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं वो कहां से करते हैं पीजीबीपी से और पीजीबीपी की अगर मैं बात करूं तो पीजीबीपी में एक सबसे पहला अमेंडमेंट है वो ये आया है डेप्रीशिएशन की अगर मैं बात करूं तो आपको डेप्रीशिएशन जो अलाउ होता है वो डेप्रीशिएशन कौन सी असट पे अलाउ होता है चार क्लास की असेंट होती है कौन कौन सी एक तो तुम्हारी लाइक चार क्लास की असेट में एक बिल्डिंग होती है एक फर्नीचर है एक प्लांटेड मशीनरी और एक इंटेंजिबल असेट है अब एक बात समझना इंटेंजिबल असेट में क्या क्या आता है तो आज तक हम क्या बोलते थे इंटेंजिबल असेट में आपके कौन कौन सी असेट आती है पेटेंट कॉपीराइट है उसके बाद में लाइक ट्रेडमार्क है लाइसेंस है फ्रेंचाइजी है ये इंटेंजिबल असेट में आता है लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि सर गुडविल पे डेप्रिशिएशन मिलता है या नहीं क्या गुडविल डेप्रिशिएबल असेट है या नहीं मैं बताऊं पहले इसको लेके व्यू थे और बहुत सारे कोर्ट्स ने ऐसा बोला हुआ था और लास्ट ईयर ऐसे तीन केस लॉ थे जिस केस लॉ में ये बोला हुआ था गुडविल इज अ डेप्रिशिएबल असेट एंड यू कैन क्लेम द डेप्रीशिएशन ऑन गुडविल गुडविल पे डेप्रिशिएशन मिलता था लेकिन इस बार निर्मला सीतारमन जी ने अमेंडमेंट कर दिया और निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि अब गुडविल पे कोई आपको डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा ऑन गुडविल डेप्रीशिएशन इज नॉट अलाउड आपको कोई भी गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा गुडविल भले वो बिजनेस का है या प्रोफेशन का है वो आपके इंटेंजिबल असेट में नहीं आएगा उस पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो इस साल से अमेंडमेंट हुआ कि गुडविल पे डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो देखो क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फोर पे आइए ऑन द पेज नंबर ट्रिपल वन जिबल अट इंक्लूड नो हाउ पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ दिलर नेट अदर देन गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन जो बिजनेस और प्रोफेशन का गुडविल है उस पर आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा उन्होंने उसको एक्सक्लूड किया है लेकिन सर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा लेकिन पहले से ऑलरेडी गुडविल ब्लॉक में है तो उसका क्या करेंगे अभी थोड़ा थाम वो अभी उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए अब आप आ जाइए सीधा पेज नंबर आपकी बुक में दे रखा है ऑन द पेज और यहां पे हम सीखने वाले गुडविल है तो पे अब नहीं मिलेगा और मैं रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया है लास्ट ईयर से कि प्रीवियस ईयर 2021 से कोई डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा तो इस केस में क्या होगा कैसे होगा तो चलो हम यहां से पढ़ना चालू करते हैं चलिए इस साल से एक अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं देखिए पहले क्या होता था कि जो भी तुम्हारा गुडविल होता था गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ये गुडविल के, के केस में क्या होता था कि गुडविल अगर आपने परचेज किया हुआ है क्योंकि भैया आजकल सेल्फ जनरेट तो हो ही नहीं सकता गुडविल अगर परचेज किया हुआ है तो इस गुडविल केस में आपको डेप्रीशियशन मिलता था डेप्रीशियन मिलता था बिकॉज ऐसे बहुत सारे हाईकोर्ट के जजमेंट भी थे और बोलते थे कि गुडविल के केस में आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा तो गुडविल के केस में डेप्रीशिएशन मिलता था और गुडविल कौन से ब्लॉक का पार्ट बनती थी इंटेंजिबल असेट का और टेंजिबल असेट्स पे आपको डेप्रीशिएशन मिलता है 25% परसेंट की रेट से 25% परसेंट की रेट से इन टेंजिबल असेट्स पे आपको मिलता है तो गुडविल जो पार्ट था वो टेंजिबल असेट का पार्ट थी और गुडविल के केस में डेप्रीशिएशन मिलता था इस बार क्या हुआ निर्मला सीतारमन जी ने अमेंडमेंट कर दिया और निर्मला सीतारमन जी ने फाइनेंस एक्ट टू से इन्होंने अमेंडमेंट किया लेकिन बेटा ये जो अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी है ये एप्लीकेबिलिटी आपकी लास्ट ईयर से है मीन्स असेसमेंट ईयर 2122 से है असेसमेंट ईयर 2122 से है इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर 2021 से है प्रीवियस ईयर 2021 से इसकी एप्लीकेबिलिटी है और अब यहां पे निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि प्रीवियस ईयर 2021 से इस ईयर से इस प्रीवियस ईयर से मीन लास्ट प्रीवियस ईयर से आपको जो भी गुडविल है ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इस पे आपको डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं होगा इस पे आपको डेप्रीशियशन है वो डेप्रीशियेशन अलाउ नहीं होगा इस पे आप डेप्रीशियशन है वो डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते ये कब से नहीं ले सकते हैं ये नहीं ले सकते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर से दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 से अब आप गुडविल ऑफ बिजनेस एंड गुडविल ऑफ प्रोफेशन पे आप डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते लेकिन सर एक बात बताइए हम कैसे अलग करेंगे उस गुडविल को हम उसको अलग कैसे करेंगे गुडविल को हम ब्लॉक में से अलग कैसे करेंगे कि भैया चलो ये गुडविल वाला पार्ट है आपने बोला कि इस पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा बट ब्लॉक जो होता है वो तो इनटेंजिबल असेट का ब्लॉक होता है इनटेंजिबल असेट में गुडविल ऑफ बिजनेस भी हो सकता है उसके अंदर पेटेंट भी है कॉपीराइट भी है ट्रेडमार्क भी है फ्रेंचाइजी लाइसेंस बहुत सारी चीजें हैं वो उसमें हो सकती है तो सर एक बात बताइए ब्लॉक तो एक होता है इंटेंजिबल अट का उसमें से हम गुडविल को अलग कैसे करेंगे सेग्रीगेट कैसे करेंगे तो यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करना जैसे मैं एक, एक एग्जांपल लेता हूं लास्ट ईयर से ही नहीं मिलेगा डेप्रिशिएशन लास्ट ईयर से ही डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा तो इन्होंने बोला कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपकी लास्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यू जो है वो पच्चीस लाख है ब्लॉक की लास्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यू डीवी पच्चीस लाख है और ये ब्लॉक जो है ये इनटेंजिबल अट का ब्लॉक है और इस ब्लॉक में फॉर एन एग्जाम्पल आपकी इस ब्लॉक में दो तीन असेट है इसमें हो सकता है आपके पास पेटेंट भी है इसमें आपका गुडविल भी है इसमें आपका कोई कॉपीराइट भी है ये सब मिला के ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यू डी है पच्चीस लाख ,00 है और ये ओपनिंग डब्ल्यू डीवी है फर्स्ट अप्रैल दो हजार बीस को मीन्स लास्ट ईयर तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया अब तो आपको गुडविल पे डेप्रिशिएशन मिलेगा ही नहीं तो आप एक काम करिए ये जो डब्ल्यू डीवी है इस डब्ल्यूडीवी में से आप गुडविल की डब्ल्यू डीवी को अलग कर दीजिए अब उस पर आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा आप नाइनटीन ट्वेंटी प्रीवियस ईयर तक लेते थे बट अब आपको नहीं मिलेगा लेकिन सर क्वेश्चन ही आता है कि मैं कैसे अलग करूं कैसे इसमें से अलग करूं कि गुडविल का डब्ल्यूडीवी इतना है उसको अलग कैसे करूं तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करिए पहले आपने गुडविल खरीदा कब था तब से लेके आप ऐसे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करिए जैसे गुडविल इज द ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट और जो भी उसकी वैल्यू आती है उस वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे इस ब्लॉक में से अलग कर देंगे जैसे आई कैन टेक अ कि ये डब्ल्यू जो है ये तो फर्स्ट अप्रैल 2020 की है लेकिन हमने क्या किया एक गुडविल खरीदा था और वो गुडविल हमने जो परचेस किया था गुडविल हमने परचेस किया था वो मान लो 19 फेब 2016 में किया था और वो गुडविल जो था वो सपोज 12 लाख रुपए का था तो एक बात बताइए आप पहले उस पर ऐसे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लीजिए जैसे गुडविल जो है वो ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट है तो एक बात बताओ मुझे अगर 19 फेब 2016 को गुडविल परचेस किया था तो आप एक काम करिए इसमें से डेप्रीशिएशन लेस करिए पहले प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए उसके बाद प्रीवियस ईयर 17-18 के लिए उसके बाद प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए क्योंकि अब आगे आपको 20-21 प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर 2021 से आपको गुडविल पे डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो आप मुझे बोलेगे मैं कैसे कैलकुलेट करूं तो एक काम करिए ना आपका ट्वेल्व लैक का गुडविल था ट्वेंटी का डेप्रिशिएशन रेट है तो आप एक काम करिए जैसे पहले साल का आपका थ्री लैख आ गया उसके बाद में आपके दूसरे साल का ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ गया इसको लेस कर दीजिए तीसरे साल का ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका वन सिक्सटी एट सेवन फिफ्टी आ गया उसको लेस करिए चौथे साल का ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका वन ट्वेंटी सिक्स एंड फाइव सिक्सटी थ्री आ गया ओ ओ सॉरी सॉरी आई मेड द मिस्टेक पहले साल का आपको हाफ रेट से मिलेगा ना पहले साल का आपको हाफ रेट से मिलेगा क्योंकि यहां पे आपका देखिए आपका लेस निकालिएसेंट कम्स टू द आपका कितना आता है एक लाख पचास हजार आता है हाँ भाई फर्स्ट ईयर का हाफ यस एक लाख पचास हजार सॉरी आई मेड द मिस्टेक तो जो बचा उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना निकाला मैंने ट्वेल्व लाख का 12.5% परसेंट सही है एक लाख पचास हज़ार या जो बचा उसका 25% फाइव परसेंट टू सिक्सटी लेस करिए जो बचा उसका 25% फाइव परसेंट वन नाइन्टी जो बचा उसका 25% फाइव परसेंट वन जो बचा उसका 25% फाइव परसेंट वन वन जीरो सेवन फोर्टी तो जो बचा आपका थ्री थर्टी टू टू ट्वेंटी सेवन बच गया तो ये आपका जो है ये जो आपका है ये आपका आ गया डब्ल्यू डी किसका गुडविल का तो आपको क्या करना है अब ये जो आपका डब्ल्यू डी रहेगा इस साल का इस साल का मतलब प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस का सॉरी प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस का तो प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस में आपको क्या करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस में आपको क्या करना पड़ेगा क्या देखिए इस साल का जो परचेज होगा वो परचेज को आप ऐड करेंगे लेकिन गुडविल को तो ऐड करेंगे ही नहीं अगर प्रीवियस ईयर 2021 में आपने कोई गुडविल खरीदा तो गुडविल को ऐड नहीं करेंगे गुडविल को छोड़ के बाकी कोई इंटेंजिबल असेट खरीदी है तो वो आप ब्लॉक में ऐड कर देंगे इसमें से अगर कोई सेल किया असेट करके ठीक है तो वो आप लेस कर देंगे और जो भी लेस इसमें एक और चीज लेस होगी दैट इज द डब्ल्यू ऑफ गुडविल तो जो गुडविल का डब्ल्यू था उसको आप हटा दीजिए ब्लॉक में से 332227 और जो बचेगा अब इस साल का ये डब्ल्यू रहेगा और ये जो डब्ल्यू टू द 2167773 और इस पर अब आपको डेप्रीशिएशन मिल जाएगा 25% परसेंट की रेट से अब इस पर आपको डेप्रीशिएशन है वो आपको मिल जाएगा तो देखिए यहां तक मैं ऐसे कंक्लूड कर लू कि देखिए यहां पे निर्मला सीतारामन जी ने एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट ये है कि भैया पहले क्या होता था गुडविल पे आपको डेप्रिशिएशन मिलता था डेप्रीशियेबल असेट थी बट इन्होंने फाइनेंस एक्ट टू से अमेंडमेंट किया बट दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट इवेंटी वन ट्वेंटी टू मिस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है आपका प्रीवियस ईयर बीस से और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आपका गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है उस पर अब डेप्रीशियन अलाउ नहीं होगा लेकिन ब्लॉक में अगर मान लो गुडविल है तो उसको कैसे अलग करेंगे तो उसको अलग करने के लिए गुडविल पे आप ऐसे डेप्रीशियन 1920 तक कैलकुलेट कर लीजिए जैसे गुडविल ओनली अट इन द ब्लॉक है और डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो भी ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू को आप इस ब्लॉक से हटा दीजिए और बाकी वाले ब्लॉक है उस पर आपको डेप्रीशियशन है वो प्रीवियस ईयर बीस में मिल जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब अपना कुछ चीजें इसमें पढ़ेंगे क्या सर एक बात बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि ये डब्ल्यूटीबी जो है वो इससे ज्यादा आ जाए क्या इज इट पॉसिबल दैट कि ये जो डब्ल्यूटीबी अपन गुडविल का जो अलग कर रहे हैं ब्लॉक में से ये अगर इस 25 लाख से ज्यादा आ जाए क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता और अगर ऐसा होता है तो क्या कैपिटल गेन आएगा क्या ऐसा होता है तो कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा वो अपन यहां पे समझेंगे उसके लिए एक रूल दे रखा है रूल नंबर एट ए सी करके और एट ए सी में क्या दे रखा है वो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बुक पे और देखिए अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है यहां पे मैंने बहुत ट्राई करके बहुत ईजी लैंग्वेज में बना के और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्रिएट करके और आपके लिए मैंने इस कंसेप्ट को बनाया है तो देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले गुडविल ऑफ बिजनेस

ऑन विच डेप्रिशिएशन वॉज ऑप्टेन बाय एस एससी अप टू प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी तक एस एस सी ने उस पर डेप्रिशिएन लिया था देन डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ गुडविल शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल ब्लॉक ऑफसेट फॉर दिस पर्पज डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ गुडविल शैल बी कैल्कुलेटेड एज इफ द गुडविल वॉज द ऑनली असेट इन द रिलेवेंट ब्लॉक ऑफ असेट ये गुडविल जो है वो ऑनली असेट ए रिलेवेंट ब्लॉक ऑफ असेट में अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर अब आप बोल रहे गुडविल पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो गुडविल को हमने यहाँ से हटा दिया इस ब्लॉक में से हमने हटा दिया यहाँ से हटा दिया सर एक बात बताइए थोड़े दिन बाद हमने गुडविल को बेच दिया तो इस गुडविल को जब हम बेचेंगे आप एक बात बताइए जब इस गुडविल को मैं सेल करूंगा तो सेल करते टाइम ये जब गुडविल को मैं सेल करूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा सपोज मैंने दस लाख में सेल किया तो गुडविल को जब सेल किया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो कितना आ जाएगा दस लाख आ जाएगा अब मुझे एक बात बताइए इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लू तो मैं आपको बोलूं जो इधर डब्ल्यू आपने अलग की थी जो डब्ल्यू आपने कैलकुलेट कर की थी वो ही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन जाएगी अब भैया डेप्रीशिएशन तो मिलने वाला है नहीं तो जो ये डब्ल्यू था 332227 इन फ्यूचर अगर आप इस गुडविल को बेचते हैं तो ये 332227 है यही आपकी क्या बन जाएगी थ्री 227 है ये आपकी क्या बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी सर ये कहां दे रखा है ये मैंने अगली लाइन में दे रखा है एज वेल एज द आपको कैपिटल गेन में भी दे रखा था और वहां मैं आपको छुड़वा के आ गया था वापस मैं वहां पे आपको लेके जाऊंगा तो देखिए पहले यहां क्या दे रखा है यहां दे रखा है इफ गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इफ गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन

एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा ये मैंने कैपिटल गेन में भी बताया है और कैपिटल गेन में अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑन द पेज नंबर मैं आपको सीधा उस पेज पे लेके जाता हूं कि ये मैंने कहां बताया था कैपिटल गेन में तो आप आ जाइए सीधा पेज नंबर थर्टी फोर पे और आपकी बुक में अगर आप पेज नंबर थर्टी फोर पे आते हैं तो पेज नंबर थर्टी फोर पे आपको ये मैंने दे रखा है और पेज नंबर थर्टी फोर पे आप देखेंगे तो देखिए क्या दे रखा है देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कैपिटल गेन के साथ सॉरी पीजीबीपी के साथ डिस्कस करेंगे देखिए क्या लिखा है इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रीशिएक्शन थर्टी टू वन हैज बीन ऑप्टेन बाई एस एस सी इन एनी प्रीवियस ईयर अपटू प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी मिस नाइनटीन ट्वेंटी तक अगर आपने डेप्रीशिएशन लिया था द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुडविल वुड बी द अमाउंट फॉर द परचेज प्राइस आज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन अपू नाइनटीन ट्वेंटी ऑप्टेन बाय द एस एस सी अंडर सेक्शन थर्टी टू वन जो बाई डेप्रीशिएशन था वो लेस कर दीजिए जो डब्ल्यू डीवी है वो डब्ल्यू डीवी ही अभी क्या बन जाएगी कॉस्ट बन जाएगी अगर आप इस गुडविल को बेचते हैं तो चलिए अपन एक काम करते हैं यहां पे चलते हैं अब अपन आगे चलते हैं और यहां पे हम चलेंगे वापस पेज नंबर पे और पेज नंबर हम चलते हैं वन वन फाइव पे और देखिए वन वन फाइव पे क्या दे रखा है ऑल पीपल पे अटेंशन अब यहां पे एक रूल दे रखा है और वो रूल ये बोलता है कि सर

दिस रूल्स प्रोवाइड दैट वी आर द गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वॉज द ऑनली असेट और वन ऑफ द असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट या तो गुडविल जो था वो या तो ऑनली असेट था ब्लॉक में एक ही असेट था दैट इज गुडविल या फिर हो सकता है वो वन ऑफ द असेट था इन द इनटेंजिबल अट इनजिबल ब्लॉक में हो सकता है पंद्रह असेट थी पंद्रह में से एक गुडविल था डेप्रिशिएशन अपू प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी द डब्ल्यू डीवी ऑफ दिस ब्लॉक फॉर एन अट फॉर द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन लास्ट ईयर का डब्ल्यूडीवी कैसे डिटरमाइन करना पड़ेगा तो देखिए लास्ट ईयर का डब्ल्यू डीवी कैसे डिटरमाइन करेंगे सबसे पहले ले लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ इंटेन्जिबल ब्लॉक ऑफ असेट एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मीनस लास्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यू डीवी उसमें आप ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट मीन आपने अगर कोई असेट खरीदी इनटेंजिबल असेट खरीदी बट अदर देन गुडविल देखो गुडविल पे तो लास्ट ईयर से डेप्रिशिए मिलेगा ही नहीं तो लास्ट ईयर अगर कोई और असेट खरीदी है जैसे लास्ट ईयर पेटेंट खरीदा कॉपीराइट खरीदा ट्रेडमार्क खरीदा वो आप एड कर दीजिए उस ब्लॉक में उसमें से माइनस करिए मनी पेबल अगर कोई असेट इनटेंजिबल अट लास्ट ईयर बेचिए तो वो लेस कर दीजिए और उसके बाद आप डब्ल्यू डीवी ऑफ गुडविल को भी लेस करेंगे बट डब्ल्यू डीवी ऑफ गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कैसे आप लेस करेंगे तो देखिए कैलकुलेटेड ऑन द दैट द गुडविल इज द ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट आप यहां पे लेस कर दीजिए गुडविल को और जो बचेगा वो आपका डब्ल्यू डीवी फोर डेप्रिशिएशन रहेगा उसमें से आप डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड को लेस कर दीजिए आपको मिल जाएगा यहां पे क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी उस ब्लॉक का यहां पे कुछ नोट्स दे रखे हैं और वो नोट्स क्या दे रखे हैं उसको अपन थोड़ी देर के बाद में पढ़ते हैं उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो एग्जाम्पल से क्लियरिटी आएगी फिर अपन इन नोट्स को अपन बाद में पढ़ लेंगे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल से एग्जाम्पल से क्लियरिटी लाते हैं इस कंसेप्ट की तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर वन और एग्जाम्पल नंबर वन बोलता है डब्ल्यू डीवी ऑफ इंटेंजिबल अट ब्लॉक एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी मीनस लास्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यू डीवी

आपसे पूछा है कि भैया इस साल वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मीन आपका इक्कीस बाईसिंग या मैं बोल सकता हूं अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालिए एज वेल एज द आपका लास्ट ईयर कितना डेप्रीशिएशन अलाउ होगा और इस करंट ईयर में कितना डेप्रीशिएशन अलाउ होगा वो आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए बड़ा सिंपल है पहले मैं लास्ट ईयर जाता हूं तो लास्ट ईयर मेरा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था सेवेंटी लाख था अब एक बात समझना लास्ट ईयर अगर कोई असट इंटेंजिबल एक्वायर करेंगे तो वो एड करेंगे अगर सेल करेंगे तो लेस करेंगे उसमें से लास्ट ईयर से गुडविल पर मिलता तो मुझे ऑफ गुडविल को लेस करना पड़ेगा लेकिन यहां क्वेश्चन आता है कि ऑफ गुडविल निकालेंगे कैसे डब्ल्यूडीवी ऑफ गुडविल जो है वो निकालेंगे कैसे तो आप एक काम करिए ना ये गुडविल खरीदी कब थी प्रीवियस ईयर में कितने में फोर्टी में तो एक बात बताइए ना इस 40 लाख में से आप एक काम करिए एक तो प्रीवियसर एटीन नाइनटीन का डेप्रीशियन लेस कर दीजिए प्रीवियस ईयर का डेप्रीशियन लेस कर दीजिए तो दो साल का डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए जो भी आता है जो बचेगा वो डब्ल्यू डीवी ऑफ गुडविल हो जाएगा बड़ा सिंपल है अगर मैं ऐसे यहां कैलसी पे भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि फोर्टी लेख पे एटीन नाइनटीन का हाफ रेट से होगा बारह पॉइंट हाँ भाई बारह आप लेस कर दीजिए तो ये आपका आ गया कितना पैंतीस लाख और माइनस कर दीजिए इसमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट और तो ये तुम्हारा आ गया छब्बीस लाख पच्चीस हजार तो छब्बीस लाख पच्चीस हजार है ये लास्ट ईयर आपने गुडविल को लेस कर दीजिए क्योंकि गुडविल्स पे लास्ट ईयर से डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा अब लास्ट ईयर किस किसपे मिलेगा सिर्फ फोर्टी थ्री सेवेंटी फाइव पे मिलेगा बड़ा ही लॉजिकल है 4375 पे मिलेगा और 4375 जो है 4375 है इस पे आपको 25 परसेंट से डेप्रीशिएशन मिल गया दैट इज टेन लैख नाइनटी तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग डब्ल्यू डी आ गया दैट इज 3281250। या मैं ऐसा बोल दू प्रीवियस ईयर इक्कीस का ये ओपनिंग डब्ल्यू डी आ गया प्रीवियसर इक्कीस बाईस का ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गया अब एक बात बताइए इस साल डेप्रीशियशन किस पे मिलेगा इसी पे मिलेगा तो इस पे मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट एप्रीशिएशन लेस कर देता हूं तो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट एप्रीशिएट ट्वेंटी थ्री वन थ्री तो इस साल का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी या अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आया वो ट्वेंटी फोर सिक्सटी नाइन थर्टी सेवन आ गया अब आप बोलोगे सर गुडविल पे आपने ये कैसे डब्ल्यू निकाला था मैंने अभी तो बताया कि भैया मैंने 1819 में खरीदा था गुडविल यहां डेट दे रखी है 1819 की तो 1819 में 40 लाख पे खरीदा था इस 40 लाख में से 1819 1920 नाइनटीन दो साल का डेप्रिसिएशन लेस करके मेरा फर्स्ट अप्रैल 2020 को जो वैल्यू आती है वो मैंने लास्ट ईयर बीस के ब्लॉक से हटा दिया था ये मैंने यहां कैलकुलेशन भी इसका दे रखा है कि ये ट्वेंटी 25 कैसे आया इसकी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है आप इसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं और अगर एग्जाम्पल नंबर वन में कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए एग्जाम्पल इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिए कोई डाउट नहीं है एग्जाम्पल नंबर वन में कोई डाउट है तो बता दीजिए एग्जाम्पल नंबर वन में कोई डाउट नहीं है एग्जाम्पल नंबर वन में कोई डाउट है एग्जाम्पल नंबर वन में कोई डाउट है क्या बोलिए नो डाउट नो डाउट है तो बोलिए नो डाउट डन सर कोई डाउट नहीं है शोभिता एग्जाम्पल नंबर वन में अब एक बात बताइए यहाँ पे रूल नंबर जो आपका वन है सॉरी रूल नंबर जो आपका एट ए सी है वो वो एट ए सी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोलता है और वो एट ए सी क्या इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोलता है समझने की कोशिश करना हाँ एट ए सी जो है एट एसी क्या बोलता है कि लास्ट ईयर का आपका डब्ल्यू कैसे लेना है लास्ट ईयर का डब्ल्यू आपको कैसे लेना है पहले तो वो बताता है तो लास्ट ईयर का आपका ओपनिंग WDV ये था इसमें लास्ट ईयर अगर कुछ किया गुडविल को छोड़ के वो ऐड करिए लास्ट ईयर कुछ सेल किया वो लेस करिए और गुडविल का डब्ल्यू लेस कर दीजिए जो बचेगा वो आपका डब्ल्यू फॉर डेप्रीशिएशन होगा और इस पर डेप्रिशिएशन मिलेगा लेकिन सर अगर ऐसा हो गया कि डब्ल्यू डीवी ऑफ गुडविल जो है ये इसकी डब्ल्यूडीवी ज्यादा हो गई किससे ये इस साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी परचेज माइनस सेल में जो बचेगा जो लास्ट में बचेगा उससे अगर डब्ल्यूडीवी ज्यादा हो गई तो क्या होगा डब्ल्यूडीवी ज्यादा हो गई मिस ब्लॉक में आपके पास एक से ज्यादा असेट है मिस पेटेंट है कॉपीराइट है ट्रेडमार्क है हो सकती है बहुत सारी असेट है उसमें से गुडविल को आप अलग कर रहे हैं और गुडविल को जो अलग कर रहे हैं ये डब्ल्यू डी ऑफ गुडविल जो आई अगर ये डब्ल्यू डी ऑफ गुडविल जो है ये अगर ज्यादा हो गई इन वैल्यू से तो उस केस में क्या होगा पता है इन्होंने बोला आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगर ऐसा हुआ कि ये डब्ल्यू डी ऑफ गुडविल जो है ये अगर ज्यादा हो गया और वो ज्यादा किससे है इस ओपनिंग और परचेज से ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा बट आपका पहला डाउट तो ये आ सकता है कि सर ऐसा हो सकता है क्या जैसे इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल की एक बात बताओ ये कहना क्या चाहते हैं पता है कि भाई ये इनटेंजिबल का जो सेवनटी लेके इसमें यह गुडविल का जो डब्ल्यूडीवी है वो सेवनटी से ज्यादा हो जाए क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं मुझे पहले आप कोई बता सकता है ऐसा पॉसिबल है या नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि ये सेवेंटी में गुडविल भी है पेटेंट भी है कॉपी भी है ट्रेडमार्क भी है फ्रेंचाइजी भी है बहुत सारी सारीट है और उनमें गुडविल भी है और वो गुडविल का डब्ल्यू डी निकालोगे वो डब्ल्यूडी भी जो है वो इस 70 से ज्यादा हो जाए इज इट पॉसिबल और नॉट पहले मुझे ये बताइए क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हुँ? शल पारस एंड धीनू एंड दीक्षा सबने बोला पॉसिबल है यस पॉसिबल है आप समझिए हो सकता है ना कि किसी पिछले सालों में कोई पेटेंट है या कॉपीराइट वगैरह है वो हायर वैल्यू पे बेच दिया हो बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे बेचा होगा कोई अदर इंटेंजिबल असेट तो भैया जब हायर वैल्यू पे बेचा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा अब डब्ल्यू डीवी तो कम हो सकता है और जब आप गुडविल को अलग करके उसका डब्ल्यू डीवी निकालोगे तो वो ज्यादा आ सकता है आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं वेरी गुड भाई जब आपने डब्ल्यू डीवी ब्लॉक किए है एक अप्रैल 2020 की उस डब्ल्यू डीवी में जो असेट उसमें से कोई असेट पहले ऐसी थी जो बेच दी थी और वो बहुत हाई वैल्यू पे बेची थी तो हाई वैल्यू पे बेची हुई थी तो आपका लेस ज्यादा हुआ होगा डब्ल्यू डीवी कम होगी अब उसमें से कुछ गुडविल अगर बची है उसको अगर आप अलग करेंगे तो उस पर तो अलग से आप डेप्रीशिएशन निकालेंगे और जब आप अलग पे अलग से डेप्रीशिएशन निकालेंगे तो हो सकता है वो वैल्यू ज्यादा आ जाए तो वो वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है तो उस केस में जितनी ज्यादा है वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ऐसा यहां पे ये नोट नंबर वन बोलेगा ऐसा यहां पे नोट नंबर वन बोलेगा नोट नंबर वन क्या बोलता है देखिए अब अपन नोट नंबर वन पढ़ रहे हैं ऑन द पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन पे दे रखा है और देखिए ये नोट नंबर वन क्या बोलता है नोट नंबर वन ये बोलता है कि भैया यहां पे जो ये डब्ल्यू डी ऑफ गुडविल को ये बोल रहे हैं ब्लॉक में से लेस कर दीजिए लास्ट ईयर के ब्लॉक में से और उसके बाद जो बचता है उस पर लास्ट ईयर का डेप्रिशिएशन लीजिए क्योंकि लास्ट ईयर से डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा गुडविल पे तो इन्होंने बोला एक काम करिए नोट नंबर वन पढ़िए इफ द डब्ल्यू ऑफ गुडविल मोर देन द एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू डीवी अगर जो तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यू डीवी एंड द एक्ल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर अगर मान लो ओपनिंग और एक्सेस तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ऐसा आपका नोट नंबर वन बोलता है एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर टू पे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर टू पे एग्जाम्पल नंबर टू देखिए सपोज इन एग्जाम्पल नंबर वन द डब्ल्यूडीबी ऑफ इंटेंजिबल अट ब्लॉक एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी इंक्लूड पेटेंट एंड गुडविल दो अट थी पेटेंट थी गुडविल वगैरह थे वो ट्वेंटी लेकिन इंस्टेंट ऑफ सेवेंटी लैख तो क्या होगा तो एक बात बताइए पहली चीज तो आप ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ट्वेंटी लैख इस साल और कोई इंटेंजिबल अट खरीदी नहीं है अब आप लेस करेंगे गुडविल का डब्ल्यू डीबी अब एक बात बताइए मुझे जब गुडविल का डब्ल्यूडीवी आप सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये किया था ना यहां पे देखिए ये किया था कि आप 40 लाख पे पहले 5 लाख डेप्रिसिएशन लिया फिर आपने 875 तो 2625 आया अब एक बात बताइए यहां पे आपका गुडविल का डब्ल्यूडीवी जब आप लेस करेंगे गुडविल का डब्ल्यूडीवी जब आप लेस करेंगे तो यहां पे आप 20 लेस कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव ये मैंने सिखाया था ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव तो यहां पे आपका हियर इन दिस केस सिंस डब्ल्यूडीवी ऑफ गुडविल इज मोर देन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक सो एक्सेस सिक्स लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये लास्ट ईयर का ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा ये लास्ट ईयर का ही आपका क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये लास्ट ईयर का ही बन जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक और चीज समझता हूं यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज ये बोलता है यही वाला रूल दैट इज द रूल नंबर आपका रूल नंबर एट ए सी करके और ये रूल ये बोलता है कि अगर मान लो ब्लॉक में हाँ, या बोल रहे हो कि ये सर एबस्टर्ड नहीं है अभी जो है हमको कुछ कंसिडरेशन तो मिल नहीं रहा है बट तो भी वो कैपिटल गेन लगवा रहे आंसर इज यस ये है ऐसा बट ऐसा ही रूल बोलता है ऐसा ही आपका रूल जो है वो आपका ऐसा ही बोलता है कि भैया ये कैपिटल गेन लगेगा यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा अब एक चीज समझना एक और इंटरेस्टिंग पार्ट और वो इंटरेस्टिंग पार्ट ये बोलता है कि ब्लॉक में अगर मान लो सिर्फ आपकी गुडविल ही थी और कोई इंटेंजिबल अट नहीं थी जो ब्लॉक थी इंटेंजिबल असेट की ब्लॉक में सिर्फ गुडविल है और कोई असेट है ही नहीं सिर्फ गुडविल है और कोई असेट है ही नहीं तो उस केस में ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा कुछ भी नहीं होगा मीन्स आप डब्ल्यू को अलग कर दीजिए और वो ब्लॉक वहीं पे खत्म हो जाएगा ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और ना ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो देखिए अगर उस ब्लॉक में अदर असेट भी है मीन इंटेंजिबल के ब्लॉक में अदर असेट भी है तो जब अदर असेट है तो तो उस केस में क्या होगा अगर अदर असेट है तो तो उस केस में क्या होगा कि भैया अगर मान लो गुडविल का डब्ल्यू डीवी ज्यादा है ओपनिंग डब्ल्यू डीवी प्लस इस साल जो इंटेंजिबल परचेज किया उससे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर मान लो कम है तो तो दिक्कत ही नहीं है आप डेप्रिसिएशन लेते जाएंगे बट मान लो उस ब्लॉक में सिर्फ गुडविल ही था और कोई था ही नहीं गुडविल था उस ब्लॉक में और कोई इंटेंजिबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा कुछ भी नहीं होगा ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल उसके बाद ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा आपका वहां पे जो ब्लॉक है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा ऐसा आपको नोट नंबर टू सिखाएगा नोट नंबर टू क्या बोलता है देखिए अब समझिए If goodwill of business or profession was the only asset in the block of asset, the only asset goodwill of business or profession for which assessee has obtained depreciation in previous year in 1920.

इन दिस केस दियर इज नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज दियर इज नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो यहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एग्जाम्पल नंबर थर्ड में ये लिखा हुआ है कि सपोज इन एग्जाम्पल नंबर वन गुडविल वॉज द ओनली असेट इन इंटेंजिबल ब्लॉक एज ऑन वन फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी सिर्फ गुडविल गुडविल ओनली असेट थी ओनली असेट थी तो उस केस में एज द ब्लॉक ऑफ असैट सीज टू एक्सिस्ट एज देअ बिंग नो फर्दर अट एक्वाइड इन प्रीवियस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नो टैक्स ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स भैया जो फोर्टी थ्री सेवन जो बचा था आपका कौन से वाले एग्जाम्पल नंबर वन में तो एग्जाम्पल नंबर वन में यहां पर जो डब्ल्यू डीवी आता था उस पर डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए था बट अब आपका कुछ भी नहीं होगा नथिंग विल हैपन देर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स डेप्रीशिएशन नॉट अलाउड as block cease to exist as well as capital gain shall also not applicable as per rule number 8AC. ac rule number 8AC ac ke hisab se yahan capital gain bhi nahi lagega you got my point or not yes ab aap example number 4 hai example number फाइव है और example number सिक्स है ये आप खुद try करेंगे एक बार आप example को देखिए calculator लीजिए और calculator से आप try करके देखिए देखिए आपको दो चीजें इस rule के हिसाब से याद रखनी है पहली चीज तो अगर उस इंटेंजिबल के ब्लॉक में और कोई असेट है और कोई असेट है और वो असेट है और अगर डब्ल्यू डी ऑफ गुडविल ज्यादा हो जाती है ओपनिंग डब्ल्यू डी और उस साल के परचेज से तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा बट अगर कोई असेट नहीं है तो ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा कुछ भी नहीं होगा ऐसा रूल नंबर एट ए सी में बोला हुआ है आप एक काम करिए एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फाइव एंड एग्जाम्पल नंबर सिक्स है मैं आपको आठ सात आठ मिनट का टाइम देता हूं इन सात आठ मिनट में आप ढंग से रीड करके और उसका प्रेजेंटेशन वगैरह आप देखिएगा Yes, people, done. देखिए इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है यहां पे तो फिर आप पीरियड ऑफ हेलो 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 यस पीपल आप यहां पे बोल रहे हैं ना देखो अगर वो असेट आपकी क्या बोलते हैं असेट इसके ऊपर कहीं क्लैरिटी नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा कहीं पे क्लैरिटी नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे क्लैरिटी नहीं है तो मैंने तो फिर यहां पे इंडेक्सेशन लिया है क्योंकि मैं तो फिर यहाँ गुडविल का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा वो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कब जब वो आप लाइक like उसको ब्लॉक से बाहर निकाल रहे हो तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अब वो फिर ब्लॉक से बाहर निकल गई और उसकी कॉस्ट के लिए उन्होंने बोला हुआ है है कॉस्ट आपको ये लेनी और कॉस्ट आपको ये लेनी है और, लेनी है। और यहां पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है इंडेक्सेशन कहां से लेना है यहां पर कहीं पे नहीं दे रखा तो तो फिर मैंने जहां खरीदा था वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग ले लूंगा एज वेल एज द इंडेक्सेशन ले लूंगा इस पार्ट पे अभी तक कहीं पर कोई क्लैरिटी नहीं है ये मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से किया है ये जितना मैंने ऑब्जर्व किया चीजों को और जितनी चीजें मैंने देखी उसके हिसाब से किया इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया है इंस्टीट्यूट ने ना तो इस पर्टिकुलर चीज पे कोई क्वेश्चन दिया है ना कुछ भी नहीं दिया है तो जो मेरे को लगता था मेरे हिसाब से जो मैंने बेस्ट रहता था वो कर दिया एस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अपन आगे चलते हैं और आगे सीधा एक अमेंडमेंट है इन द सेक्शन 35 35 में आ जाइए सेक्शन थर्टी फाइव जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आपकी सेक्शन होती है और आपको पता है थर्टी फाइव में बहुत सारे होते हैं उसमें एक क्लॉज होता है सेक्शन थर्टी फाइव का क्लॉज नंबर टू क्लॉज नंबर टू एंड क्लॉज नंबर थ्री अब एक बात समझना एंड क्लॉज नंबर थ्री क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को इंस्टीट्यूट को कॉलेज को यूनिवर्सिटी को आप कोई डोनेशन देते हो या तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलता है इस टेबल में बता रखा है या फिर अगर आप सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो तो भी आपको हंड्रेड परसेंटक्शन मिलता है और लास्ट में दे रखा है किसी इंडियन कंपनी को देते हो जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है साइंटिफिक रिसर्च के लिए मेंंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलता है तो यहां पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन है और यहां पे आप देखोगे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन है इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट क्या है पता है ये बहुत ही लाइक like, सुंदर अमेंडमेंट है अच्छा अमेंडमेंट है एंड वाई दिस अमेंडमेंट इज आई विल एक्सप्लेन यू बेसिकली होता क्या है बहुत बार अगर आप डोनेशन देते हो लेकिन लाइक क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता कि सच में आपने डोनेशन दिया है या नहीं दिया तो इसके लिए इन्होंने इस बार से क्या किया फर्स्ट अप्रैल 2021 से एक अमेंडमेंट किया और ये अमेंडमेंट यह बोलता है कि जो इंस्टीट्यूशन को या इंडियन कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपने डोनेशन दिया है वो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करेगी

तो उस केस में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन तो ये कि वो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फॉर्म फाइल किया है टेन बी करके और उसमें आपकी डिटेल रहेगी कि आपने डोनेशन दिया था एज वेल एज द आपको डोनर को एक सर्टिफिकेट भी दिया है कि हाँ हाँ आपने डोनेशन दिया है ये दोनों चीजें दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसी केस में आपको डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन थर्टी फाइव वन ए करके सेक्शन और ये सेक्शन बोलती है पेयर स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर टेन बी डी एंड सबमिटेड टू दीडीजीआईटी सिस्टम अपू थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड द डोनी इंस्टीट्यूशन फर्निश सर्टिफिकेट टू द डोनर इन द फॉर्म नंबर टेन बी करके टेन बी करके आपको एक सर्टिफिकेट का फॉर्म है उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अप टू थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और मैं बता दूं ये सेम अमेंडमेंट आपके एटी जी में भी किया है जब अपन डिडक्शन टॉपिक से रिलेटेड अमेंडमेंट देखेंगे तो एटी जी में भी ये अमेंडमेंट किया है जिसकी वजह से क्या होता है कि भैया यहाँ सीधा क्रॉस वेरिफिकेशन हो पाएगा इसका मतलब क्या होगा ना अगले साल जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना प्रीवियस ट्वेंटी टू के लिए तो आपके डोनेशन का डिटेल प्रीफिल्ड रहेगा प्रीफिल्ड रहेगा मीन्स पहले से वो एनुअल इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न रहता है उसमें ऑलरेडी रहेगा और सीधा ही आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगा आपको पुट करने की भी जरूरत नहीं डायरेक्टली वो अपने आप पुट हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना उसके बाद आपका अमेंडमेंट है एक सेक्शन थर्टी सिक्स में सीधा और अगर अपन सेक्शन थर्टी सिक्स में जाके देखते हैं तो थर्टी सिक्स वाली सेक्शन है जिसमें सर्टेन डिडक्शन मिलते हैं कुछ एक्सपेंडिचर आप करते हो तो सर्टेन डिडक्शन मिलते हैं उसमें एक अमेंडमेंट ये इन्होंने किया इस बार ये अमेंडमेंट क्या है क्लेरिफिकेशन है बेसिकली आपको पता है मैंने आपको यह बताया था कि कभी भी जब भी आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो रहता है ना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए किस में डालते हैं तो डिडक्शन मिलता है आपको याद है स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में डाला या अप्रूव ग्रेचुटी फंड में डाला अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में डाला या एनी अदर फंड एज पर द लॉ डाला तो डिडक्शन मिल जाता है अनरिकग्नाइज प्रोविशन नहीं मिलता लेकिन कंडीशन होती है, 43 भी टांग है। और फोर्टी थ्री भी क्या बोलती थी रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले एक्चुअल वो जमा कराना पड़ेगा तभी डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज नहीं लेकिन एक बात समझना यहाँ पे एक और सेक्शन हुआ करती है दैट इज द एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना वो एम्प्लॉयर क्या करता है अपनी जेब में डाल के रखता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या तो पीएफ का या ईएसआई का वगैरह एम्प्लॉयर काटता है एंड एम्प्लॉयर डिडक्ट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड अपने पास रिटेन करके रखता है और बोलता है कि मैं पीएफ में या ईएसआई में जमा करा दूंगा अब एक बात समझना ये कब तक डिपोजिट करवाना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट

तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक अमेंडमेंट सिर्फ आपका फोर्टी फोर ए बी जो टैक्स ऑडिट वाली सेक्शन है उसमें हुआ है और अगर आप टैक्स ऑडिट वाली सेक्शन देखते हैं फोर्टी फोर ए बी करके और फोर्टी फोर ए बी में एक बात बताइए

ग्रॉस रेसिट का 50 परसेंट लेकिन ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन एप्लीकेबल थी पहले रेजिडेंट असएससी लिखा हुआ था बट रेजिडेंट एस में कौन आएगा पहले डिस्प्यूट था क्या रेजिडेंट एस में क्या एलएलपी आएगा या नहीं आएगा तो

बस उसके बाद प्रेजेंटिव बेसिस टैक्सेशन चालू हो जाता है और कोई भी आपके पीजीबीपी में अमेंडमेंट नहीं है पीजीबीपी के बाद आपके क्या बोलते हैं आईसीडीएस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है बट आईसीडीएस को इस बार मैंने थोड़ा लाइक like, क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है आप अगर बुक में देखेंगे आईसीडीएस टॉपिक को तो मैंने थोड़ा एग्जॉस्ट भी किया है कि कहीं ना कहीं पे आई कुछ इधर उसे आड़ा टेढ़ा ना पूछ ले इसके लिए मैंने थोड़ा इस टॉपिक को एग्जॉस्ट किया है थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है तो आप इस टॉपिक को यहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छा है कोई अमेंडमेंट नहीं है इस टॉपिक में ठीक है चलिए अमल गमिशन डी की अगर मैं बात करूँ तो अमल गमिशन डीमर्जर में अभी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है अमल गमिशन डीमर्जर टॉपिक उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन वाले में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है डिविडेंट में भी नहीं है तो अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड वाले टॉपिक में आपके कोई भी अमेंडमेंट नहीं है लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नहीं है मतलब क्लेरिफिकेशन है जो आईसीआई ने भी दे रखा है इसलिए मैंने भी दे रखा है ध्यान रखना ये क्या है एक बात बताइए यहाँ पे दे रखा है ऑन द पेज नंबर मैंने 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 पेज नंबर यहाँ पे बीबीज नोट करके आ जाइए सब लोग पेज नंबर वन पे क्योंकि आईसीआई ने भी अपने मटेरियल में ये क्लेरिफिकेशन दिया है तो मैंने भी दिया है तो चलिए बट पहले पहले मैंने दिया था तो चलिए अब अपन चलते हैं यहाँ पे एक बीबीज नोट दे रखा है ये नोट क्या बोलता है कि आपका डिविडेंट कौन से हेड में टैक्सेबल होता है तो मैं बताऊं डिविडेंट आपके लिए टैक्सेबल होता है आई एफ ओ में देखो क्योंकि अगर आप सेक्शन 56 को जाके पढ़ते हो ना तो सेक्शन 56 में ये लिखा हुआ है डिविडेंट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका अगर शेयर है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो भी क्या डिविडेंट है वो आपके आई एफ ओ एस में ही टैक्सेबल होगा या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा

डिडेंट है वो हेड में टैक्सेबल हो सकता है करके ठीक है 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 होता है, ऐसा ऐसा बहुत पुराना 1978 के आसपास का कोई उसके साथ साथ में अगर आप की पे जाओगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक दे रखा है ट्यूटोरियल है डिविडेंट को लिखे और उस ट्यूटोरियल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिविडेंट है अगर शेयर स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और बिजनेस में टैक्सेबल होगा और गाइस अगर बिजनेस में जब डिविडेंड टैक्सेबल होगा ना तो जो तुम्हारे एक्सपेंडिचर में जो सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था फिर तो वो सेक्शन भी नहीं लगेगी क्योंकि वो तो सेक्शन 57 में दे रखा है और 57 सेवन आई की इनकम से रिलेटेड है तो मैं ये बोलूं कि अगर जो तुम्हारे शेयर से वो स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और वहां पे जितने भी खर्चे हैं वो अलग हो जाएंगे ऐसा आप इंटरप्रेट कर सकते हो तो यहां पे देखिए मैंने नोट क्या दे रखा है Normally dividend taxable under IFOS even share are held as a stock in trade as per section 56 because as per section 56 specifically included dividend income under the head under this head means IFOS but as per the tax tutorials provided by department on www.income tax

एस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेट सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस डिविडेंड इनकम शैल बी ट्रीटेड एज द पीजीबीपी एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी सेट सेटअप अगेंस्ट द करंट ईयर डिविडेंड ये ऐसा एक जजमेंट था उस जजमेंट में ये बोला था कि अगर मान लो करंट ईयर में आपका डिविडेंड का इनकम है और पुराना बिजनेस का लॉसेज है और वो डिविडेंड जो मिल रहा है वो आपके ऐसे शेयर से मिल रहा है जो स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड है करते हैं तो क्या उसके सामने सेटअप कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला था कर सकते हैं इसके लिए मैं बताऊं ये वाला जो व्यू जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दे रखा है तो यहां पे जो व्यू इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दे रखा है वो मोर अप्रोप्रिएट लगता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर डिविडेंड मिलता है फ्रॉम द शेयर्स और शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड है तो वो डिविडेंड को आप पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दीजिए आई में टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है करके ठीक है चलिए उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की दैट इज द टैक्सेशन इन केस ऑफ द लिक्विडेशन लिक्विडेशन वाले टॉपिक में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है एज वेल एज द बाइबैक में भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है बायबैक के बाद में अगर अपन बात करते हैं

तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट एक बात समझिए चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड आपको रिविजन लेक्चर मिल चुका है ऑलरेडी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो सेकंड रिविजन लेक्चर मैंने इसी का डाला था चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के केस में सबसे पहला अमेंडमेंट तो यह है कि देखिए जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है उसको जो भी डोनेशन मिलता है इंक्लूडिंग द कॉर्पस डोनेशन करके ठीक है

अब इलेवन फाइव के मोड्स कौन से होते हैं तो इस बार मैंने इलेवन फाइव भी यहाँ पे इंक्लूड किया है आप देखेंगे यहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट की लिस्ट दे रखी है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट यूनिट्स ऑफ यू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सिक्योरिटी डिवेंचर ऑफ एनी कंपनी विच गवर्न बाय द गवर्नमेंट करके ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है कि यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जो ये कॉर्पस डोनेशन रहता है ना ये कॉर्पस डोनेशन भी आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना पड़ेगा यहीं पर करना पड़ेगा मीन सेफ इन्वेस्टमेंट में करना पड़ेगा दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट अब एक चीज समझना दूसरा अमेंडमेंट इस बार यह हुआ कि सर एक बात बताइए अगर मान लो आपने कोई लोन लिया और लोन लेके और कोई खर्चा किया तो क्या इसको अप्लाइड आप इसी साल में ले सकते हैं या फिर जिस ईयर में आप लोन का रीपेमेंट करेंगे उस ईयर के अप्लाइड में लेंगे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं हुआ क्या ट्रस्ट के पास पैसा था नहीं तो ट्रस्ट ने क्या किया एक बैंक से मान लो आईसीआईसीआई आई 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 बैंक से आईसीआईसीआई बैंक से क्या किया लोन लिया अब एक बात समझना जो लोन लिया वो फाइव करोड़ का था और इस फाइव करोड़ से उन्होंने क्या किया इस साल में कुछ अप्लाइड कर दिया पूरा फाइव करोड़ फॉर एन एग्जाम्पल अप्लाइड कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल ये बिल्डिंग बना दी तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या फाइव करोड़ को इस ईयर में अप्लाइड में ले सकते हैं जब वो लोन लेके और पैसा अप्लाइड किया है तो पहले क्या था ना पहले इसको लेके दो व्यू आते थे कुछ कुछ लोग बोलते थे कि नहीं नहीं अभी आप पूरा अप्लाइड में फाइव करोड़ नहीं ले सकते बट कुछ लोग ये बोलते थे कि नहीं नहीं आप ले सकते हैं ठीक है इस बार निर्मला सीतारमन जी ने क्लेरिफाई कर दिया और निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि नहीं आप इस फाइव करोड़ को अभी अप्लाइड में नहीं ले सकते इस फाइव करोड़ को अभी अप्लाइड में नहीं ले सकते इस फाइव करोड़ को आप अप अप्लाइड में उस ईयर में लेंगे जिस ईयर में आप इस लोन का रीपेमेंट करेंगे तो जब भी आप इसका रीपेमेंट करेंगे फॉर एन एग्जाम्पल फाइव करोड़ में से आपने क्या किया वन करोड़ का रीपेमेंट करंट ईयर में ही कर लिया तो जब करंट ईयर में ही वन करोड़ का रीपेमेंट कर दिया तो वन करोड़ का अप्लाइड आप करंट ईयर में ले लीजिए फोर करोड़ का अप्लाइड आप उस ईयर में लेंगे जिस ईयर में फ्यूचर में आप रीपेमेंट करेंगे यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस समझा कि नहीं समझा समझा तो देखो अगर आपने कोई बोरो किया मनी और उससे कुछ अप्लाइड किया तो उससे जब बोरो मनी से कुछ अप्लाइड करोगे ना तो इस साल के अप्लाइड में नहीं आएगा जिस ईयर में आप उस बोरोड मनी को रीपेमेंट करोगे वो तो बोरोड मनी को जिस ईयर में आप एक्चुअल में रीपेमेंट करेंगे उस ईयर के अप्लाइड में आप ले लेंगे करके ठीक है तो आ जाइए सब लोग इस पेज पे और यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन पॉइंट नंबर फाइव पे आइए पहले आप और देखिए पॉइंट नंबर फाइव पे क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम लोन और बोरोइंग एक बात समझना ये एप्लीकेशन कौन सा रेवेन्यू है कैपिटल या दोनों कोई भी दोनो. capital, revenue, दोनों मीन कैपिटल रेवेन्यू दोनों एप्लीकेशन में आप ले सकते हो तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन किया फ्रॉम लोन और बोरोइंग शेल नॉट बी कंसिडर एज एप्लीकेशन इसको इस साल आप एप्लीकेशन नहीं मानेंगे हाउ एवर When such loan or borrowing is repaid from the income of previous year, such repayment shall be allowed as application in the previous year in which it is repaid and to the extent it is repaid. Miss, in future year ki income में से जब आप उसको repay करोगे तो repayment वाले year में आप उसको क्या करेंगे applied में ले लेंगे. You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना. एक और interesting जो है amendment इस साल एक और amendment आया बड़ा interesting सा amendment है. वो क्या है? के लो, आप वाले पैसे से कुछ अपलाइड कर लेते हो एक एग्जाम्पल लेते हैं है। है, है। you know कुछ इनकम आई नहीं, नहीं रहा था तो ट्रस्ट ने क्या किया बहुत बार ये कॉर्पस में से कुछ पैसा यूज कर लेते हैं जैसे सैलरी देने को पैसा नहीं था जो पंडित जी और जो वर्कर है उनको मान लो सैलरी देने को पैसा नहीं था वट हैपन दे आर हैविंग द कॉर्प फ्रॉ करके और उन्होंने अप्लाई कर दिया इन्होंने अप्लाई कर दिया कौन सा वाला पैसा कॉर्पस में से तो कॉर्पस में से विदड्रॉ किया और उस पैसे को उन्होंने अप्लाई कर दिया तो यहां पर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि कॉर्पस में से अगर कोई पैसा आपने विड्रॉ किया और आपने अप्लाई कर दिया तो क्या ये इस साल के एप्लीकेशन में आएगा क्या मिस इस साल के अप्लाईड में आप उसको ले सकते हो या नहीं ले सकते यहां निर्मला सीतारमन जी ने बोला नहीं ले सकते कि अगर आप कोई पैसा है वो कॉर्पस में से विड्रॉ करके और इस साल में आप अप्लाई करते हो तो आप उसको इस साल के अप्लाई में नहीं ले सकते आप उस ईयर के अप्लाइड में लेंगे जिस ईयर में वापस से आप कॉर्पस फंड में डिपोजिट बैक करेंगे मीन्स जिस ईयर में आप वापस से

अमाउंट अप्लाइड आउट ऑफ द कॉर्पर्स फंड शेल नॉट बी ट्रीटेड एस एप्लीकेशन इन द करंट ईयर आप करंट ईयर में उसको एप्लीकेशन नहीं ले सकते हाउ एवर वन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज यूटीलाइज टू इन्वेस्ट और डिपोजिट बैक इन टू स्पेसिफाइड मोड For such corpus, then such amount shall be allowed as application in the previous year in which it is invested or deposited back to the corpus to the extent it is deposited back. तो जितना deposited back आप जिस year में करेंगे उस year में फिर वो वापस आपकी application में आएगा इस year में आप application में नहीं ले सकते तो जैसे examiner आपको देगा के इस साल में आपने अप्लाई किया सिक्सटी लाख रुपीज बट आउट ऑफ दैट टेन लाख रुपीज अप्लाइड आउट ऑफ द कॉर्पस फंड तो क्या टेन लाख इस ईयर के अप्लाइड में लेना है आंसर इज नो इन फ्यूचर में जब भी आपकी इनकम होगी उसमें से जब आप कॉर्पस फंड में वापस डिपोजिट बैक करेंगे उस ईयर में आप उसको अप्लाइड में लेंगे यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना इस साल से एक और अमेंडमेंट आया और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है और ये अमेंडमेंट सही बोलो तो सही भी है करिए ठीक है बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट की इनकम से ज्यादा अप्लाइड हो जाता है जैसे ट्रस्ट की इनकम है वो फॉर एन एग्जाम्पल वन करोड़ है बट अप्लाइड फॉर एन टू करोड़ हो गया। हो गया बिकॉज मेनी टाइम ऐसा सकता है जब आपने बेसिस पे खर्चे कर दिए हैं तो वन पॉइंट टू करोड़ है वो आपका अप्लाई हो गया तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो डेफिसिट आती है या जिसको मैं लॉस बोल सकता हूँ तो ट्रस्ट का अगर कोई लॉस आ गया तो क्या वो लॉस को आप फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या और अगले साल के अप्लाइड में ले सकते हैं या नहीं इस साल से इन्होंने मना कर दिया आप ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते मिस जो भी आपका डेफिसिट आएगा वो डेफिसिट को आप फ्यूचर वाले ईयर के अप्लाइड में नहीं ले सकते जैसे मैं एक, एक एग्जांपल लेता हूं हुआ क्या एक ट्रस्ट है जिसका मान लो इनकम था वो हंड्रेड था

नी एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर शेल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑप इन द करंट प्रीवियस अर्लियर प्रीवियस ईयर का अगर आपका कोई भी लाइक एनी एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर शेल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑप इन द करंट प्रीवियस ईयर इट मींस एक्सेस एप्लीकेशन शेल नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑप मीस इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा ठीक है चलिए उसके बाद में अगर मैं आपको बात बोलू उसके बाद में उसके बाद में आपका इलेवन फाइव है इलेवन सेवन है ये जो अमेंडमेंट है दैट इज द आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है क्या करना है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में सिखाता हूं, है? थोड़ी देर में सिखाता हूं आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप ढंग से आज कर लेना ठीक है इस बुक में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है देखिए ये क्वेश्चन को जो मनी फाउंडेशन वाला जो क्वेश्चन है ना अभी आप कर सकते हैं इसको अभी आप एक काम करिए जो दो तीन अमेंडमेंट मैंने कराए ना उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए आप जैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन को करिए फिर अपन इसके आगे वाले जो अमेंडमेंट है ट्रस्ट के वो करते हैं जल्दी करिए जल्दी करिए आप ये क्वेश्चंस को करिए जो मनी फाउंडेशन वाला है इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को आप पहले करिए उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अरे करो ना जल्दी नहीं कर रहे हो चलो मैं करवा देता हूँ ठीक है देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है और ये सेल्फ मेड है हैंडमेड है पुराने क्वेश्चन को एडिट करके और इसमें जो जो मुझे डालना था वो मैंने डाला तो देखिए मनी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है जो ट्वेल्व डबल ए ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड है और ये स्कूल चलाते हैं द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ट्वेंटी टू आर एस फर्निश टू यू बाय द ट्रस्ट सबसे पहला ग्रॉस रिसिट दे रखा है तो ऑब्वियसली आप ग्रॉस रिसिट से चालू करेंगे Voluntarily contribution received from public, including the anonymous donation. Anonymous donation के केस में क्या करेंगे कि जो एनोनमस डोनेशन आपको रिसीव होता है उसमें से लेस होगा 5% ऑफ टोटल डोनेशन और वन लाख रुपीज विच एवरेज हायर वाला ठीक है वो लेस करने के बाद जो बाकी वाला है वो थर्टी परसेंट से टैक्सेबल होगा और जो लेस होगा वो यहाँ पे आएगा अब एक बात समझना गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स को आप नॉर्मल डोनेशन ही ट्रीट करेंगे और इसको जब आप टोटल डोनेशन लेते हैं उसमें इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि आईटीआर फॉर्म में भी ऐसा ही दे रखा है उसको इंक्लूड करना चाहिए आप इंक्लूड करेंगे डोनेशन गिवन टूवर्ड द कॉर्पस टू द ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन में टेन ट्वेंटी थ्री सी क्लॉज नंबर फोर ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे तो अगर आपने किसी को डोनेशन दिया एज अ कॉर्पस तो आप उसको अप्लाइड में नहीं ले सकते अगर आपने किसी को एज अ कॉर्पस डोनेशन दिया है तो इसको आप अप्लाइड में नहीं ले सकते अब एक बात समझना अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल स्कूल पर्पज के लिए आपने फोर हंड्रेड लैक्स अपलाइड किया बट ये फोर हंड्रेड लैक्स में नेक्स्ट लाइन में यहीं पर क्या दे रखा इट इंक्लूड टेन लैक अप्लाइड फ्रॉम द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट तो मैं बोलू कॉर्पस में से जब भी आप अप्लाइड करेंगे तो इस साल के में में नहीं आएगा जिस ईयर आप उसको डिपोजिट बैक करेंगे उस ईयर में आएंगे तो इसमें से आप क्या करेंगे टेन लैख तो लेस कर देंगे टेन लैख तो आपके अप्लाइड में आएगा ही नहीं उसके बाद इंक्लूडेड इन फाइव सम ऑफ फाइव लैक बींग अमाउंट अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट इसमें जो है आपने 5 है वो फाउंडर के लिए अप्लाई किया तो जब भी आप फाउंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली चीज तो ये अपलाइड में नहीं आएगा और दूसरी चीज ये फाइव लैक इनकम बन जाएगा तो पहले तो आप अप्लाइड में मत लीजिए और दूसरी चीज इस फाइव लैक को आप ट्रस्ट की क्या बना दीजिए इनकम बना दीजिए उसके बाद पॉइंट नंबर सेवन पे आइए द ट्रस्ट एक्वायरिंग अ बिल्डिंग इन द करंट ईयर फॉर द टू हंड्रेड आउट ऑफ द बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक लिमिटेड प्रिंसिपल रीपेमेंट मेड इन द करंट ईयर इज 55 ओनली एंड दिस अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉइंट फाइव तो एक बात बताइए आपने इस साल बिल्डिंग एक्वायर की 200 लाख में और वो पैसा आपने बोरो किया है तो क्या पूरा 200 हंड्रेड लैख को आज आप इस साल के अप्लाइड में ले सकते आंसर इज नो no. आप ओनली 55 फाइव लैख को ले सकते हैं जितना आपने इस साल में लाइक like उसका रीपेमेंट किया प्रिंसिपल रीपेमेंट आपने जितना किया वो आप अप्लाइड में ले सकते हैं लेकिन क्वेश्चन है क्या इंटरेस्ट रीपेमेंट को भी अप्लाइड में ले सकते है? आंसर इज यस देखिए आप इंटरेस्ट जो रीपेमेंट करेंगे उसको तो अप्लाइड में ले ही सकते वो तो रेवेन्यू खर्चा ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में एक बात समझना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन द प्रीवियस ईयर 2021 मींस लास्ट ईयर में क्या हुआ आपका एक्सेस एप्लीकेशन था जो एक्सेस एप्लीकेशन था तो क्या इसको इस साल के अप्लाइड में ले सकते आंसर इज नो पहले कर सकते थे बट अब ऐसा नहीं कर सकते अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके ठीक है आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और उसके बाद हम चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस करके ठीक है अब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं क्या करवाते हैं कब करवाएंगे उससे रिलेटेड हम पढ़ना चालू करेंगे तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट आपकी बुक में दे रखा एक सेक्शन ट्वेल्व ए करके और सेक्शन ट्वेल्व ए जो है वो क्या बोलता है आ जाइए सब लोग पेज नंबर टू हंड्रेड एंड फोर्टीन पे हमने की एग्जामिशन पढ़ी इसको बोलते इलेवन है। है, टिशन है जितनी इलेवन है उसमें है टाइम बहुत बार बोलते हैं ट्रस्ट की इनकम एक्ट होती है 11 -12 में। उसको इलेवन टाइम अब एक बात समझना ट्रस्ट जो है ना ट्रस्ट को ये इलेवन ट की जो एग्जामिशंस मिलती है ये एग्जामिशंस तभी मिलेगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली एंड मोस्ट लाइक यू कैन से दैट द मोस्ट जो बेस्ट जो कंडीशन होनी चाहिए इंपॉर्टेंट कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज द कि ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड मीन जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए या फिर ट्वेल्व ए बी अब एक बात समझिए ये डबल ए अभी नहीं होता अब ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड होते हैं जितने भी ट्रस्ट होते हैं वो ए बी में रजिस्टर्ड होने चाहिए होते हैं तो सबसे पहली कंडीशन और जो मेन कंडीशन है दैट इज द ट्रस्ट जो है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए में या ट्वेल्व ए बी में दैट इज द फर्स्ट कंडीशन एग्जामिशन चाहिए तो पहले ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा के लेके आइए ट्वेल्व डबल ए ट्वेल्व ए बी में अब दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रस्ट की जो इनकम होती है

रिटर्न फाइलिंग की डिडेट आती है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तो ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को लेकिन ऑडिट करानी पड़ेगी थर्टीएथ सेप्टेंबर तो थर्टीएथ सेप्टेंबर तक ट्रस्ट को क्या करानी पड़ेगी अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी अब एक और चीज समझता तो दो कंडीशन टू क्लेम द एक्मिशन ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड इन ट्वेल्व डबल ए ट्वेल्व ए बी और दूसरी कंडीशन उसकी जो इनकम है वो अगर बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो ट्रस्ट को अपनी ऑडिट करानी पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से अब एक और चीज समझना सर एक बात बताइए ट्रस्ट को एग्जेम्पन कौन से ईयर से मिलता है ट्रस्ट जो है उसको एग्जेपन कौन से ईयर से मिलता है जैसे ट्रस्ट के लिए आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया तो एग्जेम्शन कौन से ईयर से मिलता है तो मैं बता दू एग्जेम्पन जो ट्रस्ट को मिलता है ना वो उस ईयर से मिलता है जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया एप्लीकेशन मेड तो जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन की उस ईयर से आपको एग्जेमशन मिल जाएगी जैसे हमने ट्रस्ट बनाया और हमने अभी एप्लीकेशन की इस साल में तो इस साल से एग्जेमशन मिल जाएगी तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आज आपने एप्लीकेशन की तो इस प्रीवियस ईयर की इनकम है उस पर आपको एग्जेम्शन मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें एक चीज समझना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ट्रस्ट को अगर रजिस्टर्ड कर रहा है एओ एओ जो है वो एओ उसको रजिस्टर्ड कर रहा है रजिस्टर्ड एओ जो है एओ अगर कमिश्नर रजिस्टर्ड करता है उसके बाद एओ देखता है तो कमिश्नर ने अगर रजिस्टर्ड किया और उस टाइम पे एओ के पास में उस ट्रस्ट के कुछ पेंडिंग असेसमेंट है पुराने पेंडिंग असेसमेंट है मींस कुछ असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं तो अगर एओ को लगता है कि जो ट्रस्ट है उसकी एक्टिविटी वैसी ही थी पिछले सालों में भी और ट्रस्ट का जो एक्टिविटी है एंड ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कुछ भी चेंज नहीं है तो उस केस में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को पुराने सालों के लिए भी एग्जाम दे सकता है मैंने क्या बोला कि अगर 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 जो एओ है असेसिंग ऑफिसर है असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है ये देखता है असेसिंग ऑफिसर जब रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद देखता है कि ट्रस्ट के पुराने सालों की एक्टिविटी सेम थी

तो बीस इक्कीस में जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ तो बीस इक्कीस से एग्जामेशन तो मिल जाएगी एप्लीकेशन भी लेकिन अगर हमारा ट्रस्ट है वो ट्रस्ट जब रजिस्टर्ड हुआ उस टाइम एओ देखेगा कि हमारे पुराने कोई असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अटर एटीन नाइनटीन एंड असेसमेंट इन ट्वेंटी ये दो साल ऐसे जिसके असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं और अगर उन दोनों सालों में भी हमारा ऑब्जेक्टिव सेम था हमारी एक्टिविटी सेम थी ट्रस्ट की जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उस केस में जो एओ है ना हमको इस ईयर के लिए और इस ईयर के लिए भी एग्जेमशन दे देगा हमको जो एओ है वो 1819 के लिए 1920 के लिए भी एग्जेमशन का बेनिफिट दे, दे देगा 11-12 का बेनिफिट दे, दे देगा और उन ईयर्स की इनकम भी हमारी एक्जेंट हो जाएगी अब एक बात बताओ अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं होता ट्वेल्व ए में तो उस केस में क्या होता है आपको मैं बता दूं ट्रस्ट जब रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में उसको एओपी बीवाई माना जाता है और जब एओपी बीवाई माना जाता है तो एमएमआर से इनकम टैक्सेबल हो जाती है आप प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखना कि जब भी अगर ट्रस्ट रेक्ट रेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में एओपी बीवाई माना जाता है और उस केस में फिर उसकी इनकम है वो एमएमआर से टैक्सेबल हो जाती है क्योंकि एओपी बीवाई की इनकम एमएमआर से जाती है किसी भी मेंबर की इनकम अगर बेसिक एग्जामिशन किसी भी ट्रस्टी की इनकम उसमें मानी जाएगी बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो फिर एओपी बीवाई

तो क्या नॉन रजिस्ट्रेशन को बेसिस मान के क्या डिपार्टमेंट 147 कर सकता है क्या मिस ट्रस्ट वॉज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन डिपार्टमेंट इंपोज द 147 इनकम असेसमेंट आंसर इज नो नहीं कर सकते ऐसा अब एक और चीज समझना यहां पे जो मैंने आपको चीज बताई कि पुराने ईयर्स पे भी आपको एग्जेमिशन मिल जाएगा पुराने ईयर्स पे भी आपको एग्जामिशन मिल जाएगा और 147 नहीं हो सकता उसके लिए लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट है ना ये दोनों पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर ट्रस्ट ने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था बट कमिश्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था अगर ट्रस्ट ने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था बट ट्रस्ट ने ने उसको 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 कमिश्नर रिजेक्ट कर दिया था या फिर पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड था लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था तो देखिए मैंने क्या बोला कि अब अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है तो उसको पुराने पेंडिंग असेसमेंट ईयर भी इग्जाम मिल जाएगी लेकिन अगर मान लो ट्रस्ट ने पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन किया था लेकिन वो एप्लीकेशन क्या हो गया था रिजेक्ट हो गया था एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था या पहले रजिस्टर्ड था बट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था ट्रस्ट पहले रजिस्टर्ड था और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था अगर ये दो केसेस ऐसे हैं ये जो दो केसेस है ये दो केसेस ऐसे है करके ठीक है जिसमें भैया आपको पुराने वाले असेसमेंट ईयर के लिए एग्जामिशन नहीं मिलेगी चलिए यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस आप ट्वेल्व ए में जो टेबल से ऊपर जो दे रखा है उसको आप एक बार रीड कर लीजिए टेबल से ऊपर जो दे रखा है उसको आप रीड कर लीजिए टेबल के ऊपर जो दे रखा है उसको रीड कर लीजिए Done people? Yes, पीपल डन चलिए चलिए डन चलिए इधर देखिए अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो रिटर्न कौन सा फाइल करेगा ए बी वाला जो नॉर्मली ए बी फाइल करती है चलिए किसी को डाउट है किसी पॉइंट में या रिकॉर्डेड में बहुत आलस आता है ना यस हमको भी बहुत आता है आलस क्या बताया आपको तो देखिए एक्जामेशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 अवेलेबल इसमें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया दो ये वाला मतलब यहां पे क्या बोला हुआ है देखिए नो एक्शन अंडर सेक्शन सेवन शैल बी टेकन बाय इन केस ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग प्रीवियस असेसमेंट ओनली फॉर द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट असेसमेंट ईयर लेकिन एक बात बताऊं ये है ना 147 जब पुराना था ना उसके लिए था अब नया 147 आने के बाद तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही 147 हो सकता है अदरवाइज 147 हो ही नहीं सकता तो ये आज की डेट में इररिलेवेंट पॉइंट है क्योंकि ये पहले होता था पहले लाइक like, पहले के लिए था जब 147 जो पहले होती थी उसके लिए अब तो 147 को पूरा रिवैंप कर दिया चलिए डन अब हम चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप में से कितने लोगों ने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया अभी अभी रजिस्ट्रेशन कराया कितने लोगों ने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया अभी वन मेड द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर द ट्रस्ट ऑनलाइन हाँ दीक्षा कराया दीक्षा ने बहुत ऑफिस में काम करती है मतलब तो चलिए अब अपन चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक साल पहले कराया था अभी पेंडिंग है ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन बहुत सारे या तो ट्रस्ट का एक बात बताऊं पहले क्या होता था पहले क्या होता था और अभी क्या कर दिया उन्होंने अभी जो उन्होंने किया बड़ा ही खतरनाक वाला किया एग्जाम में क्वेश्चन एक तो आएगा आपके पास एमसीक्यू वगैरह का एम के फॉर्म में आ सकता है एज वेल एज बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मतलब बड़ा तो क्या आएगा एमसी के फॉर्म में ही आएगा अब एक बात समझना पहले क्या होता था आज से पहले की बात कर रहा हूं मैं एक अप्रैल 2021 से पहले की बात कर रहा हूं इससे पहले क्या होता था कि ट्रस्ट ने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया तो फिर उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दैट ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड वो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड माना जाता था और उसके बाद में 10 साल 15 साल 20 साल वगैरह कभी भी उसको कोई री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी मिस नीड ऑफ द री रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी बहुत सारे ट्रस्ट तो इंडिया में ऐसे थे जिनके पास ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट था ना वही गुम गया अब तीस तीस साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था चालीस साल पहले रजिस्टर्ड हो गया था उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है जो रजिस्टर्ड हुआ था पहले उसका सर्टिफिकेट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन का ऐसी ऐसी हालत हो गई थी तो गवर्नमेंट है ना इन ट्रस्ट को थोड़ा ट्रैक नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट को पता ही नहीं कौन सा ट्रस्ट है क्या चल रहा है किधर चल रहा है क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ट्रैक ही नहीं कर पाते थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे अरुण जेटली जी ने ये सब चीजें सोची थी उसके बाद निर्मला सीतारमन जी आई तो निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन मतलब जो है वो बोला हर पांच साल में अब ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा मतलब अगर ट्रस्ट को एग्जामिशन चाहिए तो यहां ट्वेल्व एज वेल एज द एटी जी है एटी जी है? है वो एटी जी में एज वेल एज ट्वेल्व डबल ए में ट्वेल्व डबल ए को उन्होंने सेक्शन को चेंज कर दिया पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते थे वो ट्वेल्व डबल ए में होते थे अब ट्वेल्व डबल ए को इन्होंने हटा दिया बोला अब जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होंगे वो ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड होंगे और पूरा ही उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया आपको कुछ नहीं करना है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया और ऑनलाइन प्रोसेस करके इन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे ट्रस्ट को जो रजिस्ट्रेशन देंगे वो पांच साल में हर बार रिन्यू कराना पड़ेगा और हर पांच साल में क्या होगा पता है हर पांच साल में वो वहां पे जो कमिश्नर रहेगा वो देखेगा कि ट्रस्ट की एक्टिविटी जेनुअन है या नहीं है ट्रस्ट सब लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो कर रहा है बाकी सब लॉ को फॉलो कर रहा है यानी ट्रस्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है यह सब चीजें चेक करेगा और ये सब चीजें चेक करने के बाद ही वो उसको रजिस्ट्रेशन देगा उसके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन देगा तो पूरी ही जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना उसको उन्होंने रिवैंप कर दिया जो 12 ए बी में जो रजिस्ट्रेशन की पहले प्रोसेस 12 डबल ए में हुआ करती थी वो सिंपल थी आप एप्लीकेशन करिए छह महीने के अंदर अंदर वो आपको रजिस्टर्ड करके दे देता था या रजिस्ट्रेशन के लिए रिजेक्ट कर देता था वो सब होता था अब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया अब इन्होंने चेंज किया, -किया वो मैं आपको एक 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 चीज समझाता हूं आप इजीली समझ पाएंगे डोंट वरी अबाउट दैट मैं आपके लिए ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी लेके आया हूं कि जब रजिस्टर्ड होता है तो वो कैसा सर्टिफिकेट उसमें देते हैं अब एक बात समझना सबसे पहली चीज तो इन्होंने ये जो प्रोसेस सब चेंज किया है वो फर्स्ट अप्रैल दो से किया है जो फर्स्ट अप्रैल 2021 से इन्होंने ये प्रोसेस चेंज किया फर्स्ट अप्रैल 2021 से और अब ये प्रोसेस क्या है कैसे है वो अपन समझते चलते हैं ठीक है थीका? तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जितने भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो कि पहले रजिस्टर्ड है या तो ट्वेल्व ए में या ट्वेल्व डबल ए में ये ट्वेल्व ए करके पहले सेक्शन हुआ करती थी उसके बाद ट्वेल्व डबल ए करके भी सेक्शन आई अब ट्वेल्थ ए डबल ए दोनों नहीं रही अब ट्वेल्व ए भी आ गई और इन्होंने बोला कि जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उनको हम तीन महीने का टाइम देते हैं यह अमेंडमेंट आने के बाद यह अमेंडमेंट आने के बाद तीन महीने का टाइम तो आपको मैं बताऊं ये अमेंडमेंट कब आया ये अमेंडमेंट आया फर्स्ट अप्रैल 2021 से तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट अप्रैल 2021 से लेके और 30 जून 2021 तक जितने भी ट्रस्ट है उनको अपना रजिस्ट्रेशन ट्वेल्व ए बी में कराना पड़ेगा जितने भी पुराने ट्रस्ट है उनको ट्वेल्व ए बी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो 12A में है ट्वेल्व डबल ए में है जो पहले रजिस्टर्ड है इनको अपना रजिस्ट्रेशन ट्वेल्व ए बी में कराना पड़ेगा और टाइम दिया गया तीन महीने का कि ये तीन महीने के अंदर अंदर आप क्या करिए एप्लीकेशन दे दीजिए तीन महीने के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन करिए तो जो भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे ना उनको थर्टियत जून टू तक ये लॉ में डेट लिखी हुई है करके ठीक है फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड वगैरह किया था बट वो एक्सटेंड वाला आपके लिए नहीं है वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम का है बट लॉ में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि थर्टियत जून टू तक जितने भी ट्रस्ट है उनको आपको क्या करना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होता था अब एक बात समझना जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होगा सीआईटी को जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होगा उस मंथ के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर मीन जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर वो क्या करेगा रजिस्ट्रेशन ट्वेल्व बी में कर देगा ट्वेल्व बी में रजिस्ट्रेशन कर देगा और वो रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए एप्लीकेबल होगा पता है फाइव ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा और इसमें वो कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेगा इसमें वो कुछ भी सीआईटी इंक्वायरी नहीं करेगा और आपको पांच साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए मिलेगा दैट इज असेसमेंट ईयर आपका बाईस तेईस से लेके और असेसमेंट ईयर आपका बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस दैट इज छब्बीस सत्ताईस तक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ट्वेल्व एबी में यह किनके लिए है जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है तो जो भी एक्जिस्टिंग ट्रस्ट चले आ रहे हैं जो पहले से ट्रस्ट है जो कि ट्वेल्व ए में या ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड है मेकर्स बोलते हैं कि भैया आपको फर्स्ट अप्रैल से लेकर तीन महीने के अंदर अंदर फर्स्ट अप्रैल से तीन महीना में तीस जून टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी ट्वेल्व ए बी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिस मंथ में वहां कमिश्नर को वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीव हो रिसीव होगी होगी ऑनलाइन जिस मंथ में उस मंथ के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर वो क्या कर देगा ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड कर देगा और उसको एक यूनिक कोड देगा एक यूनिक अब हर ट्रस्ट को एक यूनिक कोड मिल रहा है करके ठीक है कि उस ट्रस्ट का यूनिक कोड रहेगा कि इसमें ये रजिस्टर्ड हुआ है हर ट्रस्ट को एक यूनिक कोड मिलेगा उसको ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड कर देगा कितने महीने के अंदर अंदर थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिस एंड दैट रजिस्ट्रेशन विल बी अप्लाई फॉर द फाइव ईयर दैट इज फ्रॉम असेसमेंट ईयर इईस से लेके और असेसमेंट ईयर छब्बीस सत्ताईस तक है वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट अरे बोलो ना यू अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑन नॉट ये वाला पॉइंट आपको समझा इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो जैसे मैं आपको यहां पे आपके लिए एक एप्लीकेशन लेके आया करके ठीक है ट्वेल्व एबी का अब एक बात समझिए तो जैसे ये वाला ट्रस्ट है ये ट्रस्ट का नाम हम छोड़िए करके उसका पेन नंबर वगैरह ये है तो इन्होंने क्या किया था यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो फिर इन्होंने क्या किया जैसे ही मान लो फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने जून में किया था तो जून का एंड जो हुआ होगा जून तक करना ही था एप्लीकेशन तो जून में उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया तो जून का एंड जब होगा दैट इज जून का एंड हो गया एप्लीकेशन उनको रिसीव हुआ जुलाई अगस्त सेप्टेंबर तो सेप्टेंबर तक रजिस्ट्रेशन करना था तो सेप्टेंबर में इन्होंने ट्वेंटी फोर को कमिश्नर ने अपना ऑर्डर पास किया और कमिश्नर ने ऑर्डर पास करके बोला कि ये ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड है कब तक असेसमेंट ईयर और ईयर फॉर विच द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22 से लेके और असेसमेंट ईयर 26 इताइस तक आप काउंट करिए 22 तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस सत्ताईस तक मीन पांच साल के लिए इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर दिया पांच साल के लिए इन्होंने ये जो ट्रस्ट है इस ट्रस्ट को इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया पांच साल के लिए कौन सी सेक्शन में ट्वेल्व ए बी में करके ठीक है ट्वेल्व ए बी में इन्होंने पांच साल के लिए इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर दिया करके ठीक है रजिस्टर्ड कर दिया और देखिए यहां पे एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देने लगे ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है करके ठीक है ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देने लगे है और ये पेन पेन बेस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका पेन है पेन के बेसिस ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है और लास्ट में आप देखेंगे तो यहां कमिश्नर के साइन होंगे कि ये कौन से कमिश्नर ने किया है तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स ये डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है इसमें डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने कर रखा है तो ये कमिश्नर का साइन रहेगा तो ये कब होगा जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे देखिए आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पहले ट्वेल्व ए में ट्वेल्व डबल ए में अब आपको सबको ऑनलाइन लाना है ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको दिलाने है पूरे ऑनलाइन प्रोसेस में लाना है तो इन्होंने बोला कि जितने भी ट्रस्ट ऑलरेडी ट्वेल्व ए या ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड थे वो लोग क्या करेंगे कि 30 जून 2021 तक थर्टीएत जून 2021 तक ऑनलाइन एक एप्लीकेशन करेंगे जिस मंथ में हमको एप्लीकेशन मिलेगा मिस डिपार्टमेंट को उस मंथ के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड कर देंगे कितने साल के लिए पांच साल के लिए रजिस्टर्ड होंगे दैट इज असेसमेंट ईयर बाईस तेईस से लेकर और असेसमेंट ईयर आपका कौन सा वाला ट्वेंटी सिक्स तक आपको रजिस्टर्ड

विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करिए ऑनलाइन ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया अब आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए कुछ भी इंक्वायरी नहीं की गई आप ट्वेल्व डबल ए में थे अब आपको ट्वेल्व ए बी का सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया ये तो वो वाले ट्रस्ट के लिए जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड थे अब एक बात समझना सर जो नए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा नए ट्रस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा जो नए ट्रस्ट है वो नए ट्रस्ट अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नए ट्रस्ट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक करना है अभी थोड़ी देर में उसका मैं टाइम लिमिट बताता हूं और जैसे ही ट्रस्ट एप्लीकेशन करेगा ठीक है जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर हम उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करके ट्रस्ट में एक नया फंडा निकाला है कि हम आपको प्रोविजनल हम आपको, अब नहीं देंगे। हम, आपको पहले देंगे। और हम आपको तीन साल के लिए, दे देंगे। थ्री के लिए हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे और फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा बिना डॉक्यूमेंट के हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे तो देखिए इन्होंने एक सिस्टम चालू किया जो नए ट्रस्ट है अगर नए ट्रस्ट है वो अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर डिपार्टमेंट जो कमिश्नर रहेगा प्रिंसिपल कमिश्नर रहेगा वो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा दे और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको थ्री ईयर्स के लिए देगा कितने साल के लिए देगा दे थ्री ईयर के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा और वो भी विदाउट इंक्वायरी कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेगा आपके ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कितने साल के लिए तीन साल के लिए अब एक चीज समझना यहां पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है और वो इंटरेस्टिंग सी सुंदर टेबल है इससे सब समझ में आ जाएगी अगर आप डायरेक्ट से सेक्शन से है अगर इसको डायरेक्ट से पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं तो देखिए पहले सबसे पहले क्या है डेट ऑन विच दिस अमेंडमेंट कम इन टू फोर्स तो यह अमेंडमेंट जो कब आया फर्स्ट अप्रैल दो हजार इक्कीस से आया तो वहां से तीन महीना में थर्टियत जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो आपको लिखना चाहे तो यहां लिख सकते थर्टियत जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक इनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन दैट इज थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए देंगे विदाउट इंक्वायरी इंक्वायरी कुछ भी नहीं करेंगे पांच साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे अब एक चीज समझना फ्रॉम विच ईयर एग्जेम्शन अंडर सेक्शन इलेवन टबल वो तो पहले से अवेलेबल होगा जब से आप पहले से तो फ्रॉम द असमेंट ईयर फॉर विच ट्रस्ट अर्लीयर ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन मीन पहले आपको ट्वेल्व ए ट्वेल्ल डबल ए में कब से रजिस्ट्रेशन दिया था उन असेसमेंट ईयर से आप एग्जेम्शन है वो एग्जेशन क्लेम कर सकते हो लेकिन देखो अब अपन पढ़ रहे न्यू ट्रस्ट के बारे में और यहां आपका दिमाग घूमेगा ठीक है यहां आपका दिमाग घूमेगा इन्होंने क्या बोला देखिए न्यू ट्रस्ट अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी नया ट्रस्ट बनाया और नए ट्रस्ट है वो ट्वेल्व ए बी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कब तक करना है अप्लाई पता है इन्होंने क्या लिखा है मंथ प्रायर टू द द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर दिच रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट तो यहां पे क्या बोला है कि भाई जिसके लिए रजिस्ट्रेशन देखो वन मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट तो एक बात समझिए रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन्होंने क्या बोला वन मंथ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेशन इज शॉर्ट तो जिसके लिए चाहिए इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अपने लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है अपने लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है असेसमेंट ईयर अपने लिए कौन सा एग्जाम के लिए अपने एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है आपका बाईस तेईस अब एक बात बताइए अगर 22 तेईस असेसमेंट ईयर के लिए एग्जामिशन चाहिए तो एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा आप बताएंगे मुझे बताऊंगा आप बताएंगे मुझे इस लैंग्वेज को देखते हुए इस लैंग्वेज को देखते हुए कि अगर आपको 23-24 सॉरी 22-23 असेसमेंट ईयर अपना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाएंगे असेसमेंट ईयर में एग्जेमिशन चाहिए तो मुझे बताइए आपको कब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा एज पर दिस लैंग्वेज कब तक करना पड़ेगा वन मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट एक बात हो इस लैंग्वेज के हिसाब से तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब करना पड़ेगा पता अगर, अगर असेसमेंट ईयर बाईस तेईस के लिए एग्जामिशन चाहिए तो प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस हुआ अब एक बात बताइए प्रीवियस ईयर इक्कीस बाइस आपका चालू कब होगा प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस जो है वो आपका चालू होगा फर्स्ट अप्रैल दो को और फर्स्ट अप्रैल 2021 से अगर एक महीना पहले फर्स्ट अप्रैल 2021 से एक महीना पहले एक महीना पहले मतलब मैं बोलू उससे एक महीना पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है दो हजार इक्कीस एक बात बताओ ये बड़ा ही एबस्टर्ड नहीं लग रहा ये बड़ा ही लाइक like, इलॉजिकल नहीं लग रहा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो आपने ट्रस्ट आज बनाया फॉर एन एग्जाम्पल हम सब लोग मिल गए और हमने बोला चलो हम आज ट्रस्ट बनाते हैं हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया अब हमको मान लो इस साल के लिए एक्सामिशन चाहिए तो ये लोग बोलते हैं फेब उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना था कर क्या बोल रहे भाई अगर यहां लैंग्वेज तो यही है कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस रिलेवेंट टू फॉर इच रजिस्ट्रेशन इज शॉट मैं जिस असेसमेंट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके प्रीवियस ईयर के एक महीने पहले एक बात बताओ ये तो बड़ा ही इलॉजिकल लगता है जब ये लॉ आया ना मेरा दिमाग भी थोड़ी देर के लिए तो घुमा मतलब कम से कम मेरे को कम से कम तीन चार घंटे लगे दिमाग को सेटल करने में कि ये बोलना क्या चाहते हैं भाई तुम कहना क्या चाहते हो और मैं मतलब मेरे को पहले तो मैंने कहा कैसे हो सकता है आज अगर कोई ट्रस्ट मान लो कोई रजिस्टर्ड होता है तो फिर इस साल के लिए एग्जामिशन तो मिलेगा ही नहीं फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई अगले साल के लिए हमको एग्जामिशन लेना पड़ेगा ए, यही वाली दीक्षा यही वाला लैंग्वेज तो यही इंटरप्रेट होता है फिर मेरा दिमाग घुमा और थोड़े टाइम के बाद मुझे याद आया कि नहीं यहाँ कुछ ना कुछ कैची पॉइंट है जो लोगों को नहीं समझ रहा और वो पॉइंट ये था कि हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था और फर्स्ट टॉपिक में ये पढ़ा था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बारे में अगर आपने कभी सुना होगा तो असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 महीने का होता है लेकिन प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है अगर आपकी और प्रीवियस ईयर कब से चालू होता है जब से आपकी एक्टिविटी चालू होती है जैसे जब भी कोई एक्टिविटी चालू होती है फॉर एन एग्जाम्पल आपने मान लो डिसाइड किया कि हम जो ट्रस्ट है वो आज चालू करेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर तो हमने डिसाइड किया कि भैया ट्रस्ट की एक्टिविटी चालू होने वाली है जनवरी में तो भैया अब हमारा प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा जनवरी से चालू होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट से चालू होता है जब भी आप कोई नई एक्टिविटी चालू करते हो ना तो उस साल का जो प्रीवियस ईयर है वो कमेंसमेंट ऑफ दैट एक्टिविटी से चालू होता है तो मेरा दिमाग घुमाओ के हाँ यार ये वाला ये सही यहां पे बैठ रहा है क्योंकि आप बताइए मुझे आज हम सब लोगों ने बैच में सोचा कि चलिए हम सब लोग है वो ट्रस्ट बनाते हैं तो हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट की एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह चालू करने वाले हैं दो तीन महीने बाद तो बताइए ना दो महीने बाद करने वाले तो हमारा प्रीवियस ईयर तो दो महीने बाद चालू होगा तो अभी अपन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं आंसर इज है यस कर सकते हैं क्या दिक्कत है तो हम लोग क्या करते हैं आजकल जैसे ही ट्रस्ट को फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेशन करते हैं ट्रस्ट का फॉर्मेशन करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते ही हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके एक महीने बाद हम एक्टिविटी चालू कर देते हैं और एक्टिविटी चालू होगी वहां से आपको जो है वो प्रीवियस ईयर चालू होगा तो बड़ा ही लॉजिकल अब आपको सही लग रहा है कि नहीं है ये लैंग्वेज क्योंकि पहली बार ये लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं ना तो ये बोला है अब लगे क्या बोल रहे हैं ये लोग वन मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज शॉट सो इसका मतलब क्या हुआ एक बात बताइए हमने आज डिसाइड किया कि हम एक ट्रस्ट बनाते हैं और हमारी चैरिटेबल एक्टिविटी है वो फर्स्ट फेब 2022 से चालू करेंगे तो हमारा प्रीवियस ईयर कब तक रहेगा पता है प्रीवियस ईयर रहेगा फर्स्ट फेब 2022 से लेके और 31 मार्च 2022 तक फर्स्ट फेब 2022 से लेकर और 31 मार्च 2022 हजार दो महीने का प्रीवियस ईयर रहेगा तो लॉजिकली सोचिए अब मैं फर्स्ट फेब 2022 से पहले एप्लीकेशन कर सकता हूं यानी आंसर इज यस कर सकता हूं और मुझे इस साल के लिए एग्जामिशन मिल सकता है कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस साल के लिए एग्जामिशन मिल सकता है तो देखिए आपको हाँ, अब है ना इसमें लाइक इसमें देखो नॉर्मली प्रीवियस ईयर तब से चालू होगा जब से आपकी एक्टिविटी चालू होती है मीन्स आप जब एक्टिविटी चालू करने वाले हो ट्रस्ट की कोई ना कोई एक्टिविटी चालू करने वाले हो वहां से आपका प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगा प्रीवियस ईयर वहां से चालू होगा जैसे ही आपकी एक्टिविटी चालू हुई वहां से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा करके ठीक है जब से आप डोनेशन पहला डोनेशन लोगे आप जैसे ही आप पहला डोनेशन लेते हो वहां से आपकी एक्टिविटी चालू हुई मानी जाती है नॉर्मली इन द प्रैक्टिकल लाइफ अब एक चीज समझना तो मैं वापस यहां पे चलता हूं तो देखिए अब आपको एकदम दिमाग में सही बैठेगा कि ये क्या बोल रहे हैं सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज इधर देखिए अरे भाई जो ऑन ट्रस्ट है उनका तो क्या था उनका तो थर्टीएथ जून तक था ना उसमें क्यों अभी अरे मेरे भाई मेरे मेरे साथी बंधु अब यहां क्यों कंफ्यूज कर रहा है तू मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज द डाउट इन दिस पार्ट वो पार्ट तो बड़ा ही क्लियर है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है थर्टीएत जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन हम आपको अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे, दे देंगे उसमें 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 क्या दिक्कत है फेब क्यों अरे उसमें तो क्या लिखा हुआ है थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच अमेंडमेंट कम इन टू फोर्स तो अमेंडमेंट कम इन टू फोर्स कब आया फर्स्ट अप्रैल से तो तीस महीना मतलब थर्टीएत जून तक आप एप्लीकेशन करिए उसमें ऐसा कहा है यार दिव्य क्या बोल रहा है तू चलिए अब आप इधर देखिए हम बात करते हैं न्यू ट्रस्ट की कि जो न्यू ट्रस्ट है अप्लाइंग फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन ट्वेल्व एबी अगर ट्वेल्व एबी में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है अब ट्वेल्व एबी में ट्रस्ट के अप्लाई किया जाता है तो कब तक अप्लाई करना पड़ेगा वन मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक देंगे वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड और आपको रजिस्टर्ड तीन साल के लिए करेंगे दे विल रजिस्टर्ड द ट्रस्ट फॉर द थ्री असेसमेंट ईयर थ्री असेसमेंट ईयर के लिए रजिस्टर्ड करेंगे और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे विदाउट एनी इंक्वायरी आपसे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा एंड भैया जब से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया उस ईयर से आपको एग्जामेशन मिल जाएगी तो देखिए फोर ईयर रिलेवेंट टू द देंशियलियल ईयर इन इन एप्लीकेशन 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 इज इज मेड मेड तो भैया असेसमेंट ईयर 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 रिलेवेंट टू द आपने इस में अभी की तो अभी आपने एप्लीकेशन की तो भैया इसी लाइक असेसमेंट ईयर से आपको जो है वो एग्जामेशन मिलना चालू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात समझना अपन ने यहां पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे पहले सबसे पहला पहला एग्जाम्पल देखिए अगले पेज पे दे रखा है बीबी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट ऑपरेट्स फ्रॉम मुंबई रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड है हम फ्रॉम असेसमेंट नाइन टेन हियर ट्रस्ट रिक्वायर्ड टू अपलोड द फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस अमेंडमेंट कम इन टू फोर्स दैट इज थर्टीएथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक Suppose trust made the application on 14 May 2021, then CIT PCIT will give the approval up to 31st August 2021 without many making any inquiry about the genuineness of the activity. If trust fail to make the application till 30th June 2021, then existing registration of trust will expire. जिन जिन लोग अगर 30th June तक application नहीं किया होगा, उनकी existing registration है वो expire हो जाएगी. अब उनको आगे से जो है वो exemption नहीं मिलेगी. अब एक बात, लेकिन वो date practically उन्होंने बढ़ा दी थी. चलिए, अब एक

सो ट्रस्ट रिक्वायर्ड टू मेक द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीट वन मंथ बिफोर फोर्टीन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो वन मंथ बिफोर फोर्टीन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है उससे पहले पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा सपोज ट्रस्ट मेड द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑन सिक्सटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो एक महीने पहले पहले कर लिया सीआईटी पीसीआईटी विल गिव द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू ट्रस्ट विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज मेड एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर थ्री ईयर ये थ्री ईयर्स के लिए आपका रजिस्टर्ड होगा करके ठीक है तो थ्री ईयर्स के लिए रजिस्टर्ड होगा दैट इज के आगे यहाँ प्रिंटिंग हुआ दैट इज थ्री ईयर्स मतलब जिस ईयर में आप जो जैसे मैं आज की बात करता हूं आप आज आपने इस डेट को एप्लीकेशन किया तो यहां असेसमेंट ईयर बाईस तेईस से लेके और असेसमेंट ईयर 22, 23 एंड चौबीस असेसमेंट ईयर 24, 25 तक है वो ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड माना जाएगा तो तीन साल के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया यहां पे मैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का आपको एक सर्टिफिकेट बता दूं तो देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के अगर अपन सर्टिफिकेट पे जाते तो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है ठीक है

प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अब एक बात बताना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर चलो हमने ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्टर तो करा दिया अब हमको इसको क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या आंसर इज यस अभी तो आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया था और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब तक एप्लीकेबल है सिर्फ 3 साल तक अगर मैं एग्जांपल मैं लूं तो एग्जांपल में आपका असेसमेंट ईयर 22 23 से लेके और असेसमेंट ईयर 24 25 यहां पे 31 मार्च 2025 तक ही आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है अब लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जो ट्रस्ट है जिसने प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन कराया था अब उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बट फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना पड़ेगा पता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है उससे 6 महीने पहले या उसने चैरिटेबल एक्टिविटी चालू कर दी उससे 6 महीने के बाद Is earlier, जो दोनों में से पहले आ जाता है देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ट्रस्ट पहले प्रोविजनल रजिस्टर्ड करा चुका है तो अब उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेगा ना तब सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे सब जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो देनी पड़ेगी वहां सीआईटी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन देगा अब एक बात समझना मैं वापस बोल रहा हूं लेकिन सर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए हम एप्लीकेशन कब करें तो दो चीजें पहली चीज जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर हो रहा है उससे छह महीने पहले मीन्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार पच्चीस को थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को उससे छह महीने पहले आइर और अगर आपने एक्टिविटी चालू कर दी देखिए आपने जब प्रोविजनल रजिस्टर होगा तो आपने एक्टिविटी चालू तो नहीं की होगी आपने सोचा था हम करेंगे एक्टिविटी चालू तो अगर एक्टिविटी चालू हो गई वहां से छह महीने के अंदर अंदर दोनों में से जो पहले होता है विच एवर इज अर्लियर एक्टिविटी होगी जो विच एवर इज अर्लियर डेट आएगी तब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जिस मंथ में इनको एप्लीकेशन रिसीव होगी सीआईटी को उस मंथ के एंड से सिक्स मंथ के अंदर अंदर वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे ट्वेल्व एबी का फाइनल रजिस्ट्रेशन जब देंगे तो सर फाइनल रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए देंगे पता है फाइव ईयर्स के लिए लेकिन ये फाइव इयर्स एप्लीकेबल कहां से होंगे पता है जहां से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल था जहां से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल था वहां से आपका जो है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट आउट नॉट वापस बोल रहा हूं वापस बोल रहा हूं जो जो मैंने बताया वो वापस बोल रहा हूं देखिए समझने की कोशिश करिए बहुत सारी डेट्स है बहुत सारे टाइम लिमिट है बहुत सारे इधर उधर की चीजें हैं तो देखिए सबसे पहले पहले हम बात करते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पहले देखिए वो एग्जिस्टिंग वाले को कराना है वो तो एक नॉर्मल एक कन्वर्जन है वो तो ऑनलाइन करवा दीजिए वो पांच साल के लिए हो गया अब एक बात समझना न्यू ट्रस्ट को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो जब आपकी एक्टिविटी चालू होने वाली है मीन प्रीवियस ईयर जिसके लिए आपको एग्जामिशन चाहिए वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है उससे एक महीने पहले आप एप्लीकेशन कर दीजिए जिस मंथ में उनको एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर वो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे करके ठीक है और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन थ्री इयर्स के लिए आपको देंगे उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं करेंगे और भैया जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको जिस असेसमेंट ईयर के लिए दिया है जैसे असेसमेंट ईयर है तो वहां से आपको एग्जामिशन मिलना चालू हो जाएगा लेकिन सर जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने कराया ना तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो बिना इंक्वायरी के बेस पे हुआ ये तो ऑनलाइन बैठे बैठे हुआ है और जब ये ऑनलाइन हुआ है तो इस केस में अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक एप्लीकेशन करना पड़ेगा पता है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है तीन साल का वो एक्सपायर होगा उससे छह महीने पहले या फिर आपने जब एक्टिविटी चालू कर दी तो एक्टिविटी चालू की वहां से छह महीने के अंदर अंदर विच एवर इज अर्लियर इवेंट आता है मिस यार लॉ मेकर्स का कहना है ये कि भाई आप दो तीन साल है उसमें तो एक्टिविटी चालू करिए अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्टिविटी चालू हुई एक्टिविटी चालू होते ही उससे छह महीने के अंदर अंदर या फिर वो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है ना उससे छह महीने पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे छह महीने पहले जो एवर इज अर्लियर वाला डेट रहेगा वो अर्लियर वाली डेट को आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन अब आपने एप्लीकेशन किया फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जिस मंथ में सीआईटी को आपका एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से सिक्स अंदर, अंदर जिस मंथ में उसको एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से सिक्स मंथ के अंदर अंदर वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन देगा लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन वो फाइव ईयर्स के लिए देगा बट फाइव ईयर कहां से काउंट होंगे नए फाइव ईयर्स नहीं जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड थ्री ईयर के लिए किया था थ्री ईयर्स वो और दो साल और हो जाएंगे आगे तो कुल मिला के जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड थ्री ईयर के लिए था वो फाइव इन वहां से काउंट होंगे मीन स्टार्टिंग से तो जैसे ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया था तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री से लेके और आपका ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन तक आपको जो है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां देखिए पॉइंट नंबर थर्ड उससे छह महीने पहले और सिक्स मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन कब तक देंगे सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव उनको रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से छह महीना आपको फाइव इस के लिए देंगे रजिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम असेसमेंट ईयर फॉर विच प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रेंटेड और विथ इंक्वायरी ये पूरी इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन देंगे एग्जेम्शन कहां से मिलेगी जहां से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था वहीं से मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर अट ईर प्रोविजनली रजिस्टर्ड तो प्रोविजनल रजिस्टर्ड जो था वो मान लो असेसमेंट ईयर बाईस तेईस था तो बाईस तेईस से आपको एग्जेम्शन मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात समझना यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया इस एग्जाम्पल में समझिए वापस एग्जाम्पल नंबर टू है उसको अपन पूरा पढ़ेंगे ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन तो देखिए होता क्या है हरी चैरिटेबल ट्रस्ट है क्रिएटेड ऑन दिसंबर को क्रिएट किया था ट्रस्ट कमेंस एक्टिविटी फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू उन्होंने डिसाइड किया था कि अपन करेंगे फरवरी में बट उस तो उससे पहले एक महीने पहले आप एप्लीकेशन मार दीजिए एप्लीकेशन उन्होंने जो कर दिया वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन uh, जो उन्होंने किया वो सिक्स जनवरी 2022 को किया और सीआई टी सी आई ने फिर उसको रजिस्टर्ड वन मंथ के अंदर अंदर कर दिया थ्री इयर्स के लिए प्रोविजनली रजिस्टर्ड किया असेसमेंट ईयर 22 तेईस से लेके और असेसमेंट ईयर आपका 24 पच्चीस तक ठीक है बाईस तेईस चौबीस पच्चीस तक अब एक बात समझना सपोज ट्रस्ट स्टार्टेड इट्स एक्चुअल एक्टिविटी ऑन टेन दिसंबर टू इन्होंने प्लान तो किया था फोर्टीन फेब से करेंगे बट बहुत बार डिले हो जाता है आराम से करेंगे आराम से की उन्होंने एक्टिविटी चालू तो एक्टिविटी चालू की 10 दिसंबर 2022। अब एक बात बताइए प्लान टू स्टार्ट फ्रॉम 14 फेब 2022, बट स्टार्टेड लेट द लॉ रिक्वायर्ड दैट इट शुड अप्लाई फॉर द रेगुलर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 डबल ए यहां पे अंडर सेक्शन 12 डबल ए नहीं होना चाहिए जस्ट मेक इट ट्वेल्व ए बी ट्वेल्व ए बी ट्वेल्व ए बी विद इन कितने टाइम में सिक्स मंथ एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर कब हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार पच्चीस को तो वहां से छह महीने पहले आ जाइए थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार पच्चीस से छह महीने पहले आते हैं तो आपका 30th सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और सिक्स मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटी एक्टिविटी कब चालू की 10 दिसंबर 2022 को तो 10 दिसंबर 2022 से छह महीने काउंट करिए दिसंबर से जैन फेब मार्च अप्रैल मे जून तो कैन आई से दैट नाइन्थ जून 2023 तो नाइन्थ जून 2023 और थर्टीथ सितंबर 2024 इन दोनों में से अर्लियर वाला डेट कौन सा है अर्लियर वाला डेट है नाइन्थ जून टू तो आपको नाइन्थ जून टू तक जो है वो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा लियर डेट इज नाइन्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो ट्रस्ट इज रिक्वायर टू मेक एप्लीकेशन फॉर ट्वेल्व ए बी री 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 रजिस्ट्रेशन अपू दैट डेट सपोज ट्रस्ट मेड एप्लीकेशन ऑन फिफ्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो आपका नाइन्थ जून से पहले पहले कर दिया The CIT PCIT will pass the registration order within six month from the end of the month in which application was made. To so, June में application किया था, June का end आएगा, उसके बाद आप छः महीने count करोगे, तो December आएगा, December तक आपको registration दे देंगे। That registration will be applicable for five years from assessment year 22-23 से लेके और assessment year 26-27 तक। तो आपको assessment year 22-23 से लेके assessment year आपको 26-27 तक वो आपको registration दे देंगे, final registration। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको तीन चीजें पढ़ाई और ये तीनों चीजों को अगर मैं क्विकली रिवाइज करवाना चाहता हूं तो मैं रिवाइज करवा लेता हूं देखिए इधर देखिए सबसे पहली चीज जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उनको थर्टियथ जून 2021 तक क्या करना पड़ेगा एक बार री re रजिस्ट्रेशन के लिए 12 एबी के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा थर्टीएथ जून तक अगर उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया थ्री मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द फर्ट अप्रैल तो थर्टियत जून तक अगर वो एप्लीकेशन कर दिया तो जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर वो उनको ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड कर देंगे पांच साल के लिए ये फाइनल रजिस्ट्रेशन है ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं है बट इसमें कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी एग्जिस्टिंग वालों को एक बार छूट दे दी कि चलो तुम पांच साल और मुझे ले लो हम तुम्हारा कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे उसके बाद अगर कोई न्यू रजिस्टर्ड कराना चाहता है ट्रस्ट तो तो न्यू रजिस्टर्ड अगर फर्स्ट अप्रैल 2021 के बाद कोई भी कराना चाहता है तो जब आपका प्रीवियस ईयर चालू होगा उससे एक महीने पहले पहले आप एप्लीकेशन कर दो आपने एप्लीकेशन कर दिया तो जिस मंथ में उनको एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर आपको प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर लेंगे थ्री ईयर के लिए प्रोविजनली रजिस्टर्ड करेंगे थ्री ईयर्स के लिए अब एक बात समझना अगर आप प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गए अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना है वो कब तक कराना पड़ेगा तो दो चीजें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो रहा है उससे या तो छह महीने पहले पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो रहा है उससे छह महीने पहले या फिर आपने कोई चैरिटेबल एक्टिविटी चालू कर दी एक्टिविटी चालू हुई उससे छह महीने के अंदर अंदर विच एवर इज अर्लियर टाइम रहेगा तब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जैसे ही उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मिलती है उसमें आपका सब इंक्वायरी वगैरह होगा उसके बाद वो रजिस्टर्ड करेगा जैसे ही उसको एप्लीकेशन मिलती है जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुई उस मंथ के एंड से छह महीने के अंदर अंदर आपको वो फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा बट रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए देगा करके ठीक है लेकिन वो उस साल से देगा जिस साल के लिए आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड अर्लियर हुए थे तो जैसे बाईस तेईस के लिए थे असेसमेंट ईयर तो असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू से लेके

बट अगले अब देखो एक बार आप ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड हो अब ऑलरेडी ट्रस्ट ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड हो गए अब इनके पास पांच पांच साल का टाइम है अब पांच साल बाद क्या होगा तो पांच साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा और आप कब अप्लाई करोगे पता है जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है एक्सपायर होने से छ महीने पहले एक्सपायर होने से छह महीने पहले आप एप्लीकेशन कर दो ट्वेल्व ए बी में ए बी के लिए और जैसे ही उनको एप्लीकेशन मिलता है जैसे ही एप्लीकेशन मिलता है उस मंथ के एंड से छह महीने के अंदर अंदर वो आपका रजिस्ट्रेशन ट्वेल्व ए बी में कर देंगे इसमें इंक्वायरी वगैरह करेंगे और फर्दर फाइव ईयर के लिए आपको रजिस्टर्ड कर देंगे आगे फर्दर फाइव ईयर्स के लिए आपको रजिस्टर्ड करेंगे बट ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे इंक्वायरी वगैरह करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर बोलता है ट इज ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल मतलब अब जो ट्रस्ट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अब देखिए वो पांच साल बाद क्या करेगा तो देखिए सिक्स मंथ प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे पांच साल के लिए देंगे बट वो इक्वायरी वगैरह करेंगे विथ इक्वाइरी देंगे ठीक है आपको एग्जामेशन कहां से मिलेगा फ्रॉम द असेस्मेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन एप्लीकेशन इज मेड तो जैसे ही आप एप्लीकेशन करोगे ईयर के लिए असेसमेंट ईयर रहेगा उससे आपको एग्जामेशन मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है करिए ठीक है तो अब एक बात समझना अगर ट्रस्ट ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया अपने ऑब्जेक्ट में तो उसको पता री रजिस्ट्रेशन re के लिए अप्लाई करना पड़ता है अगर कोई भी ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्टिव में मॉडिफाइड कर देता है जैसे उसका ऑब्जेक्टिव पहले दूसरा था अब उसने दूसरा कर दिया पहले रिलीफ ऑफ पुअर था बोलते हैं नहीं नहीं मेरा तो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिकिटी है मेरा तो एजुकेशन है अगर वो ऑब्जेक्टिव आपके चेंज कर देते हो तो आपको री re रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रस्ट एडोप्टेड एनी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच डू नॉट कन्फर्म द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन जो कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है आप अपने ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज नहीं कर सकते अगर करते हो तो री re रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कब तक थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडोप्शन ऑफ मॉडिफिकेशन जैसे ही आप मॉडिफिकेशन करोगे उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है अप्लाई करना पड़ता है अब एक बात बताइए जब आपने थर्टी डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर लिया

अब एक चीज समझना या इवन अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज ऐड करते हो और वो कंडीशन जो रजिस्ट्रेशन की हो जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उस केस में आपको वापस से री re रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो चलिए एक काम करता हूं मैं इस टेबल को एक बार मैं वापस से बताता हूं मैंने आपको क्या बताया देखिए सबसे पहले जितने भी आंख बंद कर लो भले चाहिए तो और सुन लो एक बार में जितने भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ट्वेल्व में और ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल ए में उनको क्या करना पड़ेगा कि थर्टीथ जून 2021 तक एप्लीकेशन करना पड़ेगा और जिस मंथ में एप्लीकेशन की उस मंथ के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर डिपार्टमेंट उनको ट्वेल्व एबी में पांच साल के लिए रजिस्टर्ड करेगा विदाउट एनी इंक्वायरी और एग्जामिशन पहले से मिलती रहेगी जब से वो ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड थे दूसरा अगर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहता है ट्रस्ट ट्वेल्व ए में तो उसको क्या करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से पहले एक महीने पहले एटलीस्ट उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा जैसे ही एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर ये लोग आपको प्रोविजनली रजिस्टर्ड करेंगे थ्री इयर्स के लिए करके ठीक है और प्रोविजनली रजिस्टर्ड जिस असेसमेंट ईयर से करेंगे उस असेसमेंट ईयर के लिए आपको एग्जामिशन मिल जाएगी लेकिन जैसे ही यहां पर कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं होगी दो ऊपर वाले केस थे उसमें कोई इंक्वायरी नहीं है अब एक बात समझना तीसरा पॉइंट अगर आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड थे अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन चाहते हो रेगुलर रजिस्ट्रेशन चाहते हो तो जैसे ही आपने एक्टिविटी चालू कर दी उससे छह महीना या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे छह महीने पहले विच एवर इज अर्लियर डेट

महीने पहले पहले एप्लीकेशन कर दो अब आपने जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ से छह महीने के अंदर अंदर विथ इंक्वायरी करके वो आपको फर्दर फाइव ईयर के लिए रजिस्टर्ड कर देंगे अगर आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करते हो एक्टिविटी जो है आपकी मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन की डेट से थर्टी डेज में अप्लाई करना है जैसे ही आपने अप्लाई किया तो जिस मंथ में उनको एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से छह महीने के अंदर अंदर वो इंक्वायरी वगैरह सब करने के बाद आपको फाइव लिए रजिस्ट्रेशन दे देंगे उसके बाद छठा पॉइंट अभी आप छोड़ दीजिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है ट्वेल्व बी का तो देखिए ट्वेल्व बी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है समझने की कोशिश करना पहला ट्वेल्व एबी द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन वन फोर टू से ये प्रोसीजर नया आया इसमें क्या होगा देखिए CIT PCIT on receipt of application shall pass order for registering the trust for the five years. Five years के लिए पहले केस में जो पहला वाला केस था that is the पुराने वालों को नया में वो पांच साल के लिए registered करेगा दूसरा CIT PCIT on the receipt of application shall pass an order for provisional registration for the trust for the three years. ये दूसरा वाला केस था अब तीसरा केस CIT PCIT on the on the receipt of application. देखो पहले दोनों में कोई inquiry करनी नहीं थी तीसरे वाले में inquiry में बताऊंगा देखिए एप्लीकेशन शेल कॉल फॉर डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द दस ऑफ एक्टिविटी वो देखेगा क्या ट्रस्ट की एक्टिविटी जेनुअन है या नहीं है ठीक है डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मंगवाएगा सब चीजें मंगवाएगा ऑफ द ट्रस्ट कंप्लायंस ऑफ सच रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ये देखेगा कि बाकी लॉ को आप कंप्लाई कर रहे हो नहीं जैसे फेमा वगैरह जितने भी लॉ होते हैं उनको ट्रस्ट कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एज आर मटी ज आर मटेरियल फॉर द पर्प ऑफ अचीविंग करने के बाद डॉक्यूमेंट तो आप मंगवाएगा आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाएगा खुद को सेटिसफाई करेगा आपकी एक्टिविटी जेनुअन है आप बाकी लॉ को कंप्लाई कर रहे और उसके बाद वो आपको रजिस्ट्रेशन देगा क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर फोर आफ्टर सेटिस्फाइंग ही मे पास दर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट वो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर सकता है और रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन द रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम गिवन इन द टेबल अब एक बात बताइए क्या होगा जब वो सब इंक्वायरी वगैरह करेगा डॉक्यूमेंट वगैरह देखेगा उसके बाद लगता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो सही नहीं है तो वो क्या करेगा या तो आपकी एप्लीकेशन ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर देगा अब एक बात बताओ सही है तो रजिस्टर्ड कर देगा सही नहीं है तो रिफ्यूज कर देगा और ऑर्डर पास कर देगा ट्रस्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अब लेकिन वह जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड हो गया था उसका क्या करेंगे तो जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड हुआ था उसको कैंसिल करेगा उसको एक कैंसिलिंग का ऑर्डर पास करेगा कि ये ट्रस्ट प्रोविजनली रजिस्टर्ड हुआ था बट अब इसकी एक्टिविटी वगैरह जेनुअन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा प्रोविजनल वाला कोई दिक्कत नहीं उसके बाद ऑल ऑ एप्लीकेशन

बिफोर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन शेल बी डीम्ड टू बी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी अब एक बात समझिए जैसा हो सकता है ना ये प्रोसीजर एक अप्रैल से आया अब कोई एप्लीकेशन किसी ने अट्ठाइस मार्च को लगाया था सत्ताईस मार्च को लगाया था पच्चीस मार्च को लगाया था मार्च में एप्लीकेशन की थी तो जब खजूर लोगों ने मार्च में एप्लीकेशन की थी तो उस केस में क्या होगा वो मार्च की जो एप्लीकेशन वगैरह है वो एप्लीकेशन पर अभी तक तो पास तो ऑर्डर हुआ नहीं होगा तो ये माना जाएगा अब इन्होंने अप्लाई भी ट्वेल्व ए बी के लिए किया है अब इन्होंने अप्लाई भी ट्वेल्व ए बी के लिए किया है और ट्वेल्व ए बी के लिए अप्लाई किया है करके ठीक है तो उसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उनको तीन साल के लिए दे देंगे करके ठीक है वैसा माना जाएगा उसके बाद वेयर रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी बट आफ्टर दैट सी आई टी पीसीआईटी सेटिसफाइड दैट एक्टिविटी ऑफ ट्रस्ट आर नॉट जेन्युअन आगे जाके पता चला ट्रस्ट की एक्टिविटी बड़ी खराब है जेन्युन नहीं है या फिर एक्टिविटीज आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी नहीं है या ट्रस्ट आर नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ या फिर सेक्शन थर्टीन वन अप्लाइड हो जाती है थर्टीन वन वो कौन सा वाला बताए तुमको प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी के लिए अगर ट्रस्टी और फाउंडर के लिए पैसा वगैरह यूज कर रहे हैं तो तो देखिए या तो एक्टिविटी जेनुअन नहीं रही या फिर किसी और लॉ जो क्या बोलते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक्टिविटी नहीं रही या किसी और लॉ का उसने वायलेशन कर लिया या सेक्शन थर्टीन वन लग गई तो उस के इसमें क्या होगा पता है ही मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा सी आई टी पी सी आई टी कैंसिल कर देगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर देगा

डबल ए था करके ठीक है वहां एटी जी था अब नए में भी एटी जी में ही होगा तो एटी जी में रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा चलिए इसका पॉइंट नंबर सेवन अभी बाकी है करके ठीक है, है? चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग इधर देखिए एक यहां पे सेक्शन दे रखिए टेन ट्वेंटी थ्री सी ऑन द पेज नंबर टू ट्वेंटी पे आ जाइए पेज नंबर टू ट्वेंटी पे आ जाइए टेन ट्वेंटी थ्री सी करके एक सेक्शन दे रखी है अब आप बोलोगे ये टेन ट्वेंटी थ्री सी सेक्शन क्या होती है ये ट्वेंटी सी सेक्शन क्या होती है देखिए जितने भी ट्रस्ट होते हैं जैसे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो आपने देखे हुए हैं जितने भी वो नॉर्मली रजिस्टर्ड होते हैं ट्वेल्व ए बी में लेकिन ये टेन सी क्या होता है ये बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस होती है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है बड़ी बड़ी स्कूल्स होती है बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होती है उनकी इनकम एग्जेम होती है टेन सी में उनकी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती है 1023 सी में अब एक बात समझना 1023 सी के तीन पार्ट में बताऊंगा सबसे पहला पार्ट बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी इनकम पूरी एग्जम्प्ट है उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना ही नहीं है 1023 सी का जो फर्स्ट पार्ट बोलेगा वो ये बोलेगा कि जो जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स है गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स है उनकी इनकम पूरी एग्जेमट है उनको कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उनकी पूरी एग्जाम है लेकिन कब माना जाएगा कि यह गवर्नमेंट फंडेड है जब उनका पूरे साल का जो इनकम है ना उसमें गवर्नमेंट ग्रांट पचास से ज्यादा है मिस उस कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का जो इनकम है मिस ग्रांट वगैरह जो डोनेशन वगैरह मिलता है उसमें 50 परसेंट से ज्यादा गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तो उस केस में ये माना जाएगा ये गवर्नमेंट फंडेड है तो उसकी इनकम पूरी है उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो देखिए क्या लिखा हुआ है टेन ट्वेंटी थ्री समझने की सी टेन ट्वेंटी थ्री सी समझने की कोशिश करना इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज सर्टेन हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन करके ठीक है टेन ट्वेंटी थ्री सी क्या बोलती है कि इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हॉस्पिटल है और अदर इंस्टीट्यूशन है होली और बाय द गवर्नमेंट कब जब ग्रांस फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल से ज्यादा है इनके विच एग्जिस्ट सोली फॉर द एजुकेशनल पर्पज और मेडिकल पर्पज एंड डू नॉट फॉर प्रॉफिट ये प्रॉफिट के लिए नहीं है शेल बी फुल्ली एक्जेंट फ्रॉम टैक्स ये पूरा एग्जेम होगा इसकी सेक्शन होती है टेन ट्वेंटी थ्री सी त्रिपल वन ए बी एंड त्रिपल वन ए सी तो यहां पे आपका ट्रिपल वन हा सही है ना ट्रिपल आई 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 ए सी और ए बी तो ये इन्होंने बोला हुआ है तो इसके मतलब ये होता है आप यहां पे लिख लीजिए कुल मिला के इन सिंपल वर्ड आप यहां पे जो अंडरलाइन करना है वो गवर्नमेंट कर दीजिए हॉस्पिटल कर दीजिए करके ठीक है और उसकी इनकम फुल्ली एग्जाम को इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहां पे लिख लीजिए नो रजिस्ट्रेशन इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती अब एक बात समझना इन्होंने एक और पॉइंट डाला पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है कि चलिए अगर कोई यूनिवर्सिटी है कोई यूनिवर्सिटी है या तुम्हारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है मतलब कुल मिला के आप ऐसे याद रखिए ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह ये गवर्नमेंट नहीं है प्राइवेट है बट इनका मेन मोटिव है ना वो एजुकेशन है मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है मीस देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट देर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है ठीक है और उनकी पूरे साल की जो ग्रॉस रिसिट है वो टू फाइव करोड़ है मीन ग्रॉस रिसिट है वो टू फाइव करोड़ है उससे ज्यादा नहीं है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वगैरह उसकी जो ग्रॉस रिसिट है वो अप टू फाइव करोड़ है और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो उनकी इनकम भी पूरी एग्जेमट है उनको भी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है तो देखिए क्या बोला अगर कोई ऐसे यूनिवर्सिटी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हॉस्पिटल है अदर इंस्टीट्यूशन है देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द एजुकेशन या मेडिकल पर्पज के लिए है उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है और उनकी जो ग्रॉस रिसिट है ना वो ग्रॉस रिसिट फाइव करोड़ से ज्यादा नहीं है दिस इज वन अमेंडमेंट बिकॉज लास्ट ईयर लिमिट वॉज द वन करोड़ बट नाउ इट इज अ फाइव करोड़ जो ग्रॉस रिसिट है वो पांच करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस केस में भैया इनकी इनकम पूरी एग्जाम इनको भी कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है मीन देर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत यहां पे भी नहीं है तो देखिए क्या लिखा हुआ है इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट सोनली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल पर्पज मीन्स सोनली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल पर्पज एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट मीनस ये प्रॉफिट के लिए नहीं है एंड एग्रीगेट एनुअल रिसिट इज अप टू फाइव करोड़ इनका जो एग्रीगेट एनुअल रिसिट है एग्रीगेट एनुअल रिसिट है वो आपका फाइव करोड़ तक ही है शेल बी फुल्ली एग्जेम्ट फ्रॉम द टैक्स इनकी इनकम पूरी एग्जेम हो जाएगी इट इज फुली एग्जेप्ट फ्रॉम द टैक्स पूरी एग्जेम्ट हो जाएगी ये सेक्शन होती है टेन ट्वेंटी यहां पर आप लिख लीजिए नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनको भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात समझना अब इन्होंने यह बोला कि जैसे मान लो आपने एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जैसे मान लो एक पैन कार्ड एक कोई इंस्टीट्यूशन है उसका एक यूनिवर्सिटी भी है एक हॉस्पिटल भी है अब यूनिवर्सिटी का ग्रॉस रिसिट थ्री करोड़ है हॉस्पिटल का भी थ्री करोड़ है तो क्या दोनों पे एग्जामिशन ले सकते हैं आंसर इज नो इन्होंने बोला ये फाइव करोड़ की लिमिट देखते टाइम पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक वन वन करोड़ अलग अलग पे था कॉलेज है आपका ठीक है तो कॉलेज का अगर वन करोड़ ग्रॉस रिसिट है एग्जाम इनकम हॉस्पिटल है उसका भी वन करोड़ है एग्जाम इनकम इस बार इन्होंने चेंज कर दिया ये बोलते हैं ऐसा नहीं ये बोलते है जानी भैया आपका जो कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है या फिर आपका हॉस्पिटल्स वगैरह है तो उन सबका मिला के ग्रॉस रिसिट टू पांच करोड़ है तो इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है एनी पर्सन हैज रिसिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज दॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन एग्जेमशन अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट अपलाईफ एग्रीगेट रिसिट फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशन मोर देन फाइव करोड़ रुपीज करोड़ लिमिट अपलाई फॉर द एग्रीगेट रिसिप्ट फ्रॉम सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी ट्रिपल वन एडी एंड त्रिपल वन ए करके यू गॉट माई पॉइंट नॉट ये तो देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई अभी तक टेन ट्वेंटी थ्री सी क्या होती है कि यार जो हॉस्पिटल होते हैं या जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं हॉस्पिटल होते हैं

अगर उसका ग्रॉस रिसिट अप टू फाइव करोड़ है बस अप टू फाइव करोड़ पूरे प्रीवियस ईयर में ग्रॉस रिसिट अप टू करोड़ है उसकी इनकम एक्समट है बट अगर मान लो आपकी उस 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 पर्सन पैन कार्ड के अंदर दो तीन ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह है तो सबका मिला के भी आपको पांच करोड़ से कम होना चाहिए तो है अगर मान लो मिला के पांच करोड़ से ज्यादा हो गया तो यह एग्जामेशन नहीं मिलेगी इसमें भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन अब एक बात समझना तो मैंने यहां सेक्शन को अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहां पर था टेन ट्वेंटी थ्री सी ट्रिपल वन ए बी यहां था ए सी ट्रिपल वन ए सी यहां पर है एडी और यहां पर ए मीन ट्रिपल वन ए बी और ए सी गवर्नमेंट में चला गया एडी और ए जो है वो तुम्हारे प्राइवेट वाले में आ गया अप टू करोड़ वाले में अब एक चीज समझना यहां पे जो तीसरा पॉइंट है वो ये बोलता है कि अगर मान लो कोई इनमें कवर नहीं होता है गवर्नमेंट भी नहीं है गवर्नमेंट भी नहीं है करके ठीक है ना अगर वो उसका पांच करोड़ से भी ज्यादा है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा अगर उसको एग्जामिशन चाहिए अपनी इनकम पे कॉलेज है यूनिवर्सिटीज है करके ठीक है हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह है तो उनको अगर एग्जामिशन चाहिए जैसे आपने देखा होगा मुंबई में टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल है जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है तो वो टेन सी में रजिस्टर्ड है टाटा मेमोरियल इज अ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन टेन सी अब एक बात समझना ये दो तो जो ऊपर वाले थे इनको तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं थी लेकिन अगर वो इनमें ऊपर वाले में नहीं आता और उसको एग्जामिशन चाहिए करके ठीक है तो उनको क्या करना पड़ेगा पता है यहां पे 1023C में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1023C में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर वो ऊपर वाले में कवर नहीं है तो यहां पे रजिस्ट्रेशन होगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है इनकम ऑफ एनी अप्रूव यहां अप्रूवल लिखा हुआ है तो यहां पे मैं लिख लेता हूं रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा इन लोगों को रिक्वायर्ड है भाई इनकम ऑफ एनी अप्रूव्ड फंड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस ये चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए है कोई फंड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय दी आई टी एग्जामेशन सीआईटी एग्जामेशन इनको अप्रूवल देगा विच एग्जिस्ट सोनली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल परपज एंड नॉट फॉर द प्रोफिट शेल बी एग्जेम फ्रॉम टैक्स बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन

यहां पे ये जो सेक्शन है इसकी सेक्शन नंबर आप याद रखिएगा टेन सी थोड़ी देर के लिए याद रखिए पॉइंट नंबर फोर फाइव सिक्स और सिक्स ए मिस जो तुम्हारे सब क्लॉज नंबर टेन सब सेक्शन है उसका क्लॉज ट्वेंटी थ्री सी है और सब क्लॉज नंबर फोर फाइव सिक्स इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अप्रूवल लेना पड़ता है और एक बात बताओ इनको जो एग्जामेशन मिलती है ना वो एग्जामेशन सेम वैसे ही मिलती है जैसे इलेवन ट्वेल्व में मिलती है जैसे इलेवन ट्वेल्व में मिलती है करके ठीक है जैसे इलेवन ट्वेल्व में मिलती है वैसे ही यहां पर मिलती है जैसे इलेवन ट्वेल्व में मिलती है वैसे की वैसे यहां पर मिलती है मिस आप वो पंद्रह परसेंट अलग करिए उसके बाद में आप 85 परसेंट करिए 15 परसेंट अलग करिए 85 परसेंट करिए 85 परसेंट में से अप्लाइड वाला लेस करिए तो जैसा अपन ने इलेवन ट्वेल्व पढ़ा था वैसा का वैसा इन लोगों के लिए लगेगा अब एक बात समझना this exemption is similar to section 11 12 exemption and condition for exemption associate should made application up to 30th september of the next financial year आप एक काम करिए ये 30th september वर्ड यहां पे हटा दीजिए ये लाइन हटा दीजिए लास्ट वाला यहां से लेके और ये लाइन को हटा दीजिए यहां से लेके और ये लाइन यहां तक हटा दीजिए बस अब इनका इनका भी अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके लिए पूरा नया प्रोसीजर आ गया पहले यहां पे ऐसा हुआ करता था इस लाइन को आप हटा दीजिए तो आपने इस लाइन को हटा दिया अब एक बात समझिए अब जैसे इस लाइन को हटा देते हैं उसके बाद में आप लिखेंगे यहां पे आप देखेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कौन सा वाला टेन ट्वेंटी थ्री सी फोर फाइव सिक्स और सिक्स ए फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल दो सेम वैसे का वैसे है जैसा मैंने ट्वेल्व डबल ए ट्वेल्व ए बताया आप. सेम वैसे का वैसे कि ये जो पुराने वाले जो लोग रहेंगे वो तीन महीने के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे फिर वो तीन महीने के अंदर अंदर ऐसा करेंगे न्यू एंटिटी क्या करेगी वन मंथ प्रायर करेगी फिर वो वन मंथ में प्रोविजनल तीन साल के लिए रजिस्ट्रेशन देंगे फिर ये फाइव इयर्स के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा फिर जो अदर पहले से रजिस्टर्ड एंटिटी है वो इसमें यह होगी करके ठीक है तो सेम वैसा का वैसे जहां मैंने वो बताया था तो देखिए मैं आपको एक बात बोलूं इसमें मैं ऐसा बोलूं कि अगर तुम्हारी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल याद रखिए यहां कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती है उनकी एग्जामिशन को मैं तीन पार्ट में बांट देता हूं पहला वाला तो अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है करके ठीक है उसकी इनकम पूरी एग्जाम्ट है गवर्नमेंट वाले की पूरी एग्जाम दूसरा अगर वो तुम्हारी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है लेकिन उसका ग्रॉस रिसिट पांच करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उसकी भी पूरी एग्जाम इन दोनों में कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हारा सब क्लॉज नंबर फोर फाइव सिक्स और सिक्स में इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सेम वैसे का वैसे होगा ये जो प्रोसीजर दे रखा है वैसे का वैसे करके आपको रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे रजिस्ट्रेशन होगा यहां पर देखिए

ठीक है, चलिए अब एक बात समझना इसके बाद में दो केस लॉस दे रखे हैं, पहला केस लॉस दे रखा है पहला जो केस लॉ है दैट इज द क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरा केस लॉ पीटर एजुकेशनल सोसाइटी 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब एक बात समझना हुआ क्या इन दोनों केस लॉ बड़े ही सिमिलर है दोनों केस लो बड़े ही सिमिलर है सर एक बात बताओ आप जो बोल रहे हो कि 1023C ट्रिपल वन एडी में जहां पांच करोड़ की वो लिमिट की आप बात कर रहे हो इन दोनों में जो ये पांच करोड़ की लिमिट की आप बात कर रहे हो फाइव करोड़ की इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये एजुकेशनल और मेडिकल पर्पज के लिए है इफ इट इज फॉर एजुकेशनल एंड मेडिकल पर्पज के लिए यह प्रॉफिट पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए मीन नॉट फॉर प्रॉफिट अब हुआ क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट पर्पज के लिए था नहीं But आ गया ऐसा हो सकता है ना करके ठीक है प्रॉफिट परपज के लिए नहीं था बट प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट तो आएगा तभी एग्जामेशन चाहिए ना नहीं तो एग्जामेशन चाहिए नहीं।, ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी इस हॉस्पिटल ने प्रॉफिट कमाया आप तो प्रॉफिट पर्पज के लिए थे ही नहीं बट प्रॉफिट कमाया तो हम एग्जेम्शन नहीं देंगे फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केस में यह बोला कि प्रॉफिट आना और प्रॉफिट परपज के लिए होना में फर्क है यहां पे जो प्रॉफिट आया है वो इंसिडेंटली आया है ये प्रॉफिट परपज के लिए थे नहीं बट क्या होता है बच्चों से फीस कलेक्ट करते हैं नॉमिनल चार्जेस तो कलेक्ट करते हैं तो उससे प्रॉफिट होना इज इंसिडेंटल तो एग्जेपन मिल जाएगी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए अगर प्रॉफिट इंसिडेंटली हो रहा है देखिए एक तो मीन फॉर प्रॉफिट मीन आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है और एक प्रॉफिट हो गया दोनों में फर्क है ठीक है तो इसके लिए एग्जामेशन मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं भले प्रॉफिट आया तो देखिए क्या लिखा हुआ इन द इमार्टिंग एजुकेशन एंड इंसिडेंटली इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्प्रेडिंग एजुकेशन उनका एजुकेशन स्प्रेड कर रहे थे तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है एंड कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी ट्रिपल वन एडीज सेटिस्फाइड एंड हेन्स एक्जेमशन शेल बी अलाउड

ट्रेनिंग देती थी जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स करवाती थी मार्केटिंग के कोर्स करवाती थी तो भी क्या एग्जेपन मिलेगा क्या एक आपने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो नॉर्मली डिप्लोमा वगैरह कराती है जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स है है करके ठीक और क्या बोलते हैं मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह कराती है और उसका डिप्लोमा देती थी तो क्या एग्जेम्शन मिलेगी या एजुकेशन माना जाएगा आंसर इज यस ये भी एजुकेशन माना जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन एंगेज इन द प्रोवाइजिंग प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन द सर्टिन फील्ड इक कम्युनिकेशन एडवर्टिजमेंट एक्सेट्रा एटसेट्रा एंड अवॉर्डिंग डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द टेक्स एक्सामेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सच इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट ओनली रिकग्नाइज एजुकेशन कोर्सेस मेकिंग ऑफ प्रोफिट इंसिडेंटली विल नॉट मेक द इंस्टीट्यूशन इज एक्सिस्टिंग फॉर द प्रोफिट पर्पज यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट यस सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट अब एक सेक्शन छोटी सी बच्ची है वहां चलिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे

आपका डिविडेंट वगैरह एग्जेम्ट नहीं होता है लेकिन ट्रस्ट क्या किया करते थे अर्लियर म्यूचुअल फंड का इनकम तो ट्रस्ट क्या करते थे ट्रस्ट जैसे ट्रस्ट को इनकम हुई फॉर एन एग्जाम्पल ट्रस्ट को इनकम हुई और इनकम में जो डोनेशन है वो डोनेशन फॉर एन एग्जाम्पल फिफ्टी करोड़ का है ट्रस्ट को कुछ डिविडेंड मिला वो डिविडेंड टेन करोड़ है मान लो म्यूचुअल फंड से इनकम हुई म्यूचुअल फंड में देखें इन्वेस्ट वन करोड़ है एग्रीकल्चर इनकम हुई वो मान लो पांच करोड़ है तो ट्रस्ट क्या करता था बताए ट्रस्ट को एग्जाम्शन इलेवन ट में मिलती है जब आप फिफ्टीन परसेंट अपलाइड एंड ऑल वोट ट्रस्ट यूज टू डू कि डिविडेंड को ये लोग बोलते थे कि डिविडेंड तो हमारा ऐसे भी एग्जेमट है अंडर सेक्शन टेन थर्टी फोर अभी नहीं है पहले हुआ करता था तो वो क्या बोलते थे हम टेन थर्टी फोर में डिविडेंड को एग्जैम करवा लेते म्यूचुअल फंड का इनकम है वो हम टेन थर्टी फाइव में एग्जाम करा लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम है वो 10 1 में एग्जेम्प्ट करा लेते हैं और वो बोलते थे ये अप्लाइड करने की जरूरत नहीं देयर इज नो नीड टू अप्लाई ओनली अदर इनकम वी विल अप्लाई ओनली अदर इनकम वी विल अप्लाई ऐसा किया करते थे लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे फिर लॉ मेकर्स ने बोला कि अगर कोई भी ट्रस्ट है वो ट्रस्ट जो है अगर 11 12 का एग्जेम्प्शन लेता है 11 12 का एग्जेम्प्शन लेता है तो ट्रस्ट को हम टेन की सीरीज की कोई एग्जामेशन नहीं देंगे मीन नॉट गिव एनी एग्जामेशन फॉर द टेन सीरीज जो 10 की सीरीज है वो 10 की सीरीज की हम एक भी नहीं देंगे इफ ट्रस्ट इज क्लेमिंग द एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, तो ट्रस्ट को अगर मान लो डिविडेंड पहले मिलता तो अब टैक्सेबल होगा अब तो ऐसे भी टैक्सेबल होता है नाउ अडेज डिविडेंड लाइक इज एनी वे इट इज टैक्सेबल बट टेन की सीरीज की कोई एग्जामेशन नहीं लेगा बट देर आर थ्री एक्सेप्शन वन इज द ट्रस्ट कैन क्लेम द टेन वन क्लेम कर सकता एग्रीकल्चर इनकम एज इट इज एग्जेम हो सकती है एज वेल एज द टेन ट्वेंटी थ्री सी टेन ट्वेंटी थ्री सी मीन अभी जो अपन ने पढ़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला वगैरह अगर मान लो जैसे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है और ट्रस्ट है और उनका एक कॉलेज है और वो कॉलेज का ग्रॉस एसेट अप टू फाइव लैक है फाइव करोड़ है अप टू फाइव करोड़ है सो कॉलेज कैन बी एक्जटेड अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी नो प्रॉब्लम एंड लास्ट वन इज द टेन फोर्टी सिक्स ये टेन फोर्टी सिक्स क्या होता है गवर्नमेंट के जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो टेन फोर्टी सिक्स का एक्जशन ले सकता है अलॉन्ग विदेवन एंड ट्वेल्व तो आज की डेट में एक बात बताइए जैसे फॉर एन एक्साम्पल कोई ट्रस्ट है और ट्रस्ट को यह इनकम हुई तो ट्रस्ट को ये इनकम हुई तो इस केस में क्या होगा कि ये जो डोनेशन है डिविडेंड है म्यूचुअल फंड है इनकी इनकम पे आपको 11, 12 लेना पड़ेगा और ये 5 करोड़ है ये डायरेक्टली आप 10, 1 में एक्जेम्पन ले सकते हैं मीन 10 की सीरीज की और कोई एग्जेम्पन क्लेम नहीं कर सकते अदर देन थ्री दैट इज द टेन वन टेन ट्वेंटी सी एंड टेन फोर्टी अब एक बात समझिए तो यहां पर लैंग्वेज को समझना देखिए क्या लिखा हुआ है ट्रस्ट क्लेम एग्जेम्पन अंडर सेक्शन इलेवन देन एग्जेपन अंडर सेक्शन टेन दैट इज अदर देन टेन वन टेन ट्वेंटी थ्री सी एंड टेन फोर्टी सिक्स अदर देन टेन वन टेन ट्वेंटी थ्री सी एंड टेन फोर्टी सिक्स एक्सेप्ट थ्री मीन्स तीन को छोड़ के तीन को छोड़ के बाकी टेन की सीरीज की शेल नॉट बी अलाउड टू द ट्रस्ट दैट मीन्स मींस ट्रस्ट कैन क्लेम एग्जेम्पन अंडर सेक्शन टेन वन एग्रीकल्चर इनकम विथ सेक्शन इलेवन बट अदर अंडर सेक्शन टेन इज नॉट अवेलेबल लेकिन एक बात समझना तो कुल मिला के मैं बताऊं एक जैसे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है तो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, उनकी एक्टिविटी से भी होती है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के जो है, उसको अप्लाइड करने की नहीं। उनका एक सकते हैं लेकिन एक बात समझना यहां पर फिर ये एक ऐसी चीज बोलते हैं जिसमें आप लगेगा ये क्या बोल रहे हैं देखो ये फिर क्या बोलते प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रेशन शेल अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए और ट्वेल्व ए बी बिकम इन ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी फोर फाइव सिक्स और सिक्स ए और नोटिफाइड अंडर सेक्शन टेन फोर्टी सिक्स एज द केस में भी ये लोग बोलते हैं कि अगर ट्रस्ट जो है वो अप्रूव हो जाता है उधर टेन ट्वेंटी थ्री सी में टेन ट्वेंटी थ्री सी में अप्रूवल तो चार जगह लेनी पड़ती है लास्ट वाली तो जो चार जगह मतलब वो चार सेक्शन दैट इज क्लॉज सब क्लॉज नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सिक्स तो अगर उसमें टेन ट्वेंटी थ्री सी में अप्रूव हो गया तो फिर आपका इलेवन ट्वेल्थ इनऑपरेटिव हो जाएगा फिर आप टेन ट्वेंटी थ्री सी में ही कंटिन्यू करिए फिर आप यहां क्या कर रहे हैं आप टेन ट्वेंटी थ्री सी में कंटिन्यू करिए अब एक बात समझना पहली चीज तो आप एक बात बताइए आपको अप्रूवल की जरूरत कहां पड़ती है उसमें लास्ट वाले में मैं बोल रहा था रजिस्ट्रेशन की जो देखो गवर्नमेंट वाले को जरूरत नहीं है जिनका अप टू पांच करोड़ है उनको जरूरत नहीं है उसके नीचे वाले जो थे उनको अप्रूवल लेना पड़ता था कमिश्नर से और अप्रूवल लेना पड़ता था अब एक बात बताइए बड़ा सिंपल है क्या सर एक बात बताइए आप जो बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई ट्रस्ट पहले तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे आपको कि अगर कोई ट्रस्ट 11, 12 ट भी ले सकता है और अलोंग विद तीन एग्जामेशन ले सकता है एक तो टेन वन एग्रीकल्चर इनकम पूरी एग्जाम कर सकता है टेन ट्वेंटी थ्री सी यहां मेरा कहना क्या है टेन ट्वेंटी सी में कौन सा जहां अप्रूवल की जरूरत नहीं है जैसे वो अपू फाइव करोड़ वाला अप टू फाइव करोड़ वाला जो है उसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है दैट कैन बी कंटिन्यू वो ले सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं और तीसरा

अगर अप्रूव ही करवाना है अगर उधर अप्रूव करवाया, तो फिर अप्रूव हो गया तो इधर वाला अप्रूवल क्या हो जाएगा इनऑपरेटिव क्या हो जाएगा इनऑपरेटिव एक बात बताओ तो इन में आपको बोल आइदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम अंडर सेक्शन इलेवन ले लीजिए आप या फिर आप एक काम करिए टेन ट्वेंटी थ्री सी में जो आपका फोर फाइव सिक्स और सिक्स से जो जहां अप्रूवल की जरूरत थी वो ले लीजिए और वो सेम ऐसा का ऐसा का था जैसा तो आप लीजिए जब जब मिलेगा ए जब बी में रजिस्टर्ड है अब ए बी में रजिस्टर्ड है ट्रस्ट ने क्या किया उधर भी अप्रूवल ले ली टेन ट्वेंटी थ्री सी में भी तो इन्होंने बोला कि भाई टेन ट्वेंटी थ्री सी में जब तुमने अप्रूवल ली तो हम क्या करेंगे इधर ट्वेल्ल ए बी को इनऑपरेटिव कर देंगे और फिर आप उधर एक्जेमेशन लीजिए टेन ट्वेंटी थ्री सी में और टेन ट्वेंटी थ्री सी में भी आपको सिमिलर एक्जेम्श मिलती है जिसमें सिमिलर कंडीशन होती है पंद्रह परसेंट एटी फाइव परसेंट अपलाइड वगैरह वैसा वैसा

अब यहां पे अगर आप वापस ऑपरेटिव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा लास्ट पॉइंट में आ जाइए पॉइंट नंबर करके ऑन द पेज नंबर टू हंड्रेड एंड लिखा हुआ है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन बिकम इनऑपरेटिव ड्यू टू सेक्शन इलेवन सेवन इलेवन सेवन में इनऑपरेटिव हो गया क्योंकि उधर भी उसने अप्रूवल ले ली अब उधर अप्रूवल ली और इधर भी रजिस्टर्ड था तो इधर इनऑपरेटिव हो गया अब उसको यहां पर ऑपरेटिव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा मतलब जिस assessment year के लिए आपको इधर रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव कराना है उस असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने के छह महीने पहले आप यहां पे एप्लीकेशन करेंगे सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव जैसे एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से छह महीने में वो आपको पांच साल के लिए एबी में रजिस्ट्रेशन दे देंगे फाइव ईयर के लिए इंक्वायरी वगैरह करके फ्रॉम असेसमेंट असमेंट इलेवन उस ईयर से आपको एग्जामेशन पांच साल के लिए अब मिलेगा और ट्वेल्व एबी का ऑपरेटिव हो जाएगा फिर वो तुम्हारा टेन ट्वेंटी थ्री सी है वो कैंसिल हो जाए ये किसके लिए है एक बताऊं ये बात उसी के लिए है जो लास्ट वाले पार्ट में था जिसमें वो अप्रूवल लेना था ना सब क्लॉज नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सिक्स बोल रहा था कि इसमें तुम याद रखना वो सेक्शन करके ठीक है वो, वो सिर्फ उनके लिए था किसके लिए ये लास्ट वालों के लिए ये लास्ट

या रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है जिस पे है वो इस बार अमेंडमेंट हुआ और यहां इंटरेस्ट के साथ साथ में इन्होंने डिविडेंड भी जोड़ दिया है इंटरेस्ट के साथ साथ में इन्होंने डिविडेंड वर्ड है उसको भी यहां पे ऐड किया है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी को, को कोई भी कैपिटल गेन होता है या तो सिक्योरिटी

वर्ड भी यहाँ पे यूज हुआ हुआ है इंटरेस्ट के साथ में आपका जो डिविडेंड वर्ड है वो डिविडेंड वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक और अमेंडमेंट है यहाँ पे और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन यहाँ पे एक और अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट ये बोलता है ये अमेंडमेंट आ जाइए सब लोग यहाँ पे ये यह अमेंडमेंट क्या बोलता है आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक सेक्शन हुआ करती है नाइनटी टू सी सी दैट इज रिलेटेड टू द आपका एडवांस एडवांसिंग अग्रीमेंट या जिसको हम अपा बोलते हैं एंड एक सेक्शन होती नाइनटी टू दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी एडजस्टमेंट सेकेंडरी एडजस्टमेंट एज वेल एज द अपा ये दो सेक्शन है नाइनटी टू सी सी एंड नाइन्टी टू सी अब एक बात समझना होता क्या है बहुत बार सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से एज वेल एज अपा की वजह से दैट इज एडवांस प्राइजिंग अग्रीमेंट की वजह से कोई इनकम ऐसी है जो किसी पुराने ईयर्स की है पुराने की इनकम है लेकिन वो अभी आपके बुक प्रॉफिट में इंक्लूड हो रही है क्योंकि करंट ईयर में अप्पा की वजह से आप अपा में एंटर हुए या फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कोई इनकम जो है वो किसी पास्ट ईयर की थी बट उसको इंक्लूड इस साल की इनकम में करना पड़ेगा आपको बिकॉज कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या होता है इन सिंपल वर्ड बता दू प्रायर पीरियड आइटम वगैरह जो पहले की चीजें थी बट पहले तो आपने इंक्लूड की नहीं अब कंपनीज एक्ट में आपको क्या करना पड़ा इस साल उसको एड करना पड़ा अब जब कंपनीज एक्ट में इस साल आप ऐड करेंगे तो उस पर मैट लगेगा और हो सकता है ऐसा कि भैया जब करंट ईयर में उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो उसपे मैट ज्यादा आ रहा है तो यहां पे इन्होंने एक रिबेट डाली कि आपको एक रिबेट मिलेगी डोंट वरी अबाउट दैट आपको एक रिबेट मिलेगी करके ठीक है अब ये रिबेट आपको तभी मिलेगी जब आप एक फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करके और इनकम टैक्स अथॉरिटी को देते हैं तो आपको ये रिबेट मिलेगी ये रिबेट कब मिल रही है जब कोई पुरानी इनकम है जो पहले बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं हुई थी बट करंट ईयर में आपके बुक प्रॉफिट में इंक्लूड हो गई ड्यू टू द सेकेंडरी एडजस्टमेंट या फिर आपके अपा की वजह से डोंट वरी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा उस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करेंगे यहां पर इन्होंने एक रूल बनाया है जिस रूल को बोला जाता है टेन आर करके रूल और ये रूल में क्या दे रखा है समझने की कोशिश करना ये रूल ये बोलता है कि अगर मान लो कोई इनकम ऐसी थी जो पहले इंक्लूड नहीं हुई थी बट अब अपा की वजह से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से आपके कंपनीज एक्ट का जो पी एंडल है उसमें इंक्लूड हो रही है तो आप एक काम करो एक रिबेट क्लेम करो और वो रिबेट कैसे मिलेगा समझने की कोशिश करना वो रिबेट आपको मिलेगा ए माइनस बी एंड माइनस डी माइनस सी मैंने क्या बोला ए माइनस बी करिए और उसमें से फिर आप d- माइनस सी जो है उसको आप लेस कर दीजिए तो आप a- माइनस बी करिए पहले तो और उसके बाद c- माइनस करिए जो भी ये आता है एंड ये वन और टू आता है वन माइनस टू कर दीजिए आपको जो है वो रिबेट का अमाउंट मिल जाएगा अब आप बोलोगे a क्या है b क्या है c क्या है d क्या है तो a का मतलब क्या होगा कि इस साल आपका मैट कितना आ रहा है इंक्लूडिंग पास्ट ईयर का इनकम जो इस साल में इंक्लूड हो रहा है तो इस साल में इंक्लूड करने के बाद आपका मैट कितना आ रहा है बी आप क्या निकालेंगे पता है कि इस साल का मैट कितना आ रहा है आप पास्ट ईयर का इनकम को एक्सक्लूड करिए पास्ट ईयर की इनकम को आप एक्सक्लूड करिए और देखिए मैट कितना आ रहा है उसके बाद सी का मतलब होता है कि जिस ईयर का वो इनकम है ना जिस ईयर में पहले तो इंक्लूड नहीं हुआ था जिस ईयर का इनकम है उस ईयर में मैट कितना आता अगर इसको इंक्लूड करते तो और डी का मतलब इसको एक्सक्लूड करने के बाद में एक्सक्लूड करने के बाद उस साल का मैट कितना आया था तो आप ए माइनस बी करिए सी माइनस डी करिए और फिर जो ये आता है इसमें से इसको लेस कर दीजिए आपको जो भी बचेगा दैट इज योर रिबेट रिबेट इतना इस साल आपको rebate मिल जाएगा एक काम करते हैं यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है उस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन जैसे मान लो आपका करंट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू इस साल का आपका बुक प्रॉफिट है वो नाइनटी लैक है बट इसमें इंक्लूडिंग द बुक प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 1819 का जो 20 लाख इस साल के बुक प्रॉफिट में इंक्लूड हुआ है ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से या अप्पा की वजह से इस साल के बुक प्रॉफिट में इंक्लूड हुआ तो आप एक काम करिए पहले आप 90 लाख पे मैट निकालिए और उसमें से लेस करेंगे 70 ,000 ,000 पे मैट निकाल के तो पहले आप 90 लाख पे मैट निकालिए फिर वो आप उसमें तो देखिए आप क्या करेंगे तो 90 लाख पे 15 परसेंट प्लस फोर परसेंट करेंगे तो आपका फोर्टीन लैख फोर थाउजेंड इतना इस साल का आता है करंट ईयर नाउ डू वन थिंग आप अब वो फॉर्मूला रिलीफ लेंगे एज पर द रूल

70 लाख पे मैट कितना आएगा तो आप एक काम करिए ना जो 70 hai, 70 लाख लाख है सेवन सेल्टीप्लाई प्लस फोर लैकेंड सो आप माइनस कर दीजिए सो रिमेनिंग थ्री लैख ट्वेल्व अब आप एक काम करिए सी माइनस बी करिए सी का मतलब होता है कि जिस ईयर का वो इनकम था उस ईयर का मैट कितना आता है इंक्लूडिंग वो पास्ट ईयर का इनकम अगर इंक्लूड करते तो तो प्रीवियस ईयर का जैसे आपका बुक लॉस था उस साल का 7, तो 7, 000, का बुक था, अब एक बात तो बुक लॉस लाख so, so, और प्लस फोर परसेंट करेंगे इट्स कम्स टू दू लैख टू थाउजेंड एट हंड्रेड आएगा कितना टू लैख टू थाउजेंड एट हंड्रेड आएगा, 2, 2, 800, आएगा? अब एक बात समझना आप उसमें से लेस क्या करेंगे उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का अगर मान लो ये क्या बोलते हैं वो इनकम इंक्लूड ना होता तो उस ईयर का मैट कितना था मैटैक्टली exactly? तो भैया उस ईयर का तो आपका सी माइनस डी वो डी सी वैसे हो गया तो अब एक बात बताओ इसमें से आप ये लेस करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड आ जाएगा अब अब जो 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 आपके पास में आएगा 2 ,2800, अब एक काम करिए पे आप जो 3 है, minus 2 ,2800 को आप है को कर दीजिए भी बचेगा that is 1 इतने का आपको रिबेट मिल जाएगा इतने का आपको क्या मिल जाएगा रिबेट तो अब आप यहां पे समझेंगे ना इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिलीफ आपको कैसे मिलेगा चलिए तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए करके ठीक है तो अब आप इसको रीड करेंगे इस एग्जाम्पल के साथ में तो आपका काम हो जाएगा उसके बाद एएमटी वाले टॉपिक में कोई अमेंडमेंट नहीं है डिडक्शन अंडर चैप्टर जो अंडर सेक्शन टेन डबल ए है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स है वो अपन देखते हैं डिडक्शन में आपका एक अमेंडमेंट है that is ATG में ATG कौन सा होता है जब आप डोनेशन की आप इन इनको डोनेशन करिए लेकिन उसमें जो जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं ना तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है कि जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं यहां पे डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट तो आपको डिडक्शन मिलता है लेकिन एक चीज समझना आप ध्यान रखना जिस ट्रस्ट को आप डोनेशन दे रहे हैं ना वो ट्रस्ट एटीजी में रजिस्टर्ड होना चाहिए वो ट्रस्ट जो है वो एटीजी में रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आपको डिडक्शन मिलेगा अगर वो एटीजी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन यहां पे एक चीज समझना यहाँ पे आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो ट्रस्ट क्या करता है नेक्स्ट ईयर के थर्टी फर्स्ट मे तक एक तो टेन बी में आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है एज़ वेल एज़ द जो भी डोनी ट्रस्ट है वो डोनी ट्रस्ट क्या करेगा आपको एक सर्टिफिकेट देगा डोनेशन का इन द फॉर्म नंबर 10 बी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी आपको डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा तो एक चीज ध्यान रखना ये जैसा मैंने आपको पीजीबीपी में सेक्शन 35 में बताया था सेम वैसा का पैसा जैसा मैंने आपको पीजीबीपी में सेक्शन 35 में बताया था सेम वैसा का वैसा अमेंडमेंट है यहां पे कि आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब जो ट्रस्ट है वो क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पीडीजीआईटी सिस्टम को थर्टी फर्स्ट में ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देगा और उसके साथ साथ में वो क्या करेगा आपको एक सर्टिफिकेट देगा डोनर को डोनर को एक सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफिकेट देगा तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा अब एक और चीज समझना इसमें एक और अमेंडमेंट ये है कि भैया सीधी सी बात है कि आपको डोनेशन दिया तो डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो आगे वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और सर एक बात बताओ आज की डेट में अगर किसी को एटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो टाइम लिमिट क्या है एटी में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं मैं बताऊं जो मैंने आपको ट्वेल्व 12A ए और ट्वेल्व ए बी पढ़ाया पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लो फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा सेम सेम वैसा 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 का वैसा, वैसा का एज इट इज है वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है इफ डोनर मेड डोनेशन टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन दैन डिडक्शन शेल बी अलाउड ओनली इफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एटी सब सेक्शन फाइव टाइम लिमिट एंड प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सिमिलर टू वॉट एवर वी है और ट्वेल्व ए बी तो जो मैंने आपको वहां टेबल में सिखाया था कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है कितने टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा तो जो मैंने आपको वहां सिखाया है एज इट इज वो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा तो यह आपका एक अमेंडमेंट है उसके बाद आपका एक और छोटा सा अमेंडमेंट आपके इसमें है दैट इज द में और में और एक जो अमेंडमेंट है है वो ये बोलता है कि आपको पता है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं बिल्डर बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं और हैं दुनिया भर की कंडीशन है अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो उनकी इनकम का हंड्रेड उनको डिडक्शन मिल जाता है मीन जितने फ्लैट वगैरह बेचेंगे उसमें 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा उसमें जो एक कंडीशन थी ना वो क्या थी कि अप्रूवल होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट की After फर्स्ट जून 2016 से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक पहले यहाँ पे थर्टी फर्स्ट मार्च टू हुआ करता था नाउ इट इज थर्टी फर्स्ट मार्च टू अब एक और चीज समझना इन्होंने इस बार से इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा या तो आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है या फिर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट है अब ये रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा क्या ये अभी तक नोटिफाई नहीं किया इन्होंने बोला है कि रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो नोटिफाई गवर्नमेंट करने वाली है गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बट आपके एग्जाम के लिए अभी तक इसको नोटिफाई किया नहीं है रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या है तो कुल मिला के फ्रॉम थाउजेंड ट्वेंटी टू इन दिस सेक्शन रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इट मीस प्रोजेक्ट विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर थर्टी मार्च टू एंड फुलफिल सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि रेंटल

फर्स्ट like, uh, वाला जो आपका अमेंडमेंट लेक्चर था चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन सीखेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 थर्टी ए बी सी डी वाले जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट है क्या तो उसमें एक अमेंडमेंट छोटू सा ये वाला है एक बात बताओ मुझे जब भी आपको क्या करना पड़ता है अपनी इनकम को एस्टिमेट करना पड़ता है और एस्टिमेट करके और फिर आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है लेकिन उसमें एक चीज आती है कि सर अगर मान लो हमको कैपिटल गेन होता है या विनिंग होता है तो उसको तो एस्टिमेट कर ही नहीं सकते तो उस पर आपको एडवांस टैक्स कब भरना पड़ता है जब वो विनिंग का इनकम या कैपिटल गेन अराइज होता है मतलब जिस टाइम पे अराइज हुआ उस टाइम के बाद में जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट रहेगी उस इंस्टॉलमेंट में आप कैपिटल गेन या विनिंग का इनकम जो रहेगा उस पर आप टैक्स भर दीजिए अब एक बात समझना यहाँ पे एक और एड हुआ है दैट इज द डिविडेंट कि अगर आपको डिविडेंट आता है एक बात बताइए मुझे डिविडेंड के केस में आपको कैसे पता चला चलेगा कि कंपनी हमको डिविडेंड देगी या नहीं तो कोई बात नहीं ना जब आपको डिविडेंड मिल गया उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट बाकी है तो उस रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स भर दीजिए करके ठीक है अगर कोई इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं है फॉर एन एक्जाम्पल आपको जो डिविडेंड मिला वो डिविडेंड मिलता है एट द the... एंड ऑफ द आपको एंड में मिलता है एट द एंड ऑफ द लाइक क्या बोलते हैं फिफ्टीन मार्च के बाद मिलता है तो थर्टी फर्स्ट मार्च तक आप क्या करिए एडवांस टैक्स भर दीजिए अकॉर्डिंगली आपको टू थर्टी फोर सी का इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा तो मैंने क्या बोला या तो आपका कैपिटल गेन होता है करके ठीक है या विनिंग का इनकम है या इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फर्स्ट टाइम होता है या डिविडेंड का इनकम है तो आपको एडवांस टैक्स कब भरना है जब वो इनकम अराइज हो जाती है उसके बाद जितनी इंस्टॉलमेंट बचेगी उन इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स भरेंगे ठीक है चलिए उसके बाद में मैं बताऊं आपके एक अमेंडमेंट ये है दैट इज अच्छा एक अमेंडमेंट आपका ये है हाँ, ये अमेंडमेंट जो है आपके यहाँ पे मैं आपको ये अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी 234 थर्टी फोर ई हो चुका है 234 एफ हो चुका है 234 जी एंड 234 एच की बात कर रहा हूँ सबसे पहले 234 एच 234 एच में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आधार और पैन को लिंक कब तक कराना पड़ेगा दैट हैज टू बी लिंक टिल थर्टी मार्च टू अगर आपने थर्टी मार्च टू तक लिंक नहीं कराया तो उस केस में आपको वन का फीस लगेगा उजेंड रुपीज का है वो फीस लगेगा अगर उसके बाद में आप लिंक कराते हैं तो अगर आप फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फीस लगेगा का आपको फीस लग जाएगा अब एक और चीज समझना मैं आपको बताऊं आपको अभी मैंने बताया था कि जो ट्रस्ट होता है ना वो ट्रस्ट अगर एटी जी में रजिस्टर्ड होता है तभी आपको डिडक्शन मिलता है एज वेल एज द जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट रहती है वो क्या करते है एक स्टेटमेंट फाइल करते है पीडी को जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम है उसको एक स्टेटमेंट फाइल करते हैं और अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट 31 फर्स्ट मे तक फाइल करना पड़ता है अगर उसमें उन्होंने डीले किया तो हर दिन का दो सौ रुपए का फीस लगेगा दिस इज द टू थर्टी फोर जी तो 234 फोर जी करके है, एक नई सेक्शन आई है कि जो भी तुम्हारे साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रहते हैं दे हैव टू टू फाइल दैट स्टेटमेंट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप टू 31st मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर करके ठीक है अगर उन्होंने 31st मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक नहीं किया तो उस केस में क्या होगा उनको जो है वो हर दिन का दो सौ रुपए का फीस लगेगा एज वेल एज आपको पता है डोनर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है डोनर को तक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो दोनों में से अगर कुछ नहीं किया एक भी नहीं किया तो एवरी डे का दो सौ रुपए का फीस लग जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है दैट इज डोनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन थर्टी फाइव वन टू टू एंड थ्री और एटी जी सब सेक्शन फाइव fails to submit a statement to PDGIT or certificate of donation to donor up to 31st May of the next financial year, then such institution or trust required to pay the fees of 200 per day during which failure continue. मतलब जितने दिन का failure रहेगा उतने दिन में जितने दिन का failure रहेगा उतने दिन में उतने दिन के लिए 200 रुपया per day है उतने का fees लग जाएगा. You got my point or not? Yes. Provided this fees shall not exceed the amount in respect of which failure is occurred. मतलब जितना amount of donation था

194p करके और ये सेक्शन क्या बोलती है पहले वो अपन समझते हैं तो देखिए ये सेक्शन क्या बोलती है 194p आप लोगों ने जब लास्ट ईयर बजट आया था अभी वाला नहीं आने वाला है वो अभी वाला जो फर्स्ट फेब 2022 वाला नहीं फर्स्ट फेब 2021 को निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट लाया तो न्यूज़ वालों ने जो न्यूज़ 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 है न्यूज वगैरह ये न्यूज नहीं बोल सकते ये लोग फेक ज्यादा आधी तो, आधी तो तो का कोई पर्सन है तो उसको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं ऐसी हेडलाइन चला दी कि सेवन ईयर्स या उससे ज्यादा के लोग हैं उनको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बट ऐसा नहीं है बोला एक सेक्शन डाली 194 पी और 194 पी में क्या बोला कि अगर कोई रेजिडेंट तो इंडिविजुअल होना चाहिए इन द प्रीवियस में एज हो जाता है तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है 75 फाइव ईयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर में जिसकी एज 75 फाइव ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुकी है उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की सिर्फ दो ही तरह की इनकम है एक तो उसको अगर पेंशन मिलती है क्योंकि 75 फाइव का हो गया अब तो कुछ काम नहीं करता होगा अगर उसकी दो ही तरह की इनकम है एक तो पेंशन और दूसरा अगर उसको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है बैंक से इंटरेस्ट मिलता है क्या एक तो पेंशन मिलती है पेंशन कहीं से भी मिल सकती है और दूसरा बैंक से इंटरेस्ट मिलता है और उसी बैंक से इंटरेस्ट मिलता है जिस बैंक में उसका पेंशन आ रहा है मींस इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन विच हिज पेंशन इज डिपॉजिटेड तो पेंशन जिस बैंक अकाउंट में आती है उसी बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और कुछ भी उसकी इनकम नहीं है तो इस केस में ये जो सीनियर सिटीजन है ना ये एक स्टेटमेंट फाइल करेगा इन द फॉर्म नंबर 12 बीबीए करके एक स्टेटमेंट फाइल करेगा बैंक को और बैंक क्या करेगी उसकी इनकम कैलकुलेट करेगी उस पर टैक्स आता है वो कैलकुलेट करेगी और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर पेंशन पे कुछ टीडीएस कट चुका है उसको भी कंसिडर करेंगे और उसके बाद में बाकी वाला जो टैक्स है वो स्लैब रेट से मीन पहले स्लैब रेट से इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और बाकी वाला जो टीडीएस है वो बैंक डिडक्ट कर लेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक की रिटर्न फाइल करेगी उस सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न बाय दैट सीनियर सिटीजन ये एक सेक्शन है जो इस साल से डाली है तो देखिए सेक्शन क्या है 194 पी करके अब एक चीज समझना 194 पी क्या बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 75 इयर्स और मोर है इन द प्रीवियस ईयर और उसकी सिर्फ दो ही इनकम है, एक तो पेंशन का इनकम और दूसरा बैंक इंटरेस्ट। और पेंशन उसी अकाउंट में आ रही है जिस अकाउंट में उसको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में बैंक को वो क्या करेगा एक फॉर्म फाइल करेगा ट्वेल्व बीबीए का और उस फॉर्म में बताएगा अगर उसका मान लो कुछ एटीसी के वगैरह डिडक्शन है तो डिडक्शन का भी डिटेल देगा उसके बाद बैंक क्या करेगा डिडक्शन को कंसिडर करने के बाद में उसका टैक्स निकालेगा टैक्स में से जितना टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है पेंशन पे वो लेस करेगा बाकी वाला टीडीएस है वो बैंक काटेगा और अगर इस सेक्शन में बैंक ने टीडीएस काटा रेट से काटेगा ऑब्वियसली बैंक तो उस केस में उस सीनियर सिटीजन जिसकी सेवेंटी फाइव या उससे ज्यादा की एज उसको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है

सेक्शन एप्लीकेबल ओनली इफ द इंडिविजुअल हैविंग इनकम ऑफ द इन द नेचर ऑफ द पेंशन मीन सिर्फ पेंशन की इनकम है एंड नो अदर इनकम और कोई अदर इनकम नहीं है एक्सेप्ट द इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट

So, कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सैलरी का इनकम फिफ्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाई ट्वेल्वेंडर थाउजेंड अब एक चीज समझना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंटरेस्ट ऑन एफ डी कितना देर so का वन लाइकेंड सेविंग बैंक इंटरेस्ट इज नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो वन सिक्स का इनकम अब एक बात समझना डिडक्शन कौन कौन सा मिलेगा

वो डिक्लेरेशन दे देता है तो बैंक क्या करेगी 19, जो amount है, 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 इसमें से अगर salary, pension, pension पे कुछ कट चुका है, तो उसको छोड़ के, बाकी वाला TDS है, वो फोर काटेगी जो अमाउंटी 194 पी करके तो देखिए क्या लिखा हुआ नेक्स्ट पार्ट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स बायमिंग दैट द सेम इज specified बैंक एंड मिस्टर Joy required टू फाइल his रिटर्न ऑफ is mr joy required to file his return of income for assessment year 22-23 if tax deductible at source has been fully deducted Examine. so here solution is sbi being a specified bank is required to deduct tax at source under section 194p after considering the tax if any deducted on pension under section 192

एंड ऑल अदर फैक्ट रिमेन्स द सेम इट मीन्स एक बात बताइए पेंशन इज कमिंग इन द एस बी आई अकाउंट पेंशन इज डिपोजिटेड इन द एस बी आई अकाउंट एंड ही इन द कैनरा बैंक सो ऑब्वियसली हियर वन नाइनटी फोर पी इज नॉट एप्लीकेबल

बट ये सेक्शन पढ़ने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है पहले आप टीसीएस को रिवाइज कर लीजिए और TCS में एक सेक्शन को रिवाइज करिए टू जीरो सिक्स करके बिकॉज अगर आप वन एच को रिवाइज नहीं करेंगे तो यहां पर टू जीरो नहीं करेंगे तो वन नाइनटी फोर क्यू आपको समझ में नहीं आएगी तो आप एक काम करिए सबसे पहले आप टू जीरो सिक्स सी वन एच है उसको रिवाइज करिए और उसके बाद में आपको वन फोर क्यू है वो मैं स्टार्ट करता हूं तो एक सेक्शन आई है उस सेक्शन का नंबर है 194Q और 194Q नाइन्टी दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 एंड दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2021 थाउजेंड एंड फर्स्ट जुलाई 2021 से ये सेक्शन है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन बायर है देखो हमेशा टी कौन काटता है जो पेमेंट करता है जो पेमेंट करेगा वो टी काटेगा का। तो देखिए ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन तो यहां पे अगर कोई पर्सन बायर है हम एक काम करते हैं वो वाले कंसेप्ट से चलते हैं जब हम पहले लिखते थे पेयर कौन होना चाहिए पेई कौन होना चाहिए सर रेट क्या होनी चाहिए और अदर कंडीशंस क्या होनी चाहिए तो देखिए यहां पे सबसे पहली चीज इस सेक्शन में टीडीएस आएगा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो तो गुड्स खरीदते हो उसके केस में यहां पे आपका टीसीएस है वो आएगा सबसे पहली चीज पेयर पेयर मतलब एक बात बताइए जब गुड्स खरीद रहे तो पे कौन करेगा बायर पे करेगा तो मैं बता दू यहां पेयर कौन होना चाहिए मैं लिखूंगा यहां बायर तो बायर इसमें होना चाहिए वो वाला बंदा बायर जो है वो बायर यहां पे कोई भी पर्सन जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो दस करोड़ से ज्यादा था तो बायर जो है वो बायर कौन होगा मैं यहां पे लिखूंगा एनी पर्सन एनी पर्सन जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर ऑफ दैट बिजनेस इज मोर देन टेन करोड़ था तो उस केस में वो सेलर को जब पेमेंट करेगा तो उसमें उसका टीसीएस भी काटेगा अब एक बात समझना सेलर कौन होना चाहिए तो मैं बता दूं यहां पेई का मतलब सेलर को आप पेमेंट करते हो तो सेलर होना चाहिए रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट पर्सन अब एक और चीज समझना यहां पे आपका टीसीएस तभी आएगा जब पूरे साल में आप जो गुड्स परचेस करते हो ना वो 50 लाख ,00 रुपए से ज्यादा है तो 50 लाख ,00 रुपए से ज्यादा है तो टीसी सॉरी टीडीएस है वो आपको डिडक्ट करना है और टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो कौन सी रेट से करना है पता है यहां पर रेट रहेगी ओनली जीरो पॉइंट ऑफ द सम इन एक्सेस ऑफ इन एक्सेस ऑफ 50 लाख ,00 रुपीज 50 लैक्स से जितना भी ज्यादा वाला एक्सेस वाला सम रहेगा जो इन एक्सेस ऑफ द 50 lakh, 50 लैख्टी से जितना ज्यादा वाला सम रहेगा उस पर आपको 0.1 परसेंट की रेट से टी सॉरी टीडीएस है वो आपको डिडक्ट करना है तो देखिए ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन समझने की कोशिश करना सेक्शन जो है वो वन नाइनटी फोर क्यूब क्यू को कैसे याद रखेंगे अगर आप कोई भी गुड्स परचेस करते हैं पहली चीज यहां गुड्स कवर है सर्विस कवर नहीं है गुड्स परचेस करते हैं और गुड्स परचेज करते हैं एक बात बताइए पेयर मतलब पेमेंट कौन करेगा बायर, बायर, बायर किससे ज्यादा वो, वो, वो कौन सी रेट से काटेगा इन एक्सेस ऑफ 50 लाख जितना भी होगा उस परसेंट से सिर्फ पॉइंट वन परसेंट से है वो आपको क्या करना है टीडीएस है वो काटना है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूं बायर मैं बुक्स खरीदता हूं कहीं से तो मैं बायर बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए तो बायर जो है वो मान लो बीबी वर्चुअल है तो बीबी वर्चुअल्स ने क्या किया बुक खरीदा और मैंने क्या किया बुक खरीदा मान लो मेक माई डिलीवरी से तो मेक माइ डिलीवरी को मैं पेमेंट करूंगा क्योंकि मेक डिलीवरी से मैं बुक्स खरीदता हूं तो एक बात समझना यहां पे जो बीबी वर्चुअल है वो बीबी वर्चुअल का अगर लास्ट ईयर का मीन बायर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर टेन करोड़ से ज्यादा होना चाहिए दैट इज द फर्स्ट कंडीशन तो उस केस में बायर जो है वो सेलर का टीडीएस है वो काटेगा एट द रेट पॉइंट वन परसेंट इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी लैक तो इस साल में मान लो हमारी जो सेल हुई वो 80 लाख की हुई मिस हमने जो परचेस किया वो एमएमडी से हमने जो परचेस किया वो 80 लाख का किया और लास्ट ईयर में मान लो लास्ट ईयर में हमारा जो टर्नओवर है वो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 11 करोड़ था तो इस केस में बीबी वर्चुअल जो है वो एमएमडी का जब पेमेंट कौन करेगा बीबी वर्चुअल करेगा तो ऑब्वियसली टीडीएस काटना पड़ेगा किस पे थर्टी लैख पे हम टीडीएस है वो काटेंगे और कौन सी रेट से दैट इज वन परसेंट की रेट से टीडीएस काटना है इन एक्सेस ऑफ से ऊपर वाली जितनी सेल रहेगी उस पे टीडीएस है वो टीडीएस काटना है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अब एक और चीज समझना यहाँ पे ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन सर एक बात बताइए अगर इस केस में टीडीएस अगर किसी और सेक्शन में कट चुका है तो क्या फिर इसमें भी टीडीएस काटना पड़ेगा क्या अगर टीडीएस है वो किसी और सेक्शन में कट चुका है तो क्या इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा आंसर इज नो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वन ओ की बात करो 194 ओ अपन इंटरनेट वाली बात कर रहे थे और इंटरनेट वाली बात में क्या हो रहा था कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो गुड्स को परचेज करता है और अगर 194 ओ में टीडीएस काट लिया तो उस केस में क्या इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा आंसर इज नो एक और सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि अगर मान लो टीसीएस आ चुका है इस ट्रांजेक्शन पे इस ट्रांजेक्शन पे टीसीएस आ चुका है कौन सी सेक्शन वाला पता है या तो टू जीरो सेक्शन वन वाला या फिर टू जीरो सिक्स सी वन एफ वाला या फिर टू जीरो सिक्स जी वाला अगर ये वाले तीन सेक्शन में टीसीएस आ चुका है करके ठीक है तो उस केस में बेटा आपका जो टीडीएस है वो टीडीएस इस सेक्शन में नहीं आएगा जैसे आपको पता है कि सेलर क्या करता है टू जीरो सिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो पांच गुड्स यहां पे कवर होते हैं कौन कौन से एक तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन दूसरा तेंदू लीव तीसरा वो तुम्हारा क्या टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट चौथा स्क्रैप और पांचवा तुम्हारा जो था दैट वॉज लाइक स्क्रैप के बाद में आपका कोल लिग्नाइट एंड आयरन और ये पांच प्रोडक्ट थे तो अगर पांच प्रोडक्ट में अगर सेलर ने मान लो टीसी कलेक्ट कर दिया है बायर से इन तीन सेक्शन में तो उस केस में आपका ये टीडीएस इस सेक्शन में नहीं आया आएगा एसएससीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया एक और चीज समझना अगर 1f में 1f किसकी बात करता था 1f इज रिलेटेड टू दैट f 1f को ऐसे याद रखो फरारी अगर आप पता है 10 लाख से ज्यादा का कार अगर आप परचेज करते हो तो बायर से सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट करता है 1% और 1g क्या होता है वो घूमने जाते हो अगर इंडिया के बाहर आप घूमने गए और ओटीपीपी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज बेचा या फिर इंडिया के बाहर कोई फॉरेन रेमिटेंस हो रहा है जो कि ढाई जो कि आपका लाइक सेवन लैक्स से ज्यादा है तो उसमें टीसीएस कलेक्ट हो जाता है और टीसीएस की रेट क्या होती है अगर मैं यहां वन की बात करूं तो यहां पे टू जीरो सिक्स वन में आपकी टीसीएस की रेट होती है तेंदुलिफ्ट में फाइव परसेंट बाकी टिम्बर फॉरेस्ट में टू एंड हाफ परसेंट और आपका जो अदर है उसमें स्क्रैप वगैरह में वन परसेंट एल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में वन परसेंट यहां पर वन एफ की बात करूं वन परसेंट होता है और वन जी की बात करूं वहां फाइव परसेंट टीसीएस की रेट होती है तो अगर टीसीएस इन थ्री सेक्शन में आ चुका है तो इस केस

और इस साल में वो सेलर से जो गुड्स परचेस किया वो गुड्स परचेस की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है गुड्स परचेस की वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा है तो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख जो रहेगा उस पर आपको 0.1 परसेंट की रेट से टीडीएस है वो काटना पड़ेगा 0.1 परसेंट की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी लेक यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस एक और क्लियरिफिकेशन अगर किसी सेक्शन में टीडीएस कट चुका है तो इस सेक्शन फोर क्यू में टीडीएस नहीं कटेगा और अगर टीसीएस कलेक्ट हो चुका है अंडर सेक्शन टू जीरोक्शन वन में या वन एफ में या वन जी में तो उस केस में यहां पे टीडीएस है वो नहीं आएगा लेकिन यहां वन एच कवर नहीं हुआ है वन एच के ऊपर ये प्रिवेल करेगी अगर ये आ रही है तो वन एच नहीं आएगी ऐसा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अब एक और चीज समझना सर अपन एक काम करते हैं सीधा अपन बुक पे चलते हैं और बुक में बहुत सारी चीजें हैं जो अपन देखने की कोशिश करते हैं आ जाइए सब लोग अपनी बुक में एक बार एक बार आप अपनी बुक पे आइए सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो देखिए 194 नाइन्टी फोर क्यू क्यू क्या बोलती है 194 नाइनटी फोर क्यू बोलती है दैट इज एडेड बाय द फाइनेंस एक्ट टू एंड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू से यह सेक्शन है यह सेक्शन बोलती है परचेज ऑफ गुड्स आप करते हो मोर देन फिफ्टी लैख का इनवियस ईयर पेयर कौन होगा ऑब्वियसली बायर एनी पर्सन हो सकता हैलर कौन होगा रेजिडेंट पर्सन कोई भी और पॉइंट वन परसेंट ऑफ द सम इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी लैक है उस पर आपको पॉइंट वन परसेंट की रेट से टीडीएस काटना है अब एक चीज समझता हूं यहां पर कुछ एडिशनल पॉइंट है इन दिस सेक्शन टीडीएस रिक्वायर टू बी डिटेड ओनली ऑन एक्सेस अमाउंट ओवर फिफ्टी लैक मीन फिफ्टी लैख से जितना ज्यादा वाला अमाउंट है उसी पर आपको टीडीएस काटना है अब एक और चीज समझना टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन इफ टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर एनी अदर सेक्शन मीन्स किसी और सेक्शन में टीडीएस कट चुका है तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा या फिर टीसीएस कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C. 206C का मतलब क्या हुआ तुम्हारे 206C की सब सेक्शन आ गई करके ठीक है बट अदर देन टू जीरो को छोड़ के 1H को आप छोड़ दीजिए बाकी अगर कहीं टीसीएस कट चुका है टीसीएस कलेक्ट हो चुका है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है करके ठीक है चलिए अब एक और चीज समझना आप इस पॉइंट नंबर थ्री एंड फोर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए थ्री एंड फोर को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसको फाइव को भी छोड़ दीजिए पॉइंट नंबर सिक्स पे चलते हैं पॉइंट नंबर सिक्स ये बोलता है कि सर एक बात बताओ अगर कोई भी बंदा पेन नंबर नहीं देता तो पेन नंबर नहीं देता तो हम उसका टीडीएस कौन सी रेट से काटते हैं पेन या आधार नहीं देता तो आपको मैंने बताया था एक सेक्शन होती है टू जीरो सिक्स डबल ए करके और टू जीरो सिक्स डबल ए क्या बोलती है कि भैया जो भी रेट है या फिर ट्वेंटी परसेंट रेट है या ट्वेंटी परसेंट इन दोनों में से जो विच एवर इज हायर है वो आपको लेने का लेकिन इस सेक्शन के लिए यहां पे ये ट्वेंटी परसेंट है ना इस ट्वेंटी परसेंट की जगह आपको कितना लेना पड़ेगा फाइव परसेंट यह दो सेक्शन के लिए होता है एक तो वन नाइनटी फोर ओ के लिए दैट इंटरनेट वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और दूसरा वन नाइनटी फोर क्यू जो अभी अपन पढ़ रहे हैं इन दो सेक्शन के लिए अगर मान लो उसने पेन नंबर नहीं दिया जो यहां पे सेलर है वो सेलर का टीडीएस काटेंगे बायर तो सेलर का और 5%, तो कितना होगा फाइव की रेट से आपको टीडीएस काटना है तो जो सेलर है वो अगर अपना पेन नंबर नहीं देता है आधार नंबर नहीं देता है तो उसका टीडीएस है वो आप काटेंगे फाइव की रेट से अब चीज समझना क्वेश्चन आता है यहां पे सीबीडीटी का बहुत लंबा छोड़ा सर्कुलर है एक और उस सर्कुलर को मैंने बहुत की 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 तो देखा मैं जाएगा क्योंकि आपने क्या बोला मान लो फिफ्टी लेख से ज्यादा का बाइंग है मीन फिफ्टी लेख से ज्यादा का गुड्स परचेस किया तो ही इस सेक्शन में टीडीएस काटना है सर एक बात बताइए अगर मान लो ये सेक्शन जब आ रही है ये सेक्शन आई फर्स्ट जुलाई 2021 से तो सर एक बात बताइए उससे पहले जो परचेज कर दिया उसका क्या पहले वाले पे क्या अगर ऐसा हो सकता है परचेज पहले कर दिया और जो है मान लो लाइक like परचेज पहले कर दिया पेमेंट उसके बाद में आप कर रहे हो तो क्या टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा तो यहां पे सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया बड़े ही uh, सीधे से, तरीके से इन्होंने बोला सेक्शन जो, जो आ रही है वो सेक्शन फर्स्ट जुलाई 2021 से आ रही है तो अगर आपने कोई फर्स्ट अप्रैल 2021 से लेके और थर्टीए जून टू जून 2021 तक Means ये जो थ्री मंथ है अप्रैल टू जून इसके बीच में जो भी परचेज हुई उस पर टीडीएस नहीं आएगा उस पर्टिकुलर थ्री मंथ में जो भी आपका परचेज हुआ उसके केस में टीडीएस नहीं आएगा बिकॉज सीधी सी बात है जब ये सेक्शन ही एप्लीकेबल फर्स्ट जुलाई से हुई तो उससे पहले जो आपने परचेज की उस पर टीडीएस नहीं आएगा इवन इफ यू मेक द पेमेंट आफ्टर सम टाइम भले आपने पेमेंट बाद में किया भले आपने पेमेंट बाद में किया तो भी यहां पर टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि इस सेक्शन में टीडीएस कब डिडक्ट करना है टीडीएस डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर तो जब क्रेडिट पहले कर चुके हो क्रेडिट आप पहले कर चुके हो क्रेडिटिंग द पार्टी पहले आप कर चुके हो तो उस केस में भले पेमेंट आपने बाद में किया उस पर टीडीएस नहीं आएगा तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बता दू कि फर्स्ट जुलाई 2021 से पहले जो आपने परचेज किया था तो किया होगा तो सेलर को आप क्रेडिट कर चुके होंगे भले आपने पेमेंट नहीं किया तो उस पे नहीं आएगा। बता दू, लेकिन एक चीज समझना ये जो 50 लैख की थ्रेशोल्ड देखते टाइम उसको कंसिडर करेंगे थ्रेशोल्ड देखते टाइम उस पर उसको कंसिडर करेंगे इसका मतलब क्या हुआ इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं कि आपने क्या किया किसी पर्टिकुलर सेलर से फर्स्ट अप्रैल 2021 से लेके और 30 जून 2021 के बीच में इस पर्टिकुलर पीरियड में आप ऑलरेडी 60 लाख की परचेज कर चुके हो तो 60 लाख की परचेज कर चुके हो 10 परसेंट टेन लैख पे टीडीएस आना चाहिए बट नहीं आएगा क्योंकि वो सेक्शन के पहले आपने परचेज कर दी थी अब एक बात बताइए फर्स्ट जुलाई 2021 से लेके और थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 तक इस पर्टिकुलर नाइन्थ मंथ में आपने उससे जो परचेज किया उसका बिल है वो ट्वेंटी लैख है तो क्वेश्चन यह आता है कि सिक्सटी पे टीडीएस आएगा नहीं आएगा सिक्सटी पे तो नहीं आएगा टीडीएस लेकिन सर इस 20 पे टीडीएस आएगा आंसर इज यस इस 20 पे टीडीएस आएगा

तो यहां पे आप बोलोगे तो ये वाली जो पहले वाली सेल है इस पर टीडीएस तो नहीं कटेगा लेकिन जो थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हो फिफ्टी लैख कैलकुलेट करते हो वो थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते टाइम आपको इसको करना है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो चलिए आप एक काम करिए यहां पर मैंने एक बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा वाला दे रखा है उसको अपन समझते हुए समझेंगे ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन हाँ वेरी इंटरेस्टिंग ये सब एग्जाम्पल हैंडमेड बनाए हैं आप लोगों के लिए तो समझना ेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल इक्कीस बाइस सिंस वन नाइनटी फोर क्यू इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो वॉट एवर परचेज मेड और पेमेंट मेड अप टू थर्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन देखो पेमेंट मेड अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया सेल बाद में की, तो भी टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि टीडीएस रिक्वायर्ड कब था पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर मीन इन दोनों में से एक भी इवेंट अगर पहले हो गया तो टीडीएस नहीं आएगा एक भी इवेंट अगर पहले हो गया तो टीडीएस नहीं आएगा तो देखिए क्या लिखा है वापस देखना सिंस सेक्शन 194 क्यू इज इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2021 सो वट एवर परचेज मेड और पेमेंट मेड अप टू थर्टी जून 2021 नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस बट सिंस लिमिट ऑफ 50 लाख इज फॉर होल प्रीवियस ईयर सो फॉर चेकिंग द लिमिट ऑफ 50 लाख वी विल कंसीडर द परचेज मेड बिटवीन फर्स्ट अप्रैल टू थर्टीए जून टू थाउजेंड ट्वेंटीस्टैंड विद्प ऑफ दिसोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन is given in द last column. आपको बताना है टीडीएस आएगा या नहीं आएगा तो देखिए सबसे पहले बायर कौन है करके ठीक है और टर्न ओवर ऑफ बायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस मीन लास्ट ईयर का टर्न ओवर कितना है टर्न ओवर ऑफ बायर इन द करंट ईयर एक बात बताओ करंट ईयर के टर्न ओवर से कोई मतलब नहीं है टर्नओवर करंट ईयर का नहीं देखना है आपको यह देखना है लास्ट ईयर का टर्न कितना है और सेलर कौन है किससे आप खरीद रहे हो अब एक बात बताइए रामू करके एक बायर है जिसका लास्ट ईयर का टर्न ओवर एक्जेक्ट टेन करोड़ है देखो लास्ट ईयर का टर्नओवर टेन करोड़ से ज्यादा होना चाहिए यहां लास्ट ईयर का टर्नओवर एग्जैक्ट 10 करोड़ है तो इस केस में आपका टीडीएस है वो नहीं आएगा दूसरी चीज श्यामू करके एक बंदा है जिसका लास्ट ईयर का टर्न ओवर टेन पॉइंट फाइव करोड़ सेक्शन लगेगी बिकॉज बायर जो है बायर कोहली लिमिटेड से गुड्स खरीद रहा है कितने का खरीदा तो देखिए इस पर्टिकुलर पीरियड में जब यह सेक्शन नहीं थी उसने दस लाख का खरीदा था उसके बाद फोर्टी पॉइंट का खरीदा तो एक बात बताइए टोटल कितना हुआ 50.2 लाख हुआ 50.2 लाख का मतलब 50 लाख 20,000 हुआ तो 50 लाख पे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी भाई इस पे तो नहीं लगेगी ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली 50 लाख के ऊपर वाले पे लगती है तो एक बात बताइए 50.2 हुआ तो 20, तो 20,000 तो पे ये सेक्शन लगनी चाहिए ना तो टीडीएस है वो पॉइंट आ जाएगा कितने का ट्वेंटी का पॉइंट वन परसेंट है वो टीडीएस कलेक्टीडीएस तो है वो डिडक्ट करेगा कौन करेगा बायर दैट इज श्यामू है वो श्यामो करेगा अब एक और चीज समझना नेक्स्ट एग्जाम्पल लालू करके बायर है और लालू का लास्ट ईयर का टर्न ओवर पंद्रह करोड़ है पहली कंडीशन सेटिस्फाइड अब वो क्या कर रहा है भारत लिमिटेड से फोर्टी लाख का उसने बाइंग किया फोर्टी लाख का जो है वो बाइंग किया इससे पहले वाले और उसके बाद एटी लाख का बाइंग किया तो टोटल कितना हुआ एक बात बताइए टोटल जो है वो आपका हो गया यहां पे 120 टोटल 120 हुआ तो ऑब्वियसली 50 तक तो आएगा ही नहीं तो टीडीएस तो 40 पे तो नहीं आएगा लेकिन एक बात 50 के ऊपर वाला तो आएगा तो 50 के ऊपर वाला आया तो यहां 40 और 80 कितना हो गया 120 हुआ तो 120 में से 50 हटा दो तो बचा कितना 70 तो 70 तो पॉइंट वन परसेंट है वो टीडीएस आ जाएगा जो 70 लेक है उस सेवेंटी लेकिन पॉइंट वन परसेंट है वो पॉइंट वन परसेंट टीडीएस आएगा अब एक और चीज समझना लिमिटेड है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 17 करोड़ है 10 करोड़ से ज्यादा है उसने एल के लिमिटेड से खरीदा एक करोड़ का गुड्स पहले ही खरीद लिया था और दो करोड़ का बाद में तो मिला के तो पचास लाख से ज्यादा है तो मैं बताऊं एक करोड़ पे तो आएगा ही नहीं बाकी वाले दो करोड़ पे पूरे पे आ जाएगा बाकी वाले दो करोड़ पे पूरे पे आ जाएगा तो दो करोड़ पे पॉइंट वन परसेंट टीडीएस है वो आएगा लास्ट बीबी लिमिटेड लास्ट ईयर का टर्न ओवर करोड़ है और भैया डीबी लिमिटेड से कुछ गुड्स बाय किया पहले 1.7 करोड़ किया था और उसके बाद 10 करोड़ किया तो 1.7 पे तो नहीं आएगा ऑब्वियसली 10 करोड़ पे आपका 0.1 परसेंट है वो 0.1 परसेंट आ जाएगा कितने पे 10 करोड़ पे पेटेंट आएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट आपको समझा या नहीं समझा समझा अब एक और चीज समझना एक और सीबीडीटी का क्लियरिफिकेशन आया सीबीडी का कहना यह है कि सर एक बात बताइए बहुत बार देखो ये जो शेयर्स वगैरह होते हैं शेयर सिक्योरिटी इट इज आल्सो अ गुड ये भी तो गुड्स ही होता है जो शेयर सिक्योरिटी है उसको भी लोग है वो गुड्स की डिफाइन करते हैं करके ठीक है या फिर आप जो है बहुत सारे वेरियस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ये जब आप खरीदते हैं करके के कॉमोडिटीज वगैरह जैसे आपने कॉमोडिटीज खरीदा तो कॉमोडिटीज ऑल्सो गुड्स आप ऑनलाइन कॉमोडिटीज खरीद सकते हैं एमसीएक्स से वगैरह तो अब एक बात बताइए हमने क्या किया कोई शेयर सिक्योरिटी खरीदी या फिर हमने क्या किया कि कोई कॉमोडिटीज खरीदी वो एमसीएक्स से खरीदी या फिर बी एस से खरीदी तो आपको तो पता ही नहीं है सेलर कौन है और बायर कौन है भाई बायर पेमेंट कर रहा है बट एक बात बताइए यहाँ बायर सेलर एक दूसरे को जानता ही नहीं है बायर सेलर है वो एक दूसरे को जानता ही नहीं तो क्वेश्चन ही आता है कि सर यहां पर क्या टीडीएस आएगा या नहीं क्योंकि सेलर कौन है हम किसका टीडीएस काटे हमको तो पता ही नहीं हम सेलर को तो जानते ही नहीं तो उस केस में क्या टीडीएस आएगा या नहीं इसको लेके सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया कि टीडीएस नहीं आएगा इन दिस पर्टिकुलर केस टीडीएस नहीं आएगा तो देखिए सबसे पहला सीबीडीटी का पॉइंट मैंने लिया यहां पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन करके वन जो तुम्हारा था ना वो ऑनलाइन वाला करके ठीक है वो वाला ऑनलाइन वाला वन जो अभी अपन पढ़ रहे और टू है वो आपका टीसीएस वाला Shall not apply in relation to transaction in securities and commodity which are traded through the recognized stock exchange or the cleared and settled by the recognized clearing corporation, including the recognized stock exchange and recognized clearance corporation located in IFSCA. और अ ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांजेक्शन होते हैं इन द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू द पावर एक्सचेंजेस आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे क्या लाइक इलेक्ट्रिसिटी के जो सर्टिफिकेट है वो भी सेल होते हैं पावर एक्सचेंजेस में तो वहां पर बायर सेलर है वो अननोन है पता ही नहीं है बायर कौन है सेलर कौन है करके ठीक है तो उस केस में इन्होंने बोला कि आपके लिए जो सेक्शन वन ओ है टू है करके और वन है ये तीनों सेक्शन में कोई टी डी वगैरह नहीं आता

और उसमें जीएसटी भी है अठारह परसेंट अठारह परसेंट जीएसटी है तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हम जब टीडीएस काटेंगे पॉइंट वन परसेंट पचास लाख के ऊपर वाले पे पॉइंट वन परसेंट टी काटेंगे तो क्या जीएसटी पे भी टीडीएस काटना है क्या जो जीएसटी कंपोनेंट रहेगा जो जीएसटी का अमाउंट रहेगा क्या जीएसटी के अमाउंट पे भी टीडीएस काटना है आंसर इज नो गाइस यहां पे क्लेरिफिकेशन दिया सीबीडीटी ने कि जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना जीएसटी वाला जो कंपोनेंट है वो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस है वो टीडीएस नहीं काटना लेकिन अगर मान लो आपको पेमेंट पहले आ गया तो आपने पेमेंट पहले कर दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है पहले पहले तो 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 क्या होता है है देखो अगर सेलर ने बिल बिल आ गया तो तो बिल में तो आपको पता ना जीएसटी कितना है बिल में तो आपको पता है जीएसटी कितना है तो जीएसटी कंपोनेंट को छोड़ के बाकी वाला पचास लाख से ऊपर जितना भी है करके ठीक है तो पचास लाख से ऊपर जो भी आपकी क्या बोलते हैं गुड्स की परचेज होती है उसमें जीएसटी कंपोनेंट को छोड़ के आप पॉइंट वन परसेंट टीडीएस काटेंगे लेकिन बहुत बार क्या होता है अगर मान लो आप बायर हो आपने किसी को एडवांस पे किया गुड्स परचेज करने के लिए तो एडवांस पे कर दिया तो तो आपको पता ही नहीं ना भाई देखो टीडीएस तो कब काटना है? पेमेंट या क्रेडिटिंग इज अर्लियर अगर क्रेडिट बिल पहले आ गया तो तो क्रेडिट कर लिया पहले तो वहां तो आपको बिल में दिख रहा है कि जीएसटी इतना है बिल में दिख रहा है कि जीएसटी इतना है यहां पे जो आपका बिल आ रहा है उस बिल में दिख रहा है कि जीएसटी इतना है बिल पहले आ गया तो तो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस मत काटो लेकिन अगर बिल नहीं आया आपने किसी को एडवांस दे दिया जैसे मैंने बुक्स खरीदने के लिए किसी को दो करोड़ का एडवांस दिया अब बुक्स में तो जीएसटी होता नहीं है बट मान लो किसी और प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या किया किसी को एडवांस दे दे दिया दिया तो तो एडवांस अब तो एडवांस में तो मुझे पता नहीं ना बिल आएगा बिल में जीएसटी कितना होगा क्या होगा वो मुझे पता नहीं है तो यहां सीबीडी बोलती है कि एडवांस के केस में फिर जितना एडवांस आपने दिया है उसका पचास लाख के ऊपर वाला पूरे साल में मिला के पचास लाख के ऊपर वाले पे सीधा आप पॉइंट वन परसेंट है वो टीडीएस काट लो तो यहां सीबीडीटी क्या बोलती है कि अगर मान लो बिल पहले आ गया आपके पास बिल पहले आ गया मैं बायर हूं और मैंने किसी से गुड्स खरीदा तो मेरे पास बिल पहले आ गया तो बिल में तो मुझे दिख रहा है ना कि भैया बाइंग वैल्यू ये है जीएसटी वैल्यू है तो जीएसटी को छोड़ दूंगा बाकी 50 के वाला जो है, वो पे उसमें कितना होने वाला है उसमें जो है वो उसमें कितना जो है, वो का रहने वाला है वो आपको पता नहीं है तो उस में क्या होगा, कि आपको जो है वो आपको टीडीएस जितना आपने एडवांस दिया उस पे आपको काटना पूरे पे पड़ेगा एसिबीडि का कहना है अब एक चीज समझना देखिए क्या लिखा है जीएसटी अंडर सेक्शन फोर क्यू इज नॉट एप्लीकेबल सॉरी टीडीएस अंडर सेक्शन फोर क्यू इज नॉट एप्लीकेबल ऑन जीएसटी अमाउंट इफ इट इज सेपरेटली इंडिकेटेड इन इन बट इफ द एडवांस पेमेंट इज मेड टीडीएस शुड बी डिडक्टेड ऑन टोटल एडवांस पेमेंट एज वी आर नॉट अवेयर दैट वॉट विल बी द जी एस टी अमाउंट इन द इनवॉइस इन वॉयस में क्या जीएसटी अमाउंट रहेगा वो अपने को पता नहीं तो जितने का एडवांस दिया उस पूरे पे मीन ऑब्वियसली पूरे साल का मिलाकर पचास से ज्यादा होना चाहिए पचास को छोड़ दीजिए पचास के ऊपर वाले पे आप पॉइंट वन परसेंट की रेट से टीडीएस काट लीजिए अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन अब एक बात समझता अगर आपने परचेज किया अभी और परचेज मैंने गुड्स परचेज किया टू करोड़ का मैंने टीडीएस काट लिया थोड़े टाइम बाद मैंने कुछ गुड्स परचेज रिटर्न कर दिया तो एक बात बताओ मैंने उसका टीडीएस काटा था तो क्या मुझे टीडीएस भी रिटर्न करना पड़ेगा क्या परचेज रिटर्न के टाइम पे मुझे क्या टीडीएस भी रिटर्न करना पड़ेगा क्या तो यहां पे सीबीडीटी बोलती है टीडीएस रिटर्न करने की जरूरत नहीं है आप टीडीएस रिटर्न ना करिए कोई प्रॉब्लम नहीं करके ठीक है जब आगे आप और भी कुछ परचेज करेंगे उस टाइम एडजस्ट कर लेना भाई उसी पर्टिकुलर पर्सन से आप आगे क्या करेंगे और कुछ परचेज करेंगे तो उस टाइम पे आप क्या करना उस टीडीएस को एडजस्ट कर लेना ऐसा सीबीडीटी ने बोला है कि जैसे मैंने टू करोड़ का परचेज किया तो टू करोड़ का जो बिल आया मैंने जब पेमेंट वगैरह किया उस टाइम मैंने टीडीएस पूरा जमा करा दिया पॉइंट वन परसेंट अब एक बात बताइए उस परचेज रिटर्न हो गया कुछ तो रिटर्न में क्या मुझे टीडीएस का अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ेगा इज आई एम रिक्वायर्ड टू रिटर्न द टीडीएस अमाउंट ऑल्सो आंसर इज नो यहां पर बोला टीडीएस रिटर्न करने की जरूरत नहीं आप फ्यूचर में जब भी आप उससे और भी परचेज करेंगे उस टाइम आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अगर रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स में क्या होता है मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा था मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने रिप्लेस करवाया दूसरा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो उसमें तो देर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग करके ठीक है तो देखिए क्या लिखा है परचेज रिटर्न टीडीएस डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और द पेमेंट टाइम ऑफ परचेज टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड बाई दी काट लिया होगा इन केस ऑफ परचेज रिटर्न एंड इट कैन बी एडजस्टेडेज फ्रॉम द सेम से आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है गुड्स तो उस केस में तो ऑब्वियसली नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है अब एक बात बताइए नॉन रेजिडेंट बायर अगर कोई नॉन रेजिडेंट बायर है तो वो क्या इसमें इस सेक्शन में आएगा क्या क्योंकि यहां पे बायर में क्या लिखा हुआ था एनी पर्सन बायर में जो लिखा हुआ था अगर आप देखेंगे बायर में दैट इज पेयर मैंने पहले लिखा था एनी पर्सन हुज लास्ट ईयर टर्न ओवर इज मोर देन टेन करोड़ तो क्या बायर अगर मान लो नॉन रेजिडेंट है क्योंकि यहां तो ऊपर तो इन्होंने लिख लिया एनी पर्सन सेलर में लिखा था रेजिडेंट पर्सन ऑब्वियसली सेलर अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट का हम टीडीएस कैसे काटेंगे यार एक बात बताओ मैं क्या कर रहा हूं मैं माल खरीद रहा हूं फॉर एन एक्साम्पल चाइना से तो नॉन रेजिडेंट है सेलर है तो क्या मैं उसका टीडीएस काट सकता हूं नहीं अब एक बात बताऊ नॉन रेजिडेंट बायर है तो क्या होगा नॉन रेजिडेंट बायर का मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इट्स एक्सपोर्ट यू कैन से दैट इन सिंपल वर्ड इट्स एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट में क्या हुआ कि मैंने मान लो यहां से गुड सेल किया किसी को बाहर कोई बंदा है मिस्टर लोबो जो कि मान लो लोबो बैठा है कोरिया में और उसने मेरे से गुड्स खरीदा तो वो बायर है और उसने मेरे से मान लो पांच करोड़ का तो वो क्या मेरा टीडीएस काटेगा वो मेरा टीडीएस काटेगा इज इट पॉसिबल आंसर इज नो इट्स नॉट पॉसिबल तो इसके लिए सीबीटीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि बायर अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में इसमें टीडीएस नहीं कटेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन वन क्यू इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट बायर एक्सेप्ट वेयर नॉन रेजिडेंट इज हैविंग अ पी इन इंडिया एंड हैचेज रिलेट्स टू दैट पी अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है उसका इंडिया में पी है और वो पी परचेज कर रही है तो तो वो तो इंडिया में ना कंप्लाइंस कर सकता है ना करके ठीक है तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट जो पी है वो टीडीएस काटेगी बट अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर है वो अगर परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली टीडीएस नहीं कटेगा अब एक और चीज समझना अगर सेलर का इनकम एक्ज है तो उस केस में टीडीएस काटना है क्या जैसे हमने कुछ गुड्स खरीदा किसी सेलर से और सेलर का इनकम एग्जेम्प्ट है हो सकता है सेलर का इनकम एग्जेम्प्ट हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लॉ में एग्जेम्प्ट है तो क्या उसका टीडीएस काटना है क्या आंसर इज नो देखो जब इनकम ही उसका एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है ऐसा सीबीटीटी बोलती है देखिए इफ सेलर होल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट लाइक 1023 ए में या 10 फोर्टी फोर में करके ठीक है जैसे ये टेन ट्वेंटी थ्री ए में जैसे कैसे होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी आईसीआई है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनकी इनकम एग्जाम उनसे मैंने बहुत सारे मॉड्यूल खरीदे मैंने बच्चों को सोचा सबको मैं मॉड्यूल भी साथ में दे दूँ कॉम्पैक्ट के साथ में कॉम्पैक्ट इज बेस्ट करके इस बार की कॉम्पैक्ट मेरी लाइफ की बेस्ट कॉम्पैक्ट है तो मैंने क्या किया कि मॉड्यूल भी दे दिए ठीक है तो इंस्टीट्यूट से मैंने मान लो मेरा टर्न ओवर लास्ट में बाहर हूँ मेरा टर्न ओवर लास्ट ईयर का टेन करोड़ से ज्यादा है अब मैंने इंस्टीट्यूट से इस साल में फॉर एन एक्जाम्पल वन करोड़ के मॉड्यूल्स खरीदे तो क्वेश्चन ही आता है इंस्टीट्यूट की तो इकम है इंस्टीट्यूट की इनकम सेलर तो की इनकम तो क्या टीडीएस no. no है वो काटने की जरूरत नहीं है तो अगर सेलर की इनकम एग्जेम्ट है तो उस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है तो देखिए क्या लिखा हुआ है इफ सेलर होल इनकम इज एक्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट लाइक 1023 ट्वेंटी थ्री और टेन फोर्टी फोर देन टीडीएस अंडर सेक्शन वन नॉट एप्लीकेबल सिमिलरली इफ बायर होल इनकम इज एग्जाम देन टी सी एस अंडर सेक्शन टू जीरो सिक्ससी वन एच इज नॉट एप्लीकेबल ये वन एच क्या है अपन है बाद में देखेंगे करके ठीक है वन एच क्या अपन बाद में देखेंगे जो पढ़ रहे हो उनके लिए अब एक बात बताओ अगर बायर का फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो लास्ट ईयर का टर्न ओवर तो है ही नहीं तो क्या टीडीएस काटना है या नहीं अगर मान लो फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है पहला ही साल है ये इसमें बोला हुआ है कि बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर एक करोड़ से सॉरी टेन करोड़ से ज्यादा है देन ओनली ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस बट बायर का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है अपन पहली बार का ऑपरेशन है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन तो लास्ट ईयर का टर्न तो कुछ भी नहीं था तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा आंसर इज नो देर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस फर्स्ट ईयर में आपको काटने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन टेन करोड़ माना जाएगा जब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो इस सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है ऐसा क्लेरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया है तो देखिए इन सेक्शन 194 नाइनटी फोर टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ओनली इफ द बायर लास्ट ईयर टर्न इज मोर देन टेन करोड़ सिंस इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन लास्ट टर्न ओवर इज निल सो दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मींस फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ये सेक्शन नहीं लगेगी अब एक और चीज समझना लास्ट ईयर टर्न ओवर में क्या लेंगे टोटल लेंगे या सिर्फ बिजनेस टर्न ओवर लेंगे राइट आंसर इज ओनली बिजनेस टर्न ओवर आप जो सिर्फ बिजनेस टर्नओवर है वही लेंगे अगर नॉन बिजनेस कुछ पैसा मिला था जैसे कोई असेट बेचने से वगैरह कुछ पैसा मिला था तो क्या वो टर्नओवर में जाएगा ना बाबा ना वो टर्नओवर में नहीं जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है ंग द लस्ट ईयर टर्न ओवर ऑफ द बायर इट शुड इंक्लूड ऑनली बिजनेस टर्न ओवर और इट शुड टेन करोड़ नॉट टू बी काउंटेड आपका काउंटेड नहीं होगा करके यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस हा इसमें दीक्षा ने बोला कि अगर लास्ट ईयर का परचेज था और इस साल पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस आएगा आंसर इज नो वो तो आगे होगा ना क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पर क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे आ गया होगा बिकॉज टीडीएसर दिस सेक्शन रिक्वयर टूम पार्टी और पेमेंट विच एवर फॉर पेमेंट मेड विध रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर परचेज हाँ मेरी बात सुन इस साल यह पचास लाख है ना यहू पर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हुआ क्या लास्ट ईयर में आपका चालीस लाख का परचेज था तो लास्ट ईयर आपने टीडीएस नहीं काटा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा नहीं था इस साल भी आपका 40 लाख का है। अब एक बात समझना इस साल आपने 80 लाख का पेमेंट किया तो क्या टीडीएस आएगा क्या इस साल आपने 80 लाख का पेमेंट किया तो क्या टीडीएस आएगा नहीं ना नहीं आएगा आपकी इस साल की परचेज पचास लाख से ज्यादा होनी चाहिए इस साल की परचेज पचास लाख से ज्यादा होनी चाहिए तो ही टीडीएस आएगा

यहाँ पे होना चाहिए या गलत ये है यस आई गॉट योर पॉइंट यहाँ पे टेन करोड़ होना चाहिए या फिर इसको टेन लैख कर देते हैं चलिए इसको है ना टेन लैक्स कर दीजिए हाँ टेन लैक्स कर दीजिए आप टेन लैक्स कर दीजिए जो लास्ट में टेन करोड़ है ना उसको टेन लैक्स कर दीजिए दीक्षा देख टी कब काटना है आप समझने की कोशिश करिए क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो लास्ट ईयर में क्रेडिट हो गया था शोभिता गलत क्या है इसमें तो टेन लैख पे टीडीएस आएगा क्या दिक्कत है लास्ट ईयर का बीबी लिमिटेड का टर्न ओवर वॉ सेटीन करोड़ मोर देन टेन करोड़ों ने परचेज की है इस पर नहीं आएगा तो वन पॉइंट सेवन करोड़ पे तो नहीं आएगा लेकिन टेन लैक पे क्यों आएगा क्योंकि लैख की लिमिट लेते टाइम तो आप पूरी परचेज लेंगे ना फिफ्टी लैख की लिमिट लेते टाइम आप पूरी परचेज लेंगे तो इस केस में टीडीएस आएगा क्यों नहीं आएगा हाँ शोभिता क्या डाउट है बबुआ हा अच्छा के के लिमिटेड वाले की बात कर रहे हो के लिमिटेड में यस टू करोड़ पे आएगा ना क्या दिक्कत है इस करोड़ 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 पे आएगा, वन करोड़ पे नहीं आएगा .1 टू करोड़ आएगा आएगा नहीं ऑन ना क्या दिक्कत है ये वन करोड़ है इस पर नहीं आएगा क्योंकि ये आपका थर्टीय जून तक का परचेज है लेकिन ये आपके फिफ्टी लैख की लिमिट में तो आएगा आंसर इज यस फिफ्टी लैख की लिमिट में आएगा तो फिफ्टी लैख की लिमिट तो ऐसे ही क्रॉस हो गई इसी वन करोड़ से तो बाकी जो इसके बाद वाला परचेज है उस पर टीडीएस आएगा टू करोड़ पे हुँ? क्या दिक्कत है ओ बबुआ क्या दिक्कत है बोलिए चलिए इससे पहले कुछ नोट्स है वो नोट्स मैं आपको बता देता हूं और नोट नंबर आप थर्ड पे आइए सब लोग हाँ तो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख पे लगना चाहिए बट यहां तो भाई एक बात बता 50 लाख की लिमिट तो क्रॉस हो गई ना 50 की लिमिट तो क्रॉस हो गई ना भाई 1 करोड़ और 2 करोड़ तो 50 की, ये 50 की लिमिट देखते टाइम 1 करोड़ कंसीडर तो करेंगे तो टोटल 3 करोड़ है ना तो तुम ये बोल रही हो कि 2.5 करोड़ पे आना चाहिए 2.5 करोड़ पे नहीं आएगा ना इस वन करोड़ पे तो आएगा ही नहीं बाकी वाले टू करोड़ पे आएगा? नहीं तुम जो बोल रहे हो कि सर फिफ्टी लैख के ऊपर में सिर्फ इस टू करोड़ फिफ्टी लैख से ऊपर ऐसा नहीं ऐसा नहीं फिफ्टी लेख का लिमिट देखते टाइम पूरे साल का लेंगे पूरे साल का लेंगे पूरे साल की जो सेल है सॉरी पूरे साल की जो परचेज है वो अपन लेंगे देखो बड़ा सिंपल है आप ऐसे याद रखिए इसको सबसे पहली चीज थर्टियत जून तक जो परचेज किया या पेमेंट किया उसको कंसिडर नहीं करना जून के बाद है लेकिन फिफ्टी देखते टाइम की परचेज है वो लेनी है क्योंकि जो लिमिट है ये पर एन वाइज है तो पूरे साल में मिला के आपकी जो परचेज है वो तीन करोड़ है तो भैया ढाई करोड़ पे कटना चाहिए लेकिन एक बात बताइए जो इसमें से आपका वन करोड़ पे तो कटेगा नहीं तो यहां फिफ्टी लैख की लिमिट ये क्रॉस हो गई ना पहले वाले में ही क्रॉस हो गई टीडीएस तो नहीं घटेगा बट फिफ्टी लाख की लिमिट तो क्रॉस हो गई तो जो टू करोड़ है इस टू करोड़ पे अब एक और चीज समझना है यहां पे कुछ नोट्स दे रखे थे जो मैंने छोड़े थे क्या बोलता है सबसे पहली चीज केस द ट्रांजेक्शन ऑन विच बोथ सेक्शन दैट इज वन नाइनटी फोर सी वन एच यह क्या है टीसीएस की सेक्शन है एंड वन नाइनटी फोर क्यू अप्लाई टी डी एस टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर क्यू यह थोड़ी देर क्या है आप छोड़ दीजिए यह टी सी एस वाला टॉपिक है जिस बैच में हम मैं पढ़ा रहा हूं उस बैच में टीसीएस भी बाकी है वो वाला पार्ट उसके बाद इनकेस ट्रांजेक्शन विथ बोथ टू जीरो सिक्स वन वन एफ वन जी एंड वन क्यू अप्लाई देन करके ठीक है और इसीडीएस और यहां पर टीडीएस भी आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्या टीसीएस एप्लीकेबल होगा लेकिन ऊपर वाले में क्या था कि अगर मान लो यहां पर एंड क्यू में टीडीएस आ, आ रहा है तो टीडीएस घटेगा तो देखिए मैं आपको ये बोलो देखो पहली चीज तो ये किसी और सेक्शन में टीडीएस कट चुका है तो 194 नाइनटी क्यू में टीडीएस नहीं आएगा दूसरी चीज सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट हुआ है कौन सी सेक्शन में सेक्शन वन में या सबसेक्शन वन एफ में या वन जी में टीसीएस कलेक्ट हो गया है, तो भी इस सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा लेकिन अगर मान लो यहां पे दो सेक्शन के बीच दोनों सेक्शन लग रही है वन नाइनटी फोर क्यू भी लग रहा है और टू जीरो सिक्स सी वन एच भी लग रही है तो इस केस में फिर वन नाइनटी फोर क्यू है उसको प्रायोरिटी मिलेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा और वन नाइनटी फोर क्यू है वो आएगा एक बार आपका टू जीरो सिक्स होगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझता इन अ केस ट्रांजेक्शन टू विच बोथ सेक्शन फोर ओ एंड वन नाइन फोर क्यू इज एप्लीकेबल क्यू ये वाली सेक्शन वन नाइन फोर ए वो ऑनलाइन इंटरनेट वाली देन टीडीएस टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर ओ मीस वो इंटरनेट वाली है वो फाइव पर वो इंटरनेट वाली वन परसेंट वाली है वो आपकी प्रिवेल करेगी अब एक और चीज समझना इफ पेन ऑफ पे इज नॉट अवेलेबल देन टैक्स विल बी डिडक्टेड इन दिस बोथ सेक्शन एट द रेट मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं करके ठीक है अब अपन चलते हैं एक टीसीएस की जो सेक्शन है वो टीसीएस की सेक्शन कौन सी है ऐसी की ऐसी आपको सेक्शन लगेगी एक टीसीएस की और वो टीसीएस की सेक्शन कौन सी है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन तो जैसा कि आपने टी पढ़ा अब अपन समझते हैं टीसीएस और टीसीएस पढ़ने के बाद इस सेक्शन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सर आप बता दीजिए हम टीडीएस काटे या टीसीएस कलेक्ट करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो समझ में आएगा डोंट वरी इधर देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बात समझिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भैया जब भी जो बायर होता है ना वो बायर क्या करता है अगर किसी सेलर से 50 लाख ,00 से ज्यादा का गुड्स परचेस करता है इन द करंट प्रीवियस ईयर तो उसको टीडीएस काटना है पॉइंट वन परसेंट की रेट से अगर बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है अब हम एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज द सेक्शन टू जीरो सिक्स करके अब एक बात समझना और यह टू जीरो सिक्स ईयर से आई थी बाय फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी से आई थी और एक बात बताइए टीसीएस हमेशा कौन कलेक्ट करता है सेलर तो सेलर बायर से पैसा कलेक्ट करेगा तो सेलर से जब बायर सॉरी बायर से जब सेलर पैसा कलेक्ट करेगा तो यहां सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा अब एक बात समझना ये सेक्शन क्या बोलती है ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई सेलर है और वो सेलर एनी पर्सन हो सकता है कोई भी पर्सन हो सकता है और वो जो सेलर है वो एनी पर्सन है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर दस करोड़ से ज्यादा है Means यहां सेलर का टर्न ओवर लास्ट ईयर का टेन करोड़ से ज्यादा है और इस सेलर ने क्या किया बायर को गुड्स सेल किया था अगर बायर है किसी और बायर को उसने क्या किया था गुड्स सेल किया था तो गुड्स सेल किया और वो क्या कर रहा है इससे कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है तो जब वो बायर से सेलर जो है वो कंसिडरेशन रिसीव करेगा रिसीव करेगा तो इस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं जब वो कंसिडरेशन रिसीव करेगा ना तो रिसीव करते टाइम जब कंसिडरेशन रिसीव करेगा पूरे साल का मिला के अगर 50 लाख ,00 रुपीज से ज्यादा है तो उस केस में इन एक्सेस ऑफ 50 लाख इन एक्सेस ऑफ 50 लाख ,00 है उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 0.1 परसेंट तो 0.1 है वो TCS कलेक्ट करेगा तो देखिए मैंने क्या बोला अगर कोई सेलर है वो सेलर ने क्या किया था गुड सेल किया था किसको बायर को और सेलर का लास्ट ईयर का टर्न 10 करोड़ से ज्यादा है सेलर जो है वो सेलर का लास्ट ईयर का टर्न 10 करोड़ से ज्यादा है तो जब वो बायर से कंसिडरेशन लेगा ना कंसिडरेशन लेगा यहां रिसिप्ट के टाइम पे टीसीएस कलेक्ट करना है डेबिटिंग द पार्टी के टाइम पे नहीं सिर्फ रिसिप्ट के टाइम पे तो जब भी वो कंसिडरेशन रिसिव करेगा और वो पचास लाख से ज्यादा है पूरे साल का मिला के तो इन एक्सेस ऑफ द फिफ्टी लेके पॉइंट वन परसेंट है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा लेकिन सर अभी तो आपने एक सेक्शन बताई

बायर ने अगर टीडीएस काट लिया है अंडर सेक्शन 194Q क्यू तो उस केस में बेटा अगर 194Q क्यू में टीडीएस काट लिया है तो उस केस में यहां में टू जीरो कलेक्ट होगा बायर अगर 194Q क्यू में टीडीएस काट रहा है तो उस केस में सेलर जो है वो वन टू जीरो एच में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अगेन वापस एक बार रिपीट करता हूं इधर देखिए टू जीरो बोलती है कि अगर कोई सेलर है जो गुड्स को सेल करता है किसको बायर को और जो सेल किया उसका कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है पूरे साल में मिला के पचास लाख से ज्यादा तो इन एक्सेस ऑफ़ पचास लाख जितना होगा उस पर पॉइंट वन परसेंट है वो टीसीएस पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट है वो टीसीएस सेलर कलेक्ट करेगा अगर सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर ओवर दस करोड़ से ज्यादा है तो लेकिन अगर बायर ने टीडीएस काट लिया है 194 क्यू में तो उस केस में सेलर को यहां इस सेक्शन में टीसीएस है वो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझता अगर यहां पे जो बायर है वो बायर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई स्टेट गवर्नमेंट है या एम्बेसीज है या हाई कमीशन है या लेगेशन है या कमीशन है कौंसलेट है ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट है या लोकल ऑथोरिटी है करके ठीक है उन्होंने अगर कोई भी खरीदा तो उस केस में उनका टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और अगर टी डी एस डिडक्ट हो गया है, तो उस केस में यहाँ पे TCS है वो TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो चलिए आप एक काम करिए पे आइए और वहां से आपकी क्लैरिटी अब शानदार वाली बैठेगी और एक एग्जाम्पल भी अपन यहां पर करने वाले तो चलिए आप टीसीएस में आइए और टीसीएस में देखिए यहां पर क्या दे रखा है टू जीरो सिक्स वन एच करके हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले सेक्शन टू जीरो सिक्स वन एच टी सी एस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेल ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट अगर मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो सेलर है एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बायर जो है वो फॉरेनर का रहेगा बायर जो है वो फॉरेन का रहेगा तो आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आगे वाले से जब कंसिडरेशन मिलेगा तो क्या आप टीसी फॉरेनर का कलेक्ट करोगे नहीं उसका कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है एज वेल एज अगर मान लो टी है वो टू में हो चुका है जैसे मान लो आपका तेंदू पत्ता है एल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजन स्क्रैप है करके ठीक है कोल लिग्नाइट आयरन हो रहा है एंड वन एफ है वन एफ कौन सा दैट इज कार के केस में फरारी के केस में वन जी है वन जी कौन सा वो ओटीपीपी दैट इज ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज है वो आप दे दिया वगैरह करके ठीक है उसके केस में तो अगर उन सेक्शन में टीसीएस आ चुका है तो ऑब्वियसली इस सेक्शन में नहीं आएगा या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इस सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं टीसीएस कितना कलेक्ट करना है पॉइंट वन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ द फिफ्टी लाख रुपीज कलेक्टिव मीन सेलर कलेक्ट करेगा एनी पर्सन हुज लास्ट इर्न ओवर इज मोर देन टेन करोड़ रुपीज एंड बायर से एनी पर्सन अदर देन मैं इन नोट नंबर वन मीस बायर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्बेसी हाई कमिशन लेगेशन कमीट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर स्टेट लोकलटी और पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इंटू इंडिया और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन है तो उसके टीसीएस नहीं आएगा अब एक बात समझना पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इंटू इन इंडिया तो देखो मैंने कहीं से इंपोर्ट किया तो सैलर बाहर वाला है तो बाहर वाला सैलर जो रहेगा क्या वो मेरा टीसीएस कलेक्ट करेगा आंसर इज नो क्योंकि बाहर वाला

ट्वाइस द रेट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर तो यहाँ पे रेट क्या है आपका देखेंगे अगर आप रेट देखेंगे तो यहां पर आपका रेट है जीरो पॉइंट वन परसेंट मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस करेंगे तो जीरो पॉइंट टू परसेंट हो जाएगा तो जीरो पॉइंट टू परसेंट हो जाएगा अब एक बात समझना यहां पे 0.2 परसेंट हो जाएगा तो क्वेश्चन ही आता है क्या 0.2 से कलेक्ट होगा आंसर इज नो यहां पे अगर मान लो बायर ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो टीसीएस की रेट 1 परसेंट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ पॉइंट वन परसेंट मिस वन परसेंट की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ पॉइंट अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड अंडर दिस सेक्शन टीसीएस क्या था कट रहा है टीसीएस कलेक्ट होगा तो सिर्फ कंसिडरेशन रिसीव होगा तभी टीसीएस कलेक्ट करना है जब कंसिडरेशन रिसीव होगा तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी लैक इन द प्रीवियस ईयर अब यहां पे सीबीटी के कुछ क्लेरिफिकेशन है और सीबीडीटी के क्लेरिफिकेशन में पहला क्लेरिफिकेशन ये कि इन केस ऑफ द मोटर व्हीकल इफ सेक्शन 206C1 एप नॉट एप्लीकेबल लाइक मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर व्हीकल बेचा देन सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल इफ अदर कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन इज सेटिस्फाइड इसका मतलब क्या हुआ एक एग्जांपल लेते इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्या हुआ क्या जैसे बी एमडब्ल्यू इंडिया है तो बी एमडब्ल्यू इंडिया ने क्या किया BMW गाड़ी बेची नवनीत मोटर्स को और नवनीत मोटर सेलर है नवनीत मोटर्स अब नवनीत मोटर्स से मान लो मैंने एक BMW गाड़ी खरीद ली फॉर एन एग्जाम्पल बीबी सर तो मुझे बताइए मैंने यहां पे 60 लाख की गाड़ी खरीदी तो जब मैं 60 लाख की गाड़ी खरीदूंगा तो यहां पे टी आएगा 206C 206C वन एफ में फरारी इस नाम से याद रखोगे दैट इज कार याद रखिए फरारी मोटर व्हीकल तो यहां पे आपका टीसीएस आएगा अब एक बात समझिए इसमें क्या इसमें वन एफ आएगा क्या मैंने बोला था होलसेल में वन एफ नहीं आता जब भी आप होलसेल सेल होती है मोटर व्हीकल की तो उस केस में वन एफ नहीं आता लेकिन बेटा क्या यहां पर वन एच आएगा क्या अगर मान लो ये जो सेलर है और ये सेलर बीएमडब्ल्यू इंडिया का लास्ट ईयर का टर्नओवर टेन करोड़ से ज्यादा है ये। तो ये जब भी इससे कंसिडरेशन मिलेगा इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी लाख तो क्या ये टीसीएस कलेक्ट करेंगे एट द रेट पॉइंट वन परसेंट आंसर इज यस ये क्लेरिफिकेशन है अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पार्ट इन केस ऑफ सेल ऑफ फ्यूल टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस कंपनीज एट इंडियन एयरपोर्ट नॉट लाइबल टू टी सी एस अंडर दिस सेक्शन ये एक सीबीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि हुआ क्या जैसे बहुत बार नॉन रेजिडेंट जो फॉरन की एयरलाइंस है वो इंडियन एयरपोर्ट पर आती है दिल्ली एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट आई अब उसको सेल कौन कर रहा है यहाँ पे सेल किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उसको फ्यूल सेल किया तो जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्यूल सेल कर रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लास्ट ईयर का टर्न ओवर टेन करोड़ से ज़्यादा है और इस साल में मान लो फिफ्टी लैक् से ज़्यादा का सेल कर दिया उसके कंसिड्रेशन मिल रहा है तो क्या टी सी एस कलेक्ट करेंगे आंसर इज नो यहाँ पे टी सी एस कलेक्ट करने की जरूरत जरूरत नहीं है अब नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी अब देखो इसमें जीएसटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं करना जैसे क्यू में तो मैंने क्या बोला था कि बिल पहले आ रहा था तो जब बिल पहले आ रहा था तो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटता था वन क्यू में लेकिन यहां पे तो परेशन रिसीव हो रहा है ना तो जितना पैसा रिसीव हो रहा है ना जितना पैसा रिसीव हो रहा है ना उस पर आपको पॉइंट है वो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा तो देखिए नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी और सेल्स रिटर्न एस टीसीडर दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन जितने

ही रेगुलरली परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर रेजिडेंट दैट इज मिस्टर अग्रवाल से खरीदता है अ होलसेलर है एंड द एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इज नाइन्टी फाइव लैख का है. इस साल में 95 फाइव ,00 लैख का उसने पेमेंट किया कब कब किया तो पहला तो ट्वेंटी लाख है वो फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को दूसरा जो ट्वेंटी फाइव है वो ट्वेल्व ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को

TDS आएगा यहां TCS नहीं आएगा क्योंकि टी अगर कट रहा है तो पहले TDS आएगा अगर TDS नहीं कट रहा 194Q नाइनटी फोर क्यू में तो टू जीरो TDS आएगा TDS कौन काटेगा यह बंदा गोयल जो है वो परचेस कर रहा है तो गोयल ने देखिए परचेस कितनी की नाइनटी फाइव लैख की अब एक बात बताइए की अगर आप डेट देखेंगे तो पहली है वो ट्वेंटी लैख है ये फर्स्ट जून को अब एक बात बताओ टोटल करते टाइम तो आप पूरा फिफ्टी लाख से ज्यादा वाला है तो फिफ्टी लाख से ज्यादा वाला कितना है तो फिफ्टी लाख से ज्यादा तो टोटल 95 फाइव है फिफ्टी लाख पे नहीं कटेगा और भैया एक बात बताओ यहाँ पे फर्स्ट जुलाई से पहले की सेल कितनी है फर्स्ट जून को सिर्फ 25 लाख ही है तो कोई बात नहीं उसको अलग कर दो तो भी आपका कितना बचता है सेवेंटी लाख बचता है तो भैया एक बात बताओ पहले वाले पे ना काटो बट ये आपके लिमिट में तो लोगे ना आंसर यस तो यहाँ बताइए पच्चीस बाईस अट्ठाईस और बीस सॉरी ये जो आपका पहला 20 है उसके बाद 25 है उसके बाद 22 है उसके बाद 28 है, है ये 20 आपका फर्स्ट जुलाई से पहले वाला परजेज है तो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं करके ठीक है क्योंकि एक बात बताइए ऐसे भी 50 लाख तक नहीं आता है बट इस पर तो आएगा नहीं अगर ये एक करोड़ होता पहले वाला तो भी नहीं आता अब एक बात बताओ लेकिन इसको लिमिट कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर करना है शोभि लिमिट कैलकुलेट करते टाइम करना है तो आप मुझे बताइए लिमिट तो आपका नाइनटी है तो नाइन्टी में पचास पे नहीं आएगा कितने पे आएगा आपका फोर्टी फाइव पे आएगा जो बाद वाले है तो फोर्टी फाइव पे आएगा तो किस किस पे आएगा इस पे तो नहीं आएगा पहले वाले पे नहीं आएगा फर्स्ट जून को टी काटने की जरूरत नहीं है तो एक बात बताइए आप 50 इसमें से लेस कर दीजिए तो मैं बताऊं एक तो 20 वाला इस पे तो आएगा ही नहीं इस पे नहीं आएगा दूसरा इस 25 पे भी नहीं आएगा तो मैं बताऊं 20 और 25 कितना हुआ 20 25

दैट इज सेवेंटीन लैक का वन परसेंट द पेमेंट और क्रेडिट ऑफ ट्वेंटी टू लैक ऑन ट्वेंटी थर्ड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू उसके बाद में 2800 है वो 28 लाख पे आपका 0.1% परसेंट है वो आ जाएगा करके ठीक है इन दिस केस सिंस बोथ सेक्शन 194Q क्यू एंड 194 नाइन फोर वन एच अपलाई टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन वन यहां पर टी डी है वो कटेगा 194Q क्यू लगेगा यहां टू जीरो सिक्स वन एच है वो नहीं लगेगा दूसरा क्वेश्चन क्या है?

if mr goel turnover for financial year 2021 was only 8 crore tds provision under section 194q would not be attracted however tcs provision under section 206c1 would be one h would be attracted in the hands of mr agarwal since his turnover exceed 10 crore in the financial year 2021 and his receipt from goel is exceed 50 lakh rupees now टैक्स इज टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 2061H on 1st June 2021 ऑन means जून no tax has to be एंड on नो टैक्स date. बी कलेक्टेड ऑन दिस टू डेट बट ऑब्वियसली उसके बाद वाली डेट पे जैसे ये आपका 1700 है और फिर 2800 है वो आपका टीसीएस कलेक्ट होगा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है वुड योर आंसर ऑफ वन एंड टू चेंज ए पेन होता तो क्या आपका आंसर चेंज होता तो एक बात बताइए मुझे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं 206, अगर मैं अगर उसकी बात करूं क्या बोलते हैं अपना 206 जीरो सिक्स डबल ए की बात करूं तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो अगर आपका सेलर पेन नंबर नहीं देगा तो बायर टीडीएस कौन सी रेट से काटेगा का? जो भी रेट है वो या फिर 5% परसेंट विच एवर इज हायर तो मैं बताऊं फाइव परसेंट विच एवर इज हायर तो रेट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर लेकिन एक बात बताओ अगर मैं टू जीरो सिक्स सी वन एच की बात करूं टीसीएस की तो टीसीएस के के केस में अगर मान लो TCS यहां पे तो सेलर ने पेन नंबर नहीं दिया तो उसका 5% की रेट से टीडीएस कटेगा बट अगर मान लो यहां पे तुम्हारा जो टीसीएस लगता और अगर बायर ने पेन नंबर नहीं दिया था तो मैंने बोला था कि आपकी जो रेट है वो मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस होगी और वन परसेंट विच एवर इज हायर लेंगे इस केस में करके ठीक है या फाइव परसेंट की जगह वो वन परसेंट हो जाता तो तो यहां पे आपका वन परसेंट की रेट से टीसीएस है वो कलेक्ट होगा करके दीक्षा तो आप एक काम करिए इसको एक बार आप रीड कर लीजिए आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना इधर 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 20% की जगह ओन कार 5% होगा ना यहाँ पे मैंने बताया था दो जगह 5% होता है एक तो 194 ओ में और एक 194 क्यू में ये दो सेक्शन में क्या होता है आपका ये 5% हो जाता है और वहां टीसीएस में मैंने बताया था कि देखो टीसीएस में क्या होता है नॉर्मली जो रेट है वो आपका क्या होता है ट्वाइस द रेट रेट और फाइव परसेंट बट फाइव परसेंट की जगह लेते हैं टू जीरो अब एक काम करिए आप लोग यहां पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस एग्जाम्पल्स को आप पढ़िए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा दिस इज रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल करके ठीक है कि मोटर व्हीकल के केस में कैसे कैसे क्या होगा करके ठीक है चलिए आप इसके केस में यहां पे आप ये कुछ एग्जाम्पल्स है वो आप पढ़ लीजिए एक बार कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिए यहाँ इधर वो डन पीपल बोलो डन बोलो डन बोलो डन 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 डना डन डन बोलिए डन अब एक बात बताइए यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आई एक बात बताइए मुझे इस बार का अमेंडमेंट है ये भी और देखिए मेरी तरफ देखिए अगर मैं टीडीएस टॉपिक के लिए बात करूं एक बार जो ये रेट वाला जो लास्ट वाला पार्ट है अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी दूर कर लेते हैं तो देखिए अगर मैं टीडीएस टॉपिक की बात करूं और इधर मैं बात कर लेता हूं टीसीएस का ठीक है तो देखिए अगर मैं टीडीएस की बात करूं और टी में हमेशा जो पेई होता है उसको अपना पेन नंबर देना पड़ता है जो पेई होता है उसको अपना पेन नंबर देना पड़ता है अगर टीडीएस में पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया मीन पेन नंबर नॉट गिवन पेन या आधार दोनों में से कोई भी दे सकते हो अगर मान लो नहीं दिया तो सेक्शन कौन सी लगती है टू जीरो सिक्स डबल ए करके और टू जीरो सिक्स डबल ए क्या बोलती है कि टीडीएस है वो कौन सी रेट से कटेगा टीडीएस की रेट क्या हो जाएगी पता है आपकी जो भी रेट है वो रेट ले लीजिए या फिर आप एक काम करिए ट्वेंटी परसेंट विच एवर इज हायर मींस इन दोनों में से जो हायर वाली रेट है वो ले लीजिए लेकिन बेटा इस ट्वेंटी परसेंट की जगह आपको फाइव परसेंट लेना है दो सेक्शन में मींस ट्वेंटी परसेंट की जगह आपको फाइव परसेंट लेना है दो सेक्शन में कौन कौन सी सेक्शन में एक तो वन नाइनटी फोर ओ में और एक वन नाइनटी फोर क्यू में बस याद हो जाएगा इतना इतना याद हो जाएगा कि टीडीएस टॉपिक में जो पेई होता है उसने अगर अपना पेन नंबर नहीं दिया जो पेई होता है उसने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उस केस में क्या होता है कि आपका टीडीएस कौन सी रेट से कटता है जो टीडीएस की रेट है और 20 परसेंट विच एवर इज हायर करके बट यहां 20 परसेंट की जगह 5 परसेंट हो जाता है दो सेक्शन के केस में वन ओ के केस के में के 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 और वन क्यू के केस के में ओ मिस वो इंटरनेट वाला ऑनलाइन वाला करके ठीक है ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो वाला अब एक और चीज समझना अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो तो टीसीएस में एक सिमिलर सेक्शन होती है जैसा TDS में वैसे के वैसे टीसीएस में एक सिमिलर सेक्शन होती है जिसका नाम है टू जीरो सिक्स डबल सी करके टू जीरो सिक्स डबल सी करके सेक्शन है और वो सेक्शन क्या बोलती है कि अगर तुम्हारा जो कलेक्टी है कलेक्टी मतलब जिसका कलेक्ट कर रहे हैं टीसीएस देखो नॉर्मली इन सिंपल वर्ड बता दू बायर तो जो बायर है करके ठीक है उसको अपना पेन नंबर या फिर आधार नंबर देना पड़ेगा पेन नंबर या आधार नंबर देना पड़ेगा अगर उसने नहीं दिया तो उस केस में टीसीएस का रेट क्या होगा पता है टीसीएस के रेट के लिए ये लोग बोलते हैं आपको विच इज हायर लेना या तो करना है आपको ट्वाइस द रेट मीनस आप एक काम करिए जो टीसीएस की रेट है उसको ट्वाइस कर दीजिए या फिर 5% परसेंट एवर इज हायर या फिर 5% परसेंट विच एवर इज हायर तो ट्वाइस द रेट और 5% परसेंट विच एवर इज हायर मैंने क्या बोला ट्वाइस द रेट और तुम्हारा 5% परसेंट एवर इज हायर तो जो ट्वाइस द रेट है है और 5% एवर इज हायर आप ले लीजिए अब एक चीज समझना यहां पे ट्वाइस द रेट और 5% परसेंट विच एवर इज हायर लीजिए लेकिन ये 5% की जगह आपका 1% होगा कौन सी सेक्शन में 206C1H में टू जीरो सिक्स वन एच है उसमें आपका कितना हो जाएगा वन परसेंट इंस्टेड ऑफ द फाइव परसेंट फाइव परसेंट की जगह कितना होगा वन परसेंट यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना वापस इधर ध्यान दीजिए आप लोग ट्वाइस द रेट का मतलब क्या होता है क्योंकि देखो एक बात बताओ वन एच की अगर मैं बात करूं तो रेट तो आपका कितना है पॉइंट वन परसेंट तो पॉइंट वन परसेंट को ट्वाइस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट टू परसेंट आ जाएगा तो टू परसेंट और वन परसेंट हायर कम्स टू वन परसेंट अब एक चीज समझना इस साल एक अमेंडमेंट किया और ये अमेंडमेंट क्या किया पता है कि अगर मान लो ये तो पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं दिया तो कटता था इस रेट से टीसीएस टीडीएस अब इस साल एक अमेंडमेंट किया और इस साल लॉ में दो नई सेक्शन डाली गई और वो दो नई सेक्शन का जो नंबर है दैट इज द एक तो तुम्हारा टू जीरो सिक्स ए बी डाला गया जैसे टू जीरो सिक्स डबल ए था उसके बाद में ए बी डाला गया और यहां पर टू जीरो सिक्स सीसी था सी सी के बाद में इन्होंने सी सी ए कर दिया दोनों में दोनों में टीडीएस टीसीएस दोनों में इन्होंने एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट ये किया कि देखिए वो पैन कार्ड कार्ड आधार वाला तो आपको देखना ही है रेट के लिए लेकिन एक और चीज ध्यान रखना इन्होंने बोला कि टीडीएस टीसीएस दोनों टॉपिक के लिए अगर जो पेई है या कलेक्टी है करके ठीक है पेई है या कलेक्टी है वो नॉन फाइलर है वो अगर नॉन फाइलर है नॉन फाइलर का मतलब लास्ट के दो सालों का उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है लास्ट के दो सालों का उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है और उसके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो वन थर्टी वाली जा चुकी है ड्यूडेट वन थर्टी नाइन वन वाली जा चुकी है इस प्रीवियस ईयर से पहले अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से पहले जो पेई है या कॉन्ट्रैक्टी है उसने दो साल के रिटर्न फाइल नहीं किए और उन दोनों की वन वन की ड्यूडेट जा चुकी है और उन दोनों साल में उसका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था या टीसीएस कलेक्ट हुआ था वो दोनों साल में फिफ्टी थाउजेंड रुपीज या उससे ज्यादा है तो उस केस में इसका इस साल में टीडीएस या टीसीएस कौन सी रेट से काटेंगे पता है उसका जो टीडीएस है या टीसीएस जो काटना है या कलेक्ट करना है कौन सी रेट से पता है ट्वाइस द रेट ट्वाइस द रेट आप रेट है उसको ट्वाइस कर दीजिए या फिर आपका 5% परसेंट विच एवर इज हायर इस रेट से उसका टी है या टी है वो काटना पड़ेगा देखिए मैंने क्या बोला ट्वाइस द रेट और 5% परसेंट विच एवर इज हायर ट्वाइस द रेट और 5% परसेंट विच एवर इज हायर अगेन बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना एक सेक्शन है 206 जीरो सिक्स ए बी और टू जीरो सिक्स डबल सी ए ये सेक्शन क्या बोलती है कि जो पेई है या कलेक्टी है उसने लास्ट के दो साल के रिटर्न फाइल नहीं किए और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है लास्ट के दो साल के रिटर्न फाइल नहीं किए और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है कुछ एग्जांपल लेते हैं आप इजीली समझ पाएंगे सर लास्ट के कौन से दो साल यहां पे लेंगे तो मुझे एक बात बताइए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है इक्कीस बाइस आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है इक्कीस बाईस आपका प्रीवियस ईयर कौन सा इक्कीस बाईस अब एक बात बताइए इक्कीस बाईस आपका प्रीवियस ईयर है अब एक चीज समझना इधर देखना सब लोग इधर देखना आपका प्रीवियस इक्कीस बाईस इससे पहले प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा बीस इक्कीस आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब हो रहा है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को क्या ट्वेंटी ट्वेंटी वन का डेट जा चुका है कि नहीं क्योंकि 2021 प्रीवियस ईयर का ड्यू डेट कब आएगा आइदर 31 जुलाई 2022 को या 31 अक्टूबर 2022 को तो 1 अप्रैल 2021 को यहां पे आपका 2021 का ड्यू डेट नहीं गया है तो यहां पे आपको 2021 प्रीवियस ईयर नहीं देखना है आपको क्या देखना है इससे पहले वाला दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 का ड्यू डेट जा चुका है आंसर इज यस एंड प्रीवियस ईयर 1819 तो पहली चीज तो जो पेई है उसने क्या किया इन दोनों साल में दोनों साल का रिटर्न फाइल नहीं किया इन दोनों साल का रिटर्न है वो दोनों साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है एंड इन दोनों सालों में उसका जो टीडीएस था दैट टीडीएस या जो टीसीएस अमाउंट है दैट इज फिफ्टी थाउजेंड और मोर है Means in both the year, उसका जो टीडीएस या टीसीड और मोर है इन द बोध दालों का टी डी एस आपसेंट विच एवर इज हायर ट्वाइस द रेट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर अब एक बात समझना आप लोग इधर देखिए आपका सबसे पहला डाउट ये रहेगा कि एक बात बताइए एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंने क्या किया अभी किसी बंदे को कमीशन दिया मैंने किसी बंदे को कमीशन दिया उस एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड से मैंने क्या किया कमीशन दिया और कमीशन दिया मिस्टर राजेश को और राजेश को कमीशन दिया सपोज पचास हजार का तो इस पे टीडीएस एच में आना चाहिए 5% की रेट से अब हुआ क्या राजेश जो है अगर मान लो इस बंदे ने क्या किया कि इन दो ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया 1920 और 1819 का रिटर्न फाइल नहीं किया नहीं किया इन दो साल का रिटर्न फाइल नहीं किया तो इन दो साल का रिटर्न फाइल नहीं किया और इन दोनों सालों में उसका जो टीडीएस टीसीएस था वो फिफ्टी थाउजेंड या उससे ज्यादा था तो इस बार अभी मैं जब उसको पेमेंट या क्रेडिट करूंगा उसका टीडीएस का रेट क्या हो जाएगा पता है ट्वाइस द रेट ट्वाइस द रेट मीन फाइव परसेंट मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस क्या करोगे टेन परसेंट हो जाएगा और फाइव परसेंट हायर कम्स टू द टेन परसेंट हायर कम्स टू द टेन परसेंट अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है अब यहां पे क्वेश्चन शोभिता ने जैसा पूछा कि कैसे पता चलेगा कि उस राजेश ने अपना रिटर्न फाइल किए हैं दो साल के ये हमको कैसे पता चलेगा कोई बात नहीं इनकम टैक्स वेबसाइट ने वेबसाइट पे एक लॉग इन आईडी दे रखा है आपको आप लॉग करिए और आप अपने पोर्टल पर लॉग करने के बाद उस बंदे का पेन नंबर डाल दीजिए पेन नंबर डाल दीजिए जैसे ही आप पेन नंबर डालेंगे वो बता देंगे कि ये बंदा नॉन फाइलर है या नहीं अगर नॉन फाइलर है तो आपको ये सेक्शन को फॉलो करना है और अगर मान लो वो रेगुलर फाइलर है तो आपको ये सेक्शन को फॉलो नहीं करना है आप सिंपल सी बात है अभी तो उन्होंने वो भी यूटिलिटी उस पर डाली है कि आप एक साथ में दस पेन नंबर भी डाल सकते हैं आप एक साथ में दस हज़ार लोगों का डेटा चेक करिए विद इन टू मिनट्स वो आपको निकाल के दे देगा कि इसमें से कौन कौन से नॉन फाइलर है और ये फर्स्ट अप्रैल को वो दे देते हैं फर्स्ट अप्रैल को आप चेक कर लीजिए आप जिन जिन को पेमेंट करते हैं आप एक काम करिए फर्स्ट अप्रैल दो को चेक कर लीजिए ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने नाइनटीन ट्वेंटी एटी में रिटर्न फाइल नहीं किया और उनका जो है ये इससे ज़्यादा है पचास हजार से ज्यादा है आपको पहले दिन ही वो बता देंगे आपको पहले दिन ही बता देंगे कि ये ये नॉन फाइलर है तो उनके केस में जब आप टीडीएस काटेंगे तो टीडीएस काटते टाइम आपको ये सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा दैट इज ट्वाइस द रेट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर अब एक और चीज समझना आपका क्वेश्चन यहां पर यह आ सकता है कि मान लो सर उसने पेन नंबर ही नहीं दिया तो यहां पर यह सेक्शन भी लग रही है सेक्शन भी लग रही है और वो टू जीरो सिक्स डबल ए भी लग रही है क्योंकि पेन नंबर आधार नंबर ही नहीं दिया तो उसके इसमें क्या होगा फिर दोनों में से जो हायर वाली रेट रहेगी ना उससे टीडीएस काटो गई क्योंकि उसमें तो हम क्या देख रहे थे कि रेट और और जैसे मान लो उस बंदे ने नंबर नंबर भी भी नहीं दिया, तो भी नहीं दिया दिया तो यह इस सेक्शन रिटर्न फाइल भी नहीं करता है अब आप बोलोगे उसका टीडीएस कैसे कटा होगा पहले करके आई डोंट नो करके पहले हो सकता है पहले पेन नंबर होगा फिर वो इनऑपरेटिव हो गया होगा उसने आधार से लिंक नहीं कराया तो पेन है ही नहीं उसका तो एक बात बताइए ऐसा अगर हुआ होगा तो यहां पे टेन परसेंट आएगा और ऊपर वाले में क्या होगा ऊपर वाले में रेट क्या है रेट आपकी 5% और 20% परसेंट हायर इज ट्वेंटी परसेंट तो ऊपर वाले में 20% आएगा तो फिर आप 20% की रेट से टीडीएस काटेंगे तो आप 20% की रेट से टीडीएस काटेंगे तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए अगर कोई भी पेई है या कोई कलेक्टी है कलेक्टी का टीसीएस कलेक्ट होता है पेई को जब पेमेंट करते हैं तो उसका टीडीएस काटते हैं तो पेई है या कलेक्टी है उसको अपना पैन आधार देना पड़ता है नहीं देता तो क्या होता वो मैं यहां पढ़ा चुका हूं अब एक बात समझना पेई या कलेक्टी ऐसा है जिसने लास्ट के दो साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है जिसकी वन थर्टी नाइन वन की ड्यूडेट इस प्रीवियस ईयर के पहले ही एक्सपायर हो चुकी है तो कुल मिला के आपको दो प्रीवियस ईयर उसके लिए देखने पड़ेंगे 1920 एंड 1819। उन दोनों सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया और दोनों सालों में जो उसका टीडीएस कटा था या टी टीसी कलेक्ट हुआ था वो फिफ्टी थाउजेंड और मोर है तो इस साल में आप उसका टी डी एस काटेंगे या टीसीएस कलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको क्या लेना है ट्वाइस द रेट और एवर इज हायर इवन उसने नंबर दिया बट अगर वो नॉन फाइलर है तो भैया ट्वाइस द रेट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर है उस हायर रेट से आप टीडीएस टीसीएस काटेंगे या कलेक्ट करेंगे अब एक और चीज समझना ये सेक्शन नहीं लगेगी ये जो सेक्शन है वो नहीं लगेगी अगर नेचर ऑफ पेमेंट आपका जो है वो सैलरी वाला है मिस या तो 192 है 192 है या फिर आपका 192 ए है या फिर 194 बी है या 194 बी बी है अब एक बात बताइए या फिर आपका 194 नाइनटी एल बी सी है या फिर 194 नाइनटी एन है अगर इन सेक्शन में टी काट रहे हो तो आपको यह प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब एक बात बताइए वन टू जो है पहले वन टू सैलरी वाला अब सैलरी में तो ऐसे भी आप सलेबरेट से काटते हैं अब उसका डबल कर देंगे तो आदमी मर जाएगा आगे वाला आगे वाला आदमी मर जाएगा आप कुछ कर, करने की जरूरत ही नहीं फिर अब वन नाइन्टी टू ए जो है वो या फिर वन नाइन्टी फोर बी और बीबी अब एक बात बताओ बी और बीबी में टी डीएस की रेट ही थर्टी परसेंट रहती है आगे वाला नॉन फाइलर है तो आप तो क्या करोगे कि यहाँ बोलोगे कि ट्वाइस द रेट मीन्स यहाँ सिक्सटी परसेंट और फाइव परसेंट हायर कम्स टू सिक्सटी परसेंट अरे गलत हो जाएगा ना इतना ज़्यादा कोई टी डी एस कटता है कि तो इसके लिए वन नाइन्टी टू ए वाला है तो वन टू है सैलरी वाला इस पर यह सेक्शन नहीं लगेगी वन नाइंटी टू ए पे नहीं लगेगी वन नाइनटी फोर बी बीबी पे नहीं लगेगी एलबीसी क्या होता है जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है और वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या करता है पेमेंट करता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है वो जब इन्वेस्टर को पेमेंट करता है तो उनका ट्वेंटी और रेट इन फोर से टीडीएस काटता है तो उस पर नहीं लगेगी एज वेल एज दाइन फोर एन जो बैंक से आप कैश विदड्रॉ करते हो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगे कि यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस बिकॉज कैश विदड्रॉ केस में अगर आप नॉन फाइलर हो पिछले तीन साल के तो ऐसे भी पता है कि आपको एक करोड़ से ऊपर होगा तो फाइव परसेंट

के केस में अगर नॉन रेजिडेंट रिटर्न नॉन रिटर्न फाइलर है तो आप उसके केस में अगर ये लगाने गए तो तो मर जाएगा ना तो उस केस में भी नहीं लगेगी तो चलिए ये सेक्शन जो पूरी दे रखी है आप पूरी उसको रीड कर लीजिए एक बार इस सेक्शन को आप रीड कर लीजिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी है ये एक टॉपिक डाला गया है इन्होंने एडिड बाय फाइनेंस एक्ट टू से आया है और ये टॉपिक आपके असेसमेंट ईयर सॉरी इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल 2021 से इफेक्टिव है तो ये आगे के लिए इफेक्टिव है प्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव है कोई रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव नहीं है फर्स्ट अप्रैल 2021 से ये लगेगा ये टॉपिक फर्स्ट अप्रैल 2021 के बाद ये टॉपिक लगना चालू होगा दैट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी अब ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी क्या है कैसे है वो मैं बता दूं पहले एक टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम था सेटलमेंट कमीशन जिसको हम लोग प्यार से सेटकॉम बोला करते थे हम लोग पढ़ाते थे तो उसको सेटकॉम बोलते थे सेटलमेंट कमीशन सेटलमेंट कमीशन टॉपिक क्या था वो मैं बता दूं सेटलमेंट कमीशन क्या टॉपिक था कि अगर आपके ऊपर रेड हो जाती थी और रेड में आप पकड़े जाते थे आप धरे जाते थे ठीक है बड़े धरे जाते थे बहुत पैसे मिल गए उनको या फिर आपका असेसमेंट वगैरह चल रहा था और असेसमेंट में आप धरे गए और अब आपको लगता था अब तो मर जाएंगे क्योंकि क्या होता है ना कि बड़ी पेनल्टी लगती है या बड़ा आपको जेल वेल भी हो सकती है ऐसे भी इनकम टैक्स में प्रोविजन है तो उससे बचने के लिए लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती थी सेटलमेंट की लाइफ में एक बार लाइफ में ओनली वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी सेटलमेंट की वो भी मोदी जी ने हटा दी बोले कोई सेटलमेंट नहीं सिर्फ करप्शन था वहां पे सेटलमेंट कमीशन में भी अल्टीमेटली करप्शन करप्शन देके जो जजेस थे उनको दो पैसा खिलाओ पैसे के बाद में आपकी पेनल्टी भी कम होती थी और प्रोजिक्यूशन है वो भी हट जाता था तो मोदी जी ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा ये कुछ चाहिए नहीं सेटलमेंट चाहिए नहीं कई का सेटलमेंट कोई सेटलमेंट नहीं करके ठीक है वी आर सो स्ट्रिक्ट ऑन द करप्शन एंड ऑल गलत किया है तो पेनल्टी भरो जो भी भरोजिक्यूशन है वो भरो तो सेटलमेंट कमीशन को तो इन्होंने हटा दिया इन्होंने क्या किया एक छोटे छोटे लोगों के लिए छोटे छोटे लोग कौन से के जिनके असेसमेंट में बेचारों के लिए जिनके असेसमेंट में जो वेरिएशन हुआ है मतलब जो इनकी इनकम वगैरह बढ़ी है वो अप टू दस लाख है मीन्स किसी की पांच लाख इनकम का वेरिएशन हुआ या छह लाख सात लाख इनकम का वेरिएशन हुआ आठ लाख इनकम का वेरिएशन हुआ और उनका जो भी रिटर्न ने फाइल किया था अगर रिटर्न फाइल किया था तो रिटर्न में उनकी इनकम छोटे -छोटे जैसे, जैसे, बढ़ा दी और इनकम में वेरिएशन कितना किया एओ ने पांच लाख छह लाख सात लाख किया ठीक है या फिर उसका जो इनकम जो था रिटर्न पे वो रिटर्न में बेचारे का पचास लाख से ज्यादा उसने इनकम डिस्क्लोज नहीं किया था छोटे छोटे केसेस में अब उनमें क्या होता है बहुत बार एओ क्या करते हैं उनमें भी पेनल्टी लगा लेते हैं प्रोजिक्यूशन लगा लेते हैं तो पेनल्टी प्रोजिक्यूशन से बचने के लिए एक कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को बोला जाएगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी तो जो छोटे छोटे आपके जो क्लाइंट होंगे वो छोटे छोटे क्लाइंट क्या करेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पेनल्टी को एप्लीकेशन करेंगे और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पेनल्टी के पास में जाके बोलेंगे कि सर प्लीज आप माफ कर दीजिए हम पे पेनल्टी ना लगवाइए हमको जेल में ना डलवाइए हम तो नन्ने मुन्ने राई है हम तो छोटे छोटे लोग हैं प्लीज आप हमको छोड़ दीजिए तो उस केस में यहां पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास ये पावर है कि आपके ऊपर जो पेनल्टी है या फिर आपके ऊपर जो प्रोजिक्यूशन जेल होने वाली है उसमें आपको

जैसे एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल 144 सी में हमने पढ़ा था कि जब एस वो फॉरेन कंपनी सेटिस नहीं डीआरपी के पास जाती थी वैसे ही कंसेप्ट के बेसिस पे एक डीआरसी बनाया जाएगा जिसको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बोला जाएगा ये इसी साल से आया और फर्स्ट अप्रैल दो के बाद में इन्होंने अपना वर्क करना चालू किया है देखिए क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश कर पहली सेक्शन टू फोर्टी फाइव एम ए सबसे वन डाली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी ये कौन बनाएगा? ये बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर डीआरसी एक या एक से ज्यादा डीआरसी बना सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी एक बना सकते एक से ज्यादा भी बना सकते ज्यादा बनाएंगे डीआरसी द डीआरसी शेल रिजोल्व द डिस्प्यूट ऑफ सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन बोर्ड बोर्ड स्पेसिफाइड करेगा कि किन किन लोगों के डिस्प्यूट रिजोल्व करेगी द would have an option to opt for or not opt for the dispute resolution through the DRC. डीआरसी के पास ऑप्शन रहेगा आपको DRC के पास जाना है तो जाओ नहीं जाना है तो कोई बात नहीं करके ठीक है डिस्प्यूट शुड अराइज फ्रॉम एनी वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इीन्स किसी असमेंट ऑर्डर की वजह से कोई आपका डिस्प्यूट हुआ है कोई असेसमेंट ऑर्डर की वजह से कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उस केस में आप डीआरसी के पास में जा सकते हैं अब एक बात समझना पावर क्या रहेंगे डीआरसी क्या कर सकती है डीआरसी जो है वो क्या करेगी तो देखिए डीआरसी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब अगर कोई कंडीशन डाली जाती है तो कंडीशन के साथ में शेल हैव द फॉलोइंग पावर इन केस ऑफ पर्सन डिस्प्यूट हु पहला रिड्यूस और वेव ऑफ एनी पेनल्टी इंपोज अंडर द एक्ट मीन इनकम टैक्स एक्ट में कोई आप पे पेनल्टी लगाई है तो वो पेनल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं वेव ऑफ कर सकते हैं रिड्यूस का मतलब कम करना वेव ऑफ का मतलब खत्म करना दूसरा ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोजिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिसेबल अंडर द एक्ट अगर आपको कोई जेल वेल होने वाली है ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोजिक्यूशन तो प्रोजिक्यूशन से आपको माफी दी जाएगी प्रोजिक्यूशन से आपको क्या दी जाएगी माफी दी जाएगी अगर कोई जेल हो सकती है तो उसमें आपको माफी दी जा सकती है कौन देगा यह ये? डीआरसी ये के पावर में आएगा तो डीआरसी देखो आपका टैक्स कम नहीं करेगा डीआरसी कोई आपका टैक्स कम नहीं करेगा आपका इंटरेस्ट कम नहीं करेगा वो सिर्फ क्या कम कर सकते हैं आपको पेनल्टी प्रोजिक्यूशन में माफी दे सकते हैं आप अगर बेचारे हो तो बेचारे बन के वहां जाइए तो आपको पेनल्टी नहीं लगवाएंगे बोलेगा चलो कोई बात नहीं आपको पेनल्टी नहीं लगेगी या फिर आपको जो है वो प्रोजिक्यूशन में माफी दे सकते हैं अब एक बात समझना इसकी सब सेक्शन थ्री बोलती है कि इनका प्रोसीजर भी आगे जाके पूरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा फेसलेस हो जाएगा फेसलेस प्रोसीजर होगा मीन्स आप सब जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे यहां पे और एवरीथिंग विल बी द फेसलेस तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक द स्कीम बाय नोटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सो एज टू इंपार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन डीआरसी एंड एस आपस में मिल नहीं पाएंगे ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करो ऑनलाइन रो न रो तो वो आपको माफी दे सकते हैं इन कोर्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजी फिजिबल ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल फंक्शनल स्पेशलेशन इंट्रोड्यूस अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम विद विदनामिक जो रिस्डिक्शन मिनस यहां पे वो लोग क्या करेंगे कि भैया ऑनलाइन होगा इन सिंपल वर्ड में बता दू इसका प्रोसीजर है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा और ये फेसलेस होगा क्या होगा फेसलेस होगा आपको जाने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास में जा सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि सर कौन कौन से ऑर्डर के केस में आप जा सकते हैं ऐसे कौन कौन से ऑर्डर के केस में आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास में जा सकते हैं और कौन से ऑर्डर के केस में नहीं जा सकते तो सबसे पहली चीज स्पेसिफाइड ऑर्डर मीन्स ऑर्डर सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तब आप जा सकते हैं चार कंडीशन है पहली कंडीशन द ऑर्डर इंक्लूडिंग ड्राफ्ट ऑर्डर एज स्पेसिफाइड बाय द सी बी डी टी ऑर्डर में ड्राफ्ट ऑर्डर भी हो सकता है जैसे बहुत बार क्या होता है जो फॉरन कंपनी है या जिसका टी आर ओ को ऑर्डर गया था आपको पता है उसमें ड्राफ्ट ऑर्डर भेजते थे पहले उसमें पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजते थे फिर फाइनल ऑर्डर भेजते थे तो ड्राफ्ट ऑर्डर के केस में आप अगर मान लो सीधा जो है वो मान लो सीधा फॉर एन एग्जाम्पल आप जो है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास ना जाना चाहो और आप छोटे से लोगों आप अपनी पेनल्टी वगैरह वो सब माफ करवाना चाहते हैं तो उसमें आप ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में भी जा सकते हो तो यहां पे क्या बोला ऑर्डर इंक्लूडिंग द ड्राफ्ट ऑर्डर एज स्पेसिफाइड बाय द सीबीडीटी टी सीबीडीटी कोई भी ऑर्डर स्पेसिफाई करेगी अभी तक किए नहीं है सीबीडीटी स्पेसिफाइड करेगी तो सीबीडीटी का कोई भी ऑर्डर जो स्पेसिफाई किया है इंक्लूडिंग द ड्राफ्ट ऑर्डर उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हैं दूसरा कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रपोज्ड और मेड इन दैट ऑर्डर इज अप टू दस लाख डिपार्टमेंट ने आपके साथ में जो वेरिएशन किया है जो made, जो बी मेड आपका वेरिएशन है, वो दस लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपकी इनकम को बढ़ाया है या लॉसेस को कम किया है तो इनकम को बढ़ाया या को कम किया है वो टू टेन लैख है वो होना चाहिए दैट इज द सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन अपन पहले पढ़ेंगे लास्ट वाली कंडीशन अपन पहले पढ़ेंगे वेयर रिटर्न हैज बिन फाइल बाय असेसी, अगर असेसी ने रिटर्न फाइल किया था फॉर दैट असेसमेंट रिलेवेंट टू सच ऑर्डर द टोटल इनकम एज पर सच रिटर्न इज टू फिफ्टी लैख अगर असेसी ने उस साल का रिटर्न फाइल किया था तो उस साल की रिटर्न इनकम एस ने बेचारे ने अप टू फिफ्टी लैख बताई थी तो यहां पे तीन कंडीशन क्या हुई कि आप कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में जाते हैं वो वो जा सकते हैं सीबीडीटी नोटिफाई करेगी दूसरी चीज कि वेरिएशन जो उस ऑर्डर में हो रहा है वो दस लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर एस ने रिटर्न फाइल किया था करके ठीक है एसएससी ने रिटर्न फाइल किया था तो उस केस में क्या है कि आपका रिटर्न इनकम है वो पचास लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद चौथी कंडीशन ऑर्डर इज नॉट बेस्ड ऑन सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 अगर रेड हुई थी तो फिर आप नहीं जा सकते यहां पे। अगर आप पे रेड हुई थी करके ठीक है अगर आप पे रेड हुई थी तो रेड के केस में आप नहीं जा सकते या सर्वे हुआ था तो उस केस में नहीं जा सकते

क्योंकि रेड और सर्वे होगी तो 147 का ऑर्डर बनेगा तो उसके केस में नहीं जा सकते रिक्विजिशन मिली थी किसी और से उसके केस में नहीं जा सकते या फिर मान लो कोई फॉरेन कंट्री से इन्फॉर्मेशन गैदर की थी सेक्शन नाइनटीन नाइनटी ए डी टी डबल के अंडर जैसे मान लो पनामा पेपर और फॉरेन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बेसिस पे वेरिएशन हुआ है तो उसके केस में आप डीआरसी आर के, के पास में नहीं जा सकते अब एक चीज समझना यहाँ पे और उन्होंने कुछ एक्सेप्शन दिए हैं कि के इन केसेस में भी आप नहीं जा सकते अगर आप पहले से बड़े ही खतरनाक आदमी हो पहले से आपके ऊपर ऑलरेडी बड़े केसेस चल रहे हैं ठीक है आपने बड़े कॉन्ट्रावेंशन किए हैं दूसरे लॉ में अगर आपने बड़े कॉन्ट्रावेंशन किए हैं दूसरे लॉ में तो भी हम आपको डीआरसी के पास जाने नहीं देंगे अगर आप पहले ही बहुत सारी स्मगलिंग वगैरह के काम करते हो अगर आपने कोई दूसरे लॉ में कुछ कॉन्ट्रावेंशन किए हैं तब भी आपको हम डीआरसी के पास में जाने नहीं देंगे तो देखिए इंग पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द रिजोल्यूशन ये लोगों का कोई माफी नहीं मिलेगी पेनल्टी या प्रोजिक्यूशन में कब इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एंड ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज बीन मेड अंडर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी नाइनटीन सेवेंटी फोर अगर उसमें अगर आपका कोई ऑर्डर बना है अगर उस एक्ट में कुछ ऑर्डर आपके खिलाफ बना हुआ है तो आप नहीं जा सकते अब इन्होंने लंबे छोड़े लिस्ट दे रखी है। ये लिस्ट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आप इन एक्ट में कभी ना कभी पनिशेबल हो चुके हो पहले या आपके ऊपर कोई मतलब जो जेल है वो लॉन्च हो चुकी है मीन वहां पर प्रोजिक्यूशन है वो इंस्टीट्यूटेड हो चुकी है मीन लॉन्च हो चुकी है उस केस में कौन कौन से एक्ट यहां पे दे रखे इंडियन पेनल कोड एटीन है या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन 1967 है या नार्कोटिक ड्रग एंड ये जो सब्सटेंस एक्ट है करके जी जो एन बोलते हैं आप लोग करके एन टी पी एक्ट जो है आजकल आप बहुत सुनते होंगे न्यूज में वगैरह तो ये एन एक्ट नाइनटीन है या फिर प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो 1988 है मतलब यहां पे आपको कभी ना कभी अगर आपने कोई ऑफेंस इसमें क्रिएट किया था आपने इसमें कोई ना कोई ऑफेंस किया हुआ है तो उस केस में हम आपको यहां पे जाने के लिए नहीं देंगे मतलब कुल मिला के जो बड़े पवित्र लोग छोटे छोटे लोग रहेंगे वही जाएंगे आर्यन खान नहीं जा सकता यहाँ पे करके ठीक है जो आर्यन खान है वो नहीं जा सकता बिकॉज उसका लेकिन उसमें जो ऑफेंस अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुआ है देखो कन्विक्टेड यहां लिखा हुआ है कन्विक्टेड होना चाहिए स्टिल ही इज नॉट कन्विक्टेड करके ठीक है अगर वो कन्विक्टेड हो जाता है इन एक्ट्स में करके ठीक है जैसे एन टी पी एस में वो कन्विक्टेड हो जाता है तो उस केस में वो नहीं जा पाएगा आप लोग और मैं लोग जा सकते हैं हम लोग क्योंकि हम इसमें कहीं पर भी कन्विक्टेड नहीं है साथ साथ में हमने कोई भी फॉरन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी है उसमें भी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था देखिए उसके बाद में in respect of whom prosecution has been initiated under income under in respect of whom prosecution means that is a jail has been initiated by it authority of any offence punishable under the provision of the act or the indian penal code or for the purpose of enforcement of any civil liability under any law for the time being in force in such person has been convicted of any offence ऑलरेडी प्रोजिक्यूशन इनिशियेट कर दिया मीन्स आपकी जो जेल होने वाली है वो जेल की अगर इनिशिएट उन्होंने कर लिया है ठीक है तो उस केस में आप नहीं जा सकते इसका मतलब यह हुआ बड़ा सिंपल सी बात बताऊं आपको जेल होने वाली है हो सकती है उससे पहले आपको जाना पड़ेगा उससे पहले आपको जाना पड़ेगा अगर मान लो उन्होंने ऑलरेडी वो इनिशिएट कर चुके हैं कन्विक्टेड उसमें कर चुके हैं आपको तो उसके बाद आप नहीं जा सकते आपको जो सजा हो चुकी है सजा होने के बाद नहीं जा सकते आपको सजा होने से पहले आपको यहां पे जाना पड़ेगा और लास्ट पार्ट यहां पे सेक्शन थ्री ऑफ द स्पेशल कोर्ट ट्रायल एंड ऑफेंसेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी एक्ट 1992 अगर इसमें आप कोई भी नोटिफाइड पर्सन में आते हो अंडर सेक्शन थ्री अब वो एक्ट की सेक्शन थ्री के अंदर नोटिफाइड पर्सन में आते हो तो आप नहीं जा सकते और एनी अदर पर्सन एज एनी अदर एज मे बी नोटिफाइड में करके ठीक है तो कुल मिला के एक बात बताऊँ यहाँ पे आपको कोई ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप इतने सारे इट्स नॉट एक्सपेक्टेड आपसे कि ये सब चीजें आप याद रखो पाओ कि कौन कौन से एक्ट में उसने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो आप जा सकते सिंपल सी चीज आपको इस टॉपिक में से एग्जामिनर जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है दो मार्क का एक तो क्या अगर डिस्प्यूट कमिटी के पावर क्या है डिस्प्यूट के पावर क्या क्या है दो पावर आपको लिख के आने हैं कि सबसे पहले वो रिड्यूस और वेव कर सकता है पेनल्टी इंपोजेबल जो पेनल्टी आपको इंपोज होने वाली है करके ठीक है उस पर आपका वो रिड्यूस वेव कर सकता है और दूसरा जो है प्रोसिक्यूशन जो है आपको जेल होने वाली है इनकम टैक्स एक्ट में यहां पे नारकोटिक वाले में जेल होने वाली है तो यहां पे नहीं जा सकते आप करके ठीक है आर्यन खान सीधा यहां पे नहीं जा सकता कि मेरे को उधर जेल हो जाएगी तो आप प्लीज यहां पे ले... नहीं इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी सजा होने वाली है तो उन दोनों में ये इम्यूनिटी दे सकते हैं तो याद रखोगे क्या कि डीआरसी इम्यूनिटी किसमें दे सकता है दो चीजों में एक तो पेनल्टी में और दूसरे उसके साथ साथ में प्रोसिक्यूशन में ये दो जगह इम्यूनिटी दे सकते हैं उसके बाद तीसरा आपको जो ध्यान रखना है इस टॉपिक में वो ये ध्यान रखना है कि सर क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी

अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते बाकी केसेस में आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जाके छोटे छोटे लोग हैं वो अपने को जो जेल होने वाली है या अपने को जो पेनल्टी लगने वाली है उसमें वो इम्यूनिटी ले सकते हैं करके इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील को लेके कोई प्रोविजन नहीं बनाए कि अगर आपको इसका ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हैं इसके जो इस, इसका जो Like क्या बोलते हैं इसका जो ऑर्डर आएगा डीआरसी का डीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते क्योंकि सिंपल सी बात है ये क्या करेंगे या, या तो माफी दे देंगे या मना कर देंगे नॉर्मली ये माफी दे देते छोटे छोटे लोगों को रहेंगे तो ये लोग माफी दे देंगे अगर आप ईमानदार हो और आपने छोटा सा गड़बड़ किया है उसमें पेनल्टी प्रोजिक्यूशन में ये लोग माफी है वो नॉर्मली दे देंगे, देंगे देखने के बाद अब किसी ने पूछा इसमें कौन कौन ऑफिसर रहेंगे कौन इसमें आपको सुनेगा उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट लेवल के, लेवल के लोग हैं जैसे सीसीआईटी लेवल के लोग वगैरह उनको बिठाया जाएगा जो स्टेच्यूटरी एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मैंने बोला का इग्नोर करने का बट इसका एटीसी में आपको डिडक्शन मिलता है अगर वो स्टेच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो इग्नोर क्यों करने का क्योंकि वो टैक्स भर देता है उसके बाद वो पैसा डालता है तो टैक्स भरने के बाद उसने अगर पैसा डाला तो ऑब्वियसली इसमें कोई फायदा तो हुआ नहीं तो इट्स इग्नोर

तो मैं बता दूं ये इंटरेस्ट एग्जाम अंडर सेक्शन टेन इलेवन में ही। जो 10 -11 करके जो करके रिटायरमेंट पे पूरा पैसा मिलता है ना उसी में ये इंटरेस्ट भी एग्जाम जब अक्रूड होता है तो हर साल जो अक्रूड होगा वो इंटरेस्ट एग्जाम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता ऐसे के ऐसे अगर आप आरपीएफ वाला चार्ट देखेंगे देखिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला जो चार्ट देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करने का है

कि ये जो लमसम अमाउंट आपको मिलता है ना ये एक्समट होता है लेकिन ये एग्जाम तभी होता है जब आपको पता है एक पांच मतलब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है पहली कंडीशन एक कंडीशन सेटिस्फाइड है इयर्स और मोर का सर्विस रेंटेड किया हो मतलब एटलीस्ट फाइव इयर्स या उससे ज्यादा का सर्विस रेंटेड किया हो तो जो आरपीएफ का पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा वो एग्जेट है लेकिन एक चीज समझना उसमें तीन एक्सेप्शन थे और उसमें यह बोला था कि भले पांच साल का सर्विस नहीं हुआ लेकिन वो इल हेल्थ की वजह से अगर रिटायर होता है या फिर उसका एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो जाता है या फिर जो आरपीएफ का बैलेंस है वो बोलता है कि मेरे एनपीएस में ट्रांसफर कर दो या फिर न्यू एम्प्लॉयर के अंडर आरपीएफ में ट्रांसफर कर दो अगर आप ये बोल के रिटायर होते हो तो उस केस में आपका जो पैसा मिलेगा वो है अब एक बात समझना यहां पे जो ये इंटरेस्ट एग्जेम हो रहा है ना ये इंटरेस्ट एग्जेम्ट होता है ये भी आपका टेंट ट्वेल्व में ही होता है तो टेंट ट्वेल्व में ये इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट आपका एग्जेम होता है अब एक बात समझना यहां पे इस साल इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट है एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव मीनस जो ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ना एम्प्लॉय का जो दोनों में है कॉन्ट्रीब्यूशन well करता है ना उसपे भी जो इंटरेस्ट आएगा वो तो है देखिए यहां पे इंटरेस्ट तो दोनों में एक्सम्ड था तो इंटरेस्ट है लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट ये किया एम्प्लॉय कि ने अगर जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी है तो जितना एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिफ्टी से ज्यादा है ना उस टू फिफ्टी से एक्सेस वाले अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा वो एग्जेम नहीं होगा तो मैंने क्या बोला जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर कमल अब मान लो कमल ने क्या किया इस बार रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन ओन कॉन्ट्रीब्यूशन तो आरपीएफ में अगर पैसा डाला तो उसने आरपीएफ में पैसा डाला फोर लैख तो फोर लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो अब एक बात समझना इस फोर लाख में से जो भी आपका टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तक का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा ना उसपे जो इंटरेस्ट आएगा वो तो एक्ज है लेकिन 250 से एक्सेस कितना हो गया आपका 150 हो गया तो ये 150 पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आपके लिए अब क्या हो जाएगा इंटरेस्ट जैसे ही अक्रूड होगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा वो इंटरेस्ट एग्जेम नहीं होगा तो सिंपल सी चीज समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आरपीएफ और एसपीएफ में जो अपन आरपीएफ एसपीएफ की बात कर रहे हैं स्टेच्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉय ने जो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो उसका इंटरेस्ट है, है लेकिन ढाई लाख से ऊपर वाला है टू लैखी थाउजेंड से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो जितना टू लेख से टू लैख्टी थाउजेंड से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसका जो इंटरेस्ट आएगा ना वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा जो इन, उसका इंटरेस्ट अक्रूड होगा दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल ये वाला इंटरेस्ट है ये आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल है वो टैक्सेबल हो जाएगा तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई एम्प्लॉय है एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक का कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्ट है टू फिफ्टी के ऊपर वाले इंटरेस्ट पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस लेकिन ये अमेंडमेंट अभी से है जो तुमने पहले कर लिया वो कर लिया मीन पहले तुमने जो कर लिया वो कर लिया लेकिन यहां पर एक और चीज समझता हूं अगर मान लो इस एसपीएफ और RPF में जो की अपन बात कर रहे हैं इसमें अगर आपका एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो उस केस में ये टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की जो लिमिट मैं आपको बता रहा हूं ना ये टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट है ये फाइव लैक हो जाएगी तो देखिए सिंपल सा एक्साम्पल मैं ऐसे ले सकता हूं कि मान लो जैसे एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर रवि रवि ने खुद का ओन कंट्रीब्यूशन किया वो मान लो फोर लैख किया तो में से थाउजेंड पे इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल तो है बेट लेकिन एक चीज समझना अगर एम्प्लॉयर उसके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा एम्प्लॉयर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उस केस में ये लिमिट फाइव लैख की हो जाएगी इसका मतलब पूरे फोर लैख पे इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम हो जाएगा इसका मतलब पूरे फोर लैक पे जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा वो क्या हो जाएगा एग्जेम हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस तो देखिए यहां पे लिखते हैं क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करना इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एसपीएफ एंड आरपीएफ जो भी एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड होता है उसका क्या होगा तो देखिए एग्जेमशन अंडर सेक्शन टेन इलेवन एंड में ये एक्जेम होता है not available for the interest accrued during the previous year to the extent it relates to contribution made by the person or employee exceeding two lakh fifty thousand in any previous year in that fund on or after one for two thousand twenty one. So this amendment is this year. और इसी साल से ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि 14 2021 के बाद में अगर एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉय ने अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो उस केस में टू लेख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा वाला जो पार्ट रहेगा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्ड नहीं होगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस लेकिन इफ इन दैट फंड एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन देन हायर लिमिट ऑफ फाइव लैक वुड बी एप्लीकेबल तो यहां पर क्या होगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सच फंडी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वुड बी एक्जेप एनी लिमिट इवन इफ द अक्रूवल ऑफ इनकम इज आफ्टर दैट डेट अब एक बात बताओ पहले जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुका था पहले हो सकता है जैसे आप हर साल टेन टेन लेक डालते थे आरपीएफ में तो उस पर जो इंटरेस्ट जितना अक्रूड हो चुका था करके ठीक है उस उसपे कुछ नहीं होगा और अब एक बात बताओ उस वाले अमाउंट पे अब आगे भी जो आपका क्या बोलते हैं अक्रूड होता रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट यस आपको समझा या नहीं समझा समझा चलिए लेकिन सर एक बात बताओ हम कैसे पता करेंगे एक बात बताओ जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एक फंड है करके ठीक है ये मान लो तुम्हारा आरपीएफ है

250 तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका एग्जेम्ट है और उसके ऊपर वाला जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस एक एग्जाम्पल लिख लेंगे तो एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी तो लिखिए एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखिए लिखिए एक एग्जाम्पल लिखिए मिस्टर रवि इज एम्प्लॉयड विथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड मिस्टर रवि इज एम्प्लॉयड विथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड मिस्टर रवि इज एम्प्लॉयड विथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड employer and employee employer and employee every year contribute every year contribute employer and employee every year contribute 10% of basic salary to rpf contribute 10% of basic salary to rpf सैलरी ऑफ मिस्टर रवि इज सैलरी ऑफ मिस्टर रवि इज सैलरी ऑफ मिस्टर रवि इज फोर्टी लाख रुपीज फोर्टी लाख रुपीज है वो रवि का सैलरी है एक्यूमुलेटेड बैलेंस accumulated balance of RPF as on accumulated balance of RPF as on 31st March 2021 is 60 lakh accumulated balance of RPF as on 31st March 2021 is 60 lakh आप एक चीज ऐसा लिखिए ना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एवरी ईयर कॉन्ट्रीब्यूट टेन परसेंट बेसिक सैलरी टू आर पी एफ यहां पे एक डेट लिख लीजिए यहां लीजिए ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर ऐसा लिखिए ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर मीन फर्स्ट अप्रैल को ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दोनों मिलके चार चार लाख कर रहे होंगे दोनों चार चार लाख कर रहे होंगे दोनों अब लिखिए इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इज इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इज एट परसेंट पर एनम एट परसेंट पर एनम एट परसेंट पर एनम कैलकुलेट टैक्सेबल इंटरेस्ट इन हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि आपको एक काम करना है कि इसके हाथ में जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखवा है मैंने एक बंदा है जिसका नाम है रवि इज एम्प्लॉयड विद द बजाज फाइनेंस लिमिटेड करके ठीक है

आपका जो पहले से अक्यूमलेटेड बैलेंस सिक्सटी लैख आ रहा है मान लो इसपे आपको एट परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा तो फोर लैख एटी थाउजेंड आएगा तो एग्जेमट ,00, है आप लिख लीजिए यहां तो है। पहले वाला तो है, कोई दिक्कत नहीं अब एक चीज समझना दूसरा इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर कंट्रीब्यूशन तो इस साल के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट का क्या होगा तो करंट ईयर कंट्रीब्यूशन में एक बात समझना जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कितना है फोर लैख अब फोर लैख पे जो एट परसेंट आएगा ये भी है क्योंकि एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे ऐसा कोई लिमिट है नहीं करके ठीक है अब कहां पे कैसे है वो मैं एक थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैंने यहां फोर लैक क्यों लिया है इसका भी पीछे भी एक रीजन है मैं आगे बताऊंगा ठीक है तो ये जो थर्टी टू थाउजेंड आएगा ये भी आपका एग्जाम ये भी आपका एग्जाम लॉ मेकर्स बोलते हैं एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है तो अब मैं यहां पे लूंगा ये वाला जो पार्ट है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी फोर लैख है बट इस फोर लेख में से जो आपका टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इसमें से जो आपका टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उस पर जो एट परसेंट आएगा और एक तुम्हारा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के कॉन्ट्रीब्यूशन पे एट परसेंट आएगा क्योंकि एक अप्रैल को एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया था तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बायट एट परसेंट इट्स कम्स टू दी था रुपीज और ये आ जाएगा फिर तुम्हारा बारह हजार अब एक बात समझना ये जो ट्वेंटी है ना ये भी आपका इंटरेस्ट एक्समट है लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में जो टू लेख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उस वाले अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा दिस इज द टैक्सेबल ये वाला इंटरेस्ट है ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा कितना बारह हजार है ये बारह हजार टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए चलिए इसको कॉपी करिए ट्वेल्व थाउजेंड है ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा कॉपी करिए कॉपी करिए इसको डन अब एक चीज समझना एक और चीज। बोलते है, lawmakers बोलते हैं, हैं कि पे अगर employer contribution नहीं करता एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो एम्प्लॉय के लिए लिमिट पांच लाख की हो जाती और पूरे फोर लाख पे जो थर्टी टू थाउजेंड का इंटरेस्ट है वो एक्सेंट हो जाता पूरे फोर लैक पे जो थर्टी टू थाउजेंड का इंटरेस्ट है लेकिन ठीक है? कि कैसे पता चलेगा कितना एग्जाम उसके लिए एक रूल बनाया तो आप एक काम करिए कॉम्पैक्ट के लास्ट पेज पे, पे आइए जहां पे मैंने आपको ये रूल दे रखा है लास्ट पेज पे, पे आइए वहां पर मैंने आपको एक रूल दे रखा है रूल नंबर नाइन डी करके ऑन द पेज नंबर रहेगा आई थिंक तो आ जाइए पेज नंबर सिक्सटी पे और पेज नंबर पे मैंने एक रूल दे रखा है रूल नंबर नाइन डी बोलता है रूल 9D बोलता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन इन एसपीएफ आरपीएफ एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट मीनस ढाई लाख या पांच लाख अब एक बात समझना आगे क्या दे रखा है सेपरेट अकाउंट विद द पी एफ अकाउंट शैल बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एंड ऑल सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर फॉर द टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉन टैक्सेबल मेड बाय द पर्सन इन्होंने बोला कि के साथ आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे एक तो ढाई लाख से ऊपर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अकाउंट और एक ढाई लाख वाले के लिए अलग अकाउंट क्योंकि ढाई लाख वाले पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो आपका एक्जेम हो जाएगा करके ठीक है कितना नाइन पॉइंट फाइव परसेंट होना चाहिए उसके ऊपर वाला है आरपीएफ के केस में तो पूरा टैक्सेबल होता है उसके ऊपर वाला ठीक है अब एक बात समझना तो यहां पे आपको कैसे करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो रहेगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट और एक रहेगा टैक्सेबल अकाउंट टैक्सेबल अकाउंट में क्या लेंगे कि ढाई लाख से ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन किया प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन और फ्यूचर प्रीवियस ईयर में तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा दैट इज द टैक्सेबल वाले अकाउंट में तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आप टैक्सेबल करते जाइए तो देखिए पहले मैं बी पार्ट पढ़ाऊंगा एक तो टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा शेल बी द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन प्रीवियस ईयर इन अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर विच इज इन एक्सेस ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड और फाइव लैक मीन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड या फाइव लैख से ज्यादा वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उस अकाउंट में जाएगा

और तुम्हारा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो वाला अकाउंट है वो टैक्सेबल अकाउंट बन जाएगा तो उस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल में रहेगा बाकी वाला एग्जेप्ट में रहेगा अब एक्सेंट में कौन सा रहेगा तो देखिए नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट है वो कौन सा रहेगा एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग आपको इसका एग्रीगेट करना है पहला क्लोजिंग बैलेंस ऑन द अकाउंट एज ऑन थर्टी मार्च टू एक बात बताइए जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया था थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार इक्कीस तक वो थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार इक्कीस तक का जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस था इंटरेस्ट वगैरह सबका उसपे अभी भी जो इंटरेस्ट फ्यूचर में मिलेगा वो एग्जिमट है उसके बाद

करना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे आरपीएफ एसपीएफ के एक तो तुम्हारा ढाई लाख तक का और एक तुम्हारे ढाई लाख का ऊपर वाला अब एक बात बताओ जो ढाई लाख तक का अकाउंट है ना उसका इंटरेस्ट है वो एग्जेट है और पहले जो अक्यूमलेटेड बैलेंस जो भी तुम्हारा था उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम है अब ढाई लाख के ऊपर वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट जो अक्यूमलेट होगा अगले साल उन दोनों पे इंटरेस्ट आएगा वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो आप चाहिए तो इसको एज इट इज अपनी बुक में कॉपी कर लीजिए सो दिस इज वन अमेंडमेंट अब एक बात समझना आप आ जाइए एसपीएफ पे आप आ जाइए एसपीएफ पे एक बार एसपीएफ मीन स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड पे और एसपीएफ में कुछ चीजें मैं बाकी रख के आ गया था अब एक बात समझना SPF पे SPF वाला एक चार्ट दे रखा है यहां पे ऑन द पेज नंबर नोट नंबर ट्वेल्व आई थिंक आपकी बुक में 3, नोट नंबर थ्री नोटबुक में लिखने को रह गया था आज आप घर पे जाके चाहिए तो लिख लेना करके ठीक है अब एक बात समझना अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड की बात कर रहे हैं हम दैट इज uh, सुपर फंड में दो तरह के होते हैं एक एक अब एक अब बात समझना सुपर फंड में अगर आप पैसा डालते हो अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड में तो जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना उसको इग्नोर करने का एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको इग्नोर करने का ठीक है उसका जो इंटरेस्ट आता है ना वो एग्जेमड है और जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है

तो देखो सुपर एनुएशन फंड का मतलब क्या होता है कि जैसे आरपीएफ होता है ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो प्रोविडेंट फंड में जैसे डालते हैं पैसे वैसे ही एक सुपर एनुएशन फंड में डालते हैं सुपर एनोएशन फंड क्या होता है एक ऐसा फंड होता है जिसमें आप एनुअली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हो कुछ एम्प्लॉय करता है कुछ एम्प्लॉयर करता है मोस्टली एम्प्लॉयर करता है इसमें एनुएशन में तो सुपर एनुएशन फंड में अगर मान लो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो साढ़े सात लाख तक एक्जेम्ट है और साढ़े सात लाख के ऊपर टैक्सेबल है बट यहाँ पे पूरा साढ़े सात नहीं होगा करके ठीक है बिकॉज एक सेक्शन अभी मैं बताऊंगा आपको वो सेक्शन टांग अडा लेगी तो यहाँ पे एक टांग अड़ाएगी सेक्शन सेवनटीन टू सेवन करके तो अभी वो देखेंगे क्या होता है तो देखिए अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड इसको आप एज इट इज वहां कॉपी कर लोगे क्या कॉपी करोगे क्या देखिए अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इग्नोर करना है जो इंटरेस्ट आएगा वो एक्जेंट है और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यून जो भी रहेगा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी रहेगा वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्जेमट अप टू सेवन फिफ्टी थाउजेंड पर एनम सेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम तक एक्समट है एज पर सो एंड सो सेक्शन और रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है वो पूरा अंडर सेक्शन टेन थर्टी तो देखिए सुपर एनुएशन फंड में अप्रूव सुपर एनुए फंड है तो एम्प्लॉय इग्नोर इंटरेस्ट है वो exempt, का अप टू पर करके ठीक है और बेटा जो अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलेगा जो अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलेगा जो अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलेगा वो अमाउंट आपका एक्जेम हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट यस अब एक और चीज समझना

लाइक like, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वो आपके सैलरी में टैक्सेबल होता है करके ठीक है चलिए अब एक बात समझता अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ लास्ट पार्ट और थोड़ा आपको लगेगा यार ये क्या है करके ठीक है तो आ जाइए आप अपनी बुक में जो लंच फैसिलिटी दे रखा था ना परक्यूजिट अपन पढ़ रहे थे लंच फैसिलिटी के बाद ये दो आपको परक्यूजिट पढ़ाने अभी तक बाकी है लंच फैसिलिटी आपका हो गया था एक यहां पे सेक्शन दे रखी है दैट इज द दिन फेब टू थाउजीन फेब नहीं है सेवनटीन टू सेवन करके सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन टू एंड क्लॉज नंबर सेवन ये बाकी है. अब एक बात समझना यहां पे इन्होंने क्या बोला इधर देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसको मैं वापस से एक बार यहां रिवाइज करा रहा हूं इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए जैसा कि आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया अगर मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर करता है वो आरपीएफ में करता है या फिर अगर वो एसपीएफ में करता है या फिर वो मान लो एनपीएस में करता है एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम करके अब एक बात समझना आप चीजों को समझते जाना हम अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो आरपीएफ में करता है तो आरपीएफ में क्या होता है, है? है, है. सैलरी है तो अपू ट्व परसेंट सैलरी एक्जेम्ट होता है हमने पढ़ा हुआ है अप टू परसेंट ऑफ सैलरी है वो आपका एग्जेम होता है किसमें आरपीएफ में तो आरपीएफ में मैंने क्या बोला हुआ है कि इसमें आपका अप टू 12% ऑफ सैलरी है वो आपका क्या होता है एग्जाम होता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के हाथ में एसपीएफ में क्या होता है अभी आपको मैंने बताया कि भैया अपटू सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तक है वो आपका एग्जैम्ट होता है अभी मैंने बताया

सब सेक्शन टू और क्लॉज नंबर सेवन और इस सेक्शन में ये लोग बोलते हैं कि भैया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आपको ये एग्जाम दे रखा है ये ठीक है ठीक है लेकिन ध्यान रखना इन तीनों का मिला के 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 अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है इन तीनों का मिला के प्रीवियस ईयर में अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर सेवन लैख्टी थाउजेंड से ज्यादा है मीन्स एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेवन लैखी थाउजेंड से ज्यादा है तो उस केस में जो इन एक्सेस ऑफ एक्सेसेंड होगा ना मीन जो भी एक्सेस ऑफ सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड है होगा एक्सेस ऑफ सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड जो होगा ये आपका पर्क्स माना जाएगा ये आपका परक्यूजिट माना जाएगा और ये भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं तो इन्होंने एक अपर लिमिट डाल दी इन्होंने क्या बोला कि भाई आप ये एग्जामेशन लेते हो ट्वेल्व परसेंट वगैरह ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप ये एग्जामेशन लेते हो ट्वेल्व परसेंट वगैरह वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब एक बात समझना इन्होंने बोला कि भैया अगर आरपीएफ, एसपीएफ और एनपीएस में इन तीनों में के मिला के एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 750 750 से से ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 750 से है तो 750 से जो ज्यादा वाला है ना जो 750 से जो ज्यादा वाला है वो आपके लिए माना जाएगा और वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अब एक बात समझना इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन आपको आरपीएफ को लेकर पूछेगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए जैसे मान लो एक आरपीएफ की बात करता हूं कि मान लो एक एम्प्लॉयर है वो आरपीएफ में टेन कंट्रीब्यूशन करता है सैलरी का तो जैसे एक एम्प्लॉयर है वो क्या करता है आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है टेन परसेंट ऑफ सैलरी तो एम्प्लॉयर आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है टेन परसेंट ऑफ सैलरी अब आप समझना सैलरी है वो मान लो करोड़ है सो so, वन करोड़ एंड ट्वेंटी लैख का सैलरी है तो वन करोड़ एंड ट्वेंटी लैख का जो सैलरी है उसका टेन परसेंट जो है वो आता है बारह लाख ,00 रुपया तो एम्प्लॉयर ने बारह लाख ,00 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया अब एक बात बताइए आप बोलेंगे टेन तक तो एग्जाम है क्योंकि हमको बताया हुआ है ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी तक एक्समट है बट लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं लास्ट में कि नहीं ऐसा नहीं आपको ये मिलती है वो है वो ठीक बट अगर आप इन तीनों में आरपीएफ में SPF में एसपीएफ और एनपीएस में आरपीएफ का मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एसपीएफ का मतलब आपका सॉरी इट इज नॉट एस पी एफ इट्स अप्रूव सुपर इन फंड एस एफ नॉट एस पी एफ नी एस एफ करके दैट इज अप्रूव सुपर इन फंड तो देखिए एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना वो 750 से जितना ज्यादा रहेगा वो परक्यूजिट माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा एग्जामिनर तो ऐसा क्वेश्चन देगा आपको वो कैसे देगा कि सैलरी है वो एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा देगा बहुत ज्यादा देगा करके ठीक है जैसे मतलब वो देगा कि वन करोड़ सैलरी है और टेन परसेंट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको लगेगा ट्वेल्व परसेंट तक लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पर वन पॉइंट करोड़ का टेन परसेंट लाख तो 12 लाख जो है वो कंट्रीब्यूशन किया इसके हिसाब से तो 12 परसेंट ऑफ सैलरी तक एक्समट होता है लेकिन यहाँ पे ये यह परक्यूजिट वाली सेक्शन क्या बोलती है कि इसमें से आप सेवन लैख फिफ्टी को लेस कर दीजिए और सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड को आप लेस कर देते हैं तो यहां फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड आपका एक्सेस बच जाता है ये फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड है ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा ये जो है ये एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा टैक्सेबल होगा तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालता है या अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड में जो पैसा डालता है या एनपीएस में पैसा डालता है देखो नॉर्मल रूल तो क्या होता है कि इसमें 12 परसेंट तक सैलरी है वो एक्जेम्ट होता है इसमें सेवन लैख्टी थाउजेंड तक एग्जेम्ट होता है और एनपीएस वाला तो टैक्सेबल ही होता है बट इन्होंने क्या बोला कि भैया अगर मान लो यहां पर इन तीनों में मिला के अगर सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा पैसा डाला अगर सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा था, डाला तो सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर वाला है ना वो परक्यूजिट माना जाएगा वो टैक्सेबल होगा अब आपका डाउट ये होगा कि सर ऐसे तो कभी कभी डबल टैक्सेशन भी हो सकता है कैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एक बात बताओ जैसे एनपीएस में आप बता रहे हो पूरा टैक्सेबल है अब मान लो एम्प्लॉय ने और कहीं पैसा नहीं डाला बट एनपीएस में डाला टेन लैक तो एनपीएस में जो डाला वो मान लो टेन लैख डाला

लेकिन एम्प्लॉयर का आरपीएफ एएसएफ और एनपीएस इन तीनों में मिला के अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन 750 से ज्यादा है तो 750 से ऊपर वाला है ना वो उसके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में वो परक्यूजिट माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस चलिए अब एक काम करते हैं अपन लोग यहां पे आप लोगों को पहले मैं पढ़ाता हूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए आ जाइए अपनी बुक में और देखिए क्या लिखा हुआ है

अब उस पे जो इंटरेस्ट अक्रू होगा ना वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए ये एग्जांपल अपना आरपीएफ वाला इस आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कितना किया था एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जो किया था इस वाले आरपीएफ में देखिए एम्प्लॉयर का 10% ऑफ सैलरी था अब एक बात बताइए यहां

आरपीएफ का इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट होता है लेकिन बेटा जो 750 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर ने किया था इन तीनों में मिलाके तो 750 से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन वाले पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा तो यहां पे मैं बताऊं ये जो 750 है इस 750 का जो इंटरेस्ट सॉरी इस 450 का जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा दैट इज इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन इसके लिए इन्होंने सेक्शन बनाई सेवनटीन टू सेवन ए करके सो सेवनटीन टू सेवन ए करके इन्होंने सेक्शन बनाई और उसमें बोला इंटरेस्ट इज टैक्सेबल करके ठीक है इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा और बेटा 750 पे जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा तो मैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं कि जो एम्प्लॉयर होता है ना वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए एम्प्लॉय के लिए तो एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूट किया किस में या तो आरपीएफ में एएसएफ में या फिर एनपीएस में रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड सुपर फंड न्यू पेंशन स्कीम इन तीनों में मिला के अगर एम्प्लॉयर का 750 से से ज्यादा ज्यादा है 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 करके ठीक तो 750 के ऊपर वाला माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा और उस ऊपर वाले के लिए जो इंटरेस्ट आएगा ना जो ऊपर वाले का जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा लेकिन सर कैसे इंटरेस्ट पता करेंगे उसके लिए इन्होंने एक बड़ा ही गंदा सा फॉर्मूला दे रखा है जो आपको रटना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल आ जाइए यहां पे सेवन टू सेवन ए क्या बोलता है एनुअल एक्रिएशन हर साल एक्रिएशन हो रहा है करके ठीक है कैसे बाई वे ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड या सिमिलर अमाउंट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन सेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड बाई द एम्प्लॉयर

लीजिए सबसे पहले करिए 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 आप मल्टीप्लाई प्लस ऐसा इन्होंने फॉर्मूला डेवलप किया है तो इन्होंने क्या बोला कि भैया आप एक काम करिए सबसे पहले लीजिए पीसी डिवाइड बाई टू जो पीसी है डिवाइड बाई टू करिए अब आप बोलोगे पीसी क्या होता है तो पीसी का मतलब होता है कि

तो पीसी का मतलब क्या होता है कि इस साल एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया जो 750 से ज्यादा है इस साल एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया जो 750 से ज्यादा जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने इस साल कंट्रीब्यूशन किया वो 10 लाख का किया तो 10 लाख में से 750 को हटा दीजिए इन एक्सेस ऑफ 750 कितना है 250000 है तो 250000 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए डिवाइड बाय क्या कर आप टू कर 2, क्या कर दीजिए दीजिए आप डिवाइड बाय क्या छोड़ पिछले वाले में, पिछले वाले ईयर्स में ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था जो कि सेवन फिफ्टी से ज्यादा था मिस पिछले वाले ईयर्स में एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था जो सेवन फिफ्टी से ज्यादा था

कितना इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हुआ था अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन सेवनटीन टू सेवन ए क्या सेवनटीन टू सेवन ए में लास्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल हो चुका है उस एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन पे तो ये तुम्हारे मैंने बताया मैंने तीन वर्ड तो आपको बता दिए कि तीनों का मतलब क्या है सबसे पहले आपको इस साल में इंटरेस्ट निकालना है इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और इंटरेस्ट कौन सा वाला टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा कि जो 750 से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो एक तो माना जाएगा उस कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा बट इंटरेस्ट कैसे निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला है पीसी डिवाइड बाई टू करिए मल्टीप्लाई करिए आर एंड उसमें जोड़ दीजिए पीसी वन प्लस टीपी वन मल्टीप्लाई बाई आर अब आप बोलेंगे पीसी का मतलब क्या है यहां पे पीसी का मतलब प्रेजेंट ईयर में आप ऐसा मानिए प्रेजेंट ईयर में एम्प्लॉयर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है जो सेवन फिफ्टी से ज्यादा है वो आप ले लीजिए करके ठीक है डिवाइड बाय टू कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय आर एक रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद में आप एक काम करिए उसको प्लस करिए प्लस क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय आर करके प्लस क्या करेंगे लास्ट इयर्स में अब एक लास्ट ईयर्स में सिर्फ लास्ट वाला एक साल ही आएगा दैट इज प्रीवियस बीस इक्कीस क्योंकि ये सेक्शन ही बीस इक्कीस से आई थी तो लास्ट ईयर में कितना सेवन लेक के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ले लीजिए पीसी वन एंड प्लस करिए कि लास्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल हुआ था इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो ले लीजिए और प्लस करके फिर मल्टीप्लाई बाय आर कर दीजिए तो देखिए अभी तक जो पढ़ा वो अपन एक बार यहाँ पे जो मैंने वर्डिंग में दे रखा है उससे पढ़ा रहा हूँ तो देखिए टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन सेवनटीन टू फॉर द करंट प्रीवियस ईयर मीन इस साल में कितना टैक्सेबल होगा करके तो देखिए

कि आपको कैसे टैक्सेबल इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए आप लीजिए सबसे पहले पीसी डिवाइड बाई टू में 750 से जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो एक्सेस वाला अमाउंट डिवाइड बाय टू कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं मल्टीप्लाई बाय आर कर दीजिए आर क्या अभी देखेंगे अब आप एक काम करिए इसमें जोड़िए लास्ट ईयर में 750 से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूशन किया था वो वाला अमाउंट प्लस लास्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था अंडर सेक्शन सेवेंटी टू सेवन ए वो वाला इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय आर कर दीजिए अब आप बोलेंगे ये आर क्या है तो अब हम निकालने जा रहे हैं आर आर का मतलब होता है आर का मतलब आर को भी इन्होंने आगे डिफाइन किया तो आर का मतलब होता है आई डिवाइड बाई एफ एजी दैट इज द एफ एवरेज करके ठीक है अब एक बात समझता हूँ क्यों इन्होंने आई डाला वगैरह आई डोंट नो फॉर्मूला बनाते टाइम तो आई का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रसर इन दरपीएफ तो यहां पर आर के लिए भी एक फॉर्मूला है आर निकालने के लिए आप एक काम करिए आई डिवाइड बाई एफ एवरेज करिए अब एक बात समझना आई का मतलब है कि इस साल टोटल आपका कितना इनकम हुआ इस साल टोटल आपका कितना इनकम हुआ आरपीएफ एएसएफ एंड आपका एनपीएस से तो टोटल इस साल का इंटरेस्ट कितना आया वो इंटरेस्ट ले लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए आपका एफ एवरेज एफ एवरेज का मतलब होता है कि आपका एनपीएस आरपीएफ एएसएफ का ओपनिंग बैलेंस कितना था क्लोजिंग बैलेंस कितना है और डिवाइड बाय टू कर दीजिए ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि फर्स्ट अप्रैल दो को कितना था एंड दूसरा क्या थर्टी मार्च दो सॉरी फर्स्ट अप्रैल दो फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2021 को कितना था एंड दो मार्च 2022 को कितना है उन दोनों की टोटल करके, आप क्या कर कर तो, तो भैया क्या लॉजिक है कैसे आप अगर मैथ्स वाले रहेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं अब एफ एवरेज एफ एवरेज का मतलब क्या होता है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट

सेवन ए में लास्ट ईयर कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था वो लीजिए और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए आर से मल्टीप्लाई करिए आर से अब आप बोलेंगे आर कैसे निकाले तो आर निकालने के लिए आपको क्या करना है करंट ईयर में कितना इनकम हुआ आर पी एफ एन पी एस ए एस एफ से करंट ईयर में इंटरेस्ट कितना है इनकम कितना है उस इनकम को आप डिवाइड करिए किस से डिवाइड करेंगे आपके एवरेज बैलेंस से एवरेज बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना था क्लोजिंग बैलेंस कितना था उसको टोटल करके आप एवरेज कर दीजिए आपको मिल जाएगा तो फॉर्मूले को ये लोग बोलते हैं फॉर्मूला जैसा है रट्टा मारो पीसी डिवाइड बाय टू करिए करके ठीक है और मल्टीप्लाई बाय आर और प्लस आप पीसी वन टीपी वन मल्टीप्लाई बाय आर करिए बोल रहा हूं पीसी वन मतलब करंट ईयर में 750 फिफ्टी से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूशन है 750 फिफ्टी से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूशन है करंट ईयर में 750 फिफ्टी से जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 750 फिफ्टी से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय आप उसको टू करिए मल्टीप्लाई बाय आर और फिर लास्ट ईयर में सेवन फिफ्टी से ज्यादा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल हुआ था उन दोनों को जोड़ दीजिए मल्टीप्लाई बाय आर आर का मतलब करंट ईयर में कितना इनकम हुआ करके उनसे आरपीएफ वगैरह से और डिवाइड कर दीजिए आप एवरेज बैलेंस ऑफ एवरेज एक्मलेटेड बैलेंस एवरेज कैसे निकालेंगे ओपनिंग उनका एक्ूमेलेटेड बैलेंस कितना था आरपीएफ और एनपीएस एज वेल एज एस एफ का और आपका क्लोजिंग कितना है करके ठीक है चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इस पार्ट को आप नोट को छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट पे आ जाइए और देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है नोट में एग्जांपल मिस्टर बाला इज अपॉइंटेड एज सी एफ ओ ऑफ द एबीसी लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम फर्स्ट मे 2020 थाउजेंड मई फर्स्ट मे ये लास्ट ट्वेंटी का ये लास्ट ईयर का लास्ट बेसिक सैलरी फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ ही पे टेन परसेंट एज डी उसको टेन परसेंट मिलता है

लास्ट ईयर का सैलरी जो है लास्ट ईयर का सैलरी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाय बाय ग्यारह ग्यारह महीने का और उसका टेन परसेंट भी था सिक्सटी लैख फिफ्टी थाउजेंड नहीं एक सेकेंड और इसका टेन परसेंट

तो इसका 7, 32, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ होगा तो उस पर इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं आया होगा लास्ट ईयर कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ होगा तो उस पर इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं आया होगा ठीक है उस पर इंटरेस्ट भी ला... तो मैं बताऊं यहां पे तुम्हारा जो आपका क्या बोलते हैं इसको PC1 और TP1 तो आपका जीरो हो गया क्योंकि लास्ट ईयर 750 से कंट्रीब्यूशन था ज्यादा था नहीं तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं आया होगा करके ठीक है तो मैं बताऊं लास्ट ईयर में आपका PC1 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 और PC एंड एंड आपका TP1 TP1 राइट है वो तो तुम्हारा क्या हो गया जीरो हो गया। अब एक बात समझना इस साल की बात करते हैं तो करंट ईयर में करंट ईयर में एक बात बताइए करंट ईयर में उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा तो करंट ईयर में उसका सैलरी 12 महीने का रहेगा तो फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाय इसमें सिक्स कर दीजिए तो ,00 वो ग्यारह परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका अगर आप ग्यारह परसेंट निकालेंगे तो इट्स कम्स टू द सेवन लैख नाइन एट थाउजेंड सिक्स आया राइट बोल रहा हूं मैं सेवन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आया अब एक बात बताइए क्या सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा एम्प्लॉर्य ने करंट ईयर में कॉन्ट्रीब्यूशन किया आंसर इज यस तो इसमें से आप सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड को लेस कर दो तो आपका कितना बचेगा फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एक तो ये टैक्सेबल होगा एक तो यह फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है ये, तो ये टैक्सेबल होगा जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी उसके हिसाब से हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते है ठीक है तो चलिए मेरे पास में स्पेस में इधर ले लेता हूं इधर ही मैं यूज कर लेता हूं तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या था आपका फॉर्मूला था आप लीजिए पीसी डिवाइड बाय टू और इसको मल्टीप्लाई करिए आर से प्लस आप एक काम करिए पीसी वन प्लस आपका टीपी वन मल्टीप्लाई बाय आर करके ठीक है अब एक बात बताओ यहां पे पीसी टू पीसी टू करके ठीक है पीसी डिवाइड बाय टू तो पीसी टू में क्या आएगा इस साल सेवन फिफ्टी से ज्यादा का कितना कंट्रीब्यूशन है तो करंट ईयर में सेवन फिफ्टी से ज्यादा आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो फोर्टी का है तो आप यहां लीजिए फोर्टी डिवाइड बाय टू आर अपन निकालेंगे अभी प्लस एक बात बताओ ये तो आपका नील आएगा क्योंकि लास्ट ईयर में सेवन फिफ्टी से ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं एज वेल एज द तो लास्ट ईयर में उस पर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा तो ये तो नील आएगा अब अपने को निकालना है आर तो आर के लिए आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले करंट ईयर का इनकम कितना है बट करंट ईयर में इनकम आपको दे नहीं रखा करंट ईयर में आपको इनकम दे नहीं रखा बट आपको बेटा है ना यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा करंट ईयर का इनकम दे नहीं रखा है कहीं पे अब आपको करंट ईयर का इनकम ऐसे क्या बोलते हैं रिवर्स फिगर से निकालना पड़ेगा आप मुझे बताइए क्लोजिंग 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 फिगर दे रखा है इन्होंने, है इन्होंने बैलेंस करके ठीक मुझे एक बात बताओ, इस साल में आपका कितना हुआ तो तैतीस लाख पचपन हजार माइनस करेंगे 15, 000, 000, so एटीन 18 ट्वेंटी थाउजेंड का एप्रीशियन हुआ अब एक बात बताओ कितना था दोनों का तो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय ने किया होगा तो, तो इसमें से लेस कर दीजिए एटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस आप सेवन लाख नाइन एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम्प्लॉयर वाला और माइनस सेवन नाइन एट सिक्स वाला तो कैन आई से आपको क्या करना पड़ेगा इनकम कितनी है टू लैख ट्वेंटी डिवाइड कर दीजिए एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना आपको तैतीस पचपन थ्री फिफ्टी फाइव प्लस करिए आप पंद्रह पैंतीस डिवाइड बाय टू कर दीजिए तो इट्स कम्स टू ट्वेंटी फोर फोर्टी फाइव तो यहाँ पे डिवाइड बाय आ गया आपका ट्वेंटी फोर फोर्टी फाइव आप डिवाइड कर लीजिए तो देखिए आपकी आर रेट क्या आती है तो टू लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड डिवाइड बाय टू फोर फोर फाइव ट्रिपल जीरो इट्स कम्स टू द आपका आता है जीरो पॉइंट जीरो नाइन

कौन सी सेक्शन में सेवेंटीन टू सेवन ए में

प्लस क्या करिए लास्ट ईयर में सेवन फिफ्टी से ज्यादा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था एंड लास्ट ईयर में सेवन फिफ्टी से ज्यादा वाले contribution पे कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था उन दोनों को जोड़िए मल्टीप्लाई बाय आर करिए आर का मतलब क्या होता है करंट ईयर में कितना इनकम हुआ और डिवाइड बाय आप कर दीजिए एवरेज ऑफ द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग से तो so, ओपनिंग कितना था क्लोजिंग कितना था उसको आप एवरेज कर लीजिए सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमेंडमेंट ऑफ वन मोर टॉपिक एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर अमेंडमेंट दैट इज कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन जब चालू कर रहे हैं तो मैं बता दूं ये अमेंडमेंट लेक्चर एक तो बड़ा लंबा हो चुका है करके ऑलरेडी तो आप इसमें ब्रेक ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद में देख सकते हैं ठीक है तो आप ब्रेक ले लीजिए चाहिए तो 15-20 मिनट आधे घंटे का या फिर यहीं पे आप पॉज करके टैग कर दीजिए और इसके बाद आप कल देखना चालू करिए बिकॉज यहाँ पे कम से कम कैपिटल गेन में भी अप्रोक्स दो ढाई घंटे लगेंगे आपको सिर्फ अमेंडमेंट देखने के लिए ठीक है क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही अमेंडमेंट है कैपिटल गेन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन के अमेंडमेंट तो कैपिटल गेन के अमेंडमेंट में सबसे पहला अमेंडमेंट ये है दैट इज द कैपिटल का डेफिनेशन तो कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या होता है तो कैपिटल असेट आपको याद रहेगा प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एस एस सी वेदर इट इज मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इन टेंजिबल वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट ये सब तुम्हारी कैपिटल असेट होती है एज वेल एज द अगर कोई एफ आई आई है वो सिक्योरिटी हेल्ड करता है वो भी कैपिटल असेट होती है इस बार इन्होंने एक अमेंडमेंट ये किया कि अगर कोई यूलिप है यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई यूलिप है यूलिप मीन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जिस पे एग्जेपन अंडर सेक्शन टेन टेंट डी डज नॉट अप्लाई जिस पे टें टेंट डी का एग्जेम्शन नहीं मिलता है

तो आपका प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए जो इंडेक्स नंबर है is 317, is तो इस 317 317 इंडेक्स इंडेक्स नंबर नंबर तो साल का है उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं एक अमेंडमेंट यहां पे आया है और वो अमेंडमेंट क्या बोलता है अभी एक बात बताइए मुझे आपको पता है पहले क्या था लाइक कैपिटल असेट में गुडविल ऑफ प्रोफेशन को कैपिटल असेट नहीं मानते थे सिर्फ गुडविल ऑफ बिजनेस ही कैपिटल असेट थी आप गुडविल ऑफ प्रोफेशन को अगर आप बेच देते थे तो उस पर कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगता था गुडविल ऑफ प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड कैपिटल असेट नहीं थी बट इस साल से निर्मला सीतारमन जी ने अमेंडमेंट कर दिया और निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि जो गुडविल ऑफ बिजनेस है या फिर गुडविल ऑफ प्रोफेशन तो गुडविल ऑफ बिजनेस एज वेल एज द गुडविल ऑफ प्रोफेशन है ये दोनों कैपिटल अट है और भैया इस पे कैपिटल गेन लगेगा भले वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट ले लीजिए और अगर आपने परचेस कर रखी है तो परचेस प्राइस ले लीजिए उसके साथ साथ में आपका जो ट्रेडमार्क है या ब्रांड नेम एसोसिएट विद एनी बिजनेस और प्रोफेशन या प्रोफेशन वर्ड इसी साल से एड किया है और ये भी तुम्हारे बेटा कैपिटल असेट में आएगा अब एक और चीज समझना यहाँ पे जो नोट नंबर थ्री देख रखा ना, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैपिटल सॉरी पीजीबीपी में पीजीबीपी में मैंने आपको बताया था कि अभी आपके जो भी गुडविल है उस पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा ऑन गुडविल डेप्रिशिएशन इज नॉट अलाउड फ्रॉम

in respect of which depreciation under section 321 has been obtained by SSC in

इसके बाद में अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो इसके बाद में एक अमेंडमेंट है 45 बने में कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद अच्छा नाइन बी वाला ये अमेंडमेंट पे कम से कम मैं दो घंटे लूंगा ठीक है आप मुझे दो घंटे देंगे इस अमेंडमेंट के लिए ये दो चीजें समझाने के लिए सेक्शन नाइन बी समझाने के लिए उसके बाद में सेक्शन फोर्टी फाइव फोर समझाने के लिए आई विल टेक यूर टू आवर्स टू आवर्स तक मैं सिर्फ ये दो चीजें समझाऊंगा और ये जो यहाँ पे जो पेज दे रखे ये जो एग्जाम्पल दे रखे ये सब आईसीआई ने कवर किया आईसीआई के मटेरियल में और बड़े ही इंटरेस्टिंग है मैंने इसमें बहुत मेहनत की है ये मैं आपको समझाऊंगा ठीक है चलिए अब एक बात समझना भैया समझना तो पड़ेगा आपको तो वो समझेंगे चलो उसके बाद में कोई अमेंडमेंट पहले ये थोड़ी देर बाद लेते हैं उसके बाद एक अमेंडमेंट स्लम सेल में है स्लम सेल में इस बार अमेंडमेंट है अच्छा खासा अमेंडमेंट है और स्लम सेल से रिलेटेड अमेंडमेंट है वो अपन देखेंगे एक बात बताओ आज तक अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते थे स्लम सेल में जब भी आप कोई अंडरटेकिंग बेचते हो तो अंडरटेकिंग बेचते हो तो कैपिटल गेन तो निकालते टाइम आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता था आज से मैं पहले मैं हमेशा ये बताता था लमसम कंसिडरेशन इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन्स आप एक काम करिए जो लमसम कंसिडरेशन है ना वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट किया इस साल से और बोला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो लमसम कंसिडरेशन नहीं आएगा फेयर मार्केट वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा और फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे पता है रूल नंबर इलेवन यूए के हिसाब से तो रूल नंबर के हिसाब से आप क्या करेंगे रूल नंबर के हिसाब से आप यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे सो so, जब भी आप कोई अंडरटेकिंग बेचते हो या सेगमेंट बेचते हो तो अब आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा एफ एम वी एस पर रूल नंबर इलेवन यू अब एक बात समझना ये इलेवन यूए कैसे निकालेंगे वो अभी अपन थोड़ी देर में सीखते हैं करके ठीक है इलेवन यूए पे अपन जाएंगे और इलेवन यूए हम सीखेंगे कि इलेवन यूए के, के हिसाब से आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन कैसे निकालोगे बाकी कोई भी चेंज नहीं है एक छोटा सा चेंज ये भी है यहां पे वही वाला चेंज है जिसको मैंने वापस बताया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड एज पर रूल नंबर यू ई गिवन इन द वैल्यूएशन रूल्स टॉपिक में मैं सिखाऊंगा कि इलेवन यूए के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना शेल बी डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल अब यहां पे एक और चीज ध्यान रखना आप लोग करके ठीक है जो भी आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहेगा

तो इससे रिलेटेड अभी आपको रूल्स पढ़ाऊंगा रूल्स उसमें आपका 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 सब clear हो जाएगा ठीक है 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 चलिए उसके उसके बाद उसके बाद में एक जो जो 18 18 18 19 19 ये वाला जो समझ में आएगा ये आपको आएगा वहां पे जब अपन क्या बोलते हैं एनआर टैक्सेशन करेंगे बट है क्या एग्जैक्टली ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ट्रांसफर बाय इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये गवर्नमेंट कंपनी है

बाय अ पब्लिक सेक्टर कंपनी टू अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर किसी अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी को ट्रांसफर करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और टू अट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को असेट ट्रांसफर करती है तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा इन्होंने क्या बोला कि बहुत बार ये रिकन्स्ट्रक्शन करके क्या करेंगे कि कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसको कम कर देंगे तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनकी असेट है वो दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी को ट्रांसफर करवा देंगे और वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बंद कर देंगे तो ऐसा हो सकता है तो उन्होंने अगर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी ने क्या किया कुछ असेट ट्रांसफर की किसको किसी दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा ठीक है चलिए उसके बाद में साइड पॉकेटिंग वाला वगैरह पहले से है आपका जो एग्जामिशन वाला पार्ट है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है आप सीधा आ जाएंगे कहां पे आप आ जाएंगे सीधा इसको भी यहीं पे मैं समझा दूंगा चलिए आ जाइए एक कंसेप्ट दे रखा है दैट इज द आपका यूलिप टैक्सेशन ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप टैक्सेशन ऑफ यूलिप अब एक बात समझिए ये यूलिप होता क्या है यूलिप इज बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी नाम से ही पता चलता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी सो यूलिप इज इंश्योरेंस पॉलिसी अब होता क्या है आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी एग्जेम्ट होता है अंडर सेक्शन टेन टेन डी तो आप अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी रहेगा दैट मैच्योरिटी इज टोटली अंडर सेक्शन डी डी में पूरा एक्सेंट हो जाता है नाउ देयर मे बी अ वन क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर टेन टेन डी में मैच्योरिटी इज फुली आंसर इज यस बट इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं कुछ एक्सेप्शन में अगर आपको याद रहेगा तो एक तो मैंने बताया था कि अगर कोई कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है तो वो टैक्सेबल होता है जो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल होता है और दूसरा अगर आपको याद रहेगा तो हमने डिडक्शन टॉपिक में पढ़ा था कि देर आर सम लिमिट ऑफ द टेन परसेंट या फिफ्टीन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट का एक लिमिट है पॉलिसीज टेकन ऑन और आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेल्व है क्रॉस like तो करता है तो जो भी आपका मेच्योरिटी है वो मेच्योरिटी टैक्सेबल होगा याद आया आपको मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है तो देखिए वो दो ही टैक्सेबल होता है अब एक बात समझना है कि के थ्रू क्या किया लोगों ने बड़ा प्लानिंग करना चालू किया यूलिप क्या होता है इंश्योरेंस दैट इज द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है इसमें क्या होता है कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दीजिए होता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है बट वो कंपनी क्या करती है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है मींस उसको म्यूचुअल फंड जैसा होता इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड यूलिप इज सिमिलर लाइक अ म्यूचुअल फंड अब एक बात बताओ बड़ा सिंपल है मैं अगर आज किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की यूनिट खरीदता हूं और मैं म्यूचुअल फंड कंपनी की यूनिट बेचता हूं तो मुझे कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म हुआ और अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड है तो टेन परसेंट से टैक्स लाख शॉर्ट टर्म हुआ तो फिफ्टीन परसेंट से टैक्सेबल होता है लेकिन लोगों ने ये रूट जो अपनाया वो क्या रूट अपनाया यूलिप वाला कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है आप एक काम करिए किसी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दीजिए इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में डालेगी और आपके हाथ में मेच्योरिटी पूरा एक्ज हो जाएगा इन योर हैंड योर टोटल मेच्योरिटी इज एक्ज आपका पूरा मेच्योरिटी एक्जेंट हो जाएगा अब एक बात समझना तो ये जो प्लानिंग हो रही थी मार्केट में इसको रोका निर्मला सीतारमन जी ने इस साल से और कहां कहां अमेंडमेंट किया सबसे पहला अमेंडमेंट तो निर्मला सीतारमन जी ने ये किया कि जो यूलिप है ना वो कैपिटल असेट मानी जाएगी मीन्स आपकी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी इनकम अदर सोर्सेज में जाती है बट बेटा अगर वो यूलिप है तो यूलिप के केस में ये आपकी कैपिटल असेट मानी जाएगी और जब कैपिटल असेट मानी जाएगी तो कैपिटल गेन लगेगा लेकिन एक चीज समझना ये टैक्सेबल तभी होगा अगर आपने फर्स्ट फेब टू थाउजेंड 2021 जिस दिन बजट आया, आया उस डेट या उसके बाद में आपने कोई यूलिप लिया है और जिसका पूरे साल का मिला के जो प्रीमियम है वो आपका ढाई लाख रुपए से ज्यादा है इट मीन टू लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो आपने अगर कोई यूलिप लिया फर्स्ट फेब टू थाउज फर्स्ट फेब 2021 या उसके बाद में कोई यूलिप लिया और जिसका एनुअल प्रीमियम इज मोर देन टू लैख्टी थाउजेंड इन दैट केस उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा बट सपोज आपने एक यूलिप नहीं लिया आपने क्या किया मान लो फाइव यूलिप्स ले लिए वन लैख वन लैख वन लैख वन लैख वन लैख फाइव यूलिप्स ले लिए और वन वन लैख का प्रीमियम है तो अब आप बोलेंगे कि एक यूलिप तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा नहीं है तो इस केस में इन्होंने यहां पे बोला कि अगर मान लो आप एक से ज्यादा पॉलिसीज लेते हो और सबका मिला के प्रीमियम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो इसमें भी आपको एग्जेपन नहीं मिलेगी इसमें भी आपको एग्जेम्पन नहीं मिलेगी और मेच्योरिटी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगी अब तो आ जाइए सब लोग एक बार अपनी बुक में आइए और देखिए क्या लिखा हुआ है टैक्सेशन ऑफ यूलिप एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर वन ट्वेंटी से ये एप्लीकेबल है देखिए क्या लिखा हुआ है पहला अमेंडमेंट कैपिटल असेट में डाला कि इसको कैपिटल असेट में इंक्लूड किया है तो कैपिटल असेट मीनिंग में इन्होंने बोला कैपिटल असेट मीन एनी यूलिप

एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग हो जाता है फ्रॉम द टैक्स बट कुछ टैक्सेबल होती है कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी टैक्सेबल है कौन कौन सी सबसे पहला अगर एनी अमाउंट रिसिव्ड अंडर कीमेड इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको कीमेड इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ पैसा मिल जाता है या फिर

क्या एक्जेमशन अंडर सेक्शन टेन टेन डी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ यूलिप्स एफ पॉलिसीज़ इज इश्यूड ऑन और आफ्टर फर्स्ट फेब 2021 अगर फर्स्ट फेब 2021 या उसके बाद में पॉलिसी इशू हुई है एंड प्रीमियम पेबल मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ सच पॉलिसी

लेकिन एक बात बताऊं यहां ना कुछ कुछ लोगों का आ रहा है, law, में, कुछ कुछ लोगों का ये से कम वाले पे मिल जाएगा, बाकी वाले पे नहीं मिलेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फाइव यूलिप्स लिया तो फाइव लाख है तो फाइव लाख में से आप एक काम करिए टू लाख जिसका है वो आप ले लीजिए वन लाख वन लाख वाला दो पॉलिसीज पे एग्जेपन ले लीजिए बाकी पे नहीं ले सकते ऐसा एक व्यू आता है मार्केट में बट अपने आईसीआई ने ये दे रखा है तो मैंने आईसीआई से एक कॉपी मारा है आईसीआई बोलती है एक से ज्यादा यूलिप्स है और सबका मिला के भी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा का प्रीमियम है तो किसी भी यूलिप्स पे आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा उसके बाद में यहां पे एक नोट दे रखा है एक्जशन इज अवेलेबल इफ समीव फ्रॉम यूलिप्स ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन लेकिन अगर आपको डेथ पे मिल जाता है यूलिप्स से पैसा भले यह वायलेशन हो रहा है तो भी आपको एग्जेमशन मिल जाएगा अब एक बात समझना इन्होंने बोला कैपिटल गेन लगेगा अब कैपिटल गेन लगेगा तो कैपिटल गेन के लिए एक सेक्शन बनानी पड़ी सेक्शन फोर्टी फाइव वन बी

जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और माइनस क्या करेंगे आप जितना प्रीमियम पे किया बट आपका डाउट ये रहेगा कि जितने प्रीमियम पे किए जितने साल में क्या उस पर इंडेक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको लेके अभी तक कहीं पे क्लियरिटी नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है एज अ मैनर मे बी प्रिस्क्राइब इन फ्यूचर में हम मैनर है वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ वेयर एनी पर्सन रिसिव एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर द दूलिप इशूड ऑन और आफ्टर फर्स्ट फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच एक्सेंशन टेन टेन डीज डॉट अप्लाई क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है बिकॉज या तो एक पॉलिसी का प्रीमियम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है या फिर एक से ज्यादा पॉलिसी है और सबका मिला के टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो क्या होगा देन एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट बाय सच पर्सन शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दैपिटल गेन एंड शेल बी डीम टू बी दच पर्सन फॉर द प्रीवियसिव इनकम टैक्सेबल शेल बी कैल्कुलेटेड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब यहां कैपिटल गेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो मैनर प्रिस्क्राइब करेंगे तो जब मैनर प्रिस्क्राइब करेंगे तो देख लेंगे तो अभी आपको यहां पर कितना याद रखना है? पहली चीज तो ये देखो कि यूलिप जो है वो कैपिटल असेट मानी जाती है दूसरी चीज कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए वो प्रिस्क्राइब करेंगे अब एक बात समझना कैपिटल गेन कब लगेगा एग्जन कब नहीं मिलेगा दो चीजें पहली चीज अगर फर्स्ट फेब 2021 के बाद पॉलिसी लिए और किसी भी साल में अगर प्रीमियम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है या फिर फर्स्ट फेब 2021 के बाद आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ली और सबका मिला के जो प्रीमियम है वो प्रीमियम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो उन पॉलिसीज़ के केस में आपको एग्जेम्पन का बेनिफिट नहीं मिलेगा चलिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है टेबल ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द एग्जेम्पन विल बी अवेलेबल अंडर सेक्शन टेन टैन डी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ क्या एक्जेम्पन मिलेगा या नहीं मिलेगा ड नॉट हैव एनी अदर पॉलिसी एंड डज नॉट इंटेंड टू टेक एनी अदर पॉलिसी यू लिव इन द फ्यूचर अब देखो पहला पार्ट पहला पार्ट समर्टी परसेंट है और एक बात बताओ थर्टी परसेंट नहीं थर्टी लैख है तो थर्टी लैख पे आप टेन परसेंट तक प्रीमियम पे कर सकते हैं तो यहां पर देखिए टू लैख फोर्टी थाउजेंड आपने प्रीमियम पे किया

पढ़िए पढ़िए इसको डन चलिए नहीं पढ़ा जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो भाई डन पीपल चलिए अब आई एफ ओ एस में क्या अमेंडमेंट है तो आई एफ ओ एस में मैं बता दू छोटा अमेंडमेंट क्या है आ जाइए सब लोग एक तो ये अमेंडमेंट है ये नोटिफिकेशन है किस टू टेन जो गिफ्ट वाली सेक्शन है ना वो कहां कहां नहीं लगती एक तो पता है वो दिल्ली की जो अनऑथोराइज कॉलोनी थी और वो दिल्ली की अनऑथोराइज कॉलोनी को उन्होंने अगर ऑथोराइज कर दिया तो ये सेक्शन नहीं लगती दूसरी चीज अगर मान लो कोई एनसीएलटी ने अप्रूव किया है और एनसीएलटी ने अप्रूव किया है और ऐसी कोई कंपनी है जिसके केस में सेक्शन 241, 242 लग जाता है कंपनीज एक्ट का और उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिसिप्ट ऑफ अनकोटेड शेयर किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर आपको मिलते हैं किसी सब्सिडी या उसकी सब्सिडी के

सबको यस बैंक के शेयर मिले थे तो जो यस yes बैंक के इक्विटी शेयर मिले उसमें कोई भी आपको लाइक like टू नहीं लगेगा एक अमेंडमेंट किया है और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर आपको इक्विटी शेयर मिलते हैं किसके किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्ट्रेटेजिक डिसमेंट एग्जाम्पल इज अको याद रखिए आपका एयर इंडिया एक बात बताइए जो टाटा है टाटा को एयर इंडिया के शेयर मिले हैं अब एक बात समझिए वो कौन सी भी रेट में फिफ्टी सिक्स है वो नहीं लगेगा 56 -10 है वो नहीं लगेगा क्योंकि इक्विटी शेयर मिले किसके पब्लिक सेक्टर कंपनी के एयर इंडिया लिमिटेड वॉज पब्लिक सेक्टर कंपनी रिसीव बाय पर्सन मिस टाटा लिमिटेड को मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला स्टेट गवर्नमेंट से मिला अंडर द स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट तो इस केस में बेटा ये सेक्शन नहीं लगेगी फिफ्टी सिक्स टू टेन में आई एफ इसमें कोई टैक्सेबल नहीं होगा जो एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान देना है और मेरे को लगता है एग्जामिनर एमसीक्यूज आपको यहां से पूछ सकता है और ये अमेंडमेंट क्या है ये अमेंडमेंट ये है कि एक बात समझिए सेक्शन फोर्टी से रिलेटेड अमेंडमेंट है फोर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर क्या करता है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बेचता है उस दिन अगर उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ परसेंट माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग योर बिजनेस इनकम मीन बिजनेस इनकम निकालने के लिए आप जो पीजीबीपी का इनकम निकालते हैं वो पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए जो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगा दैट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है लेकिन यहां पे एक चीज समझना जो 10% का टॉलरेंस बैंड है, Propos है ना ये 20% का टॉलरेंस बैंड हो जाएगा अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैंने क्या बोला अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये जो टॉलरेंस बैंड जो 10% का है ना मीन 110% की जगह आपका 120% हो जाएगा अगर तीन कंडीशन थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कौन कौन सी थ्री कंडीशन पहली कंडीशन पहली कंडीशन ये है कि भैया ये रेसिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए मिस बिल्डर जो बेच रहा है वो रेसिडेंशियल यूनिट बेच रहा है रेसिडेंशियल घर फ्लैट वगैरह बेच रहा है और वो बेच कब रहा है पता है नवंबर और थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के बीच में ट्रांसफर हुआ है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर हो रही है और ये रेसिडेंशियल यूनिट जो ट्रांसफर हो रही है ना ये आपकी ट्वेल्थ नवंबर 2020 से लेके और थर्टीथ जून 2021 के बीच में ट्रांसफर हुई है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन सो फर्स्ट कंडीशन देखो बिल्डर को नॉर्मली क्या होता है 43 सी ए क्या बोलता है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 110 परसेंट से ज्यादा है तो एसडीवी लेना है बट यहां 110 परसेंट की जगह 120 परसेंट हो जाएगा अगर थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड होती है फर्स्ट कंडीशन दैट रेसिडेंशियल यूनिट इज ट्रांसफर बाय बिल्डर बिटवीन ट्वेल्थ नवंबर 2020 से लेके और आपका थर्टियथ जून टू के बीच में ट्रांसफर हुआ है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन दूसरी कंडीशन सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द जो ट्रांसफर हुआ है ना ये एज अ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है नाउ क्वेश्चन का मतलब होता है कि बिल्डर ने पहली बार किसी को वो फ्लैट अलॉट किया मीन इन सिंपल वर्ड बता दो न्यू प्रॉपर्टी है बिल्डर ने न्यू प्रॉपर्टी अलॉट किया है ऐसा बिल्डर नहीं कर रहा कि पुरानी जूनी प्रॉपर्टी ओल्ड हाउसेज खरीदता बेचता है वैसा नहीं मिस बिल्डर ने ऑब्वियसली बिल्डिंग बनाई होगी और वो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट किसी को कर रहा है और तीसरी कंडीशन ये है कि इसका अप टू करोड़ रुपए होना चाहिए तो देखिए मैंने क्या बोला सेक्शन चाहिए एंड दैट शुड बी ट्रांसफर बिटवीन ट्वेल्थ नवंबर 2020 टिल थर्ट जून 2021 केंड कंडीशन इट इज एज अ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट एंड थर्ड कंडीशन इज दैट कंसिडरेशन इज अप टू करोड़ रुपेज तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो भी लाइक टॉलरेंस बैंड है वो ट्वेंटी परसेंट रहेगा लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट तो यहां पे उन्होंने डिफाइन कर रखा है रेसिडेंशियल यूनिट मीन्स एन इनडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट होना चाहिए विथ सेपरेट फैसिलिटी फॉर लिविंग कुकिंग एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट मीन सेपरेट फैसिलिटी कुकिंग मीन किचन होना चाहिए ठीक है उसके साथ साथ में लिविंग एरिया होना चाहिए वो सेपरेट होना चाहिए हर यूनिट का डिस्टिंगडी सेपरेट फ्रॉम अदर रेसिडेंशियल यूनिट मीन्स हर रेसिडेंशियल यूनिट अलग अलग मीन फ्लैट होने चाहिए सिंपल वर्ड विच इज डायरेक्टली एक्सेबल फ्रॉम द आउटर डोर या तो आउटर डोर से सीधा डायरेक्टली एक्सेसबल होना चाहिए मीन्स इन सिंपल वर्ड बताया बता दो बता ऐसे बंगलोज वगैरह हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जैसे पंद्रह बंगलोज बनाए रोड से सीधा उसमें जा सकते हैं वैसा होना चाहिए और थ्रू इंटीरियर डोर या फिर हो सकता है जो इंटीरियर डोर रहना चाहिए उससे जा रहे हो इन अ शेयर्ड शेयर एंड नॉट बाय वॉकिंग थ्रू द लिविंग स्पेस ऑफ अनदर हाउस होल्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फ्लैट के लिविंग एरिया से आप दूसरे घर में जा रहे हो इट्स नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मली या तो फ्लैट्स होने चाहिए फ्लैट्स में क्या होता है कॉमन लॉबी होती है कॉमन लॉबी से जाते हैं बट उसके बाद सब घर है वो अलग अलग होते हैं वैसा है तो चलेगा या फिर कुछ बंगलोज वगैरह बना के बेचे वैसे चलेगा इन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कौन कौन सी यूनिट ट्रांसफर होनी चाहिए ट्वेल्थ नवंबर टू से लेकिन थर्टियत जून टू के बीच में दूसरी कंडीशन यह है

एस डीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड एंड एस डीड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन डिफरेंस इज टैक्स इन बायर सो हियर क्वेश्चन इज दैट क्या बायर को वहां पे ट्वेंटी परसेंट का टॉलरेंस बैंड मिलेगा या नहीं जब सेलर को 20% का टॉलरेंस बैंड मिल रहा है तो क्या बायर को 20% का टॉलरेंस बैंड मिलेगा या नहीं आंसर इज यस गाइस, यहां बायर को टॉलरेंस बैंड मिलेगा 20% का तो ये बता दो ये अमेडमेंट फिफ्टी सिक्स टू टेन में भी किया तो फोर्टी थ्री और फिफ्टी टू टेन में दोनों में ये अमेंडमेंट किया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो दोनों जगह 20 परसेंट का टॉलरेंस बैंड मिलेगा लेकिन ध्यान रखना फिफ्टी सी में ये अमेंडमेंट नहीं है फिफ्टी सी जो कैपिटल गेन की सेक्शन है उसमें तो भैया वही वो ही वाला आपका टेन परसेंट का टॉलरेंस बैंड लगेगा यहां सिर्फ एंड आपका इन दो सेक्शन में ही ये टॉलरेंस बैंड वाला अमेंडमेंट है यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस तो देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है सिमिलर प्रॉपर्टी for the low consideration and above three conditions are satisfied then in the last part of the chart jo wahan pe wo chart de rakha 120% consider hoga instead of the 110% aur beta fir maine aapke liye yahan pe question bhi banaya hai मैंने हर amendment से related questions बनाने का try किया है करके ठीक है तो यहां पे मैंने इसके लिए आपके लिए question भी बनाया है इस question को आप देखेंगे तो समझेंगे देखिए

लाइक like, जो सेक्शन 50 सेक्शन uh, 43 सीए है वो नहीं लगेगा और आपका जो है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1.9 करोड़ ही आएगा क्या बायर के हाथ में कुछ टैक्स लगेगा आंसर इज नो क्योंकि बायर को भी 20% का टॉलरेंस बैंड मिलेगा बायर के हाथ में भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पे 56210 नहीं लगेगा बायर के हाथ में लेकिन अगर यहां पे ट्रांसफर का डेट है वो 10 दिसंबर 2021 होता इंसटेड ऑफ 14 अप्रैल 2021 सो फोर्टीन अप्रैल 2021 की जगह अगर ये 10 दिसंबर 2021 होता मीन्स थर्टी जून 2021 के बाद में है आंसर इज यस तो इस केस में फिर टॉलरेंस बैंड है वो 10 परसेंट का ही लगता और 10 परसेंट का टॉलरेंस बैंड लगता तो एक बात बताइए मुझे 1.9 करोड़ का 1.9 करोड़ का 110 परसेंट करते इट्स कम्स टू द टू लाइक uh, like, क्या एच इससे ज्यादा है आंसर इज यस तो एस डी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता मिस टू करोड़ फिफ्टीन है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता फॉर द पर्पज ऑफ पी बायर के हाथ में भी टैक्स लगता आंसर इज यस बिकॉज टॉलरेंस पे भी 10% परसेंट का ही लगता तो मैं बोलू आपका टू है करोड़ माइनस के उस बायर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता अंडर सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन यू गॉट माइ पॉइंट नॉट यस और बायर की फिर कॉस्ट क्या बनती 2.15 करोड़ है वही बायर की कॉस्ट बन यस चलिए सो दिस द अमेंडमेंट उसके बाद में उसके बाद में, उसके बाद बाद में में इस टॉपिक में और कोई अमेंडमेंट नहीं है मैं अभी चालू करूंगा वैल्यूएशन रूल्स करके ठीक है आज के लेक्चर में दो चीजें और पढ़ेंगे एक तो वैल्यूएशन रूल्स और ये वैल्यूएशन रूल्स मैंने क्यों यहां पे डाले हैं इसके पीछे का रीजन इज स्लम सेल बिकॉज स्लम सेल में जो अमेंडमेंट आया है उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपको रूल फॉलो करना है करके ठीक है इलेवन यू का और 11 यू पढ़ने के लिए मुझे 11 यू पढ़ाना पड़ेगा आपको 11 यू पढ़ाना पड़ेगा और जब मैं 11 यू आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद ही मैं आपको 11 यू पढ़ा सकता हूं बिकॉज 11 यू ए वो स्लम सेल के लिए है तो मैं काम करता हूं पहले आपको इलेवन यू ए पढ़ाता हूं उसके बाद में मैं आपको इलेवन यू ए पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं डिटेल आपको इसमें कराने वाला हूं और फिर लास्ट पार्ट हम कैपिटल गेन में जो सेक्शन नाइन बी और फोर्टी फाइव फोर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलो अपन एक काम करते हैं वैल्यूएशन रूल्स पढ़ना चालू करते हैं कि ये वैल्यूएशन रूल्स क्या है मैंने यहाँ टॉपिक डाला है टॉपिक नंबर थ्री ए और वैल्यूएशन रूल्स मैंने इसलिए दिए है क्योंकि इलेवन यू ए के लिए मुझे इलेवन यू ए समझाना बड़ा जरूरी है तो इसके लिए मैं आपको पहले 11 यू है वो सिखाना चालू करता हूं चलिए अब अपन चालू करते हैं ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन वैल्यूएशन रूल्स आपको पता है हमने एक सेक्शन पढ़ी थी दैट इज द सेक्शन 56 टू 10 थोड़ा बहुत याद रहेगा तो 56 टू एज एज वेल द हमने एक सेक्शन पढ़ी थी फिफ्टी सी ए फिफ्टी सी नहीं फिफ्टी सी तो पता है सी ए करके ठीक है ये दो सेक्शन पढ़ी थी सर इनके बारे में थोड़ा पहले बात कर लेते हैं ये कौन सी सेक्शन तो थोड़ी दिमाग में अगर जो बैक साइड रहेगा वो फ्रंट साइड आ जाएगा और उसके बाद इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे तो याद रहेगा तो फिफ्टी सिक्स टू टेन हमने गिफ्ट वाली एक सेक्शन पढ़ी थी और जो गिफ्ट वाली जो सेक्शन थी वो गिफ्ट वाला सेक्शन में क्या क्या था कि अगर आपको मनी मिलता है तो मनी मिलता है एग्रीगेट मनी पचास हजार से ज्यादा है तो आपके लिए वो पूरा टैक्सेबल होगा अगर आपको मूवेबल असेट मिलता है और मूवेबल असेट में कौन कौन सी असेट थी याद करो शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन वो मिलता है फ्री मिलता है तो उसके इसमें आपको एफ एम बी एग्रीगेट है वो पचास हजार से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल लो कंसिडरेशन से मिलता है तो एग्रीगेट एफ एम बी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस पचास हजार से ज्यादा है तो डिफरेंस इज टैक्सेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिली और यहां पे जो पर प्रॉपर्टी एस डी पचास से ज्यादा है पूरा टैक्सेबल या लो कंसिडरेशन से मिलता था तो पर प्रॉपर्टी एस डी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका पचास हजार से ज्यादा है एंड एस डी मोर देन वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन तो डिफरेंस आपके लिए टैक्सेबल होता था ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक सेक्शन फिफ्टी सी ये थी फिफ्टी क्या थी कि अगर आप कोई भी अनकोटेड शेयर बेच देते हो किसी कंपनी के किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर है अनकोटेड शेयर का मतलब होता है कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर बेच देते हो और अगर उसका कंसिडरेशन एफ एम वी से कम है उसका कंसिडरेशन है वो एफ एम वी से कम है तो जो एफ एम वी है वो ही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है ये दो सेक्शन हमने पढ़ी थी कैपिटल गेन आई एफ ओ एस के साथ में लेकिन आपका क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि सर इसमें जो असेट्स की बात हो रही थी असेट्स की बात जैसे फिफ्टी सिक्स टू टेन है तो फिफ्टी सिक्स टू टेन में जो असेट होती है जैसे शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन सर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे मीन्स हाउ टू डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू या फिर जब आप 50 सी की बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर बेचे और अगर उसका कंसिडरेशन एफ से कम है तो एफ को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी का शेयर बेचे और मैंने कैश में पैसा ले लिया और कम में बेचे तो उसके इसमें एफ एम अगर ज्यादा है तो एफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा बट सर ये एफ हम निकालेंगे कैसे मीन्स हाउ टू डिटरमाइन दिस एफ हाउ टू डिटरमाइन दिस एफ तो इस एफ को निकालने के लिए इनकम टैक्स में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। आज हम उन रूल्स का जिक्र करेंगे हम उन रूल्स की बातें करेंगे कि एफ इन असेट्स की निकालते कैसे है क्या एफ ले लेने का तो इस एफ के रूल्स अब एक बात समझना लास्ट ईयर तक आईसीआई के मॉड्यूल में ये रूल्स नहीं थे इस बार आएंगे या नहीं आई डोंट नो बिकॉज जिस दिन मैं ये लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं उस दिन तक आईसीआई ने अपना डी का वॉल्यूम है वो रिलीज नहीं किया है तो जब डी का मॉड्यूल रिलीज नहीं किया है तो ये रूल्स देंगे या नहीं देंगे आई डोंट नो बट मेरे को लगता है इस बार देने चाहिए वो रूल्स क्यों देने चाहिए क्योंकि स्लम सेल में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ रही है स्लम सेल के लिए जो सेक्शंस आई है स्लम सेल के लिए जो अमेंडमेंट आई है कि एफ को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे वो स्लम सेल के लिए कुछ जरूरत पड़ रही है इसके लिए मैंने क्या किया मैंने ये रूल्स को आपको कॉम्पैक्ट में दिया है कि वैल्यूएशन रूल्स के वैल्यू कैसे करेंगे चलिए अपन एक काम करते हैं एक 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 चीज समझने की कोशिश करते हैं और यहां पे जो ये रूल होते हैं वो कौन सा रूल है तो सबसे पहले मैं आपको जो रूल पढ़ाने वाला हूं दैट इज द रूल नंबर इलेवन यूए इलेवन यू ए करके रूल अपन जो स्लम सेल में देख रहे थे वो अलग था इलेवन यू ए था वो अलग है वो अपन देखेंगे इलेवन यू ए की बात करते यू ए ये रूल है लास्ट ईयर तक जो आईसीआई का मटेरियल था उसमें सिर्फ ये देखा दे रखा था कि अगर आपको ज्यादा पढ़ना है ज्ञान लेना है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे देखिए ऐसा लिखा हुआ था कि स्टूडेंट मे विजिट द इनकम टैक्स वेबसाइट टू चेक दैट हाउ द एफ एम वी इज कैलकुलेटेड एज पर इलेवन यू ए बट इस बार मटेरियल अभी तक रिलीज नहीं हुआ आई एक्सपेक्ट कि इस बार शायद ऐसा नहीं देंगे कि वहां देखिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी स्लम सेल के लिए इसके लिए मैं वैल्यूएशन रूल्स आपको पढ़ा रहा हूँ चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन कौन से असेट की वैल्यू कैसे निकालनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वेलरी की ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे तो देखो ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू के लिए पहले तो ये बोलते हैं कि आप एक काम करिए ओपन मार्केट में क्या वैल्यू है एज ऑन द वैल्यूएशन डेट वो आप वैल्यू ले लो ओपन मार्केट में उस ज्वेलरी की क्या वैल्यू है ओपन मार्केट वैल्यू वो आप वैल्यू ले लो लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे कैसे पता चलेगा ये ओपन मार्केट वैल्यू है इन्होंने तो बोल दिया ओपन मार्केट वैल्यू ले लो बट ओपन मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगा तो इसमें इन्होंने बताया कि आप एक काम करिए अगर वो ज्वेलरी है वो किसी रजिस्टर्ड डीलर से आपने खरीदी है अगर ज्वेलरी है वो आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से आपने खरीदी है तो रजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने खरीदी है ना तो उस केस में जो इनवॉइस वैल्यू है वो ही तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है देखो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी अगर आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है और रजिस्टर्ड डीलर से खरीदिए तो उस केस में आप एक काम करिए कि जो इनवॉइस वैल्यू है ना वही फेयर मार्केट वैल्यू है फिर आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मुंबई में बात करता हूं ज्वेलर से बहुत सारे मनुभा ज्वेलर है बहुत सारे मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी तो मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी तो उसमें भी तो एफ वो हो सकता ना एफ का डिफरेंस और कंसिडरेशन तो एफ क्या होगी अगर मैंने रजिस्टर्ड वैल्यू सॉरी मैंने रजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है तो उस केस में भैया सीधी सी बात है उसका जो इनवॉइस वैल्यू है ना वो इनवॉइस वैल्यू ही मेरा क्या हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद लेकिन अगर मान लो उस ज्वेलरी की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और आप रजिस्टर्ड वैल्यू से वगैरह नहीं खरीद रहे जैसे किसी ने गिफ्ट कर दी वगैरह और 50,000 से वैल्यू ज्यादा है तो आप एक काम करिए आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लेंगे और वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको लेना पड़ेगा किससे पता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रजिस्टर्ड वैल्यूअर बाहर में बहुत सारे रहते हैं करके ठीक है तो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर रहते हैं उनसे आप रिपोर्ट ले लीजिए वो उसकी वैल्यू करके दे देगा दैट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू तो देखिए यहां ज्वेलरी का फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे तो ज्वेलरी के फेयर मार्केट वैल्यू में ये बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू लीजिए बट ओपन मार्केट वैल्यू आप कैसे लेंगे तो आप एक काम करिए आपने अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से खरीदा है तो इनवॉइस तो वैल्यू ही आपका फेयर मार्केट वैल्यू है बट आप रजिस्टर्ड वैल्यूर से नहीं खरीदते हो और आप आउट ऑफ द मार्केट आपने को किसी ने गिफ्ट किया है वगैरह तो उस केस में आप एक काम करिए वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लीजिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जो मार्केट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर रहते हैं उनकी आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लीजिए अब क्वेश्चन आता है सर पेंटिंग स्कल्पचर आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट उनका क्या होगा क्योंकि ड्राइंग, ज्वेलरी ड्राइंग, पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट उनका क्या होगा सेम ऐसा का ऐसा जो इसका है कि एक काम करिए कि जो तुम्हारे ड्राइंग है पेंटिंग्स है स्कल्पचर्स है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट उनका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे सेम ऐसा का ऐसा अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है तो तो इनवॉइस वैल्यू है वही तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू है लेकिन अगर मान लो आप रजिस्टर्ड डीलर से नहीं खरीदते हो तो उस केस में अगर उसकी वैल्यू पचास हजार से ज्यादा है उसकी जो वैल्यू है वो पचास हजार से ज्यादा है तो आप वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट ले लीजिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको रिपोर्ट करके दे देगा वैल्यू बता देगा ये उसकी वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी लेकिन क्वेश्चन आके फंसता है शेयर्स एंड सिक्योरिटी पे सर एक बात बताओ ये ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट इनका अपन ने बात कर ली कि सीधी सी बात है अगर रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है तो तो वॉयस वैल्यू है वही तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू है बट अगर मान लो आप रजिस्टर्ड डीलर से नहीं खरीदते हो तो उस उसके पचास हजार से ज्यादा वैल्यू है तो आप एक काम करिए वैल्यू करा लीजिए किससे कराएंगे रजिस्टर्ड वैल्यू है वो एक सर्टिफिकेट देगा वो सर्टिफिकेट के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा उसके बाद में बात आके फंसती है शेयर एंड सिक्योरिटी पे शेयर्स एंड सिक्योरिटी सर शेयर्स एंड सिक्योरिटी के केस में कैसे एफ एम देखेंगे जैसे मान लो आपको शेयर्स मिल गए कहीं से गिफ्ट में तो वो शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा तो उसमें दो पार्ट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोटेड शेयर्स की किसकी बात कर रहे हैं कोटेड शेयर की कोटेड का मतलब जो लिस्टेड होते हैं जो कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी है कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी उसके केस में दो पार्ट कि अगर मान लो वो कोटेड एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटी आपने एक्वायर की है ट्रांजैक्शन किया है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ऐसा हो सकता है ना जैसे रोज आप शेयर खरीदते हो तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ही ट्रांजैक्शन हुआ है और वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस में तो बेटा जो ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगी वो ट्रांजेक्शन वैल्यू ही आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है अब उसमें क्या चेंज करना है देखिए बड़ी सिंपल है कि अगर लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही तुम्हारी मार्केट है। मैंने कोई खरी मैंने आज, एशियन पेंट्स खरीदा पेंट्स अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है तो मैंने एशियन पेंट्स खरीदा और एशियन पेंट्स मान लो मैंने 2800 में खरीदा 2800 मल्टीप्लाई बाय मान लो मैंने 100 शेयर खरीदे करके ठीक है तो उस केस में मेरा जो भी पेमेंट गया टू एटी थाउजेंड तो टू एटी थाउजेंड है वही फेयर मार्केट वैल्यू है अब उसमें क्या करना है लेकिन मान लो आपने क्या किया शेयर खरीदे वो शेयर या सिक्योरिटी जो कोटेड है वो खरीदा बट वो आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदा आपको कहीं और से मिला जैसे किसी ने गिफ्ट कर दिया वगैरह आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन नहीं किया आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया या पेपर वाले शेयर गिफ्ट कर दिए लेकिन वो शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आप एक काम करिए कि जिस दिन आपको गिफ्ट वगैरह मिला है उस दिन का उसका लोएस्ट प्राइस कितना था वो लोएस्ट प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए जिस दिन आपको गिफ्ट वगैरह मिला था उस दिन का वो शेयर एंड सिक्योरिटी का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लोएस्ट प्राइस कितना है जो लोएस्ट प्राइस है वो लोएस्ट प्राइस आप ले लीजिए जो लोएस्ट मतलब लास्ट बॉटम कितना गया था वो बॉटम प्राइस आपका फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगा बॉटम प्राइस है वो बॉटम प्राइस आपका फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगा उस असट का लेकिन अगर मान लो उस दिन कोई ट्रेडिंग हुआ ही नहीं उस दिन अगर मान लो वैल्यूशन डेट है उस दिन कुछ हुआ ही नहीं ट्रांजेक्शन तो आप एक काम करिए फिर आप एक काम लोएस्ट जो, वो आपका मार्केट वैल्यू बन जाएगा। जो लोएस्ट प्राइस है वो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है वो बन जाएगा लेकिन सर ये तो आपने बात की कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी की लेकिन सर मान लो हमको अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी मिला तो तो अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में अगर अनकोटेड इक्विटी शेयर मिला तो इक्विटी शेयर के लिए क्या होगा वो मैं बताऊंगा पहले अनकोटेड बाकी अगर कोई चीजें आपको मिलती है अनकोटेड डिबेंचर है अनकोटेड बॉन्ड्स है अनकोटेड प्रिफरेंस वो आपको मिलते हैं तो आप एक काम करिए आप मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट ला लीजिए वोल्यूशन रिपोर्ट जो मर्चेंट बैंकर है या अकाउंटेड अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर उस अनकोटेड सिक्योरिटी की वैल्यू निकाल के देगा और वो जो वैल्यू होगी वही आपकी फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी तो देखिए अब एक काम करते हैं हम एक बार मैं सीधा आपको उस नोट्स पर लेके चलता हूं जो आपको मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में दे रखा है अगर आपने वहां से लिया है तो अच्छी बात है नहीं लिया है तो आप इधर ध्यान दे दीजिए और सीधा अपन चल रहे यहां पे वैल्यूएशन रिपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स पर और वैल्यूएशन रूल्स करके मैंने एक अलग ही टॉपिक इस बार बनाया तो मेरे पास स्पेस था नहीं तो इस चैप्टर का नाम दिया चैप्टर थ्री ए करके क्योंकि थ्री चैप्टर जो था वो आई थिंक कैपिटल टू कैपिटल गेंद था थ्री आई एफ ओ एस था उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर थ्री ए करके और वैल्यूशन रूल्स वाला एक टॉपिक बना दिया बड़ा सिंपल सिंपल है देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ द पर्पज ऑफ सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन गिफ्ट में सेट मिलती है या फिफ्टी सी ए के लिए सबसे पहले ज्वेलरी का कैसे करेंगे तो ज्वेलरी के केस में आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए वैल्यूशन डेट को बट ओपन मार्केट वैल्यू लेते कैसे तो वो लोग बोलते हैं कि इनवॉइस वैल्यू लीजिए वैल्यूशन डेट को प्रूफ इफ इट इज परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर वैल्यूशन रिपोर्ट ले लीजिए रजिस्टर्ड वैल्यू का अगर ज्वेलरी का वैल्यू पचास हजार से ज्यादा है उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन सेम ऐसा कैसा जैसा ज्वेलरी के केस में था कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी में क्या करना है तो देखिए कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इफ परचे थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदा है तो जितना भी आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही फेयर मार्केट वैल्यू है लेकिन अगर इफ ट्रांजेक्शन नॉट कैरियड आउट थ्रू द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जैसे मेरे को मान लो मेरी बीबी ने शेयर गिफ्ट कर दिया या किसी और ने मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह कर दिया तो मैंने कोई रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा थोड़ी है मेरे को तो गिफ्ट मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसके लिए बोलते हैं आप लीजिए लोएस्ट प्राइस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्चेंज ऑन द वैल्यूशन डेट वैल्यूशन डेट को लोएस्ट प्राइस क्या है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की वो लीजिए लोएस्ट प्राइस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्चेंज ऑन प्रीसीडिंग डेट ऑफ वैल्यूशन इफ नो ट्रांजेक्शन ऑन वैल्यूशन डेट ये आपके कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी बट अनकोटेड के केस में आप एक काम करिए ओपन मार्केट प्राइस लीजिए ऑन वैल्यूएशन डेट एंड असेसी में रिपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट बैंकर और अकाउंटेंट इन ऑफ सच वैल्यूएशन तो यहां पे आप क्या करेंगे मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट का रिपोर्ट है वो लेंगे अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में अदर देन इक्विटी शेयर लेकिन सर अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर है तो क्या करेंगे ये इससे रिलेटेड मैं आपको सिखाऊंगा और इससे रिलेटेड आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी यहां पर ले रखा है कि किसी कंपनी के आपको अनकोटेड इक्विटी शेयर मिल जाते हैं तो क्या करेंगे कैसे उसकी एफ एफ बी निकालेंगे जैसे मान लो आज मैं बात करूं मेरी एक कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड उसके मैंने आपको पाँच हज़ार शेयर गिफ्ट कर दिया आज तो आपको उस शेयर मिले तो शेयर मिले तो उस शेयर की वैल्यू तो, तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि आई एफ ओ एस में अगर फिफ्टी सिक्स टू टेन लगाना है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसके लिए इन्होंने बोला आप एक काम करिए एक फॉर्मूला यूज करिए दैट इज़ द ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल तो कुल मिला के इसमें क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये तो असेट की बात करेगा एल लाइबिलिटी की बात करेगा मल्टीप्लाई बाय पीवी और डिवाइड बाय पी पीवी का मतलब क्या कि अभी कितनी पेड अप शेयर कैपिटल आपको मिली है और डिवाइड बाय टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है उससे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू उस कंपनी के शेयर का तो अपन एक काम करते यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं अनलिस्टेड शेयर ऑल्सो कवर्ड इन सिक्स टू आंसर इज यस वर्ष अगर क्योंकि 56 -10 में तो क्या बोला था शेयर सिक्योरिटी थोड़ी बोला लिस्टेड शेयर मिला तो ही आपको आई एफ एस में टैक्स लगेगा अनलिस्टेड शेयर भी मिल सकता है तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं इस एक्जाम्प के साथ साथ में मैं चीजें आपको पढ़ाते रहूंगा मिस्टर केतन केतन करके अपने बैच का एक बंदा है रिसिव ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ बीबी वर्चुअल लिमिटेड एज अ गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर बीबी तो मैंने केतन को मेरी कंपनी के बीस हजार शेयर उसको गिफ्ट कर दिए

तो सबसे पहले बात करते हैं ए का मतलब क्या ए का मतलब क्या तो आप बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट को देखिए और बैलेंस शीट में जो जो असेट आप एक काम करिए वो दस असेट को छोड़ दीजिए वो जो दस असेट हम देखते हैं दस ग्यारह असेट जो आई एफ ओ एस में देखते हैं दैट इज द शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी उनको आप छोड़ दीजिए उनको छोड़ के बाकी असेट की बुक भी ले लीजिए उनको छोड़ के मीनस बाकी असेट की आप क्या करिए बुक वैल्यू लीजिए तो ए का मतलब बुक वैल्यू ऑफ असेट बट कौन सी असेट को छोड़ के वो शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी उनको आप छोड़ दीजिए और बाकी असेट की क्या ले लीजिए बुक वैल्यू ले लीजिए जैसे डीटर्स है या बैंक बैलेंस है तो उसकी क्या लेंगे आप बुक वैल्यू लेंगे तो देखिए सबसे पहले अब यहां पे बीबी के आप होंगे आप एम वगैरह में इंटरेंसिक वैल्यू ही बोलते हैं है। है। है, सही बोल रहा हूं हम इंटरेंसिक वैल्यू निकालने जा रहे हैं क्या मैं सही बोल रहा हूं इंटरसिक वैल्यू इज राइट वर्ड और नॉट एज पर मैं सही बोल रहा हूं कि प्राइवेट लिमिटेड की शेयर की औकात निकालने जा रहे हैं ठीक है हा प्राइवेट लिमिटेड का जो शेयर है उसकी औकात निकालने जा रहे हैं इट इज इंटरसिक वैल्यू बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यस वैल्यू बोलते हैं सब लोग बोल रहे हैं इट्स इंटरसिक वैल्यू यस इंटरसिक वैल्यू तो मैं क्या कर रहा हूं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर की मैं एक इंटरेंसिक वैल्यू निकालने जा रहा हूं कैसे निकालेंगे अब ए ले लीजिए बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल और मल्टीप्लाई बाय पी वी डिवाइड बाय पी एक बात बताइए ए का मतलब होता है यहां पे अट्ठस की आप बुक वैल्यू लीजिए अट की आप एक काम करिए बुक वैल्यू लीजिए लेकिन कौन सी असेट को छोड़ दीजिए वो दस असेट को छोड़ दीजिए वो जो जो है ना में हम बात उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे बड़ी सिंपल सी बात है यार उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे बाकी असैट की बुक वैल्यू लेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ ऑल द दसेट सब अट की आप बुक वैल्यू लीजिए ए फॉर बुक वैल्यू ऑफ ऑल द

असेट साइड में आपको किन किन चीजों को नहीं लेना एक तो आप एक काम करिए टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स मत लीजिए अलका या जो काजल है वो बहुत पूछ रही थी ये कैसे क्यों कैसे करेंगे मैं अभी आज आपको वो बता दूंगा आप एक काम करिए कि जो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है उसको आप छोड़ दीजिए बिकॉज ये कोई असैट नहीं है टीडीएस टीसीट क्योंकि उधर आपने प्रोविजनिंग फॉर टैक्स किया होगा इधर आपने क्या किया होगा टीडीएस किया हुआ तो ये असेट नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो वो आप लेंगे इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो वो आपकी असेट होगी कैसे होगी मैं अभी आपको बता दूंगा और दूसरा आप अमाउंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको आप छोड़ दीजिए अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर है है उसको आप छोड़ दीजिए वो कोई असेट नहीं है। तो दो चीजें आपको असेट में नहीं लेनी है क्या क्या नहीं लेनी है एक तो आपको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना लेनाट साइड से दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको नहीं लेना बाकी बाकीट आपको लेनी है और उसकी बुक वैल्यू लेनी है वो दस ग्यारह असेट को छोड़ के अब एक बात समझना उनका क्या लेंगे जो ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क है तो ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए पॉइंट बी बोलता है कि आप एक काम इनका मार्केट के पास में कोई है या आर्टिस्टिक वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन अगर वो है तो उसके लिए आप एक काम करिए ज्वेलरी के लिए और आर्टिस्टिक वर्क के लिए आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लीजिए रजिस्टर्ड वैल्यूर का उसके बाद में जो शेयर से हो सकता है ना बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड के पास किसी और कंपनी के शेयर से तो उसकी बैलेंस शीट जब आप निहार रहे हो उसकी बैलेंस शीट से उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल रहे हो तो भाई इसके पास अगर किसी और कंपनी के शेयर सिक्योरिटी थे उसकी वैल्यू डिटरमाइन कीजिए इसी रूल के हिसाब से इसी रूल के हिसाब से ऊपर जो अपन बात कर रहे थे शेयर एंड सिक्योरिटी की ये दोनों के हिसाब से क्या अगर मान लो अगर मान लो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास में बजाज फाइनेंस के शेयर है तो बजाज फाइनेंस के शेयर कैसे खरीदे हुए अगर हमने जो खरीदे हुए वो मान लो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे हुए तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो तुम्हारी जो क्या बोलते हैं जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यूशन डेट को जो फेयर मार्केट वैल्यू वो फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी अगर आज ही खरीदे तो आज की डेट का फेयर मार्केट वैल्यू अदरवाइज आज की डेट पे जो लोएस्ट कितना है वैल्यूशन डेट को अपन देखेंगे तो वैल्यूशन डेट को उसका लोएस्ट ट्रेड कितना हुआ है वो वाली वैल्यू ले लीजिए तो कुल मिला के मैं बता रहा हूं आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए शेयर एंड सिक्योरिटी का एज एज अ मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल तो भैया अगर मान लो वो तुम्हारा मेरे हमारी कंपनी के पास बजाज फाइनेंस के शेयर है जो पहले खरीदे हो तो आज की वैल्यू निकालनी है आज एफ निकालनी है तो आज की एफ तो आज देखेंगे आज लोएस्ट कितने पे ट्रेड हुआ है जो लोएस्ट प्राइस कितना है जो लोएस्ट प्राइस है वो लोएस्ट प्राइस को हम क्या ले लेंगे एफ ले लेंगे उसके बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए आप एसडीवी ले लीजिए जो इमुवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए आप SDV ले लीजिए तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं आप ऐसे याद रखेंगे कि जो भी यहां बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी के शेयर की इंटरेन्सिक वैल्यू निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं हम बैलेंस शीट की असट साइड पकड़ रहे हैं असट साइड में जो भी अटेट है उनकी बुक वैल्यू ले रहे हैं बट कुछ असेट को छोड़ के शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर स्कर्कोलॉजिक कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट इनको छोड़ दो आप इनको छोड़ के और इमोवल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी का बुक वैल्यू दो चीज़ें नहीं लेनी है एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस नहीं लेना अनामोटैक्स एक्सपेंडिचर आपको नहीं लेना है अब एक बात समझना ये जो चीज़ें छोड़ी उनका क्या लेंगे तो सीधी सी बात है कि ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं उनके लिए आप एफ ले लीजिए वैल्यूशन ऑफिसर का वैल्यूशन रिपोर्ट ले लीजिए वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यूअर का उसके बाद में जो शेयर एंड सिक्योरिटी की एफ इसी रूल के हिसाब से निकाले जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है आप इमोवेबल प्रॉपर्टी की एस भी ले लीजिए और जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना वो वो आप बुक वैल्यू पे लीजिए लाइबिलिटी जो है वो आप बुक वैल्यू पे लीजिए अब एक चीज समझना लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आपको नहीं लेना है वो यहां पे ध्यान देना करके ठीक है बिकॉज मैंने आपको कहीं पे और भी रूल पढ़ाए थे वहां पे मैंने आपको लाइक like, जो है क्या बोलते हैं मैंने आपको आपको बताया इतना ही ध्यान रखना मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या क्या लाइबिलिटीज में नहीं आता है तो लाइबिलिटीज में आपको क्या क्या नहीं लेना है तो लाइबिलिटीज आप बुक वैल्यू पे लेंगे बट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज नहीं लेंगे सबसे पहले पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेंगे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल कोई लाइबिलिटी नहीं है आप इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं लेंगे यहां पे दूसरी चीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेंगे क्या आंसर इज यस देखो यहां पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको अलग करना है इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं लेना तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल को लेना है आंसर इज यस आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेना है दूसरी चीज अगर डिविडेंट है प्रिफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर पे सच डिविडेंट है डेट ऑफ ट्रांसफर एट द एजीएम ऑफ द कंपनी अगर डिविडेंट वो लाइबिलिटी साइड में बता रखा है तो वह डिविडेंट आपकी लाइबिलिटी नहीं है लेकिन अगर वो डिविडेंट एजीएम में डिक्लेयर हो चुका है तो वह लाइबिलिटी है यहां पर क्या बोला है? समझना डिविडेंट ऑन प्रिफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है वेयर सच हैज नॉट बिन डिक्लेयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर एट द एजीएम मतलब मैं जिस दिन ट्रांसफर कर रहा हूं उस दिन की जो बैलेंस शीट में बना रहा हूं अगर वो डिविडेंट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है तो तो वो लाइबिलिटी में आएगा बट अगर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ है डिविडेंड सिर्फ मैंने बताया है लाइबिलिटी साइड में तो उस केस में वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है तो उसको लाइबिलिटी में लेना है और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो उसको लाइबिलिटी में आपको नहीं लेना है उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आप रिजर्वेंट सरप्लस को नहीं लेंगे बाय वॉट एवर नेम कॉल किसी भी नाम से जाने जाए इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव नेगेटिव होगा तो आपका रिजर्वेंट सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस किधर आएगा असेट साइड में आएगा उसको भी आपको नहीं लेना है अदर देन दो सेट अपार्ट फॉर टूवर्ड्स डेप्रिशिएशन अगर डेप्रिशिएशन रिजर्व है तो वो आपको लेना है डेप्रीशिएशन रिजर्व है वो रिजर्व आपको लेना है अगर जो रिजर्व है 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 ना वो आपको लेना लेना देखो यहां पे क्या 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 लिखा कि साइड में नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल को मत लीजिए अगर एजीएम के सामने डिक्लेयर नहीं किया है वो वाला डिविडेंट है प्रपोज तो डिविडेंट वो आप मत लीजिए डिक्लेयर कर दिया करके ठीक है तो वो लेना है आपको वो लाइबिलिटी है उसके बाद में बोला कि रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेना है लेकिन आप एक रिजर्व को लेंगे दैट इज द डेप्रिशिएशन रिजर्व है उसको आप लेंगे लाइबिलिटीज में उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्सेस को नहीं लेना यहां पे आप इतना ही पढ़िए प्रोविजन फॉर टैक्सेस को नहीं लेना लेकिन अगर कोई एक्चुअली टैक्स लाइबिलिटी है एक्चुअली टैक्स है क्योंकि आपका एडवांस टैक्स कम भरा हुआ और है तो वो लाइबिलिटी में आएगा अदरवाइज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को आपको लाइबिलिटीज में से हटाना है उसको आपको कंसिडर नहीं करना या आगे वही बोले कि भैया आपका जो इनकम टैक्स रिफंड को एडजस्ट करने के बाद वगैरह अगर कोई भी टैक्स पेबल आता है तो वो टैक्स पेबल को आपको लेना है मैं से इस पॉइंट को और ज्यादा क्लियर करूंगा नेक्स्ट पार्ट प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटीज है वो आपको नहीं लेनी अनसर्टेन लाइबिलिटी एज वेल एज द दंटीजेंट लाइबिलिटी को भी आपको नहीं लेना है लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटी को नहीं लेना है, बट एक चीज को लेना है क्या

इक्विटी शेयर नहीं लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेंगे शेयर कैपिटल लेंगे लाइबिलिटीज़ में दूसरी चीज़, आप दूसरी चीज कि आप डिविडेंट अगर वो डिक्लेयर नहीं किया एजीएम में तो वो आप नहीं लेंगे उसके बाद में रिजर्वेंट सरप्लस किसी भी नाम से जाना जाए आपको नहीं लेना बट लाइबिलिटीज में डेप्रिशिएशन रिजर्व को लेना है उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को आपको नहीं लेना बट अगर कोई actual tax liability है, तो उसको आप liability मानेंगे। उसके बाद में एक्चुअलिटी को नहीं लेना है liability को नहीं लेना, है, बट कंटीजेंट लाइबिलिटी में अगर मान लो तुम्हारा एरियर्स ऑफ डिविडेंट है जो कम्युनिटिव शेयर पे है, तो उसको आपको लेना है करके चलिए अब एक काम करिए अब एक काम करिए सीधा आ जाइए इस क्वेश्चन पे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनाया मैंने कि बीबी प्राइवेट लिमिटेड के बीस हजार इक्विटी शेयर है वो हमने केतन को गिफ्ट किए मैंने मैंने मेरे पास शेयर थे मैंने केतन को गिफ्ट कर दिए यहां पे बैलेंस शीट दे रखी है बीबी प्राइवेट लिमिटेड इस बैलेंस शीट को देख के आप सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या असैट को कौन सी वैल्यू पे लेंगे कौन सी असेट को कौन सी वैल्यू पे लेंगे देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हम असेट की बात करते हैं असेट में एक का मतलब होता है असैट बट वो दस ग्यारह को छोड़ के बाकी का बुक वैल्यू लीजिए तो मैं क्या कौन कौन सी असट को लूंगा देखो प्लॉट ऑफ लैंड वो दस असेट में आता है बुलियन आता है ज्वेलरी आता आता है पेंटिंग आता है पेंटिंग लिस्टेड शेयर तो डेटर्स डेटर्स में बुक वैल्यू पे लूंगा तो मैं किस पे लूंगा पंद्रह पे लूंगा पंद्रह पे डेटर लूंगा करंट असेट में लूंगा सत्ताइस पे करंट असेट में लूंगा सत्ताईस पे उसके बाद में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स आपको नहीं लेना है अभी आप छोड़ दीजिए टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको आप लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी नहीं लेना है क्योंकि एक बात बताइए ये बैंक इधर आना चाहिए था बैंक बैलेंस करके ठीक है अब एक बात समझना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको नहीं लेना है क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस का आपका लाइक क्या बोलते हैं डेबिट बैलेंस है तो ये आपको नहीं लेना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं लेंगे उसके बाद बैंक बैलेंस है उसको आप लेंगे आंसर इज यस जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू पर ले लेंगे अब एक बात समझिए प्लॉट ऑफ लैंड को आप तीस हजार तीस जो है वो आपके जितने भी अमाउंट है वो आप मान लो लेक्स में है स, जब जितने भी अमाउंट है वो लेक्स में अब एक चीज समझना यहां पे जो आपका प्लॉट ऑफ लैंड है करके ठीक है प्लॉट ऑफ लैंड का एस डीबी चालीस है और यहां तीस दे रखा है मुझे एक बात बताइए ये, ये ये आप यहां पे क्या लोगे एस डी बी लोगे तो इमोवेबल प्रॉपर्टी का एस डी बी तो आप ये चालीस ले लीजिए बुलियन का आप एफ एम भी लेंगे दैट इज द बारह ज्वेलरी का आप एफएमवी लेंगे दैट इज द ड्राइंग पेंटिंग्स का आप एफएमवी लेंगे दैट इज द पंद्रह एंड लिस्टेड शेयर का आप एफएमवी ले लेंगे दैट इज द तो ये तुम्हारी ले की वैल्यू आ गई अब अपन लाइबिलिटी साइड में जाते हैं तो लाइबिलिटी साइड में आप देखते हैं कि लाइबिलिटी साइड में आपका पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल दस है इसको आपको नहीं लेना इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं लेंगे शेयर कैपिटल को लेंगे आंसर इज यस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो रिजर्व किसी भी नाम से जाना जाए देखो रिजर्व है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या सिंकिंग फंड रिजर्व है या जनरल रिजर्व है रिजर्व को नहीं लेंगे रिजर्व आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है लेकिन रिजर्व को छोड़ गए रिजर्व हम किस लिए बनाते हैं जिससे कि आगे जाके असेट को रिप्लेस कर सके ऐसा अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि भाई रिजर्व वो इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आगे जाके हमको असेट को रिप्लेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर में जाके इसलिए वो रिजर्व बनाते हैं डेप्रीशियन रिजर्व तो डेप्रिशिए रिजर्व को आप लेंगे लाइबिलिटीज में तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसको आप नहीं लेंगे डेप्रीशिएशन रिजर्व को आप लेंगे जनरल रिजर्व जो है वो आपको यहां पे जनरल रिजर्व है वो जनरल रिजर्व को आपको नहीं लेना है सिंकिंग फंड रिजर्व को आपको नहीं लेना लोन फ्रॉम बैंक को आप बुक वैल्यू पे लेंगे अनसिक्योर लाइबिलिटी है अनसिक्योर्ड लोन है इसको आप लेंगे लाइबिलिटी में बुक वैल्यू पे अब एक बात बताओ मैं जिन जिन लोगों को यह एडवांस टैक्स और प्रोविजन वाले में कंफ्यूज आता है बाय टॉपिक से उनको मैं एक बार क्लियर कर दू देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स पहले मैं बोलूंगा नहीं लेना है लेना ही नहीं है देखिए आप इधर से क्या करेंगे आप इधर से एडवांस टैक्स टीडीएस को छोड़ देंगे और इधर से आप प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ देंगे लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पे दे रखा है एक्सेस प्रोविजन बाय टू लैख मुझे एक बात बताइए जब इन्होंने दे रखा है एक्सेस प्रोविजन बाय टू लैख तो मैं बताऊं आपने प्रोविजनिंग आर्ट की एक्चुअल टैक्स छ ही होगा क्या मैं ऐसा बोल दूर अगर आपने यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स आर्ट बनाया है और यहां मैंने बोला इट इज एक्सेस प्रोविजन बाय टू लैख आपने दो लाख ज्यादा प्रोविजन बनाया तो मैं यह बोल दूं कि आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है वो तो छह की रहेगी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी छह की रहेगी मैं सही बोल रहा हूं कि आपकी जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है वो छह की रहेगी क्योंकि आपने प्रोविजनिंग आर्ट का किया और यहां लिखा हुआ है कि आपने एक्सेस प्रोविजन बनाया दो लाख से अब ये फाइनल हो गया और आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी छह का है तो एक बात बताओ आपने टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स सात भरा है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है वो आपने साथ भरा है, तो मुझे एक बात बताओ, एक का अगर मान लो यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा होता यहां कुछ भी नहीं दे रखा होता यहां कुछ भी नहीं दे रखा होता दो लाख नहीं दे रखा होता और बोले प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपका आठ है और ये फाइनल है ठीक है प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो फाइनल है आठ लाख और आपने टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स सात भरा है और यहां प्रोविजन फॉर टैक्स है आठ है तो आप इधर से सात को नहीं लेते इधर से आठ को नहीं लेते बट एक लाख आप लाइबिलिटी में लेते एक लाख आप लाइबिलिटी में लेते क्योंकि एक लाख की लाइबिलिटी आएगी प्रोविजनिंग आपने आठ का की थी आठ की किया मतलब टैक्स लाइबिलिटी आपकी आठ की आने वाली है और आठ का, का आपका टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है आठ का जो है वो आपका टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है तो आठ का टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है तो सीधी सी बात है एक लाख का आपका लाइबिलिटी है तो एक लाख आप लाइबिलिटी में लेते

इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है वो आपके बैलेंस शीट में आता है क्या आई डोंट नो अबाउट दैट अगर आपको पता है तो आप मुझे पृथ्युष आप सौरसिया जो भी है आप बताइए मुझे आप बार बार वही पॉइंट पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड का क्या होगा इस आईटी रिफंड का इंटरेस्ट आपने बैलेंस शीट में देखा किसी की मेरे को ज्यादा नहीं पता नहीं आप अकाउंट्स करते हैं आप एफ का एग्जाम देने वाले हैं आई से अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि इज दैट इज कवर्ड इन योर बैलेंस शीट मतलब मेरे तो नहीं सुना था आज पहली बार सुन रहा हूं कि इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट बैलेंस शीट में आता है चलिए आगे देखते हैं हा टीडीएस टीसीएस अगर चार लाख होता अगर चार लाख होता तो एक बात बता इधर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यहां मैं चलो इसने जो एग्जाम्पल बोला वो लेते हैं सब सेम है यहां टीडीएस लो सात लाख की जगह चार लाख होता तो सात लाख की जगह चार लाख होता

भाई दो लाख की मैं लाइबिलिटी आ जाती करके ठीक है दो लाख की लाइबिलिटी आती क्या फर्क पड़ता है दो लाख की लाइबिलिटी आती चलिए तो कुल मिला के यहां पर इस पॉइंट में हमको यह समझ में आया कि इधर से सेवन को उड़ाओ इधर से आठ को उड़ाओ और एक लाख का आपको इनकम टैक्स रिफंड है वो आपको लेना है करके ठीक है चलिए करंट लाइबिलिटी आप बुक वैल्यू पे लेंगे आंसर इज यस अब एक बात समझनी है डिविडेंड पेबल है बट डिविडेंड पेबल देखना है अगर वो डिक्लेयर हुआ है एजीएम में ट्रांसफर की डेट से तो लेना है नहीं तो नहीं लेना अब एक बात बताओ यहां डिक्लेयर हो चुका है 12 फरवरी को 2022 को 12 फरवरी को डिक्लेयर हो चुका है एजीएम में एजीएम में डिक्लेयर हो चुका है और अब ये बैलेंस शीट कौन सी फरवरी को बना रहे हैं फोर्टीन फरवरी को तो मैं बोलूँ फोर्टीन फरवरी को यह डिक्लेयर ऑलरेडी एजीएम में हो चुका है तो यह आपकी लाइबिलिटी में आएगा आंसर इज यस ये आपकी लाइबिलिटी में आएगा ये आपकी लाइब्रिलिटी में आएगा अब आप एक काम करिए यहां पे इसकी वैल्यू दे रखिए और वैल्यू के बेसिस पे देखिए उस शेयर की वैल्यू अठारह लाख साठ हजार है वो निकाल ली गई है आप इसको एक बार देख लीजिए और देखने के बाद में आप हाँ, अब क्वेश्चन है ये पूछा कि सर एक बात बताओ इस रूल में आप जो बोल रहे हो ए बी में बी में तो सिर्फ ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क लिखा हुआ है इसमें बुलियन क्यों ले रहे हो देखो ज्वेलरी में फिर आप यहां पे ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं लोगे कि ज्वेलरी में बुलियन नहीं आएगा यहां पे मुझे वैल्यूशन पर्पस के लिए ज्वेलरी और बुलियन को एज अ पार ट्रीट करना पड़ेगा अंकन मुझे एज अ पार ट्रीट करना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे एज अ पार जो है वो ट्रीट करना पड़ेगा बुलियन को तो बुलियन इज लाइक अ ज्वेलरी ओनली एज अ पार मुझे इसको ट्रीट करना पड़ेगा इन ज्वेलरी करके ठीक है इसमें आप वैल्यू कर रहे थे सेक्शन फिफ्टी सिक्स टेन एंड सेक्शन फिफ्टी सी ए दो के लिए आप वैल्यू कर रहे थे एंड के लिए 56, 210 क्या होता है जिसमें आपको शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड ऑल सब वो गिफ्ट में मिलता है तो गिफ्ट में मिलता है तो क्या होगा वो और फिफ्टी सी ए क्या होता है किसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर है वो आप किसी को बेच देते हो और वो एफ एम बी से कम पे बेचते दैट इज फिफ्टी सी ए एक बात आपको पता है हमने एक सेक्शन और पढ़ी थी दैट इज फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी करके और वो टू सेवन बी वाली जो सेक्शन थी ना दैट इज वॉज एंजल टैक्स दैट इज ए स्टार्टअप वाला और मैंने आपको इस सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी में ये बताया था कि जब भी कोई एंजल टैक्स एंजल टैक्स क्या होता है कोई स्टार्टअप कंपनी है और वो स्टार्टअप कंपनी क्या करती है अपने शेयर इशू करती थी किस पे प्रीमियम पे पता है शेयर इशू करती थी प्रीमियम पे और उस केस में अगर इशू प्राइस माइनस जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है वो उस कंपनी के हाथ में आई में टैक्स लग जाता था याद आया वो थोड़ा बहुत कैसा कुछ पड़ा था एंजल टैक्स वाला

सर इसकी एफ कैसे निकालेंगे मीन उस एंजल टैक्स वाले स्टार्टअप की एफ स्टार्टअप की आप कैसे निकालोगे तो वो स्टार्टअप की FMV भी आपको सेम ऐसे का ऐसे का निकालना जैसा मैंने अभी बताया इसमें सेम आप एक काम करिए उस स्टार्टअप कंपनी का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल मल्टीप्लाई बाई पीवी डिवाइड बाई पीई कर दीजिए और उससे उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगी लेकिन इसमें आपको एक चीज का चेंज है क्या चेंज है पता है इन्होंने बोला चेंज ये है कि जो बी सी और डी में हम जो है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे थे ना उसकी जगह आपको बुक वैल्यू लेना है मिस कुल मिला के वहां तो सब जगह बुक वैल्यू हो गया फिर क्योंकि बेटा बीसीडी में कौन कौन से पॉइंट थे ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क है ये है डी इमूवेबल प्रॉपर्टी है यहां बीसीडी में हम क्या ले रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ये बोल रहे इसकी जगह भी आप बुक वैल्यू लो इसकी जगह भी आप बुक वैल्यू लो तो उस केस में तो फिर क्या हो जाएगा बड़ी सिंपल सी बात है कि स्टार्टअप कंपनी के लिए आप बुक वैल्यू से वैल्यू निकालोगे जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू बेस आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लोगे ऐसा यहां पर लिखा हुआ है तो देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर द परपज ऑफ सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी द एंजल टैक्स अबोव बी सी डी शेल बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू एंड नॉट द मार्केट वैल्यू इतना फर्क है कि उसके लिए जो एफ एम बी निकालोगे उसमें आपको बुक वैल्यू लेना है उसमें मार्केट वैल्यू नहीं लेना एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी जो तुम्हारा क्या बोलते हैं फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी एंजल टैक्स वाला असेसी कैन कंसिडर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर डिटरमाइन बाय द मर्चेंट बैंकर यहां पे आप मर्चेंट बैंकर से भी एफ निकलवा सकते हो एज पर द डिस्काउंटेड फ्री, फ्री कैश फ्लो मैथड वो डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मैथड क्या होता है आपके अकाउंट में कहीं पे आया होगा डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मैथड के बेसिस पे उसकी एफ है वो शेयर की निकाल के देता है करके ठीक है तो आप या तो ये एफ निकालिए या फिर आप एक काम करिए कि आप एक काम करिए सीधा मर्चेंट बैंकर के पास जाइए और मर्चेंट बैंकर आपको डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू वो शेयर की निकाल के दे देगा चलिए अब एक बात बताइए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और मैंने जो आपको ये इतना सारा पढ़ाया ना ये मैं नहीं पढ़ाता था था वैल्यूएशन रूल्स में नहीं लेता था क्यों नहीं लेता था क्योंकि आईसीआई ने अभी मॉड्यूल में दे नहीं रखे थे उन्होंने बोला था ज्यादा ज्ञान चाहिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए लेकिन ये जो पढ़ाया उसका मेन रीजन मेरे को यह स्लम सेल वाली जो है ना स्लम सेल वाली अमेंडमेंट है उसके लिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि स्लम सेल के लिए देखो लास्ट ईयर तक स्लम सेल में क्या होता था आप लोगों ने भी अपने इंटरमीडिएट में यही पढ़ा था लास्ट ईयर तक आपने अपने इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा था जब भी पढ़ा था, था कि जितना कंसिडरेशन आता है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बट अभी आपने जो स्लम सेल के दो क्वेश्चन किए उसमें यह बोला हुआ है कि एफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा जो अंडरटेकिंग आपकी बिक रही है उसका फेयर मार्क जो आपकी असे जो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी तो सर ये फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे अब उसके लिए रूल दे रखा है दैट रूल नंबर 11 यू ए पढ़ाना पड़ेगा पढ़ा, इस रूल के लिए क्योंकि ये रूल क्या बोलता है ये नया रूल है इसी साल 2021 में आया है ये रूल क्या बोलता है समझना डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द सेक्शन 50 बी दैट इज सेल सर स्लम सेल के लिए आप एक बात करी बताइए स्लम सेल के लिए सर एफ कैसे निकालेंगे देखो एग्जामिनर में एग्जाम में, में मेरे को लगता है स्लम सेल का क्वेश्चन आएगा तो वो एफ आपको देखे रखेंगे वो आपको देखे रखेंगे जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए क्वेश्चन नंबर एट आपने किया क्वेश्चन नंबर नाइन आपने किया मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए है और उनमें मैंने एफ दे रखी है मैंने एफ दे रखी है कि ये एफ इतनी रहेगी क्योंकि अभी तक आईसीआई ने पता नहीं ऐसा देंगे ये एफ निकाल के देंगे या एफ हमको निकालनी पड़ेगी देर इज नो क्लैरिटी बिकॉज लेकिन उन्होंने जो इंटरमीडिएट का मॉड्यूल दिया इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में उन्होंने सीधा लिख के दे दिया था कि एफ एम बी एज पर प्रिस्क्राइब रूल है वो इतना है तो वो एफ को आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनाना है अब एक बात समझना बट मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं एफ निकालने का पूछा जाए एफ एम वी निकालो स्लम सेल में आपने ये अंडरटेकिंग बेचा एफ एम वी निकालो तो अपन क्यों रिस्क ले तो मैंने यहां पे एक क्वेश्चन बना के और उस क्वेश्चन बना के वो एफ एम बी निकालना भी बता दिया कि अगर स्लम सेल में कोई अंडरटेकिंग ट्रांसफर होती है तो उसकी एफ एम वी निकालेंगे कैसे इसके लिए मुझे ये रूल्स है वो आपको पढ़ाने पड़ रहे हैं तो एफ एम बी कैसे निकालेंगे वो हम यहां पे सीख रहे हैं क्योंकि स्लम सेल के दो क्वेश्चन आपने किए उसमें एफ एम बी दे रखा था सीधा कि एफ एम बी एज पर रूल नंबर इलेवन यू ए है वो इतना है ठीक है तो वो एफ एम वी निकालते कैसे है वो मैंने अब यहां पे सिखाया है आपको देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन फिफ्टी बी सब सेक्शन टू क्लॉज नंबर टू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एफ एम वी ऑफ कैपिटल असेट शेल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग मीन आप एफ एम वी कैसे निकालोगे तो एफ एम वी निकालने के लिए आपको दो चीजें लेनी है एफ एम वी वन और एफ एम वी टू और इन दोनों में से हायर लेना है एफ एम वी डिटरमाइन अंडर रूल नंबर इलेवन यू ए सब रूल टू और यू सब रूल थ्री आप छोड़ो ये सब रूल टू एंड छोड़ो आपको दो एफ एम निकालनी है एक तो एफ एम वन और एक एफ एम टू और इन दोनों में से हायर वाला लेना है इन दोनों में से आपको हायर वाला लेना है तो देखो अब आज की डेट में अगर आपने तनिष्क बेचा फॉर एग्जाम्पल आपने तनिष्क बेचा तो तनिश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या कोई अंडरटेकिंग आपने बेचा फॉर एन एक्साम्पल मान लो हमने बीबी वर्चो प्राइवेट लिमिटेड का पूरा बिजनेस किसी को बेच दिया तो स्लम सेल लगेगा तो स्लम सेल में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे भाई कॉस्ट वगैरह तो नेटवर्थ वगैरह लेंगे वो अपन पढ़ चुके बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के ये, ये लोग बोलते हैं आप दो एफ निकालनी पड़ेगी वन इज द एफ एम वी वन एंड वन इज द एफ एम वी टू और इन दोनों में से जो हायर है वो आपको लेना पड़ेगा वो आपकी एफ एम वी होगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी अब आप बोलोगे एफ एम वी वन क्या है एफ एम वी वन इज बेसिकली जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो ना उसका इंटरेंसिक वैल्यू यू कैन से दैट वन वर्ड में बोलू तो जो अंडरटेकिंग जो सेगमेंट आप बेच रहे हो जो बिजनेस आप बेच रहे हो उसकी इंटरेंसिक वैल्यू क्या है वो वाली वैल्यू आप निकाल दो

तो इन्होंने इस साल से बड़ा दिमाग लगाया इन्होंने बोला कि हमें काम करते हैं तो उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफ एम लेंगे आपका जो बिजनेस बेच रहे उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू किसकी है उतनी उसकी औकात कितनी है वो औकात ले लो पहले और दूसरा आपको मिल कितना रहा है उसकी औकात कितनी है उन दोनों में से जो हायर वाला रहेगा वो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले मैं एफ एम वी वन बताऊंगा एफ एम वी वन क्या तो एफ एम वी वन में आपको क्या करना है एफ एम वी वन में फॉलोइंग फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल यह वैसा ही जैसा मैंने यू, यू में बताया था कि ए का मतलब आप बुक वैल्यू ले लीजिए असेट का ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन शेयर सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के तो आप ए में वो लीजिए बी सी डी और बी सी डी में आप क्या लेंगे वहां पे आप एफ एम बी लेंगे डी में आप एफ एम बी लेंगे करके ठीक है और एल लाइबिलिटीज को आप बुक वैल्यू से लेस कर दीजिए जैसा इलेवन यू में था वैसा का वैसा इन्होंने यार इन्होंनेट कर दिया और इन्होंने लिखा भी कि ए का मतलब बुक वैल्यू बी का मतलब आप एफ एम बी जैसा इलेवन यूए में बोला था सी का मतलब एफ एम बी जैसा इलेवन यूए में बोला था वैसा इसलिए मुझे इलेवन यूए रूल आपको पढ़ाना पड़ा फॉर द पर्पज ऑफ स्लम सेल तो देखिए आप एक काम करिए सबसे पहले ए का मतलब आप बुक वैल्यू ऑफ ऑल ले लीजिए एक्सेप्ट द ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क शेयर सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द अंडरटेकिंग और वे ऑफ स्लम सेल एज रिड्यूस फॉलोइंग अमाउंट ये दो नहीं लेने हैं इनकम टैक्स पेड आफ्टर रिड्यूसिंग इनकम टैक्स रिफंड ये आपको नहीं लेना एडवांस टैक्स आपको नहीं लेना अनोरटाइज अमाउंट ऑफ डेफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपको नहीं लेना है दूसरी चीज बी का मतलब इज एट विच ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट मीन एफ एमवी ले लो कौन से बेसिस पे रूल नंबर इलेवन को जाकर पकड़ो उसके हिसाब से ले लो एफ एमवी ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी इलेवन यूए के हिसाब से ले लो और डी का मतलब एसडी भी ले लो इमोवेबल प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज में आप लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ले लो तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो स्लम सेल में आप अंडरटेकिंग बेच रहे हो ना उसका इंट्रेंसिक वैल्यू निकलवा रहे हैं उसका जो है वो इंट्रेंसिक वैल्यू ये लोग निकलवा रहे हैं करके ठीक है तो देखिए बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ले लीजिए एज अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अंडरटेकिंग और डिविजन ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल बट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग क्या क्या नहीं लेना है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको नहीं लेना है डिविडेंड आपको नहीं लेना है प्रेफरेंस इक्विटी शेयर वाला अगर वो एजीएम में डिक्लेयर कर चुके हैं तो तो फिर वो डिविडेंड आपकी लाइबिलिटी है रिजर्व एंड सरप्लस आपको नहीं लेना है बट डेप्रीशिएशन रिजर्व है वो आपको लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स आपको नहीं लेना है बट एक्टली टैक्स लाइबिलिटी आती है तो वो आपको लेनी है प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी आपको नहीं लेना है liability आपको नहीं लेना है. लेकिन बाकी है, पे 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 है वो आप लेंगे सेम वैसा का वैसा जो एबीसीडी मैंने आपको बताया था वहां पर वो का वो एज इट इज यहां पर कॉपी मार दिया ये तो हो गई कि आप जो अंडरटेकिंग बेच रहे उसकी एफ एम भी निकाल दी दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला एफ एम टू कैसे निकालेंगे तो एफ एम टू में इन्होंने बोला कि FMV2 निकालने के लिए आप ई एफ जी एच लीजिए ई एफ जी एच लीजिए करके ठीक है ई एफ जी एच यस वी कैन से दैट दैटमी वन इज एज पर द रूल नंबर इलेवन यूए ले लो एफ एम वी वन मीन एफ एम वी एज पर रूल नंबर इलेवन यूए में जैसा डिस्कस किया था वो आप ले लो अब एफ एम वी टू कैसे लेना है ई एफ जी एच लेना है एफ जीएस क्या इन्होंने क्या बोला कि भाई स्लम सेल में आपको कंसिडरेशन क्या मिल रहा था जो जो मिल रहा है वो ले लो जोड़ते जाओ जो जो मिल रहा है क्या मिल रहा है नॉर्मली हमको क्या मिलता है जैसे 500 करोड़ में अंडरटेकिंग बेचा तो तो 500 मिलेगा? 500 500 करोड़ 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 मिलेगा मिलेगा वो 500 ले लो तो देखिए क्या लिखा वेयर सबसे पहला ई e का मतलब क्या ई e का मतलब मॉनिटरी और अक्रूंग ऑनर ट्रांसफर मीन आपको पैसा कितना मिल रहा है वो अंडरटेकिंग को बेचने से आपको पैसा कितना मिल रहा है वो ले लीजिए दूसरी चीज FMV of the non monetary consideration received or accruing on the transfer represented by the property. Referred टू एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन इलेवन यूए वन ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स अब एक बात बताओ आपको जैसे मान लो ऐसा हो सकता है ना कि कोई अंडरटेकिंग आपने बेचा कोई बिजनेस बेचा मुझे उन्होंने आगे वाले ने क्या दिया एक तो पाँच सौ करोड़ पैसा दिया रुपया और उन्होंने कुछ शेयर दे दिए कुछ ज्वेलरी दे दी कुछ शेयर दे दिए कुछ ज्वेलरी दे दी तो मैं क्या करूंगा कि भैया जो मनी मिला वो तो मनी का वैल्यू ले लूंगा पांच सौ करोड़ और जो शेयर ज्वेलरी दे दी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा फेयर मार्केट वैल्यू मैं इलेवन यूए के हिसाब से निकालूंगा जो इलेवन यूए में जो रूल्स दे रखे उसके हिसाब एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में ही नहीं रहा है तो उसका इलेवन यूए में तो वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे फिर कैसे निकालेंगे फिर तो उसके लिए फिर आप एक काम करेंगे आप क्या करेंगे यहां पे आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट ले लेंगे तो अगर यहां जी का मतलब क्या है ओपन मार्केट प्राइस ले लो बेस्ड ऑन वैल्यूशन रिपोर्ट ऑप्टेन फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ द नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन रिसीव्ड और अक्रूंग एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दो प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड इन इलेवन यूए मान लो आपको कुछ ऐसी चीज मिल गई जो वहां इलेवन यूए में तो कवर ही नहीं है ऐसी कोई चीज मिल गई जो इलेवन यूए में कवर नहीं है तो उस केस में आप एक काम करिए अगर ऐसी कोई चीज मिल गई जो इलेवन यूए में कवर नहीं है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आप एक काम करिए वैल्यूशन रिपोर्ट ले लीजिए रजिस्टर्ड वैल्यूर का एंड लास्ट में आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली उसका आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए अगर आपको नॉन मॉनेटरी में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली उसका आप ले आप ले लीजिए और और फॉर द ऑफ डिटरमाइनिंग कौन सी डेट को निकालोगे वैल्यूशन डेट को और वैल्यूशन डेट होगा स्लम सेल की डेट जिस दिन को स्लम सेल किया उस दिन की डेट तो अभी यहां पे जो है ना वो स्लम सेल आपका कंप्लीट होता है यहां पे इसके साथ में एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे देखिए मैंने क्या बोला वापस से आपको पढ़ा रहा हूं एक बार देखिए एक बार देखिए एक बार इधर देखिए समझने की कोशिश करिए इधर देखिए मैंने आपको क्या बोला ऑल पीपल पे अटेंशन मैंने आपको बोला ऑल पीपल पे अटेंशन सबसे पहली चीज सर एक बात बताइए स्लम सेल के, के केस में इस बार से आप ये बोल रहे हो लास्ट ईयर तक तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था सेल में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना पैसा मिलता था वो फुल वैल्यू ऑफ बट लोगों ने चिटिंग करनी चालू की पैसे के साथ साथ अदर भी ले लेते थे उसके साथ साथ में कुछ दूसरी चीजें भी लेते थे बहुत बार कम वैल्यू में बेच देते थे बाकी पैसा कैश में ले लेते थे बिजनेस ट्रांसफर कर दिए कैश में पैसा लिया गवर्नमेंट ने बड़ा ध्यान दिया इन पर और इन्होंने इस बार से क्या किया इन सब जो प्लानिंग थी उसको ध्वस्त कर दिया और उन्होंने बोला कि देखिए आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे वो हम बताएंगे और हम आपने कोई बिजनेस बेचा है ना चलो बेचा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे एफ निकालनी पड़ेगी इलेवन यू के हिसाब से और उसमें कैसे निकालेंगे उसमें बोला एफ एम लो एफ एम लो दोनों में से हायर ले लो एफ एम वी वन क्या है तो एफ एम वी वन में भाई जो आप स्लम सेल में बेच रहे हो जो आप स्लम सेल में बेच रहे हो उसका बैलेंस शीट को पकड़ लो स्लम सेल की डेट पे और उसकी बैलेंस शीट को देख के और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल कर दीजिए ए का मतलब बुक वैल्यू ऑफ बी सी डी एंड ई जो बी सी डी जो है करके ठीक है वो आप क्या लोगे फेयर मार्केट वैल्यू वो दस ग्यारह सेट का और लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए पहला तो काम ये करिए दूसरा आप एक काम करिए कि दो में आपको कंसिडरेशन में क्या मिला है कंसिडरेशन में क्या मिला है वो ले लीजिए सर कंसिडरेशन में क्या मिला है मतलब कंसिडरेशन में क्या मिला है तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया आप ले लीजिए ई एफ जी एच आप ले लीजिए ई e एफ जी एच और ये चारों की टोटल कर दीजिए वो आपका एफ एम ई एफ जी एच क्या जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं सबसे पहले हमने मान लो हमारा बिजनेस बेच दिया हमको उन्होंने 400 करोड़ का तो मनी दिया तो सबसे पहला ई e का मतलब करके रोकड़ा मॉनेटरी कितना पैसा मिला तो ई e का मतलब मैं मैं ले लूंगा यहां पे रोकड़ा मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव चार सौ करोड़ मिला दूसरा अरे यार चार सौ करोड़ तो मिला है बट हमको है ना किसी कंपनी का शेयर भी मिला है हमको कुछ गोल्ड बिस्किट भी मिला है कुछ ज्वेलरी भी मिला है सर हमको बाकी असेट भी उन्होंने दिया है सर उन्होंने हमको बाकी असेट भी दिया है तो वो बाकी असेट का क्या होगा सर वो बाकी जो असेट उन्होंने हमको दिया तो उसका एक काम करो आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो जो नॉन मॉनेटरी मौने, कंसिडरेशन मिल रहा है ना उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो बट फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर इलेवन यूए के हिसाब से अगर मान लो शेयर मिला सिक्योरिटी मिला ज्वेलरी मिला ड्रॉइंग मिला पेंटिंग मिला स्कल्पचर मिला लाइक क्या बोलते हैं बुलियन मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इलेवन यूए के हिसाब से निकाल दो बट सर मान लो हमको कुछ ऐसी असेट मिली जो इलेवन यूए में कवर ही नहीं जैसे हमको फर्नीचर मिला एक बात बताओ फर्नीचर मिला तो फर्नीचर तो इलेवन यूए में कवर ही नहीं था इलेवन यूए जब आप देखोगे तो इलेवन यूए में तो क्या क्या दे रखा है शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन उसकी वैल्यू निकालना दे रखा है सर फर्नीचर की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे तो फर्नीचर की वैल्यू के लिए आप एक काम करिए कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लीजिए रजिस्टर्ड वैल्यूर का एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो उसका एक काम करिए स्टेप इमूवेबल प्रॉपर्टी तो स्टेम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए और इसमें क्या हो सकता है जी पॉइंट में करके ठीक है जिसकी वैल्यू उधर नहीं दे रखी जैसे कार मिली, तो कार मिली मिली तो देखो मैंने मेरा बिजनेस बेच दिया मुझे कुछ पैसा मिला कुछ शेयर मिले कुछ कार भी मिली तो कार की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे क्योंकि कंसिडरेशन तो है ये तो कंसिडरेशन है तो उसकी कार की हम क्या ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे करके ठीक है चलो अब एक काम करते हैं ये एग्जाम्पल करते हैं ये एग्जाम्पल मैंने बनाया है और इस एग्जाम्पल से आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएगी स्लम सेल की जो हमने कंपाइलर में चार क्वेश्चन दिए हैं उन चारों में एफ एम बी निकाल के दे रखा है सीधा आपको दे रखा होगा एफ एम बी इतना है तो उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना रहे थे अब हम इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में हम उसकी एफ एम बी निकालेंगे किसी ने बोला इसमें जी में क्या आ सकता है क्रिप्टो करेंसी आ सकता है यस yes, आ सकता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जो है वो निकालना कहीं बताया हुआ नहीं है इलेवन यूए में तो यहां पर आपको क्रिप्टो करेंसी मिल गया आपने बिजनेस बेचा उसके बदले में आपको मिल गए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा रजिस्टर्ड वैल्यू का रिपोर्ट लेना पड़ेगा यस यस हो हो सकता है, हो सकता है, है, कृष्णा क्यों नहीं हो सकता यस। चलिए, अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए एक बार बड़ा ढंग से पढ़ना क्योंकि इस क्वेश्चन में सब चीजें हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना नेटवर्थ निकालना कैपिटल गेन निकालना सब चीजें मैंने एक ही क्वेश्चन में दे दी क्योंकि अगर एग्जामिनर इस हद तक चला जाए वो आपसे ये भी पूछ ले कि एफ भी निकाल दो तो अब आप निकाल सकते हैं करके डेटर्स हो सकता है यस हो सकता है बट डेटर क्यों था? हाँ डेटर हो सकता है हो सकता है हो सकता है चलिए नमन इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से हरी प्राइवेट लिमिटेड हैड सोल्ड ऑल इट्स असेट एंड लाइबिलिटीज इन अ स्लम सेल ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस टू द जय प्राइवेट लिमिटेड तो हरी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी जितनी भी असेट थी मिस पूरा बिजनेस ही बेच दिया किसको Private Limited को जय प्राइवेट लिमिटेड को फॉर अ लमसम कंसिडरेशन लमसम कंसिडरेशन में बेचा है हरी प्राइवेट लिमिटेड रिसिव फाइव हंड्रेड लैक्स ऑफ अ मोनिटरी कंसिडरेशन एंड हाउस प्रॉपर्टी वर्थ रूपीज वन फिफ्टी लैख

लैंड दे रखा है जिसको रीवैल्यूड फिगर पे दे रखा है 1200 करंट असेट में संड्री डेटर्स दे रखा है 280 कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है 2 लाख लोन एंड एडवांसेस दे रखा है 150 क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 250 ठीक है उसके बाद लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल 1627 सिक्सटीन लोन 25 बैंक लोन 500 एंड बैंक क्रेडिटर्स दे रखा है आपको 80 का और टोटल है वो 2235 2232 है ये आपकी टोटल दे रखी है बैलेंस शीट की पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कुछ दे रखी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड इन मार्च 2005 वाज 100 लाख और एस इसका जो है वो चार लाख है तो यहां है ना ये वाला ये करके ठीक है ये जो revalued figure की बात कर रहे हैं इसका जो कॉस्ट है वो हंड्रेड था और एसडीवी जो है वो इसका 400 है मीन जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन SDV इसका क्या है 400 है इस लैंड की बात कर रहे हैं जिसको आपने बुक में जो बताया है वो 1200 पे बताया है चलिए दूसरा डब्लू डीवी एंड मशीनरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट है वो 200 लाख है, यहाँ पे 250 दे है आपका के से 200 लाख है, है क्योंकि ये में स्टार्ट हुआ था नहीं 45 में आपने ये खरीदा था ठीक है तो अल्टीमेटली उससे पहले से चल रहा होगा तो लॉन्ग टर्म ही होगा इसमें लॉन्ग टर्म ही होगा यस लॉन्ग टर्म होगा अब एक चीज समझना और इस साल का इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है तीन सौ आपसे पूछा कंप्यूट कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल फॉर द एंड टैक्स ऑन सच गेन आपको पहले कैपिटल गेन निकालना है और फिर उस पर टैक्स निकालना है तो हम है। सिक्वेंसिंग वाइज चलते हैं सिक्वेंसिंग वाइज में सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि भाई आप ये समझो कि आपको मैंने एक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफ दे दिया अब वो एफ निकालते कैसे है

कर चुके थे उस पे जाते हैं सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप नेटवर्क निकालो तो चलो हम नेटवर्क निकालने जाते हैं तो जब हम नेटवर्क निकालने जाते हैं तो आपने नेटवर्क कैसे निकाला था कैल्सी पे आप करो नेटवर्क कैसे निकालोगे तो नेटवर्क निकालने के लिए सबसे पहले आप डेप्रिसिएबल एसेट का डब्ल्यूडीवी लोगे और अदर एसेट का बुक वैल्यू लोगे डेप्रीशियबलट का आप डब्ल्यूडीवी लोग दो सौ पचास जो दे रखी है वो दो सौ पचास तो तुम्हारे बुक वैल्यू हमको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डब्ल्यू डीवी लेनी है तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इसका है, देखो, वो यहां पे दे रखा है दो सौ लाख तो आप कैल्कुलेटर में लीजिए दो सौ लाख अपन नेटवर्क निकाल रहे हैं, हैं, ठीक है कॉस्ट निकाल रहे तो दो सौ मैंने लिया उसके बाद में सर लैंड तो तो खरीदा कितने तो हटा दूंगा भाई जो रीवैल्यूड फिगर है इसको तो मैं हटा दूंगा क्यों मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि मुझे तो भैया ओरिजिनल यहां तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है दो सौ प्लस मैं क्या करूंगा 100 करूंगा 200 प्लस 100 मीस इसको मैं 1200 पे ना लेके मैं 100 पे लूंगा जो मेरी कॉस्ट एक्चुअल थी उससे मैं लूंगा रीवैल्यूशन को मुझे हटाना है लैंड के केस में वगैरह के एसडीवी नहीं लेंगे कहां एसडीवी ले लेंगे कहीं भी कुछ भी रहे हो नेटवर्थ कैलकुलेशन में मैंने एसडीबी बोला था क्या हर्ष नेटवर्थ कैलकुलेशन में मैंने एसडीवी बोला था क्या मैंने क्या बोला था नेटवर्थ कैलकुलेशन में आपको बुक वैल्यू लेनी है नेटवर्थ कैलकुलेशन में मैंने बोला था आपको बुक वैल्यू लेनी है ऑल असेट की करके ठीक है सिर्फ डब्ल्यू डी एस पर इनकम टैक्स एक्ट बाकी सबकी बुक वैल्यू लेनी है कहा मैंने एसडीवी बोला था लेने के लिए पागल बच्चे हाँ मैंने कहा बोला था एसडीवी लेने के लिए नेटवर्थ कैलकुलेशन में हा हा बट नहीं लेनी है नेटवर्थ कैलकुलेशन में एसडीवी गलती करोगे फिर आप देखिए सौ लेना है बुक वैल्यू ठीक है पागल बच्चा ये मतलब ये व्हाट्सएप हर्ष है ना व्हाट्सएप पे बैठा रहता है ठीक है हाँ कोई भी लड़की मैसेज करती है उसका रिप्लाई करता है बस इधर देखिए आप हाँ तो देखिए तो आप यहां पे दो सौ ले रहे हैं और यहां पे आप सौ ले रहे हैं यहां पे दो ले रहे हैं और ये सौ ले रहे है। उसके बाद में आप एक बात बताओ बाकी असेंट की भी आप बुक वैल्यू लेंगे तो बुक वैल्यू क्या क्या इसका 380 है इसका थ्री एटी है वही लेंगे इसका टू है वही लेंगे इसका वन है वही लेंगे और तीन तो सौ तो प्लस सेवन एटी टू ले लिया दैट इज वन गया अब एक बात बताओ मेरे को इसमें से लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेस कर दी है तो लाइबिलिटीज कौन कौन सी है ये तो अनसिक्योर्ड लोन है इसको मैं लेस कर दूंगा बैंक बोरोइंग है ये लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेस कर दूंगा संड्री क्रेडिट ये मैं लेस कर दूंगा तो माइनस आप करोगे ट्वेंटी फाइव माइनस आप करोगे फाइव हंड्रेड और माइनस आप करोगे एटी तो आपके पास में आ गया टोटल फोर सेवन सो फोर सेवन है ये फोर सेवन आपका क्या है नेटवर्थ है और ये नेटवर्थ जो है वो नेटवर्थ आपका यहां पे पुट कर दोगे नेटवर्थ ये देखिए नेटवर्थ यहां मैंने 477 को पुट किया तो 173 लाख थ्री लेके ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकाला है अभी मैं बता दूंगा रुक जाइए वन सेवेंटी थ्री आया अब एक बात बताइए मुझे इस पर टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म क्योंकि ये आपका तीन साल से पहले चालू किया था तो लॉन्ग टर्म पे टैक्स आएगा तो बीस परसेंट आप इस पर टैक्स लगा दीजिए बीस परसेंट आपने टैक्स लगा दिया यहाँ पे अब एक बात बताओ सरचार्ज लगेगा क्योंकि एक करोड़ से ये ज्यादा है तो जब एक करोड़ से ज्यादा है और डोमेस्टिक कंपनी है क्योंकि कंपनी बेच रही है यहाँ पे हरी प्राइवेट लिमिटेड तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी है तो सात से सरचार्ज लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से फोर से लगेगा ये तुम्हारा आ गया टैक्स लाइबिलिटी अब एक बात बताओ अब अपना क्वेश्चन चालू होता है जो हमने लास्ट के आधा घंटा जिस चीज पे दिया है वो क्वेश्चन अभी चालू होता है करके ठीक है और वो क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये पुट तो किया बट ये एफ एम निकाला कैसे ये 650 कैसे निकाला तो बड़ा सिंपल है देखो 650 निकालने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा इलेवन यू ए और वो इलेवन यू रूल क्या बोलता है आप एफ एम वन निकालिए एफएमवी1 निकालिए उसके बाद एफएमवी2 निकालिए और इन दोनों में से हायर वाला ले लीजिए एफएमवी1 कैसे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस आप करेंगे एल और यहां पे आप क्या करेंगे लाइक यहां पे जो 2 वाला जो है उस 2 वाले में आपको जो लेना है दैट इज द आपका क्या जीएचआई बोला है हाँ, दैट इज द ई एफ जी एच करके और 2 वाले में लेंगे आप प्लस एफ प्लस जी प्लस एच ई आप ले लेंगे अब अपन चलो वो एफ एम वी वन निकालते हैं पहले एफ एम वी वन क्या बोलता है, कि जो आपने बेची है इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है इसकी आज की औकात क्या है वो आपको लेनी है तो औकात में क्या है देखो वो दस ग्यारह असेट को छोड़ दो बाकी की बुक वैल्यू ले लो दस ग्यारह असेट मतलब इलेवन यू के हिसाब से निकालोगे यहां पे अब दस ग्यारह असेट को छोड़ दीजिए दस ग्यारह अट किस किस को छोड़ोगे शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर स्कोलॉजिकल कलेक्शन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको आप छोड़ दीजिए तो मैं बताऊं प्लांटेड मशीनरी की फिर मैं क्या लूंगा बुक वैल्यू लूंगा ये वाली 250 लूंगा हाँ भाई प्लांटेड मशीनरी जो है, फिर में बुक वैल्यू लूंगा और बुक को वैल्यू के लिए मैं ले लूंगा तो यहां पर दो में एक तो लूंगा दूसरा लैंड को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका एसडीवी लेंगे इसकी बुक वैल्यू कैश बैलेंस बुक वैल्यू लोन एंड बुक वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक बुक वैल्यू अब एक बात समझिए िटीज में मुझे बुक वैल्यू पे लेना है बट इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा अनसिक्योर्ड लोन पे बुक वैल्यू बैंक बोरोइंग बुक वैल्यू क्रेटर बुक वैल्यू अब लैंड का मुझे क्या लेना है फेयर मार्केट वैल्यू लेना है और फेयर मार्केट वैल्यू के लिए उन्होंने ए बी सी डी में बोला हुआ है आप एस डीवी लीजिए तो अब मैंने इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि एसडीवी आपका चार सौ ला के तो मैं एसडीवी चार सौ ले लूंगा

प्लस आप इसके लिए कितना लोगे चार सौ लोगे इसके लिए आप चार सौ लोगे तो ये आ गया 1432 इसमें से ये तीनों लेस कर दीजिए माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव हंड्रेड एंड माइनस एटी तो ये आपका आ गया 820 ट्वेंटी मेड एनी मिस्टेक और वॉट नो 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 ओ ओ ओ वी मेड एनी मिस्टेक नो एक सेकेंड हा वापस से मैं ले रहा हूँ सेवन अच्छा सेवन एटी टू नहीं टू फिफ्टी था हाँ तो सेवन एटी टू जो आपका है वो एज इट इज़ लेंगे सेवन एटी टू यस सेवन टू आपने ले लिया उसके बाद इसका आप चार सौ लोगे सेवन एटी टू और इसका आपने जो लिया वो चार सौ लिया हाँ और उसका ये चार सौ किसका लिया लैंड का लिया हाँ और टू फिफ्टी आप इसका ले लेंगे ठीक है फिफ्टी आप इसका ले लेंगे लेंगे। लेंगे। अब एक बात समझना, इसमें से मैं लेस क्या करूंगा? Unsecured loan मैं मैं क्या कर उसके उसके बाद 500 मैं लेस करूंगा, उसके बाद में में तो आपका एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन आएगा yes, एटी है वो आपका यहां पे आ जाएगा आंसर में कुछ गड़बड़ हुई ना हाँ देखिए प्लांटेड मशीनरी आपने 250 पे लिया सही है डेटर्स आपने 382 पे टू पे लिया सही है प्लांटेड मशीनरी आपने लिया 250 पे सही है डेटर्स आपने 380 पे लिया सही है ये टू पे ये लिया सही है ये 150 लिया ये 250 अच्छा यहाँ कैलकुलेशन एरर है क्या 250 फिफ्टी प्लस थ्री एटी प्लस टू प्लस वन फिफ्टी प्लस टू सही तो है हम्म सही है ओ ओ ओ ओ ओ ओह हाँ यहाँ गड़बड़ है हाँ गड़बड़ ये सही है वन जीरो थ्री टू लैंड आपने चार सौ पर लिया अनसिक्योर लोन ये भी सही है यहाँ एफ एम वी वन में यहाँ वन जीरो थ्री टू नहीं आना चाहिए था इसकी वजह से यार पूरा आंसर चेंज हो जाएगा और आपके पास बुक है नहीं तो अभी आप चेंज कर नहीं पाओगे ठीक है आपके पास बुक है नहीं अभी आप चेंज नहीं कर पाओगे मैं बाद में आपको करा दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं बाद में आपको करा दूंगा तो यहाँ पे लैंड जो है वो इसमें जोड़नी चाहिए थी ए बी सी डी माइनस एल था ना मैं आपको कल चेंज करा दूंगा जब आपके पास बुक आएगी वन जीरो थ्री टू प्लस फोर हंड्रेड इट्स कम्स टू आपका फोर्टीन थर्टी टू हाँ यहाँ पे फोर्टीन थर्टी टू आना चाहिए और माइनस आप क्या करोगे सिक्स जीरो फाइव तो माइनस सिक्स ज़ीरो फाइव करेंगे तो आप यहाँ पे एट ट्वेंटी सेवन आना चाहिए एट ट्वेंटी सेवन यस हाँ एट ट्वेंटी सेवन आएगा मतलब प्रिंटिंग से पहले अब नहीं हो सकता ऑलरेडी बुक प्रिंट हो चुकी है करके ठीक है ऑलरेडी प्रिंट है बुक है वो प्रिंट हो चुकी है प्रिंटिंग अब नहीं और ये एक्चुअली क्या है जब नया क्वेश्चन कोई ऐड करते हैं ना तो कहीं कितना भी ध्यान रखे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो ही जाती है एट ट्वेंटी सेवन आया अब एक बात समझना ये एट ट्वेंटी सेवन आया और दूसरे वाले का आप क्या करोगे अब एक बात समझना ई एफ जी एच में क्या करोगे आपको जो कंसिड्रेशन मिला वो लेंगे तो कंसिडरेशन जब आपको मिला वो ले लेंगे तो कंसिडरेशन में क्या क्या मिला समझने की कोशिश करना यहां पे आपको कंसिडरेशन में क्या मिला यहां पे आपको consideration में दो चीजें मिली सर क्या क्या consideration में मिला एक तो पांच सौ लाख का आपको मॉनिटरी और 150 का आपको house property मिला तो मैं बताऊं यहां पे आपको जो मिला वो 650 मिला तो 650 जब मिला तो आपको मिला कितना एफ एम क्या आ जाएगी आपकी 650 आ जाएगी तो यहां पे बेटा आपका 650 और 827 हायर जो होगा वो आपका रहेगा 827 तो यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 827 है वो आना चाहिए यहां 827 आना चाहिए और 827 जब आएगा तो ये आपका आंसर चेंज हो जाएगा टेक्स भी चेंज हो जाएगा 827 जब आप लोगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा और अगर इस आंसर को चेंज नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं कौन सा अमाउंट चेंज करेगा आंसर चेंज ना हो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हो सकता अब इसमें कि आंसर को चेंज ना करना हो हुँ, 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 हुँ। कुछ नहीं हो सकता यहां पे मैं आपको आप चेंज करो इस क्वेश्चन को आपके पास बुक तो रहेगा नहीं मैं आपको कल परसों वापस चेंज करा दूंगा जब आपके पास बुक आ जाएगा तब मैं आपको ये चेंज करा दूंगा ठीक है यहां पे आपका 827 आएगा मैं चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे अभी इस नेक्स्ट लॉट में तो चेंज करना ही पड़ेगा 827 आएगा यहां पे 827 आएगा और जब 827 आएगा 827 477 सो इट्स कम्स टू द 350 राइट right? 827 477 इट्स कम्स टू द 350 और 350 आया बिल्डिंग का अमाउंट सौ से कम कर दो नहीं चार सौ से कम नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि क्यों, वो जीरो लेना पड़ेगा फिर चार सौ ही तो है फिर ज़ीरो लेना पड़ेगा चलिए थ्री फिफ्टी और थ्री फिफ्टी का आप बीस परसेंट करेंगे तो ये सत्तर आ जाएगा ये सेवेंटी आएगा और सेवेंटी का सात परसेंट फोर पॉइंट नाइन आएगा ये आपका सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन होगा और इसका चार परसेंट पॉइंट नाइन नाइन सिक्स आएगा और इसमें अपन ऐड कर लेंगे तो सेवेंटी सेवन पॉइंट एट नाइन सिक्स आएगा चलो ये आपका आ जाएगा ये बोलते हैं बैंक बोरिंग को बढ़ा दो अरे बट बैंक बोरिंग को बढ़ाएंगे तो बैलेंस शीट भी तो टैली करवानी है मुझे असेट भी तो कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी अब एक बात समझना तो आप लोग आपके पास बुक रहेगी और आपकी बुक में ऑन द पेज नंबर करेंगे 45 44 है वहां से हम बातें करेंगे इस बार कैपिटल गेन में काफी चेंजेस है पहले इतने चेंजेस नहीं हुआ करते थे इस बार स्लम सेल चेंज है यूलिप आ गया और भी छोटे छोटे, छोटे चेंजेस कितने सारे हैं कैपिटल गेन में तो चलिए हम कैपिटल गेन में कुछ चीज़ें पढ़ना चालू करते हैं और सर कैपिटल गेन में दो सेक्शन है जो पेंडिंग रह गई थी जिसको हम आज पढ़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड जब हमने कैपिटल गेन पढ़ा था तब तक क्लैरिटी नहीं थी कोई सीबीडीटी का गाइडलाइंस नहीं था उसके बाद सीबीडी का एक गाइडलाइंस आया तो वॉल्यूम नंबर वन में उस पार्ट से रिलेटेड जो भी दे रखा है उसको आप इग्नोर करेंगे अगर आपने रेगुलर बैच लिया है तो रेगुलर में एक वॉल्यूम वन था वॉल्यूम वन में उससे रिलेटेड जो भी दे रखा है वो आप इग्नोर करेंगे इग्नोर करेंगे क्योंकि उस टाइम तक क्लेरिफिकेशन नहीं था कैसे होगा क्या होगा उसके बाद वॉल्यूम टू के एंड में कुछ क्लेरिफिकेशन दिए गए और वो क्लेरिफिकेशन को ईजी बनाया गया कॉम्पैक्ट में तो इसको हम कॉम्पैक्ट से पढ़ने वाले हैं तो चलिए हम बात करते हैं हम बात करते हैं कैपिटल गेन में एक बात बताओ शायद आपने भी इंटरमीडिएट में ये दो सेक्शन पढ़ी होगी कौन कौन सी सबसे पहली एक आपने सेक्शन पढ़ी होगी 45 फाइव सब सेक्शन थ्री और एक सेक्शन पढ़ी होगी सेक्शन 45 फाइव सब सेक्शन फोर यह दो सेक्शन आपने अपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी सर कौन कौन सी दोनों सेक्शन है समझने की कोशिश करना सबसे पहले 45 फाइव थ्री की बात करेंगे उसके बाद 45 फाइव फोर की 45 फाइव थ्री ये बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर है वो पार्टनर क्या करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई असेट ट्रांसफर करता है एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म में लेके जाता है या अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म में कोई असेट लेके जाता है पार्टनरशिप फर्म को कोई असेट ट्रांसफर करता है तो उस केस में क्या होता है ये जो पार्टनर होता है ना इस पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगता है इसके हाथ में ट्रांसफर माना जाता है तो देखो अगर कोई पार्टनर है वो पार्टनर क्या करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म में कोई कैपिटल असेट लेके जाता है एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लेके जाता है या अदरवाइज लेके जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो पार्टनर है ना उस पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगता है ये ट्रांसफर माना जाता है अब आपका क्वेश्चन यह आएगा कि सर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जब असेट लेके जाता है एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या अदरवाइज तो आप बोल रहे हो कि पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगता है सर कैपिटल गेन क्यों लगता है पार्टनर partner और पार्टनरशिप फर्म तो एक जैसे ही तो होते हैं लेकिन क्या होता है कि जो पार्टनर का राइट right है उस अट में वो राइट एक्सटिंग राइट है वो पार्टनर 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 के पास में में था जैसे ही partner उसको पार्टनरशिप फर्म लेके गया का राइट right उस से एक्सटिंग हो गया तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये ट्रांसफर माना जाएगा और पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा लेकिन सर जब पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन तो लगा देंगे लेकिन उस केस में सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए लॉ मेकर्स बोलते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा दैट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म इन द बुक्स ऑफ फर्म बुक्स ऑफ ऑफ फर्म फर्म जिस वैल्यू पे उस अट को रिकॉर्ड करती है वो ही पार्टनर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा तो देखिए विशाल हमने क्या पढ़ा एक सेक्शन है फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी फाइव थ्री क्या बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर है पार्टनर क्या करता है असेट को ट्रांसफर करता है किसको पार्टनरशिप फर्म को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन या अदरवाइज तो पार्टनर जो है वो पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगता है और पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन कितना लगता है पता है जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में जितने पर वो असेट रिकॉर्ड की जाती है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा पार्टनर के हाथ में वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा पार्टनर के हाथ में अब एक और चीज समझना एक सेक्शन हुआ करती थी 454 अभी भी है लेकिन 454 अभी रिवैंप वाली है पहले 454 क्या हुआ करती थी 454 ये बोलती थी कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो फर्म क्या करती है कोई पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है मिस उल्टा केस ऊपर क्या था पार्टनर टू फर्म था अब क्या है फर्म पार्टनर को असट ट्रांसफर करती है तो फर्म अगर पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है ना इसको कैपिटल गेन लगेगा और कैपिटल गेन कितना लगता था कि जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हम एफ एम वी ऑफ असेट ले लेते थे जो भी आपका असेट का फेयर मार्केट वैल्यू है में जितने जो असेट ट्रांसफर हो रही है पार्टनर को रिटायरमेंट पे या रेजोल्यूशन के टाइम पे जो पार्टनर को ट्रांसफर हो रही है असेट फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगता था और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर आपको याद रहेगा इंटरमीडिएट में ऐसा था कि एफ ऑफ द असेट है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेते थे लेकिन मार्केट में एक डाउट था और वो डाउट ये था कि सर एक बात बताओ एक पार्टनर है उसका बेचारे का कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट मान लो पार्टनरशिप फर्म की बुक में पचास लाख है वो रिटायर हो गया और रिटायर होता है तो आपको पता रहेगा बहुत बार पार्टनर को हम अब उसके कैपिटल से ज्यादा पैसा देते हैं जो कैपिटल कैपिटल है है निसर्ग उस से ज्यादा पैसा दे देते हैं पार्टनर को ऐसा होता है बहुत बार कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे कैपिटल से ज्यादा पैसा दे दिया जाता है जैसे उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो पचास लाख था और पार्टनर को यहां पे पैसा दे दिया गया वो मान लो अस्सी लाख रुपया दिया गया तो क्वेश्चन यह आता है कि सर ये 80 लाख रुपया दिया गया तो यहां 30 लाख रुपया पार्टनर को ज्यादा दिया गया तो क्या इस पर कोई गेन लगेगा क्या इस पर टैक्स लगेगा क्या पार्टनर के हाथ में या पार्टनरशिप फर्म के हाथ में या इसमें कहीं पे कोई टैक्स लगेगा क्या पहले लॉ में कहीं क्लैरिटी नहीं थी एज वेल एज कुछ जजमेंट ऐसे थे जो जजमेंट बोलते थे कि नहीं जब भी पार्टनर रिटायर होता है और पार्टनर को उसके कैपिटल से ज्यादा पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट थे और हाई कोर्ट्स बोलती थी कि पार्टनर का जो कैपिटल है उस कैपिटल से उसको ज्यादा पैसा मिल गया तो उस केस में उसको कहीं पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है ऐसे हाई कोर्ट के जजमेंट्स थे निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया ये 454 फोर जो सेक्शन थी ना 454 फाइव फोर पहले क्या बोलती थी पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है तो कैपिटल असेट ट्रांसफर करने पे जो कैपिटल गेन है वो किसके हाथ में आता था फर्म के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता था जो असेट दे रहे है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेकिन सर अगर उसको उसकी कैपिटल से ज्यादा कुछ पैसा दिया तो उस पर कोई टैक्स लगता था क्या आंसर इज नो कुछ भी टैक्स नहीं लगता था निर्मला सीतारमण जी ने ये सेक्शन को डिलीट कर दिया और उसकी जगह उन्होंने पूरा रिवेम्प कर दिया लॉ को यहां पे ये सेक्शन जो फोर्टी फाइव थी इसको डिलीट कर दिया कि कैपिटल गेन लगेगा सिर्फ कैपिटल असैंड ट्रांसफर करेंगे तो और उसके जो कैपिटल से ज्यादा पैसा दिया उस पर कुछ भी नहीं लगेगा पहले ऐसा लॉ में था मीन ड्यू टू द हाई कोर्ट जजमेंट एंड ऑल उसको पूरे को हटा दिया अब आज की डेट में लॉ क्या बनाया गया उसमें सबसे पहली चीज तो फोर्टी फाइव तो सेम वैसी की वैसी है जैसे पहले थी इस सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है तो फोर्टी फाइव क्या बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म में एसेट लेके जाता है एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या अदरवाइज तो पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म जितने पे एसेट को रिकॉर्ड करती है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा और ये सेक्शन जो है ना ये पार्टनर फर्म पे नहीं लगती मतलब पार्टनर फर्म पे ही नहीं लगती ये सेक्शन एओपी बी वाई में भी लगती है तो अगर कोई भी मेंबर है वो मेंबर अपनी एओपी बीवाई को असेट ट्रांसफर करता है तो उस केस में मेंबर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा और 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 लिए फुल वैल्यू ऑफ ऑफ़ आ जाएगा अमाउंट रिकॉर्डेड इन द द बुक्स चलिए एक बार अपन को देख लेते हैं हैं उसके उसके बाद बाद हम हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में हम जो चालू करेंगे the, आपका छोटी से तो सी सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बिटवीन फर्म एंड पार्टनर पहला कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय पार्टनर और मेंबर टू द फर्म एओपी बीवाई सो पार्टनर मेंबर क्या करता है फर्म एओपी बीवाई को ट्रांसफर करता है इन दिस केस कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन हैंड्स ऑफ पार्टनर और मेंबर एज एज इट इज ट्रीटेड ट्रांसफर एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा दैट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप और एओपी वाई जितने पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो वो तुम्हारे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा किसके लिए यहां पे पार्टनर के लिए चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन समझने की कोशिश करते हैं ये सब नई चीजें सर जो दिख रही है ग्रीन 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 तो ये ग्रीन ग्रीन क्या है उस ग्रीन ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे मार्केट में इसको लेके इतने इतने सारे सारे कंफ्यूजन है है ना करके ठीक मेरे को भी समझने में दो दिन तो लग गए इसको कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly, ये लोग कहना क्या चाहते हैं ये लोग करवाना क्या चाहते हैं बिकॉज पहले उन्होंने दो सेक्शन ड्राफ्ट की सेक्शन ड्राफ्ट करने के बाद क्लैरिटी नहीं थी फिर उन्होंने एक गाइडलाइंस लेके आए सेप्टेंबर में आप देखोगे तो सेप्टेंबर या अगस्त में Uh, उन्होंने गाइडलाइंस डाली और गाइडलाइंस में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि इस केस में क्या होगा तो वहां पे तीन चार एग्जाम्पल जब दिए सीबीडी ने तब जाके थोड़ी बहुत लोगों को क्लैरिटी आई कि ये कहना क्या चाहते थे ये करना क्या चाहते थे चलिए अब अपन चालू करते हैं और अभी जो है वो आपका ध्यान इधर पूरा होना चाहिए ठीक है चलिए अब अपन चालू करते हैं कि क्या है क्या नहीं क्या क्या नई चीजें हैं तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने कुछ अमेंडमेंट किए अमेंडमेंट किए हैं फिनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से बट दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट अंटर इक्कीस बाईस ऑल्सो ईयर इक्कीस बाईस पे भी लगेंगे मिस आप जो रिटर्न फाइल करोगे अभी या कर रहे होंगे 21 -22, उस पर भी ये अमेंडमेंट लगेंगे ये अमेंडमेंट क्या बोलते हैं सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने यहां पे दो सेक्शन डाली गई एक सेक्शन डाली सेक्शन नाइन बी करके और एक सेक्शन डाली सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन फोर ये दो सेक्शन डाली और दोनों अलग अलग है ठीक है समझना निर्मला सीतारमण जी ने इस बार क्या किया दो सेक्शन लॉ में डाली कौन कौन सी दो सेक्शन एक सेक्शन नाइन बी करके डाली जो कैपिटल गेन में नहीं डाली कहीं और ही डाली है सेक्शन नाइन डाली है ठीक है और एक सेक्शन 454 करके डाली और 454 है वो कैपिटल गेन की सेक्शन है अब उसमें भी मैं आपको बताऊं ना इन्होंने जो बिल लाया था ना बिल में तो ये नाइन बी थी नहीं जो फिनेंस बिल निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था उसमें तो नाइन बी थी नहीं नाइन बी की जगह उनके पास में सेक्शन फोर्टी फाइव फोर ए करके डाली थी अगर आप बिल देखोगे जो फिनेंस बिल आया था बिल में नाइन बी सेक्शन थी नहीं एक सेक्शन जो थी वो फोर्टी फाइव फोर ए करके डाली थी लेकिन उसके बाद उन्होंने जो फिनेंस एक्ट बनाया जब बिल को प्रेजेंट करते हैं फिर पास करते जो फिनेंस एक्ट बना तो एक्ट में उन्होंने नाइन बी डाल दी और जो फोर्टी फाइव फोर ए करके जो सेक्शन इंसर्ट की थी उसको उन्होंने हटा दिया करके और उसमें बहुत सारे चेंज किए बिल में अलग था बिल में कुछ अलग था फिर फाइनेंस एक्ट में अलग आया तो फिनेंस एक्ट में क्या है वो अपन देखेंगे क्योंकि बिल वाला कोई काम का नहीं अल्टीमेटली तो जो पास हुआ वो पास फाइनेंस जो बिल है वो जो पास होकर एक्ट बना वो एक्ट में क्या था वो सब चीजें हम देखने वाले तो सबसे पहले हम नाइन बी की बात करेंगे नाइन बी बड़ी सिंपल सी चीज बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अब एक चीज समझना इसमें मैं जो जो आपको पढ़ाऊंगा ना जो जो आगे वाले आने वाले एक घंटे तक अपन बात करेंगे अप्रोक्स जो जो मैं पढ़ाऊंगा वहां पे मैं हर जगह पार्टनरशिप फर्म का नाम लूंगा बट इसका मतलब यह है कि यह फर्म के साथ साथ एओपी बी भी आ जाएगा फर्म के साथ साथ एओपी बीवाई भी आ जाएगा ऐसा नहीं है कि एओपी बीवाई अलग है नहीं फर्म के साथ साथ यहां एओपी बीवाई भी आ जाएगा तो अगर मैं बोलता हूं कहीं पे भी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर तो इसका मतलब मैं एओपी बीवाई भी बोल रहा हूं और मैं मेंबर के बारे में भी बोल रहा हूं मैं दोनों चीजों के बारे में बोल रहा हूं सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नाइन बी की नाइन बी क्या बोलती है नाइन बी बड़ी सिंपल सी बात करती है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है या तो डिसोल्यूशन हो जाता है वो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया या फिर उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है या तो डिसोल्यूशन हो जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा यहां पर आपको पता है जैसे अपन ने पढ़ा था वह पार्टनरशिप फर्म में कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि अगर कोई पार्टनर है वो पार्टनर छोड़ के चला जाता है या फिर क्या होता है कोई पार्टनर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में आता है या फिर क्या होता है सब पार्टनर कंटिन्यू करते हैं लेकिन उनका पीएसआर चेंज हो जाता है दैट इज कॉल योर रिकॉन्स्टिट्यूशन तो अगर किसी भी फॉर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब कोई रिटायर होता है एंड ऑल दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन तो समझना सेक्शन नाइन भी यह बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को ट्रांसफर किया या तो कैपिटल असेट कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया दो चीजें या तो कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया या फिर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया और ये कैपिटल असेट और जब स्टॉक इन ट्रेड पार्टनर को ट्रांसफर किया जाता है तो उस केस में गाइस पार्टनरशिप फर्म के हाथ में इन्होंने बोला कि इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी या फिर पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी क्योंकि आप जब कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा किसके हाथ में लगेगा फर्म के हाथ में और जब आप स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करोगे तो पीजीबीपी में इनकम आएगी किसके हाथ में आएगी फर्म के हाथ में तो देखो दो चीजें हैं बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं पहले हम नाइन बी को पढ़ते हैं नाइन बी ये बोलती है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस टाइम पे अगर किसी भी पर्टिकुलर को पार्टनर को कोई कैपिटल असेट दी जाती है या स्टॉक इन ट्रेड दिया जाता है यहां पर मनी कवर नहीं है यहां मनी कवर नहीं है अगर आप कैपिटल असेट देते हो या स्टॉक इन ट्रेड देते हो तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा या पीजीबीपी में इनकम जाएगी सर ये कौन से ईयर में जाएगी जब भी आप उस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जैसे पार्टनर को आज असेट दी या स्टॉक इन ट्रेड दिया तो इसी साल में पार्टनर को सॉरी इसी साल में जो है वो फर्म के हाथ में कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन लगेगा या पीजीबीपी में इनकम जाएगी लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए आप बोल रहे कैपिटल गेन लगेगा और इस पीजीबीपी में इनकम जाएगी बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए ये लोग बोलते हैं कि आप एक काम करिए कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा किसका स्टॉक इन ट्रेड का या कैपिटल असेट का वो फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा अगर वो कैपिटल असेट है तो कैपिटल असेट जितने में पहले खरीदी थी वो जितने में आपने पहले खरीदी थी वो ले लो कॉस्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से कैपिटल असेट पार्टनरशिप फर्म ने खरीदी थी और स्टॉक इन ट्रेड के केस में जो आपके स्टॉक की कॉस्ट रहेगी वो कॉस्ट लेस हो जाएगी और जो भी बचेगा वो पीजीबीपी का इनकम मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा इस पार्ट में बिकॉज नया पार्ट है करके ठीक है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको लगेगा ये क्या है करके ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन नाइन बी की नाइन बी ये बोलती है कि अगर किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को कैपिटल असेट दे देती है या स्टॉक इन ट्रेड देती है तो कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट दिया तो कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड दिया तो पीजीबीपी इस पर टैक्स लगेगा पार्टनरशिप फर्म को और कैपिटल असेट और पीजीबीपी निकालने के लिए आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले लोगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असैट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक इन ट्रेड और पीजीबीपी और कैपिटल गेन का इनकम है वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जाएगा। चलिए एक काम करते हैं देखते हैं बुक में नाइन बी के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन ध्यान देना ढंग से क्या लिखा हुआ है चलिए हम चलते हैं सबसे पहले नाइन बी के बारे में बात करते हैं नाइन बी बोलती है इनकम ये नाइन बी क्यों डाली सर फोर्टी फाइव में क्यों नहीं डाली क्योंकि 45 में डालते तो लोगों को लगता है कैपिटल गेन की सेक्शन है ट्वेंटी एट से फोर्टी फोर के बीच में क्यों नहीं डाली क्योंकि लोगों को लगता है ये पीजीबीपी की सेक्शन है तो भैया क्योंकि गवर्निंग सेक्शन होती है ना जो मैं बता दू सेक्शन ट्वेंटी एट से लेके और आपके फोर्टी फोर तक की पीजीबीपी की सेक्शन होती है उसके बाद में आपका फोर्टी फाइव से लेके और आपका फिफ्टी फाइव तक कैपिटल गेन की सेक्शन है यहां तो पीजीबीपी कैपिटल गेन दोनों आएगा क्योंकि स्टॉक दिया तो पीजीबीपी आएगा कैपिटल अट दिया तो कैपिटल गेन आएगा जब दोनों आएगा तो उसके लिए उन्होंने सेक्शन ही नाइन बी बना दी करके ठीक है जिसमें कोई पर्टिकुलर हेड की इनकम नहीं बट ये इनकम बनेगी करके ये इनकम बनेगी बट पर्टिकुलर हेड की इसलिए नहीं डाली फोर्टी वाली सीरीज में क्योंकि सिक्स में डालते तो वो कैपिटल गेन में ही डाल सकते थे फिर या तो दो सेक्शन बनानी पड़ती कि एक पीजीबीपी में अलग बना रहे और फिर कैपिटल गेन में अलग बना रहे दो दो सेक्शन बनानी पड़ती तो उन्होंने एक सेक्शन नाइन बी अलग बना दी जिसमें बोला यहां पीजीबीपी भी लगेगा कैपिटल गेन पे भी लगेगा अगर मान लो कैपिटल असेट बेची तो कैपिटल गेन पीजीबीपी स्टॉक गया तो आपका क्या लगेगा स्टॉक गया तो आपका पीजीबीपी तो देखिए क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करना हाँ वेयर इनकम ऑन रिसिप्ट ऑफ कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड बाय पार्टनर और मेंबर फ्रॉम फॉर्म एओपी बी ढंग से देखना वेयर अब पार्टनर रिसीव पार्टनर को रिसीव होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इस साल में एनी कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड और बोथ या तो कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड मिलता है फ्रॉम इन कनेक्शन विद और रिकॉन्स्टिट्यूशन या तो डिजोल्यूशन की वजह से या रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से देन द फर्म शेल बी डीम टू हैव ट्रांसफर सच असेट टू द पार्टनर यह मान लिया जाएगा कि फर्म ने असेट ट्रांसफर की अगर पार्टनर को क्या होता है रिसीव होता है स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल असेट किस वजह से डिजोल्यूशन की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से द फर्म शेल बी डीम टू हैव ट्रांसफर सच टू पार्टनर इन इन सच आर रिसीव्ड बाय द पार्टनर एंड फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी और कैपिटल गेन और बोथ अगर कैपिटल असेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन स्टॉक ट्रांसफर किया तो आपका पीजीबीपी और अगर दोनों ट्रांसफर किया तो दोनों आगे क्या दे रखा है एफ एम बी एज ऑन द डेट ऑफ बाय पार्टनर शेल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द दर्पज ऑफ कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी यहां पर कुछ नोट दे रखे हैं सबसे पहला नोट अबो प्रोविजन आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ एओपी आपको पहले ही बोल चुका हूं जो जो मैं आपको एक घंटे तक पढ़ाऊंगा वो आपके दोनों पे लगेगा मिस पार्टनरशिप फॉर्म एओपीबीआई दोनों केस में यहां पे कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन यहां पर डिफाइन किया या तो वन और मोर ऑफ इट्स पार्टनर और मेंबर सीज टू बी पार्टनर में लोग है वो पार्टनर नहीं रहते दैट इज कॉल यू कैन से रिकॉन्स्टिट्यूशन रिटायर हो जाते हैं ठीक है तो दैट इज कॉल रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर वन और मोर न्यू पार्टनर और मेंबर आर एडमिटेड मिस एक या एक से ज्यादा you तो नए लोग आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में इन सच एस सर्कमस्टेंस दैट वन और मोर ऑफ द पर्सन हु वर पार्टनर और मेंबर बिफोर द चेंज कंटिन्यू एज पार्टनर और मेंबर और मेंबर और मेंबर आफ्टर द चेंज इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और एडमिट होते हैं और जब कोई और एडमिट होते हैं तो भी पुराने वाले एटलीस्ट एक पार्टनर है वो कंटिन्यू करता है क्योंकि पुराने वाले अगर मान लो सभी चले जाते हैं और नया कोई एडमिट होता है तो तो फिर वो तुम्हारा क्या हो जाता है डिजोल्यूशन हो जाता है तो उसके लिए फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा और लास्ट पार्ट ऑल द पार्टनर और मेंबर कंटिन्यू करते हैं लेकिन उनका जो पी है रेस्पेक्टिव शेयर है वो आपका चेंज हो जाता है कि, किसी एक का या एक से ज्यादा का शेयर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए बेटा मैंने क्या बोला अभी तक अभी तक के नॉलेज के हिसाब से आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म का या तो डिसोल्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो कुछ है दैट इज कैपिटल या स्टॉक इन ट्रेड है वो किसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं मेंबर को ट्रांसफर करते हैं जिस ईयर में पार्टनर या मेंबर को वो असेट मिलती है उस ईयर में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन या पीटीबीपी में इनकम आ जाएगी चलिए फोर्टी फोर है इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए आप सीधा चलिए एक एग्जाम्पल नंबर वन जो दे रखा है उस पे एग्जाम्पल नंबर वन ऑन द पेज नंबर फोर्टी सेवन पे दे रखा है देखिए क्या दे रखा है फोर्टी सेवन पे एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने ये एग्जाम्पल क्या बोलता है समझने की कोशिश करना अमर अकबर एंड एंथनी आर थ्री पार्टनर इन द एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म अमर रिटायर ऑन टेन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी इस साल अमर रिटायर होता है एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट बिजनेस ऑफ द फर्म बी ऑपरेटेड अकबर एंड एंथनी कैपिटल टू थाउजेंड ट्वेंटी जो tha, no कैपिटल था दैट वॉज ट्वेंटी लैक देर इज नो रिवैल्यूशन ऑफ अ सेट इन बुक्स ऑफ फर्म एट द टाइम आफ्टर अमर ज्वाइन द फर्म एज अ पार्टनर कभी रिवैल्यूशन हुआ ही नहीं था टू सेटल द बैलेंस ऑफ द ट्वेंटी लैक ले इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर द फर्म फॉलोइंग फर्म ने क्या क्या उसको दिया उसको एक तो एक लाख रुपए का कैश पेमेंट दिया एक स्टॉक इन ट्रेड दिया है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू चालीस हजार है दस दिसंबर को लेकिन फर्म ने उसको परचेज किया था अप्रैल में जो कि दस हजार में किया था तो स्टॉक इन ट्रेड दिया और स्टॉक इन ट्रेड का फेयर मार्केट वैल्यू चालीस हजार है जो फर्म ने परचेज किया था वो दस हजार में किया था एक प्लॉट ऑफ लैंड भी दिया जिसका फेयर मार्केट वैल्यू एटीन लैख सिक्सटी थाउजेंड है और उसका बुक वैल्यू ट्वेल्व लैख फोर्टी थाउजेंड है एक्वाइड किया था नाइनटी टू नाइनटी थ्री में सत्तर हजार में और जिसका फेयर मार्केट वैल्यू दो हजार एक में एक लाख दस हज़ार था आपसे पूछा है डिस्कस टैक्स ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव फोर एंड नाइन बी फोर्टी फाइव फोर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है हम बात करते हैं नाइन बी की तो नाइन बी का कहना यह है बड़ी सिंपल है कि अगर कोई भी आप पार्टनर को क्या ट्रांसफर करते हो स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करते हो कैपिटल ट्रांसफर करते हो तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन या पीजीबीपी का इनकम आएगा तो यहां पे इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या क्या लग रहा है कहां कहां स्टॉक इन ट्रेड है और कैपिटल असेट है तो मैं बोलू ये जो कैश पेमेंट ट्रांसफर हुआ इस पर तो नाइन नहीं लगेगा नाइन नहीं लगेगा इस पर क्योंकि नाइन बी में क्लियरली लिखा हुआ था कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड तो यहां जो कैश दिया उस पर तो कुछ नहीं होगा नाइन बी में नाइन बी में कुछ नहीं होगा चलिए दूसरी बात करते हैं हम स्टॉक इन ट्रेड दिया तो स्टॉक इन ट्रेड अगर आपने दिया तो उस केस में क्या होगा कि आपका फेयर मार्केट वैल्यू चालीस हजार है खरीदा कितने में था दस हजार में था तो मैं बोलू ये तीस हजार जो है ये एक तो फर्म के हाथ में पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा तीस हजार है ये फर्म के हाथ में पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा और दूसरा जब उन्होंने ये प्लॉट ऑफ लैंड दिया तो प्लॉट ऑफ लैंड क्या होता है आपका कैपिटल असेट होता है उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है अठारह लाख साठ हजार दे रखा है तो आप इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले लेंगे दैट इज अठारह लाख साठ हजार और उसमें से माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकॉज ये असेट लॉन्ग टर्म है फर्म ने 92, टू नाइन्टी में खरीदी थी यहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग दो साल से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म है तो यहाँ इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ़ एक्विजिशन आप कैसे निकालेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आप एक लाख दस हज़ार एफ एम भी ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटीन डिवाइड बाय हंड्रेड करके आप इंडेक्सेशन कर देंगे और इंडेक्सेशन करने के बाद जो भी बचेगा वो कैपिटल गेन पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आ जाएगा यहाँ फोर्टी फाइव फोर नहीं लग रही है क्यों नहीं लग रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा आप यहाँ तक ये जो सॉल्यूशन दे रखा है वो एक बार चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं है सही है या नहीं है पूजा कनेक्ट नहीं कर पा रही है पूजा को बोलो पूजा का एक व्यू बढ़ा के दे दूंगा आज डोंट वरी फॉर्म इंक्लूड एल एल पी जहां जहां फॉर्म आएगा इट्स इंक्लूड एल एल पी आप देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक डन चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है रुकना कुशल रुकना अभी बोलते इससे तो कैश पेमेंट मतलब है लोग कैश पेमेंट ही करेंगे ये करेंगे वो करेंगे रुकना थोड़ी देर थाम्बा वो कोई पूजा कनेक्ट नहीं कर पा रही है उसको करवा लो कनेक्ट यार तो चलिए थोड़ी देर रुक जाइए चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन आगे जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें एक बार तो आपको लगेगा यार ये क्या पढ़ रहे अपन ठीक है ये क्या है करके ठीक है हाँ नाइन बी में कैपिटल गेन की सीरीज में ही डाल देते तो प्रॉब्लम था ना क्योंकि यहां बिजनेस की इनकम भी आ रही है चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं यहां किसी ने यह बोला कि सर उसके पास पार्टनर के पास कैपिटल बैलेंस था ट्वेंटी लैख तो भी फर्म को टैक्स आ रहा है फर्म को टैक्स तो असेट पे आ रहा है रे एक बात बता तू मुझे आदेश फर्म जो है ना फर्म को टैक्स तो असेट पे आ रहा है तू तो कैपिटल को गोली मारना असेट दी ना तुझे आज असेट की वैल्यू क्या है आज असेट की वैल्यू क्या है तो आज जो असेट की वैल्यू है उस पर टैक्स आ रहा है क्योंकि फर्म ने असेट खरीदी थी एक बात बता फर्म ने असेट जो खरीदी थी वो असेट कब खरीदी थी आज से बीस पच्चीस साल पहले बीस पच्चीस तीस साल पहले खरीदी थी और आज उसकी वैल्यू अठारह लाख साठ हजार है तो उन्होंने उसका कैपिटल सेटल किया है कैसी बात कर रहा है क्या क्यों नहीं आएगा कैपिटल गेन क्यों नहीं आएगा उस अट पे कैपिटल गेन तो असेट जो है वो एक लाख दस हजार की थी आपकी और जिसको आपने सेटल किया अठारह लाख साठ हजार पे तो इस पर कैपिटल गेन आना चाहिए क्या दिक्कत है इसमें मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है दिस इज द वेरी लॉजिकल चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं प्लीज अब एक बात समझिए एक और सेक्शन डाली गई और यह सेक्शन डाली गई जिसका नंबर है 454 सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना ध्यान देना आप इधर ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए आपको डाउट को मिनिमाइज कर रहा हूं आप थोड़ी देर के लिए मैं आपके डाउट नहीं देखूंगा आप इधर देख लीजिए ठीक है अगले 15-20 मिनट के लिए एक सेक्शन डाली गई फोर्टी और फोर्टी का नाम दिया गया कि जब भी कैपिटल गेन होगा पार्टनरशिप फर्म को अगर पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है किसको किसी पार्टनर को या फिर मेंबर को तो साहब बोलोगे नाइन बी में क्या पढ़ाया था अभी समझेगा रुको थोड़ी देर यहां पे इन्होंने एक सेक्शन डाली फोर्टी फाइव फोर फोर्टी फाइव फोर यह बोलती है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कोई पार्टनर एंटर करता है रिटायर करता है पीएसआर चेंज होता है और उस टाइम पे आप क्या करते हो किसी को असैट दे देते हो दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और री के टाइम पे अगर कोई भी पार्टनर है उस पार्टनर को या तो मनी दी जाती है या पार्टनर को कैपिटल असेट दी जाती है या दोनों दी जाती है यहां स्टॉक इन ट्रेड की बात नहीं हो रही यहां पे बोला कि अगर कोई पार्टनर है उस पार्टनर को मनी दी जाती है या फिर उस पार्टनर को कोई असेट दी जाती है असेट का मतलब कैपिटल असेट दी जाती है और भैया ये जो मनी और कैपिटल असेट उसको जो दे रहे हैं ना इसकी जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू वो अगर उसके कैपिटल से ज्यादा है किससे ज्यादा है कैपिटल से उसका जो कैपिटल बैलेंस है उससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा वाला अमाउंट है ना ये ज्यादा वाला अमाउंट आपका कैपिटल गेन बन जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में वापस बोल रहा हूं समझना इन्होंने क्या बोला कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे किसी पार्टनर को मनी दिया जाता है या कैपिटल असेट दिया जाता है और मनी और कैपिटल असेट उसको जो दे रहे हो ना वो उसके कैपिटल से ज्यादा दे रहे हो मीन्स उसका जो कैपिटल बैलेंस था उस कैपिटल बैलेंस से ज्यादा दे रहे हो तो जितना आप ज्यादा दे रहे हो ना वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को टैक्सेबल हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में ये गेन माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा समझते वापस समझते देखिए जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस टाइम पे आपने पार्टनर को पैसा दे दिया या पार्टनर को कैपिटल असेट दिया जिसका फेयर मार्केट वैल्यू लोगे वो उसके कैपिटल अकाउंट से ज्यादा है उसकी बुक्स में कैपिटल अकाउंट जो रहेगा उस कैपिटल अकाउंट से ज्यादा है तो उस केस में जितना भी ज्यादा वाला पार्ट है वो फर्म के लिए कैपिटल गेन लगेगा और फर्म को इस कैपिटल गेन पे टैक्स भरना पड़ेगा आप बोलोगे सर नाइन बी में भी भर रहे थे नाइन बी वाला भी लगेगा और यह भी लगेगा अब आपको समझा दूंगा कि कहीं डबल टैक्सेशन तो नहीं हो रहा है अपन चेक कर लेंगे थोड़ी देर में रुक जाइए थोड़ी देर में रुक जाइए अपन डबल चेक कर लेंगे वापस से देख रहे हैं यह सेक्शन बोलती है कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस टाइम पे फर्म ने अपने पार्टनर को मनी दे दी इस पैसा रोकड़ा दे दिया या फिर कैपिटल असेट दिया और जिसकी मार्केट वैल्यू इन दोनों की टोटल उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा ज्यादा है उसके कैपिटल कैपिटल बैलेंस बैलेंस से से जैसे लास्ट ईयर तक तो क्या होता था कि से जितना भी पैसा ज्यादा दे दो उस पर कोई टैक्स लगता ही नहीं था ऐसे के जजमेंट हुआ करते थे हाई कोर्ट के जजमेंट थे और हाई कोर्ट बोलती थी इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जब आप अपने कैपिटल बैलेंस से ज्यादा पैसा देते हो तो लेकिन इस बार इन्होंने इसको पकड़ लिया और इन्होंने बोला अच्छा ऐसा कर रहे हो आपका कैपिटल बैलेंस कितना है इतना है और आपने इसको ज्यादा दे दिया तो जितना आप ज्यादा दे रहे हो ना वो ज्यादा वाले पे आपको कैपिटल गेन भरना पड़ेगा अपन एक काम करते हैं पहले इस सेक्शन को रीड करते हैं फिर सीबीडी ने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उसको अपन देखेंगे चलिए आ जाइए एक बार आप इस सेक्शन को रीड करेंगे कि लिखा हुआ क्या है तो चलिए एक बार अपन फोर्टी फाइव पे चल रहे हैं पीपल पे अटेंशन क्या बोलती है सेक्शन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय फर्म एओपीबीआई टू द पार्टनर और मेंबर वेयर पार्टनर रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और अ कैपिटल असेट और बोथ मींस मनी मिल रहा है पैसा मिल रहा है कैपिटल असेट मिल रही है या दोनों मिल रहा है किससे फर्म से इन कनेक्शन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर वहीं पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है देन द प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द रिसिप्ट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इनकम ऑफ द फॉर्म फॉर्म के लिए इनकम बनेगी अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच द असेट रिसिव्ड बाय द पार्टनर जिस ईयर में पार्टनर को असेट रिसीव होती है उस ईयर में वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी टैक्सेबल सॉरी पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं फॉर्म के हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा अब एक चीज समझना यहां पे कैपिटल गेन कैसे निकालना है उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया और ये फॉर्मूला बोलता है आप एक काम करिए ए का मतलब कैपिटल गेन कैसे निकालना है बी और सी को ऐड कर दीजिए और उसमें से डी को लेस कर दीजिए जो बचेगा वो कैपिटल गेन आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म देख लेंगे थोड़ी देर रुक जाइए आप ठीक है अभी चालू किया है रुक जाइए तो आप एक काम करिए कैसे कैपिटल गेन निकालना है सबसे पहले ले लीजिए वैल्यू ऑफ मनी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट मतलब जिस दिन आपने पार्टनर को दिया उस दिन मनी का वैल्यू कितना है एफ ऑफ कैपिटल असेट ऑन द डेट ऑफ रिस पार्टनर को दिया उस दिन कैपिटल अट का वैल्यू कितना है फेयर मार्केट वैल्यू और ये टोटल आ गया माइनस कर दीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना है उसको आप लेस कर दीजिए जो बचेगा वो कैपिटल गेन आ जाएगा किसके हाथ में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए इन द अबो फॉर्मूलाइज नेगेटिव इट शैल बी डीम टू बी द जीरो अगर मान लो ये जो वैल्यू है अगर आपका कैपिटल अकाउंट ज्यादा था और अट या मनी जो दी जाती है वो उससे कम है तो उस केस में ये आपको निल लेना है मीन यहां पे कैपिटल गेन कुछ भी नहीं लगेगा एग्जांपल के लिए ये अभी हमने अमर अकबर एंथनी वाला क्वेश्चन किया अब अमर अकबर एंथनी के क्वेश्चन में को आप देखोगे तो यहां पे कैपिटल का बैलेंस कितना है बीस लाख है यहां कैपिटल का बैलेंस कितना है 20 लाख और उसको देखिए मनी और असेट कितना दिया जा रहा है तो अगर मैं मनी और असेट की बात करूं तो यहां पे कैश पेमेंट एक लाख का है और असेट में कैपिटल असेट जो दिया जा रहा है वो 18 लाख साठ का दिया जा रहा है तो यहां पे वन लैख और 18 लैख सिक्सटी थाउजेंड कितना हुआ 19 लैख सिक्सटी हुआ और उसका बैलेंस कितना है कैपिटल सेट सॉरी कैपिटल अकाउंट का दैट इज द बीस लाख तो यहां पे माइनस आ गया तो माइनस आ गया तो आपको यहां पे जीरो लेना है यहां पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा यहां पे जो है वो आपका कोई भी कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन नहीं होगा वापस से देखेंगे तो देखिए क्या करना है बड़ा सिंपल है सेक्शन फोर्टी फोर बोलती है कि जब भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस टाइम पे पार्टनर को कोई कैपिटल अट या मनी दी जाती है तो आप एक काम करिए जो मनी दिया उसको लीजिए कैपिटल दिया उसका उसका फेयर मार्केट वैल्यू और उसी टाइम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना था उसको लेस कर दिए जो एक्सेस है वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है दूसरा पॉइंट बोलता है द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन बुक्स ऑफ फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म एज टू बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट ड्यू टू द रीवैल्यूशन ऑफ एनी असेट मीन कैपिटल अकाउंट में आपको रीवैल्यूशन को नहीं लेना नहीं तो लोग क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे रीवैल्यूशन करके हाथों हाथ कैपिटल असेट को बढ़ा कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे तो यहां पर क्या बोला है कि आपको इंक्रीज वाला जो है वो नहीं लेना है बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑफ द बुक्स पार्टनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एनी असेट और ड्यू टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एनी अदर सेल्फ जनरेटेड असेट तो ड्यू टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं बनानी है या कोई सेल्फ जनरेटेड असेट नहीं बनानी है किसी असेट को रीवैल्यूड करके वो वाला इफेक्ट है वो आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं लेना है दूसरी तीसरा नोट तीसरा नोट क्या बोलता है वेन कैपिटल असेट इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म इन ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन देन प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाय इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नाइन बी जो सेक्शन नाइन बी है वो नाइन बी तो लगेगा ही लगेगा ये एक्स्ट्रा लगेगा मीन्स यहां पे लॉ मेकर्स बोल रहे हैं कि नाइन बी तो लगेगा ही लगेगा यहां पे ये है जो इन एडिशन आपको लगने वाला है एंड अब एप्लीकेबल इन केस ऑफ द एओपी दी वीवाईलो अगर आपने एओपी पी वाई है तो भी ये प्रोविजन लग जाएंगे और आगे दे रखा है द अबोव कैपिटल गेन शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग असेट एज पर रूल नंबर एट ए बी ये क्या है अभी थोड़ी देर के बाद अपन देख लेंगे तो देखो मैंने यहां पे दो चीजें पढ़ाई इन दोनों चीजों को आप समझने की कोशिश करना दोनों चीजें क्या बोल रही है आराम से चलते हैं इन दोनों चीजों में हमने क्या पढ़ा तो मैं आपको बोलू अगर मैं दोनों चीजों की बात करूं अगर रिवाइज करवाना चाहूं तो मैंने दो चीजें बताई एक तो आपको सेक्शन बताई नाइन और एक मैंने आपको सेक्शन बताई फोर्टी फाइव फोर इन दोनों सेक्शंस में क्या फर्क है सबसे पहली नाइन बी कब लगती है जब पार्टनरशिप फर्म का या तो डिसोल्यूशन हो जाता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और 45 फोर कब लगती है जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब लगती है दोनों ही केस में असेट कौन सी ट्रांसफर हो रही है अलग अलग असेट ध्यान रखना यह तब लगती है जब या तो स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होता है या कैपिटल असेट ट्रांसफर होती है और यहां पे फोर्टी फोर में कब लगेगा जब पार्टनर को या तो मनी दिया जाता है या फिर कैपिटल असेट दी जाती है मनी या कैपिटल असेट सर एक बात बताइए यहां पे आपका कैपिटल गेन या फिर पीजीबीपी में इनकम जाएगा कैसे जाएगा कैपिटल गेन में आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे तो यहां पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो लेना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट और पी के लिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और माइनस जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो आप लेस कर देंगे यहां पे भी ओरिजिनल कॉस्ट है वो आप लेस कर देंगे यहां पे आपको जो इनकम है वो या तो पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन में जाएगी अब यहां पे 454 जो है वो बोलता है कि अगर आपने पार्टनर को मनी दिया या कैपिटल असेट दिया तो उस केस में अगर उसके कैपिटल से ज्यादा दिया तो ज्यादा वाले पे हम कैपिटल गेन लगाएंगे जो कैपिटल से ज्यादा दिया तो उस ज्यादा वाले पे हम कैपिटल गेन लगाएंगे तो यहां पे आप एक बात समझिए जो मनी या कैपिटल असेट दिया जाता है उसकी आप टोटल कर दीजिए वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और इसमें से आप एक काम करिए जो बैलेंस ऑफ कैपिटल है उसको आप लेस कर दीजिए जो आपके पास बचेगा इट विल बी द कैपिटल गेन ये तुम्हारा कैपिटल गेन हो जाएगा दिस इज योर कैपिटल गेन ये दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी अब एक बात समझना इसका इंप्लीकेशन कैसे आएगा क्या आएगा उसके लिए सीबीडीटी ने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं वो एग्जांपल्स को मैंने इजी करने का ट्राई किया है और अपन उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि वो एग्जांपल्स क्या बोलते हैं तो देखिए अपन चलेंगे कुछ एग्जांपल्स पे और एग्जाम्पल नंबर वन ये एग्जाम्पल मैंने कहीं से नहीं सीधा सीबीडी के एक सर्कुलर से उठाए सीबीडी टी ने एक सर्कुलर दिया है उस सर्कुलर से मैंने ये एग्जाम्पल को उठाया है करके ठीक है चलिए देखो सबसे पहला एग्जाम्पल एग्जाम्पल फ्रॉम द सीबीडी गाइडलाइंस सीबीडी टी ने एक एग्जाम्पल दिया कि अ फर्म कंसिस्ट ऑफ थ्री इक्वल पार्टनर ए बी सी तीन पार्टनर थे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म प्रायर टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन इज एज फॉलोज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस टाइम पे उसका बैलेंस शीट दे रखा है पार्टनर कैपिटल है वो थर्टी है और इसमें ए का बैलेंस दस है इसका भी दस है इसका भी दस है टोटल हो गया थर्टी और इधर है जो लैंड है उसके पास तीन लैंड है दैट इज एस टी एंड यू और उसका जो बैलेंस है दस इसकी बुक वैल्यू है दस इसकी बुक वैल्यू है दस इसकी बुक वैल्यू है लेकिन इनका फेयर मार्केट वैल्यू असेट का अलग है असेट का फेयर मार्केट वैल्यू है वो अलग है इसका सेवेंटी है इसका 70 है और इसका 50 है तीन लैंड दे रखी है और तीनों का फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा आपसे पूछा क्या है ऑल द्री लैंड पार्सल आर लॉन्ग टर्म कैपिटल अटे जितनी भी लैंड है यह आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल पार्टनर ए विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म पार्टनर ए चाहता है कि वह फर्म से रिटायर हो जाए यह वाला बंदा जिसका दस का कैपिटल दस जो है उसका उसका कैपिटल गेन है वो वाला बंदा चाहता है मैं रिटायर हो जाऊं द पार्टनर एज अकाउंट इज प्रपोज टू बी सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ कैश ऑफ इलेवन लैक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑफ यू यहां पर देखिए इन्होंने क्या बोला कि हम पार्टनर ए को सेटल कैसे करेंगे पार्टनर ए जो है उसका कैपिटल बैलेंस है दस लाख और इसको सेटल करने के लिए इन्होंने बोला कि हम एक तो काम करेंगे ये जो लैंड दे देंगे यू वाला यू वाला लैंड दे देंगे और उसके साथ साथ में हम उसको ग्यारह लाख रुपया कैश देंगे ग्यारह लाख रुपया कैश देंगे अब आपको यह समझना है कि सर यहां पे फोर्टी फोर का इंप्लीकेशन कैसे आएगा और नाइन बी का इंप्लीकेशन कैसे आएगा पहले हम नाइन बी की इंप्लीकेशन पे जाते हैं पहले हम नाइन बी की इंप्लीकेशन पे जाते हैं तो मुझे एक बात बताओ नाइन बी तो बड़ा क्लियर बोलता था कि अगर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आपने पार्टनर को स्टॉक दे दिया या कैपिटल असेट दे दी तो उस केस में पीजीबीपी कैपिटल गेन में टैक्स लगा दो तो मैं नाइन बी की अगर मैं बात करूं तो नाइन बी के के केस में एक बात बताइए यहां पे मनी दिया जा रहा है मनी का कुछ भी नहीं होगा मनी का कुछ नहीं होगा वो फोर्टी फाइव फोर में इंप्लीकेशन आता है वहां देखेंगे 9B में तो कैपिटल या स्टॉक क्या दिया वो बताइए तो यहां पे आपने कैपिटल असेट दी है कितने की दी है कैपिटल असेट तो यहां पे जब मैं नाइन बी के लिए कंप्यूटेशन करूंगा तो नाइन बी के लिए एक बात समझना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो कितना आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट और कैपिटल असेट में कौन सा लैंड दे रहे हैं यू वाला दे रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा पचास आ जाएगा अब एक बात बताइए माइनस आप क्या करेंगे उस लैंड की कॉस्ट और लैंड जो है वो आपने दस लाख में खरीदी हुई थी बुक वैल्यू है मान लो उतने में ही आपने खरीदी हुई है तो ये जो दस लाख है ये आप यहां पे लेस कर देंगे सब्जेक्ट टू तो इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म है तो उस पर इंडेक्सेशन भी होगा और ये चालीस लाख जो है ये चालीस लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा किसके हाथ में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में यहां पे 40 लाख ,00 का आपका क्या आ जाएगा गेन है वो गेन आ जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आई थिंक यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए कि ये जो 40 लाख ,00 का जो गेन आया ये गेन कैपिटल गेन होगा किसके हाथ में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में तो देखिए अब टैक्स इंप्लीकेशन पहले नाइन बी के हिसाब से देखते हैं तो देखिए सबसे पहला िसिप्ट बाय पार्टनर ए ऑफ एनी कैपिटल असेट फ्रॉम द फर्म इन कनेक्शन विथ हिज और हर रिटायरमेंट इज डीम्ड टू बी ट्रांसफर इन हैंड ऑफ द फर्म एंड कैपिटल गेन चार्जेबल इन हैंड ऑफ द फर्म फॉर सच डीम्ड ट्रांसफर आर कंप्यूटेड एज अंडर कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे तो देखिए सेल कंसिडरेशन ऑफ द एफ एम वी ऑफ लैंड यू आप ले लोग कितना है पचास है आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म पे आपको इंडेक्स करना पड़ेगा दस पे लेकिन आपको मान लो पंद्रह आता, आता है तो ये सीबीडीटी का एग्जांपल है is, मैंने वहीं से लिया है करके ठीक है आप एक काम करिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लैंड यू का इन ऑफ द फर्म मान लीजिए पंद्रह आता है तो एक बात बताओ कैपिटल गेन कितना आएगा कैपिटल गेन नाइन बी के हिसाब से फर्म के हाथ में पैतीस आ जाएगा अब एक बात बताओ इस पैतिस पे फर्म क्या करेगी फर्म जो है इस पैतीस पे टैक्स भरेगी और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि वो कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म थी ये वाली जो कैपिटल असेट है ना ये जो लैंड यू है ये लॉन्ग टर्म थी तो जब ये लॉन्ग टर्म थी तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फर्म को टैक्स कितना लगता है फर्म को टैक्स लगता है बीस परसेंट के रेट से तो फर्म को जो टैक्स लगता है वो 20 परसेंट की रेट से लगता है तो आप 35 पे 20 परसेंट की रेट से टैक्स कैलकुलेट करोगे तो सेवन है ये फर्म के हाथ में क्या हो जाएगा टैक्स आ जाएगा ये फर्म के हाथ में टैक्स आ जाएगा यहां पे अजम्पन लिया है सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इग्नोर किया है फॉर द पर्पज ऑफ इजी कंप्यूटेशन ये सीबीडी ने जो एग्जांपल दिया उसमें बोला कि हम एक काम करते हैं सरचार्ज एजुकेशन सेस को हम इग्नोर करते हैं फॉर द सिंपलिसिटी जिससे आपको ध्यान रहे तो देखिए बड़ा सिंपल है हुआ क्या एक पार्टनरशिप फर्म था जिसमें तीन पार्टनर थे ए बी सी तीनों का कैपिटल अकाउंट दस दस लाख था लेकिन तीन असेट थी दैट इज द एस टी और यू अब उसमें से हुआ क्या एक बंदा रिटायर हो गया और रिटायर कौन सा हुआ ए ए को रिटायर किया बहुत अच्छी बात है सी को नहीं किया नहीं तो बेचारे हर बार सी को कर देते हैं तो ए को रिटायर हुआ और ए को रिटायरमेंट पर क्या मिला एक तो उसको प्लॉट मिला कौन सा वाला ये वाला लैंड मिला जिसकी आज फेयर मार्केट वैल्यू पचास लाख है और साथ में कुछ पैसा भी मिला तो पहले अपन नाइन बी की इंप्लीकेशन देखते नाइन बी बड़ा सिंपल है कैपिटल असेट दिया या फिर स्टॉक इन ट्रेड दिया पीजीबीपी कैपिटल गेन में टैक्स लगा दो जो पीजीबीपी कैपिटल गेन है वो पीजीबीपी कैपिटल गेन में टैक्स लगा दो पीजीबीपी में तो आएगा नहीं क्योंकि स्टॉक नहीं दिया कैपिटल असेट दिया तो कैपिटल असेट के केस में आपको कैपिटल गेन में टैक्स लग जाएगा कितने पे पैतीस पे और ये पैतीस पे टैक्स लग गया सात का अब एक बात बताओ मुझे कल उठ के जब ये बंदा ए आगे उस प्लॉट को बेचेगा क्योंकि वो रिटायर हो गया अब तो अब कैपिटल गेन लग चुका है किसके हाथ में फर्म के हाथ में और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लिया था पचास लाख कल उठ के जब वो आगे असेट को बेचेगा पार्टनर तो सर उसके हाथ में सर कॉस्ट क्या आएगी मैं बोलू पचास लाख क्योंकि भाई जो तुम्हारा यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया था जो सेल कंसिडरेशन था एफ एम बी जिसपे आपने टैक्स भरा है फर्म ने तो वही पार्टनर के हाथ में क्या बन जाएगी कॉस्ट बन जाएगी वही पार्टनर के हाथ में क्या बन जाएगी कॉस्ट बन जाएगी तो इन्होंने यहां क्लेरिफाई किया कि फॉर पार्टनर ए द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच लैंड यू शैल बी टेकन एज द एक्विजीशन तो कल उठ के उसने मान लो सत्तर में बेच दिया तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी पचास आएगी जिसपे पार्टनरशिप ने टैक्स भरा था अब अपन बात करेंगे अब अपन बात करेंगे किसकी अब अपन बात करेंगे फोर्टी फाइव फोर की अब 454 में हमने क्या पढ़ाया आपको तो 454 में हमने आपको यह पढ़ाया कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन पे पार्टनर को मनी दी जाती है या कैपिटल असेट दिया जाता है मनी दिया जाता है या कैपिटल असेट दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा पता है मनी दिया जाता है या कैपिटल असेट दिया जाता है तो आप पहले मनी लीजिए फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट लीजिए और उसमें से उसका बैलेंस लेस कर दीजिए कैपिटल का जितना आपने ज्यादा दिया वो ज्यादा कैपिटल गेन है जितना आपने ज्यादा दिया वो ज्यादा कैपिटल गेन है लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना यहां सीबीटीटी बोलती है कि भाई ये जो गेन आया ये पैतीस ये जो गेन आया सात का करके ठीक है ये जो गेन पे टैक्स आया सात का एज वेल एज ये जो गेन आया कितना चालीस का गेन आया होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका 40 का गेन आया होगा 40 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 40 का ही आया होगा ना कैसे 40 का आया होगा क्योंकि बुक्स में आपने जो असेट को रिकॉर्ड किया हुआ था वो 10 पे किया था और अब आपने जब दिया पार्टनर को तो उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है पचास है तो पचास माइनस दस चालीस का गेन आया होगा अब एक बात बताओ ये गेन भी तो आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन ऑफिस में क्या करते हैं ऑफिस में अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का फाइनलाइजेशन किया होगा तो जो भी पार्टनरशिप फर्म का गेन होता है या पार्टनरशिप फर्म जो टैक्स भरती है वो सब पार्टनर में बांट दिया जाता है आपने अगर ऑफिस में अकाउंटिंग की होगी पार्टनरशिप फर्म की तो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते टाइम हम क्या करते हैं कि फर्म को जो भी टैक्स आता है या फर्म को जो इनकम होती है वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके पीएसआर में वगैरह तो यहां हुआ क्या होगा समझना यहां सीबीडीटी आगे क्या समझाती है आपको समझने की कोशिश करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का इन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दिया इन एग्जाम्पल्स में पहला सबसे पहला गाइडलाइंस ऑल्सो स्पेसिफाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में क्या हुआ होगा अपॉन डिजोल्यूशन अपॉन डिजोल्यूशन ऑफ लैंड यू टू पार्टनर सॉरी अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यू टू पार्टनर ए एज पर द गाइडलाइंस द फर्म शेल रिकोगग्नाइज द प्रोफिट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यू टू पार्टनर ए इन द सेम मैनर एज फर्म वुड है सच लैंड इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर अगर मान लो इस लैंड को आप आउटसाइडर को ट्रांसफर करते तो क्या होता है दस तो, की बुक वैल्यू थी और 40 में, 50 में आपने बेचा तो चालीस का आप गेन रिकॉर्ड करते और वो गेन रिकॉर्ड करते तो पार्टनर्स के पार्टनर्स कैपिटल में उसको बांटते गेंद को गेन को आप बांटते और उस पर जो टैक्स था उस टैक्स को भी आप डेबिट मारते तो देखिए क्या लिखा है यहां परी टैक्स प्रोफिट ऑफ फोर्टी कैसे आया 40 एफ है वो 50 था और बुक वैल्यू असेट का 10 था नेट प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्या करोगे अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40 को लेके जाओगे एंड क्रेडिट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट थर्टी थ्री आपका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट आता कैसे चालीस का प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से था सात की आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई सात की टैक्स लाइबिलिटी कैसे आई इस ऊपर पैतीस पे आपने बीस परसेंट टैक्स भरा तो ये सात की टैक्स लाइबिलिटी आई ये सात की टैक्स लाइबिलिटी को आपने और क्या किया होगा उस पार्टनर्स कैपिटल के सामने एडजस्ट किया होगा तो सिंपल सी बात बताऊं नेट प्रॉफिट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपका थर्टी आया और ये नेट प्रॉफिट जब आपका 33 आया तो उस केस में ये लोगों का कहना ये है कि ये जो 33 है ना ये तीनों पार्टनर के कैपिटल में बांटा जाएगा आप ऑफिस में यही तो करते हो कि जो प्रॉफिट आता है उसको तीनों पार्टनर के कैपिटल में बांट देते हो तो ये 33 को यहां सीबीटीटी बोलती है कि आप तीनों पार्टनर के कैपिटल में डाल दो ग्यारह 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 लाख क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर है तीनों में आपने ग्यारह ग्यारह लाख डाल दिया अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने पे आ गया इक्कीस लाख पे आ गया अब तीनों पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितने पे आ गया 21 लाख पे आ गया तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे समझने की कोशिश करिए देखिए आपने जब ये असेट को पार्टनर को बेचा तो पार्टनर को बेचा तो यही समझो जैसे आउटसाइडर को ट्रांसफर किया वैसे ही ट्रीटमेंट होगा फोर्टी लैख माइनस सेवन चार्ज अंडर सेक्शन नाइन बी में गया था वो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल थ्री पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायर पार्टनर ए This partner's A account balance is credited to the post tax profit of 11 lakh resulting into net credit balance in his or her capital account is 21 lakh that is 10 lakh plus 11 lakh. तो अभी तक मैंने क्या किया उसको मैं एक बार वापस से क्विकली रि, आपको रिवाइज करवा देता हूं कि देखिए एग्जाम्पल वन अपन देख रहे हैं जो सीबीडीटी गाइडलाइंस ने दे रखा है एक बात बताओ जब आप एग्जाम्पल उनकी जो लैंग्वेज देखोगे ना ये तो बड़ा ट्राई किया है ईजी बनाने का करके ठीक है बहुत सारे रिसोर्सेज इधर उधर से लेके बट अगर आप उसका देखोगे आपको अगर तो भी फील करना है ना कि ये एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है जस्ट चेक द वॉल्यूम नंबर टू आपका जो दे रखा है पीजीबीपी का और वो पीजीबीपी का वॉल्यूम नंबर टू आप देखोगे चलो मैं आपको बता ही देता हूं और वॉल्यूम नंबर टू के लास्ट में मैंने ये डाला हुआ लास्ट में है वो लास्ट में डाला हुआ है आप देखोगे बोलेगे क्या लिखा हुआ है करके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा ये देखिए ये यहाँ पे ये सीबीडीटी का एक तो क्लेरिफिकेशन ये वाला एटीबी ए बी वाला एटीबी बी वाला हम कर चुके थे ये देखिए ये क्लियर ये वाला ये यहाँ से चालू होता है गाइडलाइंस अंडर नाइन बी जो हम पढ़ रहे हैं अभी जो हम जो गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं ना ये ये वाली पढ़ रहे हैं नाइन बी और फोर फाइव का ये गाइडलाइंस जो है वो हम सीबीडीटी की पढ़ रहे हैं और इसका ये एग्जाम्पल नंबर वन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर वन ऐसे दे रखा है कि देर आर थ्री पार्टनर एबीसी इन द फर्म नाम एफ विंग वन थर्ड शेयर इक्वली ईच पार्टनर हैव कैपिटल दस लाख are आर piece पीस ऑफ द लैंड एस टी यू इन दैट फर्म is इज नो अदर कैपिटल in इन फर्म बुक of ऑफ ईच 10. तो मतलब ये ऐसे theoretically दे रखा है और उसको अपन थोड़ा बैलेंस शीट में डाल के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा ये एग्जांपल वन है फिर एग्जांपल टू है और फिर एग्जांपल थ्री है जैसा D T ने दे रखा है करके ठीक है चलिए चलिए अपन चल रहे हैं जहां पे अपन बात कर रहे थे वहीं पे वापस देखिए अपन ने अभी तक क्या पढ़ा वापस से देखते हैं अपन ने पढ़ा 45, 45 पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन कैपिटल गेन में दो सेक्शन पढ़ी एक तो नाइन बी पड़ी एक फोर्टी फाइव पढ़ा नाइन बी क्या बोलता है बड़ा सिंपल है कि अगर आपने पार्टनर को जब भी आप पार्टनर को क्या ट्रांसफर करते हो कैपिटल असेट या स्टॉक इंड ट्रेड तो उसमें कैपिटल गेन और पीजीबीपी में इनकम जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोग एफ ऑफ द कैपिटल असेटॉक इंड ट्रेड के लिए क्या लोग एफ ऑफ द स्टॉक एंड ट्रेड और जो कॉस्ट है वो लेस कर दो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फर्म के हाथ में आएगा फोर्टी फाइव फोर क्या बोलती है कि भैया जब भी आप पार्टनर को रिकन्स्ट्रटेशन पे पार्टनर को कोई मनी देते हो या कैपिटल असेट देते हो और वो जो मनी की वैल्यू है और कैपिटल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू वो उसके कैपिटल से ज्यादा है उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है तो कैपिटल बैलेंस से जितना ऊपर वाला रहेगा वो कैपिटल गेन बन जाएगा अब एक चीज समझना इस एग्जाम्पल में क्या हुआ एक फर्म है जिसमें तीन पार्टनर है एबीसी बैलेंस शीट फर्म का दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल टेन टैंड टेन और उधर तीन असेट है जिसकी बुक वैल्यू टेन टैंड टेन है करके ठीक है अब एक चीज समझना आप लोग यहां पे इन्होंने क्या किया एक पार्टनर ए रिटायर हो गया और उस रिटायरिंग वाले को बेचारे को क्या दिया एक तो लैंड दे दी ये वाली कौन सी वाली यू वाली लैंड दे दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू पचास है और साथ में उसको 11 लाख रुपया कैश भी दे दिया 11 लाख ऐसे अच्छा लगता है ना 11 लाख करके ठीक है 10 लाख नहीं 11 लाख तो 11 लाख रुपया कैश दे दिया तो उसको टोटल 61 लाख मिला एक तो 50 लाख मिला और ये 11 लाख मिला अब एक बात समझ लो पहले नाइन बी की बात करो नाइन बी क्या बोलता है कैपिटल असेट बेची तो कैपिटल असेट बेची तो यहां पे पचास लाख की कैपिटल असेट बेची जिसकी बुक्स में कॉस्ट है वो टेन थी बट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा अज्यूम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पंद्रह आता है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका पंद्रह आ गया तो पंद्रह आया तो पंद्रह पे आपने बीस टैक्स भरा होगा और पंद्रह पे आपने नॉट पंद्रह, पचास माइनस पंद्रह तो पचास माइनस पंद्रह पैतीस आया पैतीस पे बीस परसेंट टैक्स आपका कितना सात लाख आ गया और सात लाख आपका जो है वो टैक्स बनेगा फर्म के हाथ में

पार्टनर में इक्वल रेशियो में बांट दिया बिकॉज तीनों है वो पीएसआर उनका इक्वल है तो इक्वल रेशियो में बांट दिया और जब इक्वल रेशियो में बांट दिया तो यहां ग्यारह 11, 11, 11, 11 तीनों में बढ़ गया अब उनका कैपिटल बैलेंस जो हो गया वो कैपिटल बैलेंस यहां पर उनका हो गया तीनों का कितना इक्कीस 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 लाख तो जो हम ये पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट देख रहे थे यहां दस लाख का था ये नाइन बी की इम्प्लीकेशन के बाद सब यहां पे इक्कीस इक्कीस लाख का तीनों का क्या आ गया कैपिटल बैलेंस आ गया अब अपन बात करते हैं आगे अपन आगे बात करते हैं फोर्टी फाइव फोर की और फोर्टी फाइव फोर क्या बोलती है सर सर फोर्टी फाइव फोर में आपने ये बोला कि जब भी कैपिटल दे दे रहे है, दे रहे हैं हैं या मनी और वो उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है तो उतना भी कैपिटल गेन होगा जैसे देखिए यहां पे क्या हो रहा है सेक्शन फोर्टी फाइव फोर सेक्शन फोर्टी फाइव फोर फॉर टैक्सेशन इन ऑफ द फर्म ऑफ अ मनी इज ऑल्सो कैपिटल असेट फर्म ऑफ अ मनी एज ऑल्सो कैपिटल विध हिज और हर रिटायरमेंट एज पर फॉलोइंग फॉर्मूला तो कितना टैक्स होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोग आप बी सी को एड कर दोगे माइनस डी को लेस कर दोगे जो बचेगा वो कैपिटल गेन अब एक बात बताओ यहां पर वैल्यू ऑफ एनी मनी रिसिव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द डेट ऑफ सच रिसेट ग्यारह लाख है फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल असेट का कितना है पचास लाख है और अब आपका जो पार्टनर का बैलेंस हो गया वो कितना है इक्कीस है तो ये चालीस का आपको आ गया कैपिटल गेन ये चालीस का कैपिटल गेन आया अब एक बात बताओ इस चालीस पे क्या पार्टनरशिप फर्म को टैक्स भरना पड़ेगा आंसर इज यस ये चालीस पे पार्टनरशिप फर्म है वो फोर्टी फाइव फोर में टैक्स भरेगी एज वेल एज द जो थर्टी फाइव पे टैक्स आ रहा था वो नाइन बी में भी लग रहा था 35 पे जो टैक्स आ रहा था वो 9b में लग रहा था और ये 40 पे टैक्स है वो फोर्टी फाइव में लगेगा क्या आपको कहीं लग रहा है थोड़ा बहुत डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि कहीं डबल टैक्सेशन हो रहा है हुं? क्या आपको ऐसा कहीं लग रहा है क्या डबल टैक्सेशन हो रहा है कहां हो रहा है 21 कहां से आया विशाल 21 उसका कैपिटल बैलेंस ना कैपिटल बैलेंस 10 था और 10 में 11 और उसको ट्रांसफर किया था प्रॉफिट से तो कितना आया था 21 आया था ना डबल टैक्सेशन क्या कहीं आपको लग रहा है कि डबल टैक्सेशन हो रहा है अब एक बात बताओ आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर ये जो इस बंदे को 21 लाख का कैपिटल बैलेंस है 21 लाख का कैपिटल बैलेंस है तो इसको इकसठ लाख क्यों दिए जा रहे हैं आपको ये कुछ लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्यों दे रहे हैं इसको इकसठ लाख भाई इसका कैपिटल बैलेंस तो 21 लाख ही था तो फिर इसको इकसठ लाख क्यों दे रहे हैं इसको इकसठ लाख है वो इकसठ लाख क्यों दे रहे हैं मतलब व्हाट इज द रीजन आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है इसको इकसठ लाख क्यों दे रहे सिक्सटी वन लाख क्यों दे रहे भाई उसका जो कैपिटल बैलेंस था वो तो इक्कीस लाख था तो 21 लाख का कैपिटल बैलेंस है तो उसकी जगह उसको फिर 61 लाख क्यों दे रहे हैं उसको 21 लाख देके निपटाओ ना भाई उसको निपटाना तो इक्कीस लाख के निपटाओ उसको यहां इकसठ ,00 लाख क्यों दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं आप इकसठ लाख कुल मिला के मैं आपको यह बोल दूं कि जो बाकी असेट है बाकी असेट जो फर्म के पास है बाकी असेट मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना यह क्यों दे रहे हैं एक सेट के ये जो बाकी असेट है एस और टी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई मैं बोलू उसका हिस्सा दे रहे उसको अगर मैं ऐसा बोलू तो गलत तो नहीं होगा कि भाई जो तुम्हारी एस और टी जो असेट बढ़ गई उसकी वैल्यू बढ़ गई ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इन दो रिमेनिंग असेट की बढ़ गई तो उसमें उसका हिस्सा दे रहे हैं ना आप एक बात बताओ जब आप हम तीनों पार्टनर है आप मैं और हम तीनों पार्टनर है हम बैठे और फर्म में से मैं बाहर जा रहा हूं तो मैं फर्म में से जब बाहर जा रहा हूं जब मैं फर्म में से बाहर जाऊंगा तो मैं यह भी तो बोलूंगा ना भाई तुम्हारे पास जो असेट तुमने बेची बची है हमारे फर्म में बची है उसकी तो वैल्यू बढ़ी है उसका तो हिस्सा दो मुझे मैं ये बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा आप लॉजिकली सोचो कि जब मैं जा रहा हूं फर्म से बाहर हमारे पास तीन लैंड थी तीन लैंड में से चलो बोले आ, आप आप यह बोलोगे मेरे को क्यों ज्यादा दे रहे हैं उसके पीछे का रीजन है क्योंकि भाई जब मेरे पास दो अट जो बची है तुम्हारी तुम्हारे पास जो बची है असेट करके ठीक है अरे उसकी भी तो वैल्यू बढ़ गई है तो उसमें भी तो मुझे मेरा हिस्सा दो ना यार आज उसकी क्या वैल्यू हमने खरीदी थी दस लाख में आज उसकी क्या वैल्यू है वो उसका हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा क्या मुझे उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए सीबीडी बोलती है इसके लिए आप दे रहे हो तो सर आप अगर ये बोल रहे हो कि ये जो ज्यादा दे रहे हैं इकसठ लाख जो एक चालीस लाख ज्यादा दे रहे हैं यह जो ज्यादा दे रहे हैं चालीस लाख आप ये बोल रहे हो कि जो असेट बची है उसका हिस्सा दे रहे हैं तो सर जो बची है उसका हिस्सा दे रहे हैं मतलब इस वाले अमाउंट पे अभी फर्म कैपिटल गेन टैक्स तो भर रही है वो प्रॉफिट हुआ क्या है वो तो वो बस असेट वो जो असेट बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा ना मैं क्या बोल रहा हूं भाई एक बात बताओ पहले अपन तीनों पार्टनर है ठीक है तीनों पार्टनर आज बैठे थे हम तीनों आप मतलब तीनों पार्टनर थे एबीसी तीनों बैठे थे बोले चलो एक काम करो ये मुझे एक लैंड दे दो चलो ये लैंड दे दिया इसका कैपिटल गेन हो गया वो असेट की वैल्यू जो वो एक ट्रांसफर की उसका कैपिटल गेन हो गया बट मैं बोलूंगा कि भाई मुझे हिस्सा ज्यादा क्यों मिलना चाहिए मेरा कैपिटल गेन मान लो इक्कीस लाख है तो मुझे ज्यादा क्यों मिलना चाहिए क्योंकि ये जो लैंड है इसकी तो आज रीवैल्यू हुई है ना वैल्यू इसकी तो वैल्यू बड़ी है तो उसके लिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए तो मैं क्या बोल रहा हूं ये 40 लाख जो मुझे ज्यादा मिल रहा है ये ज्यादा जो रिमेनिंग असट बची है उनका री हुआ होगा आज और आज की वैल्यू पे लाया होगा उसका हिस्सा मुझे मिला है तो फिर इस पे टैक्स लगेगा 40 पे फिर एस बोलेगा कि सर एक बात बताओ अभी आप इस चालीस पे टैक्स लगा रहे हो लेकिन जब हम वो असेट बेचेंगे तो भी तो वापस टैक्स लगेगा उस पर क्योंकि जो असेट दो बची है दो असेट ये जो बची है कौन सी वाली ये वाली एस और टी इसकी रीवैल्यूएशन हुई है इसके लिए मुझे जो है वो ये हिस्सा मिल रहा है चालीस लाख तो जब हम बेचेंगे तब तो वापस गेन लगेगा मीन्स यहां पर कॉस्ट तो फिर टेन ही लेंगे यहां पर भी कॉस्ट फिर टेन ही लेंगे और अभी हम कैपिटल गेन भर रहे हैं ये कैपिटल गेन तो फिर गलत हो जाएगा ना यहां पे लॉ मेकर्स ने तुम्हारे लिए एक दिमाग लगाया दिमाग लगा के आपको क्या बोला कि ये जो कैपिटल गेन हुआ ना जो आपने ज्यादा दिया है कैपिटल अकाउंट से ज्यादा दिया है ये किस लिए दिया होगा कि बाकी असेट की वैल्यू बढ़ी है उसके लिए दिया होगा चलो एक काम करो इस पे अभी तो टैक्स भर दो और ये बाकी जितनी असेट बची है ना उसकी कॉस्ट में जोड़ दो ये चालीस जो है ये चालीस जो है निसर्ग ये चालीस पे अभी टैक्स भर दो तुम और ये जो चालीस बचा है ना ये चालीस जो है ये जो तुम्हारे पास रिमेनिंग असेट बची है उसकी कॉस्ट में जोड़ दो रिमेनिंग अट जो तुम्हारे पास बची है उसकी कॉस्ट में आप एक काम करिए इस चालीस को अपोर्शनेट कर दीजिए इस 40 को आप अपोर्शनेट कर दीजिए ये बाकी जितनी आपके पास असेट बची है उसकी कॉस्ट में इस 40 को बांट दीजिए मीनस अब वो जितनी असेट बची है उसकी कॉस्ट बना दीजिए नहीं तो क्या होगा आप बोलोगे सर लो सर ये चालीस आप किस लिए दे रहे हो क्योंकि दो असेट की वैल्यू बढ़ गई है और उसके लिए आप अपना हिस्सा ले जा रहे हो तो उस पर आप गेन भर रहे हो तो भाई ये अगर मान लो चालीस जो है वो लॉजिकली उनकी कॉस्ट भी तो बनानी चाहिए जो रिमेनिंग असेट बची है उसकी आंसर इज यस यहां पे इसकी रिमेनिंग असेट की कॉस्ट बन जाएगी रिमेनिंग असेट की जो है वो कॉस्ट बन जाएगी अगर किसी को लॉजिक ये समझ में आया तो ठीक है अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो फिर आप एक काम करो बड़ा सिंपल सा चीज़ है बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप एक काम करिए जब आपने मनी दिया जब आपने असेट दी उस टाइम पे और कैपिटल बैलेंस को लेस कर दिया जो ये बचा है चालीस ये चालीस जो बचा है जितनी आपने अभी असेट रीवैल्यूड की है जितनी असेट रीवैल्यूड की है उन रीवैल्यूड असेट को कॉस्ट दे दीजिए ये चालीस पे टैक्स भरेगी फर्म और ये चालीस किसकी कॉस्ट में जुड़ेगा जो अभी रिमेनिंग असेट बची है जो अभी रिमेनिंग असेट बची है उसमें आप एक काम करिए जो मतलब आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अभी अपन समझते हैं थोड़ी देर और रुक जाना करके ठीक है अगर आपको लॉजिक नहीं समझा तो फिर ये वाला तरीका है इसमें और कोई तरीका नहीं है कि आप जो कैपिटल गेन आता है ये वाला आप जो जितनी असेट बची है उसमें आप उसको प्रपोर्शन में जितनी उसकी वैल्यू बढ़ी है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए एक बार वापस मैं ट्राई करता हूं लॉजिक समझाने का निसर्ग अगर समझ में आता है हर्ष तो एक बार समझ लेना नहीं तो कोई बात नहीं चलिए अब अपन एक बार मैं वापस आपको बताता हूं एक 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 बात बात बड़ा सिंपल है ना आप आप बताओ हम लोग तीनों बैठे हैं बार जो सेक्शन नाइन बी है ना उसको आप छोड़ो गोली मारो नाइन बी को आप एक बार गोली मारो नाइन बी को आप गोली मारिए नाइन बी को आप गोली मारिए हम लोग तीनों बैठे हैं तीन पार्टनर है ठीक है हम तीनों पार्टनर बैठे हैं मैं आज पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूं तो मैं जब पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूं तो अपन क्या करेंगे पहले जो जो हमारी असेट है उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे भाई जो जो असेट आज है उसकी हम आज की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमारे पास में चलो तीन प्लॉट बचे हैं तो हम देखेंगे अच्छा तीन प्लॉट है आज की वैल्यू क्या है तो आज की वैल्यू ये है ये है ये है इसकी वैल्यू है अब उसके हिसाब से मुझे मिल जाएगा पैसा जो मेरा शेयर है वो मुझे मिल जाएगा करके ठीक है बट भाई मुझे जो पैसा मिला मुझे पैसा मिला वो पैसा दूसरी असेट जो बची थी उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन का भी तो मिला है वहां पे मान लो आपने कुछ गुडविल जनरेट की होगी उसका भी तो मिला है पैसा उसका भी तो मिला है और वो मेरे लिए आज आपने टैक्स लगा दिया तो यार टैक्स लगा दिया तो जो बाकी असेट बची थी जिसकी वैल्यू आपने बढ़ाई है उसकी कॉस्ट भी तो बनाओ फिर वो उसकी कॉस्ट भी तो बनाओ नहीं तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना नहीं तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना एक और ट्राई करते हैं छोटा सा एग्जाम्पल लेने का ठीक है एक और ट्राई करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने का मान लो तीन पार्टनर है ए बी एंड सी हमने क्या किया कि चलो अपना तीन जो है हमारा कैपिटल अकाउंट दस 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 लाख था ठीक है तो हमको मिलना कितना चाहिए दस 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 लाख मिलना चाहिए अब हुआ क्या कि मान लो हमारे पास कोई असेट है और वो असेट की आज वैल्यू है पचास लाख पचास लाख पचास लाख तो डेढ़ करोड़ की असेट है डेढ़ करोड़ की असेट है तो यहां पे जब डेढ़ करोड़ की असेट है तो एक बात बताओ अगर मान लो मैं रिटायर होता हूं तो मैं रिटायर होगा तो मैं तो क्या बोलूंगा ना कि भाई डेढ़ करोड़ की आज अपनी असेट है तो आज अपनी डेढ़ करोड़ की असेट है तो मुझे जो मिलना चाहिए वो पचास लाख मिलना चाहिए मुझे जो पचास लाख मिलना चाहिए तो मैं आप इसको डेढ़ करोड़ को छोड़ो ना आप एक काम करो जो अट्स थी नॉट पचास 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 मान लो यहां पे कोई असट थी कोई चालीस की थी कोई तीस की थी कोई बीस की थी कोई पच्चीस की थी ऐसे मिला के बहुत सारी असेट थी मुझे अब मिलना चाहिए मुझे सेटल कितने में करना चाहिए पचास में करना चाहिए तो जब मुझे पचास में करना चाहिए और आप मुझे मेरे कैपिटल से ज्यादा चालीस दे रहे हो तो ये चालीस आप किस चीज का दे रहे हो आप 40 मुझे जो ज्यादा दे रहे हो वो किस चीज का दे रहे हो जो बाकी असेट जितनी भी है उसको रीवैल्यूड का दे रहे हो उसको रीवैल्यूशन किया आज उसकी वैल्यू बढ़ गई उसके लिए मुझे पैसा दे रहे हो तो मुझे जब पैसा दे रहे हो तो उस टाइम अगर फर्म ने उस पर टैक्स भर दिया तो भैया जो टैक्स भरा है करके जो इनकम आई है वो इनकम आपने इसकी वैल्यू बढ़ी थी उसका मुझे दिया है वैल्यू बड़ी थी उस पर कैपिटल गेन भर दिया अब एक बात बताओ वो असेट जब आप वापस बेचोगे तो वापस कैपिटल गेन भरोगे तो तो डबल टैक्स हो जाएगा ना भाई एक बात बताओ मुझे चलो एक बात बताओ मुझे बड़े सिंपल आप 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 एक असेट क्यों सोच रहे हो आप मुझे मुझे पूरा पैसा दिया होता एक काम करते चलिए एक ब्लैंक पेपर पे लेते हैं ब्लैंक पेपर पे लेते हैं इधर दीजिए इधर देखिए इधर देखिए एक ब्लैंक पेपर पे लेते हैं तीन पार्टनर है ए बी एंड सी हमारा कैपिटल बैलेंस है वो कैपिटल बैलेंस है मान लो फॉरन आप असेट को छोड़ दीजिए आप असेट लेंगे नहीं अब मनी की बात करेंगे कैपिटल बैलेंस है यहां पे दस लाख दस लाख एंड दस लाख तीनों का कैपिटल बैलेंस दस दस लाख है आज मान लो यहां पे ए रिटायर हो रहा है ए रिटायर हो रहा है समझने की कोशिश करना ए रिटायर हो रहा है जब ए रिटायर हो रहा है तो हम क्या करेंगे भाई क्या जितनी असेट है, उनको रीवैल्यूड करो भाई वो तो अपन बात करेंगे कि असेट को को करो तो तो आपने आपने कर दिया तो आपने कुछ असेट थी आपके पास असेट ए असेट बी असेट सी असेट डी असेट ई अट एफ आपने मान लो बहुत सारी असेट थी उसको रीवैल्यूड किया और रीवैल्यूड किया तो आज की वैल्यू आपने निकाली तो आज की आपने वैल्यू निकाली इसकी कोई चालीस लाख वैल्यू आ रही है इसकी दस लाख आ रही है इसकी पचास लाख आ रही है इसकी बीस लाख आ रही है इसकी तीस लाख आ रही है तो चालीस दस पचास 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 डेढ़ करोड़ और इसकी मान लो पचास लाख आ रही है या इसकी मान लो तीस लाख आ रही है तीस लाख आ रही है ठीक है तीस लाख आ रही है यहां पे पता चला कि टोटल असेट की आज की जो वैल्यू है एक दो तीन चार पांच छ छ असेट है और इसकी पचास पचास सौ सौ और एक अस्सी आया तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा फर्म में हिस्सा कितना है मेरा हिस्सा कितना है मेरा हिस्सा वन थर्ड है हां मेरा हिस्सा कितना है वन है वन है तो वन थर्ड मेरा हिस्सा है तो मैं क्या बोलूंगा मुझे साठ लाख रुपए दो आप साठ लाख रुपए लेके बाहर निकलोगे असेट को गोली मारना ना को गोली मार मैं बोलता हूं मैं कितना हिस्सा लेके बाहर निकलूंगा आप मुझे बताओ ना मैं कितना हिस्सा लेकर बाहर निकलू यहां से मेरे को आप कितना साठ लाख दोगे कुशल साठ लाख दोगे मुझे तो मैंने बोला आप मुझे दीजिए मनी साठ लाख आप मुझे मनी दीजिए साठ लाख तुम उन्होंने बोला अच्छा लो सनी मनी दिया साठ लाख अब एक बात बताओ कुशल हर्ष समझना मनी मुझे जब साठ लाख आप लोगों ने दिया सबने मिलके बोला ठीक है सर आपका बनता है साठ लाख आप ले जाइए आप हमसे निकल रहे हो मैंने कहा ठीक है मेरा कैपिटल बैलेंस जो था वो कितना है दस तो मुझे यहां पचास का प्रॉफिट हुआ ये पचास का प्रॉफिट मुझे जो है मुझे तो हुआ हुआ बट फर्म इस पर टैक्स भर रही है मुझे एक बात बताओ ये पचास का जो प्रॉफिट है ये किस चीज का है ये इन असेट को रीवैल्यूड करने का ही तो है ये जो असेट है इन असेट को आज रीवैल्यूड करने का ही तो है आज असेट को रीवैल्यूड करने का ही तो है आप मुझे एक बात बताइए सिंपल सी बात बताता हूं इनकी इन असेट की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट भी यहां लिख लेता हूं फॉर एन एग्जाम्पल तो इसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी दैट इज इसकी मान लो दस लाख थी इसकी मान लो पांच लाख थी इसकी मान लो दस लाख थी इसकी मान लो पांच लाख थी इसकी मान लो सात लाख थी और इसको मान लो दस लाख थी तो सर एक बात बताओ एक बात बताओ ये जो मेरे को पचास मिल रहा है ये अल्टीमेटली इन असेट्स की वैल्यू बढ़ गई उसी का तो मिल रहा है इन असेट की वैल्यू बढ़ गई उसी का तो मिल रहा है और एक बात बताओ ये रिवैल्यूशन गेन है करके ठीक है अब एक बात बताओ इस पे जब आपने अभी टैक्स भर दिया इस पचास पे अभी आपने टैक्स भर दिया तो आप मुझे यह बोलोगे कि चलो पचास पे फॉर्म ने टैक्स भर दिया सर एक बात बताइए यहां पे फिर अगर आप इन फ्यूचर में वापस बोलूं कि यह दस मेरी कॉस्ट थी और फेयर मार्केट वैल्यू चालीस है अब यह तीस पे टैक्स भरो तो यह तो गलत होगा ना क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ प्रपोर्शन पे टैक्स भर चुके हो ना भाई जब री हुआ था तो उस रीवैल्यूशन वाले कुछ पोर्शन पे आप टैक्स भर चुके हो ना आप कुछ वैल्यूशन पे टैक्स जो है वो भर चुके हो ना कुछ वैल्यूशन पे टैक्स आप भर चुके हो ना तो जब आप कुछ वैल्यूशन पे ऑलरेडी टैक्स है वो भर चुके हो तो उस केस में भैया मैं बताऊं जितना आपकी ये कॉस्ट ये जो कैपिटल गेन है ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी और कॉस्ट कौन से प्रपोर्शन में बनाएंगे जितना जितना एप्रिसिएशन हुआ था उसमें डाल दो जितना जितना एप्रिसिएशन हुआ था उसमें डाल दो जितना जितना एप्रिसिएशन हुआ था उसमें आप डाल दीजिए करके ठीक है जितना जितना एप्रिसिएशन हुआ था उसमें आप डाल दीजिए और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मान लो फर्म ने गुडविल क्रिएट की फर्म ने फर्म ने फर्म ने गुडविल क्रिएट की एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्म ने गुडविल क्रिएट की इससे और इजी बन जाएगा आपका एग्जाम्पल करके ठीक है मान लो फर्म ने क्या किया गुडविल बनाई क्या हमारी फर्म की गुडविल कितनी है गुडविल क्रिएट करते हैं नॉर्मली गुडविल बनाई तीन करोड़ की अब ये गुडविल जब तीन करोड़ की बनाई मैं बोलता हूं मुझे एक करोड़ जो है एक करोड़ मुझे दे दिया अब आप समझना इजीली समझ जाएगा तीन पार्टनर थे ए बी सी तीन पार्टनर थे रुक तो जा कृष्ण अवतार ये कृष्ण अवतार बड़ा फॉरवर्ड चलता है करके ये बोलता है उसकी कॉस्ट कैसे वो इंडेक्स कैसे करेंगे रुक जा थोड़ी देर हाँ देखिए जो मेरे को गुडविल बनाई तीन करोड़ की तीन करोड़ की हमने फर्म ने गुडविल बनाई मैं तीन पार्टनर थे आज मैं जा रहा हूं बार गुडविल बनाई मैं बोलूंगा गुडविल का मुझे एक करोड़ दो गुडविल का मुझे एक करोड़ दो तो इन्होंने मुझे एक करोड़ दे दिया इन्होंने मुझे एक करोड़ दे दिया अब एक बात बताओ एक करोड़ दिया तो इस एक करोड़ पे कैपिटल गेन लग गया लॉजिकली सोचो इस एक करोड़ पे हमारा कैपिटल गेन लग गया एक करोड़ है इस एक करोड़ पे आपका कैपिटल गेन लग गया एक करोड़ पे कैपिटल गेन लग गया अब मुझे एक बात बताओ इन फ्यू वो गुडविल जो बेची थोड़ी थी फर्म की गुडविल तो फर्म के पास ही है एक बात बताओ फर्म की गुडविल तो फर्म के पास ही है कल उठ के जब फर्म गुडविल बेचने जाएगी तो फर्म क्या कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन फर्म जो है वो कैपिटल गेन क्या तीन करोड़ पे भरेगी क्या फर्म तो बोलेगी ना एक करोड़ पे हम कैपिटल गेन पहले भर चुके हैं भाई जब हमने पार्टनर को हटाया था तो हम एक करोड़ पे कैपिटल गेन भर चुके हैं तो एक करोड़ तो आप कॉस्ट दीजिए ना हमको एक करोड़ जो है वो एक करोड़ तो आप हमको कॉस्ट दीजिए ना एक करोड़ जो है वो एक करोड़ तो आप हमको कॉस्ट दीजिए ना तो फ्यूचर में जब हम गुडविल को मान लो फिर फ्यूचर में पांच करोड़ में आपने बेच दिया तो गुडविल की कॉस्ट एक करोड़ लेंगे क्योंकि एक करोड़ पे ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म है वो टैक्स भर चुकी थी अरे समझा के नहीं समझा रे समझा के नहीं समझा दुनिया में आधे इंडिया को नहीं समझाया करके ठीक आधे इंडिया को मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने से जाके पूछोगे तो बताएंगे क्या हो रहा है सर भगवान जाने करके हाँ तो बड़ा सिंपल है ना एक बात बताओ आपने आपनेट को रीवैल्यूड किया होगा और रीवैल्यूड किया होगा और उसकी वजह से आपको मिल रहा है उसकी वजह से आपको मिल रहा है करके ठीक है रीवैल्यूड असेट को किया अरे तू अट्स को छोड़ ना असेट को छोड़ तू मनी की बात करना सीधी मनी की बात कर एक बात बताओ मैं रिटायर हो रहा हूं फॉर्म से तो जब फर्म से मैं रिटायर हो रहा हूं मैंने असेट को रीवैल्यू कराया सब असट को रीवैल्यू करो आज मैं तो बोलूंगा रीवैल्यू करो आज की वैल्यू देखो क्या है आज गुडविल कितनी है उसका हिस्सा मुझे दे दो तो भाई मुझे हिस्सा दे दिया इस पर की, की उस कॉस्ट में वो गेन को जोड़ो ना यार उसको जोड़ना पड़ेगा ना उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी ना उसको हा उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी ना उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी ना समझे या नहीं समझे यार ऑफिस में थोड़ा बहुत तो आपने किया होगा यार गुडविल वुडिल का समझा लॉजिकल समझा क्या करवा रहा है? क्या रहे है? वो बताओ ना मुझे कर आपको क्यों ज्यादा दे रहे ज्यादा देने के पीछे क्या आप क्या अच्छे सुंदर लगते हो इसलिए ज्यादा दे रहे आप वहां असेट को छोड़ो ना मनी की बात करो आप चलिए अब अपन मैं इस पर और ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता भाई जितने मेरे को एग्जाम्पल देने थे उससे मैं समझा दिया अब सी कैसे समझाती है इसके लिए सी ने भी एग्जाम्पल दिए है और सी ने एग्जाम्पल दिए है उससे भी आधे लोगों को नहीं समझाया अभी तक चलिए चलिए अब आप बाकी सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होगी वगैरह उसकी अपन बात नहीं करेंगे आ जाइए सब लोग यहाँ पे अपन चलेंगे सीबीडीटी के क्लेरिफिकेशन पे और सीबीडीटी के क्लेरिफिकेशन पे अपन है ऑन द पेज नंबर 49 तो पेज नंबर 49 पे चलिए आप तो पेज नंबर फोर्टी नाइन पे अब एक बात बताओ यहां से अपन ये टेबल है वो वापस पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर फोर्टी नाइन पे आपको दे रखा है कि सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा फर्म के हाथ में तो फर्म ने मनी दिया ग्यारह लाख का और असेट दिए पचास लाख की में उसका अकाउंट कितने पे 61 पे सेटल किया है और उसका कैपिटल था कितना सिर्फ इक्कीस लाख तो लाख रुपया उसको ज्यादा दिया है ये चालीस रुपया ज्यादा किस लिए दिया होगा पता है द टूवर्ड्स्यूशन ऑफ अदर असेट टूवर्ड्स द रीवेल्यूशन ऑफ अदर असेट उन्होंने अदर असेट को रीवैल्यूट किया होगा और रीवैल्यूट करके उन्होंने उतना पैसा पार्टनर को दिया होगा करके ठीक है अब एक बात समझना ये जो चालीस लाख है ये चालीस लाख को आपको कॉस्ट बनाना पड़ेगा किसकी रिमेनिंग असेट की जिसको रीवैल्यूड किया है जिसको रीवैल्यूड किया है उसकी क्या बनानी पड़ेगी कॉस्ट बनानी पड़ेगी लेकिन सर कौन से प्रपोर्शन में बांटेंगे जितनी उनकी वैल्यू इंक्रीज की जितनी उनकी वैल्यू इंक्रीज की उस प्रपोर्शन में आप बांट दीजिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है आगे समझना ये एकदम समझ जाएगा इजीली देखिए तो फर्म के हाथ में एक तो क्या हुआ ये 40 लाख ,00 पे टैक्स लगा और एक 35 लाख ,00 पे 35 लाख नाइन बी वाला है वो बड़ा क्लियर है वो बड़ी है, वो बड़ी सिंपल सेक्शन है हो गया ये ये 40 40 पे अब कैपिटल गेन लगा किसको फर्म को तो ये 40 का क्या करेंगे तो देखिए इसको एट्रीब्यूट करेंगे एट्रीब्यूटिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव फोर टू द रिमेनिंग कैपिटल असेट ऑफ द फर्म फर्म की जो बाकी असेट है उसमें बांट दीजिए एस पर एट्रीब्यूशन रूल और इसके लिए रूल बनाया गया इसके लिए रूल बनाया गया Capital gain charged under section 454 is to be attributable to the remaining asset of the firm on the basis of increase in their value due to revaluation. कि ड्यू टू रीवैल्यूएशन उनकी कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई उस प्रोपोर्शन में डाल दीजिए बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यू और आपको रजिस्टर्ड वैल्यूर का रिपोर्ट लाना पड़ेगा एंड इन द प्रेजेंट केस इज सच एट्रीब्यूशन इज एज फॉलोस तो रिमेनिंग असेट कितनी बची है तो रिमेनिंग असेट आपके पास बची है वो दो बची है कौन कौन सी एस और टी और आप देखिए वो बैलेंस शीट जो ऊपर दे रखी है दो पेज पे ले एस की आपकी कॉस्ट कितनी थी दस थी की आपकी कॉस्ट कितनी थी दस थी आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सत्तर सत्तर है करके ठीक है तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ साठ साठ हुआ इंक्रीज कितना हुआ साठ साठ हुआ तो यहां पे आपका मैं बता दू यहां इक्वल इंक्रीमेंट है तो आप फिफ्टी फिफ्टी परसेंट दोनों में बांट दीजिए तो बीस लाख इसको कॉस्ट दे दीजिए बीस लाख इसको कॉस्ट दे दीजिए अब एक बात बताओ जब भी आप फ्यूचर में बेचोगे जब भी आप फ्यूचर में ये लैंड एस बेचोगे इसकी कॉस्ट आप थर्टी लैख लोगे और जब भी आप फ्यूचर में ये टी बेचोगे उसकी कॉस्ट भी आप कितनी लोगे थर्टी लैख लोगे कितनी लोगे थर्टी लैख लोगे तो देखो आगे क्या दे रखा है दस ट्वेंटी ईच शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द लैंड एस एंड टी when either of such land gets sold by the firm in future 20 as attributed at the time of taxation under section 454 shall be reduced from the sale consideration while computing the capital gain on the sale of such land means जब भी आप बेचोगे तो 10 तो आपकी कॉस्ट है ही है जब आगे फ्यूचर में आप बेचोगे तो आपको 20 और लेस करने को मिलेगा जिस पे आप पहले टैक्स भर चुकी है फर्म जो है वो पहले टैक्स भर चुकी है करके ठीक है चलिए अब एक बात समझना क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर एक बात बताओ आप जो ये चालीस की बात कर रहे हो ये चालीस जो है ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि आप दे क्या रहे हो पार्टनर को एक तो असेट दी होगी मनी दी होगी तो मनी दिया उसको कोई कैपिटल असेट दी तो ये चालीस आप बोलते हो कैपिटल गेन होगा बट ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा गाइस यहां सीबीडीटी बोलती है ये डिपेंड करेगा कि बाकी असेट जो बची है वो कौन सी है बाकी जो असेट आपने जो रीवैल्यूड की है वो कौन सी है अगर जो रीवैल्यूड की है बाकी असेट वो अगर शॉर्ट टर्म है वो अगर शॉर्ट टर्म है तो ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा और जो बाकी असेट बची है वो लॉन्ग टर्म है तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा तो यहां पे देखिए इसी एग्जांपल में आगे यहां पे दे रखा है सेक्शन 45(4) का जो कैपिटल गेन हुआ 40 वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म सिंस कैपिटल गेन ऑफ 40 लाख एट्रीब्यूटेबल टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल रिटेन बाय द फर्म सच कैपिटल गेन 40 शैल बी चार्जेबल एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके ठीक है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो चलिए एक काम करते हैं अब अपन एक बार वापस थियरी पे चलते हैं कि ये एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन कैसे होगा एट्रीब्यूशन रूल्स कैसे है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं अगर पहले मैं एट्रीब्यूशन समझाया होता

इन्होंने तीन केस में बोला इन्होंने तीन केस में बोला कि भैया डीम टू बी शॉर्ट टर्म होगा डीम टू बी शॉर्ट टर्म तीन केस में वो जो 40 का कैपिटल गेन है फोर्टी फाइव फोर वाला वो शॉर्ट टर्म होगा तीन केस में कब कब अगर द अबोव कैपिटल गेन क्योंकि अपन वही पढ़ रहे फोर्टी फाइव फोर पढ़ रहे तो फोर्टी फाइव फोर यह जो कैपिटल गेन है ये कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म होगा तीन केसेस में कब कब देखिए सबसे पहला अबोव कैपिटल गेन शेल बी डीम टू बी द शॉर्ट टर्म इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू द फॉलोइंग असेट अगर वो एट्रीब्यूट करते हो फॉलोइंग असेट कौन कौन सी असेट या तो एस टी सी एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव फोर मीन आप जब एट्रीब्यूट कर रहे हो वो एट्रीब्यूट कर रहे हो किसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को मतलब एट्रीब्यूट जो असेट बची है ना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है अगर के ठीक है तो आपका यह कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा दूसरा अगर मान लो जो कैपिटल असेट है वो ब्लॉकऑफ असेट का पार्ट है जो कैपिटल असेट है वो ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है तो उस केस में भी शॉर्ट टर्म होगा करके ठीक है या फिर वो जो कैपिटल गेन है वो आप एट्रीब्यूट कर रहे हो सेल्फ जनरेटेड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो सेल्फ जनरेटेड असेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को करते हो तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म होगा बाकी केसेस में ये कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म होगा बाकी केसेस में ये कैपिटल गेन है वो आपका लॉन्ग टर्म होगा करके यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट तो देखो मैंने बोला जो कैपिटल गेन 454 में आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा तो दैट डिपेंड्स ऑन के आप एट्रीब्यूशन किसको कर रहे हो अगर वो कैपिटल गेन एट्रीब्यूट कर रहे हो जो रीवैल्यूड कर रहे हो असेट जो बची है वो सर वो असेट अगर शॉर्ट टर्म है जो बची है वो तो इस केस में कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है करके ठीक uh, है या सेल्फ जनरेटेड असेट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो भी शॉर्ट टर्म अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है तो भी शॉर्ट टर्म करके ठीक है तो भी क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म हो जाएगा और एक बात बताओ गाइस जो मैंने 2020 आपको दो असेट को दिया था वो उसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा वो जब भी फ्यूचर में असेट आप बेचोगे ना उसके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से लेस होगा मैंने कॉस्ट में इसलिए आपको बोला था जिससे आपको याद रहे कि हाउ उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी वजह से बट कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आता है जैसे अपन ट्रांसफर एक्सपेंसिस लेस करते हैं ना वैसे आप क्या करोगे उसको लेस कर दोगे लेकिन सर यहब्यूशन रूल कैसे काम करेगा एक काम करते हैं एट्रीब्यूशन रूल पढ़ने से पहले अपन कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जो सीबीडीटी का एग्जाम्पल नंबर टू है वो देखेंगे और उसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर थ्री है उस पे जाएंगे चलो एग्जाम्पल नंबर टू की बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर टू इन दाइडलाइन सिचुएशन इंस्टेड ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ लैंड यू टू रिटायरिंग पार्टनर अगर मान लो लैंड यू जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को नहीं दिया होता आप अब आपको समझेगा करके ठीक है मान लो ये जो लैंड यू है यह रिटायरिंग पार्टनर को नहीं दिया होता एंड और रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड एंटिटी जहां जहां लिखा हुआ है उसका मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म करके ठीक है है उसका मतलब होता पार्टनरशिप फर्म आपने ये लैंड यू को सेल किया होता किसी आउटसाइडर आउटसाइडर को को मान लो आपने ऐसा होता है ना मैं जा रहा हूं अपन तीन पार्टनर थे मैंने बोला एक काम करिए मेरे को मेरे को सेटल करने के लिए आप लैंड वगैरह बेच दीजिए बाकी मेरे को पैसे में सेटल करिए मुझे पैसे में सेटल करिए ऐसा हो सकता है ना तो देखिए अब क्या होता है इन द गाइडलाइंस अगर मान लो ये लैंड यू जो है ये रिटायरिंग पार्टनर को नहीं देया होता क्योंकि आप उस लैंड यू देने से आप बड़े कंफ्यूज हो लैंड यू मत दो रिटायरिंग पार्टनर को बेच दो मार्केट में अब क्या होगा देखो लैंड यू अगर आपने आउटसाइडर को बेचा होता एफ पे एंड सेटल किया होगा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बाय पेइंग ओनली कैश ऑफ सिक्स अब आपको इजीली समझ में आएगा तो उस केस में आपका क्या होता तो बड़ा सिंपल सी चीज है एक बात बताओ मुझे अगर मान लो आपने लैंड यू जो था उसको पचास लाख में किसी बाहर वाले को बेच दिया तो बड़ा सिंपल है ना जब बाहर वाले को बेचा तो भी कैपिटल गेन ये वाला तो आएगा नाइन बी वाला तो नाइन बी क्या वो तो सीधा कैपिटल गेन में ही कैपिटल गेन पार्टनर को थोड़ी बेचा है बाहर वाले को बेचा है तो बाहर वाले को बेचा तो मुझे बताइए यह कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा पचास का ये पंद्रह की आप कॉस्ट लोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पैतीस का कैपिटल गेन आया का कैपिटल पैतीस का कैपिटल गेन आया सात का टैक्स लाइबिलिटी आया और जो गेन वगैरह हुआ होगा वो पार्टनर के कैपिटल में डाल दिया होगा वो तो हुआ ही होगा ठीक है, है पार्टनर को छोड़ो गोली बाहर बेचा आपने पचास लाख में यह तो हुआ ही होगा अब एक बात बताओ पार्टनर को आपने इकसठ लाख दिया तो अब पार्टनर को जब आपने इकसठ लाख दिया है वो तो पैसा दिया है तब अब 454 कैसे लगेगी देखिए तो 454 लगाने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है आपने मनी दी कितनी इकसठ लाख की उसमें से आपका ओपनिंग कैपिटल जो कैपिटल उस टाइम पे वो कितना 21 लाख तो आपने यहां 40 लाख है वो ज्यादा दिया तो 40 लाख पे कैपिटल गेन भरो अब तो असेट दी नहीं ना असेट दी नहीं तो असट में कंफ्यूज हो रहे थे असेट दी नहीं 40 लाख है वो कैपिटल गेन आ गया कैपिटल गेन पे टैक्स भरो बट ये 40 लाख ज्यादा क्यों दिया है क्योंकि अदर असेट की वैल्यू बढ़ी है

इन एक्साम्पल वन द डिमिंग फिक्शन ऑफ नाइन बी ऑपरेट्स बाय ट्रीटिंग द अलॉटमेंट ऑफ लैंड यू टू रिटायरिंग पार्टनर एज डीम ट्रांसफर बाय द स्पेसिफाइड एंटिटी एक्साम्पल टू क्या होगा नाइन बी तो लगेगा ही नहीं बट नॉर्मल कैपिटल गेन लग जाएगा जब आप बार वालों को बेचोगे तो नॉर्मल कैपिटल गेन तो लगेगा नॉर्मल कैपिटल गेन प्रोविजन आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कैपिटल बाय स्पेसिफाइड एंटिटी इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर एंड नेट रिजल्ट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इंसिडेंस इन एग्जाम्पल टू इज द सेम एज एग्जाम्पल वन बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा सेम वैसा का वैसा होगा सेम वैसा का वैसा होगा बाकी कुछ भी नहीं होगा विशाल पुरोहित अभी अपन समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आइए अब आपको जल्दी समझेगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आइए और थर्ड देखिए क्या बोलता है वृतिक इसमें आपका कवर हो जाएगा तीसरे में तीसरे में कवर हो जाएगा आपका डाउट एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आइए चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आइए और एक बार एग्जाम्पल नंबर थर्ड को ढंग से देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है एक फॉर्म है जिसमें तीन इक्वल पार्टनर है नहीं मैं ब्रेक इसके बाद में दूंगा प्लीज तीन इक्वल पार्टनर है जिसका नाम है एबीसी बी दो घंटे लगा लिए इस प्रोविजन में बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की प्रायर टू रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का बैलेंस शीट दे रखा है ब्रेक अभी मत मांगिए प्लीज आप पांच मिनट और एडजस्ट करिए पांच मिनट और आप देख लीजिए नहीं तो फिर वापस से पूरा समझाना पड़ेगा इसलिए अच्छा है कि अभी पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक के बाद मैं रिवाइज करा दूंगा देखिए एबीसी तीन पार्टनर है बैलेंस शीट है यार ये तो सब बैलेंस शीटें बना रखी है आपको अगर वो थियरी वाला दे दिया होता ना गाइडलाइंस नोट तो आपको समझता पता नहीं क्या हो रहा है करके भगवान जाने देखिए तीन पार्टनर है जिसका नाम है ए बी और सी ए का कैपिटल बैलेंस सौ है बी का सौ है सी का सौ है यहां पे साइड में कुछ लैंड है एस जो कि तीस की है टी है जो पेटेंट है जो 45 का है कैश पड़ी है उनके पास में टू ट्वेंटी फाइव इनके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है अब एक बात बताओ ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक में तो डालते नहीं हो ठीक है आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तीस है बुक में ये निल है आपकी बैलेंस शीट की टोटल आ गई तीन सौ अब हुआ क्या लैंड एस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इसमें से जो लैंड एस है ये वाली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है करके ठीक है पेटेंट टी वॉज एक्वायर्ड डेवलप और रजिस्टर्ड वन ईयर बैक जो टी है ये टी आपने एक साल पहले ही एक्वायर्ड किया था तो ये शॉर्ट टर्म है हेंस इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट तो यहां पे टी जो है वो शॉर्ट टर्म है और लैंड एस है वो आपकी लॉन्ग टर्म है अब हुआ क्या समझने की कोशिश करना हा पार्टनर ए विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ये भाई रिटायर हो गया His or her account is proposed to be settled in form of the payment of cash of 75 lakh. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एस उसको एक तो लैंड एस दी जाएगी और उसके साथ साथ में उसको पिछहत्तर लाख रुपया दिया जाएगा एक बात बताइए पहले तो अपन नाइन बी की बात करते नाइन बी तो बड़ा सिंपल बोलता था कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी कैपिटल या स्टॉक दिया जाता है तो उस कैपिटल गेन पीजीबीपी में चले जाइए तो यहां पर उसको ये तो ऐसा ही हुआ ना जैसे बाहर वाले को बेचा है ये तो ऐसा ही हुआ अगर बाहर वाले को बेचते तो भी वैसा ही करते और अंदर वाले को बेच रहे तो भी वैसा ही कर रहे हैं करके ठीक है अगर आप बाहर वाले को भी बेचते तो वही करते और अंदर वाले को बेच रहे हो तो भी वही कर रहे हो तो आप ये समझो ना पार्टनर है ही नहीं

नहीं तो गेन होता तो फिर वापस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और वो सब होता करके ठीक है अब एक बात बताओ पार्टनर जो ए है जब भी वो उसकी कॉस्ट क्या होगी फोर्टी फाइव ही होगी उसकी कॉस्ट है वो फोर्टी फाइव होगी अब अपन समझते हैं इस पार्ट पे देखिए एज स्टेटेड इन एग्जाम्पल नंबर वन द गाइडलाइंस ऑल्सो स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ द फर्म अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एस टू द पार्टनर ए अब एक बात बताओ यहां पे आपकी जो लैंड है वो कितने की थी तीस लाख की थी एफ एम कितनी है फोर्टी फाइव में आपने बेची तो पंद्रह लाख का बुक्स के हिसाब से तो प्रॉफिट आया होगा लाख का आपका बुक्स के हिसाब से तो प्रॉफिट आया होगा तो बुक्स के हिसाब से जो पंद्रह लाख का प्रॉफिट आया उसको तीनों पार्टनर में बांट देंगे पांच पांच लाख तो इनका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पांच पांच लाख अपन जोड़ देंगे तो यहां पे मैं बोलू एक सौ पांच एक सौ पांच एक सौ पांच आ जाएगा तीनों का कैपिटल बैलेंस तो कैपिटल बैलेंस एक सौ पांच हो जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है आगे एस पर गाइडलाइन द फर्म शेल रिक्नाइज प्री टेक्स प्रोफिट ऑफ 15 लैख एफ एम बी फोर्टी फाइव लैक माइनस बुक वैल्यू थर्टी लैक इन दी एंड एल एंड द्रेडिट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इज फिफ्टीन लैक टैक्स अज्यूम किया है जीरो क्योंकि वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन हमने फोर्टी फाइव ले लिया था यहां पर द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द्री पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायर पार्टनर ए दस द

और आपकी असेट कितने की दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 45 है उसका कैपिटल बैलेंस कितना है 105 है तो मैं बोलू 15 जो है ये आपका क्या होगा ये 15 जो है ये 15 आपका कैपिटल गेन होगा हम टैक्स भरेगी लेकिन ये 15 किस लिए दिया है बाकी असेट को रीवैल्यू किया था उसके लिए दिया है तो इस पंद्रह को बाकी असेट जो बची है ना उसमें आप प्रपोर्शन में आप डिवाइड कर दीजिए जो कि उनका ट्रांसफर एक्सपेंसिस माना जाएगा जब आप फ्यूचर में वो असेट बेचेंगे तो उनके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से यह पंद्रह लेस होगा लेकिन कौन कौन सी असेट को रीवैल्यू किया तो अगर आप बैलेंस को देखोगे तो जब वो रिटायर हो रहा था उस टाइम कौन-कौन सी वैल्यू को रीवैल्यू किया था एक तो पेटेंट टी को किया था और एक एक आप देख गुडविल को को किया किया था अब एक बात बताओ पेटेंट टी को किया, और टी टी और की की वैल्यू की वैल्यू कितनी बढाई बढाई आपने यहां बढ़ाई तो एक बात बताओ, टोटल वैल्यू कितनी और जो 45 आपने जो बढ़ाई है 45 जो बढ़ाई है वो 45 बढ़ाई तो ये कैपिटल गेन कितना आ रहा है तुम्हारा ये कैपिटल गेन आपका 15 आ रहा है तो 15 जो कैपिटल गेन आपका आ रहा है भाई ये उस 45 के रेशियो में बांट दो तो कैसे आप रेशियो निकालोगे कि कौन सी असेट की कितनी वैल्यू कितनी रीवैल्यू हुई तो कौन सी असेट की कितनी वैल्यू कितनी रीवैल्यू हुई तो देखिए यहां पर पेटेंट टी था उसकी पैतालीस थी अब एफ एम वी हो गई उसकी साठ तो पंद्रह इसमें बड़ी है मिस थर्टी थ्री परसेंट इंक्रीमेंट प्रपोर्शन में हुआ है इसकी वैल्यू तीस हो गई तो इसमें इतना हुआ तो अब एक बात समझना ये कैपिटल गेन का एट्रिब्यूशन कैसा होगा इसमें आपको पांच जाएगा और इसमें आपका दस जाएगा इसमें पांच और इसमें दस ये टोटल पंद्रह को मैंने बांट लिया और ये दोनों ही शॉर्ट टर्म कैपिटल असर है क्यों क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड असर तो हमेशा शॉर्ट टर्म मानना और पेटेंट भी शॉर्ट टर्म है बोला है पेटेंट लास्ट ईयर ही खरीदा तो पेटेंट भी शॉर्ट टर्म है तो एक बात समझना ये जो कैपिटल गेन पंद्रह होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा अब एक बात समझना क्या लिखा हुआ है दस फाइव शेल बी एट्रीब्यूटेबल टू द पेटेंट टी एंड टेन शेल बी एट्रीब्यूटेड टू द सेल्फ जनरेटेड गुडविल नेक्स्ट पार्ट अब एक बात बताओ यहां पे क्वेश्चन ही आता है कि सर आपने ये पेटेंट में डाला पांच इस पर क्या डेप्रीशिएशन मिलेगा क्या आप बोल रही मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कॉस्ट नहीं बनेगी अगर कॉस्ट बनाओगे तो आप बोलोगे पेटेंट के ब्लॉक में ऐड कर दो पांच को और इस पे पर वगैरह ले लो इस पे डेप्रीशिएशन वगैरह नहीं मिलेगा इन फ्यूचर जब भी आप उस पेटेंट को बेचोगे तो बेचते टाइम ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो होते हैं ना जैसे ट्रांसफर एक्सपेंसेस जैसे लेस होते हैं वैसे ही ये पांच क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है दस फाइव शैल बी एट्रीबूटेड टू पेटेंट

मैं अभी, अभी, तो अभी आपको एग्जाम्पल लेके बता दूंगा आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए देखिए वेन पेटेंट टी गेट सोल्ड सब्सिक्वेंटली फाइव शेल बी रिड्यूस फ्रॉम मनी पेबल एंड नेट कंसिडरेशन नेट कंसिडरेशन शेल बी रिड्यूस फ्रॉम डब्ल्यू डीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल अट अज्यूम पेटेंट टी सोल्ड फॉर पच्चीस अगर मान लो आगे फ्यूचर में आपने पच्चीस में बेचा तो आप एक बात बताइए कैपिटल गेन निकालते टाइम आप नेट कंसिडरेशन कितना लेंगे बीस ही लेंगे क्योंकि आपने पांच पे पहले टैक्स भर दिया है तो पांच पे टैक्स भर दिया है तो पच्चीस माइनस पांच शेल बी रिड्यूस फ्रॉम पच्चीस एंड नेट कंसिडरेशन बीस जो है वो आपका बचेगा और अब आपके ब्लॉक में से लेस कितना होगा ब्लॉक में से लेस आपका बीसी होगा ट्वेंटी शेल बी रिड्यूस फ्रॉम द डब्ल्यू डीवी ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल अट सिमिलरली वेन गुडविल गेट सोल्ड सब्सिक्वेंटली टेन शेल बी रिड्यूस फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपका कंसिडरेशन है उसमें से यह लेस हो जाएगा और गुडविल पैसे भी डेप्रीशिएशन वगैरह मिलता नहीं है तो ब्लॉक से वगैरह कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म तो देखिए सिंस कैपिटल गेन ऑफ 15 गेट एट्रीब्यूटेड फाइव टू द दैसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट दैट इज पेटेंट टी तो पेटेंट टी ब्लॉक का पार्ट है तो उस पर ऐसे भी शॉर्ट टर्म ही होगा हमेशा और 10 जो है वो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसके लिए भी आपको शॉर्ट टर्म लेना पड़ेगा तो ये पंद्रह जो यहाँ कैपिटल गेन हुआ था वो आपका शॉर्ट टर्म होगा करके ठीक है चलिए जिन लोगों को अभी भी डाउट आ रहा है उनके लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं यस अंकन एक सेकेंड क्या है आपका डाउट एक बार मेरे को एक समझा लेने दो उसके बाद मैं आपका डाउट ले लूंगा एक बार मैं आपके डाउट ले लूंगा एक बार मुझे और समझाने दो ठीक है चलिए अब हम देखते हैं ऑल पीपल पे अटेंशन एक एग्जाम्पल लेते हैं देखो दो अपन ने जो चीज़ें पढ़ी उसको मैं दो पार्ट में एक बार डिवाइड कर लेता हूँ दो पार्ट में डिवाइड ऐसे कर रहा हूँ कि एक बात बताइए मुझे सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नाइन बी पे जाते हैं और नाइन बी क्यों डाला नाइन बी डालने की ज़रूरत क्यों थी भाई ये नाइन बी अगर नहीं भी होता तो भी अगर आप आउटसाइडर को करते आउटसाइडर को सेल करते कोई असैट तो सेम ऐसे ही टैक्स ट्रीटमेंट होता सेम ऐसे ही टैक्स ट्रीटमेंट होता है मैं अभी आपको समझा दूंगा रुक जाइए थोड़ी देर सलोनी रुक जाइए इधर देखिए एक बात बताओ नाइन बी क्या बोलती है नाइन बी बोलती है कि अगर कोई भी फर्म है उस फर्म का या तो डिजोल्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है डिजोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन और फर्म क्या करती है अपने पार्टनर को या तो असेट देती है कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड देती है तो उस केस में फर्म के हाथ में कैपिटल गेन या पीजीबीपी का इनकम आएगा पहली चीज यह लिखने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग ये व्यू लेते हैं कि सर एक बात बताओ फर्म जो है वो फर्म ने पार्टनर को कोई असेट दी तो ये ट्रांसफर थोड़ी होता है यहां पे नाइन बी में बोलते हैं ट्रांसफर थोड़ी होता है ये थोड़ी कोई ट्रांसफर है कैपिटल गेन कैसे लग जाएगा कैपिटल गेन के लिए तो ट्रांसफर होना चाहिए तो इसके लिए इन्होंने लॉ में ही लिख लिया कि पहली चीज फर्म जब भी पार्टनर को कैपिटल असेट देता है या स्टॉक एंड ट्रेड देता है डिसोल्यूशन पे या रिकॉन्स्टिट्यूशन पे तो जो भी कैपिटल गेन या पीजीबीपी में इनकम जाएगी ये एक बात बताओ ये पार्टनर को क्या किसी आउटसाइडर को करते तो भी यही होता यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है और बेटा एक बात बताओ जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो फेयर मार्केट वैल्यू असट का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले असेट वो ले लीजिए लीजिए का का फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टॉक एज एज वेल कैपिटल असेट का वो कैपिटल गिने, में इनकम बना दीजिए और जो फेयर मार्केट वैल्यू था आगे जाके वो बंदा अगर कैपिटल को बेचता है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो पार्टनर का कॉस्ट बन जाएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि भाई फोर्टी फाइव फाइव फोर क्या बोलता है फोर्टी फाइव फोर यह बोलता है कि अगर फर्म का हो गया आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन पे आपने अपने पार्टनर को पैसा दिया होगा पैसा देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई रिटायर हो रहा है तो रिटायर होते टाइम हम उसको क्या देंगे भाई पैसा देंगे ले भाई थोड़ा पैसा ले लेकर के ठीक है या उसको असेट दी तो देखो पैसा या कैपिटल असेट जो दे रहे हो आप दो उस केस में क्या होगा कि आपको कैपिटल गेन होगा किसको फर्म को जिस ईयर में दिया उस ईयर में फर्म को कैपिटल गेन होगा बट आप लॉजिकली सोचो ये कैपिटल गेन जो है ये हो रहा है ये क्यों हो रहा है क्योंकि असेट को रीवैल्यूड किया होगा असेट है वो असेट को रीवैल्यूड किया होगा अगर मेरे को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है तो जैसे मैं एक छोटू सा एग्जांपल लेके समझाता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए देखिए एक फर्म है जिसका नाम है बीबी -बी फर्म दो पार्टनर है हम एक बीबी -बी और डीपी और हमारा यहां पर जो है दस दस लाख रुपए का कैपिटल है और लाइबिलिटी है फर्म की पचास लाख असेट सिर्फ दस लाख है और कैश बचा है साठ लाख मैंने बोला कि चलो एक काम करता हूं मैं इस फर्म से एग्जिट लेता हूं मैं एग्जिट होने वाला हूं तो मैं जब एग्जिट होने वाला रहूंगा तो मैं क्या करूंगा असेट को रीवैल्यूड कराऊंगा मैं चलो मैं बोलूंगा चलो एग्जिट होता हूं आप असट को रीवैल्यूड करिए जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दीजिए ये ये जो बुक्स में दे रखा है है थोड़ी कोई वैल्यू आज की आप असेट को रीवैल्यूड करिए तो मैंने क्या करवाया फर्म की असैट का रीवैल्यूएशन कराया मैं फर्म में पार्टनर था और पता चला कि गुडविल फर्म की एक करोड़ आ रही है गुडविल जो है वो फर्म की एक करोड़ रुपया आए तो मैं क्या क्लेम करूंगा कि आप मुझे एक काम करिए ये गुडविल में पचास परसेंट हिस्सा तो मेरा भी है गुडविल आज फर्म की एक करोड़ है तो इस एक करोड़ में पचास लाख हिस्सा तो मेरा भी है ना तो आप मुझे एक काम करिए इसमें से पचास लाख तो मुझे यह दीजिए पचास लाख तो आप मुझे यह दीजिए गुडविल का और दूसरा आप मेरा कैपिटल बैलेंस है उसका भी दस लाख दे दीजिए इन्होंने फॉर्म ने बोला ठीक है आपको साठ लाख दे देते हैं अब मुझे आप समझना तो जब फर्म साठ लाख मुझे दे रही है पैसा दे रही है साठ लाख उन्होंने मुझे मनी दिया तो फर्म के हाथ में क्या होगा तो सबसे पहले जब फर्म के हाथ में फोर्टी फाइव लगेगा क्या फोर्टी फाइव फोर लगेगा और फोर्टी फाइव फोर क्या बोलता है कि यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा जितना मुझे मनी दिया मनी दिया तो मनी मुझे कितना दिया उन्होंने साठ लाख दिया है साठ लाख मनी दिया अब मुझे एक बात बताइए मेरा कैपिटल बैलेंस कितना था तो कैपिटल बैलेंस कितना है दस लाख तो मुझे जो पचास लाख ज्यादा दिया ये फर्म के लिए कैपिटल गेन लग गया एक बात बताओ ना यहां कैपिटल गेन जो मैं बोल रहा हूं कि फर्म के लिए कैपिटल गेन आया बट ये फर्म के लिए कैपिटल गेन जो आया ये अल्टीमेटली तो गुडविल पे ही आया ना अल्टीमेटली ये किस पे आया गुडविल पे ही तो आया है क्योंकि गुडविल उन्होंने बनाई और गुडविल का पैसा मुझे दिया ले, ले निकल गुडविल ले, लेके निकल ठीक है फर्म की तेरा जो हिस्सा था अब फर्म की गुडविल फर्म की है। तो अल्टीमेटली ये जो पचास लाख का कैपिटल गेन आया ये पैसा किसका है गुडविल का ही तो है क्योंकि गुडविल आपने एक करोड़ की बनाई थी फर्म की गुडविल एक करोड़ की थी मैंने मेरा हिस्सा निकाल के दे दिया गुडविल फर्म के पास रह गई तो अल्टीमेटली मैं बोलू इनडायरेक्टली तो फर्म ने गुडविल जो है गुडविल का ये पचास लाख दिया है तो ये जो पचास लाख है ना ये पचास लाख गुडविल को एट्रीब्यूट कर लेंगे और इन फ्यूचर जब भी फर्म वो गुडविल को बेचेगी उस टाइम पे उस गुडविल के सेलिंग प्राइस में से पचास लाख लेस कर देंगे उस गुडविल के सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे पचास लाख लेस कर देंगे दैट इज कॉल योर एट्रीब्यूशन रूल एट्रीब्यूशन रूल करके जिसको अपन यहां पे बोल रहे हैं कि भैया जो आपका कैपिटल गेन आया जो रिमेनिंग असेट रीवैल्यूड हुई थी उस रीवैल्यूड में आप उसको डिवाइड कर दो तो भैया सीधी सी बात है यहां रीवैल्यूड हमारी सिर्फ गुडविल हुई है रीवैल्यूड या उसको जो जिंदा किया है वो गुडविल को जिंदा किया है तो गुडविल में आप दे दो ये पचास लाख है आप एक काम करिए ये आप गुडविल में दे दो गुडविल में आप दे दीजिए बट अभी आप 50 लाख पे टैक्स भर दीजिए अगर हम फ्यूचर में भी 50 लाख पे टैक्स लेंगे तो गलत हो जाएगा जिसके लिए ये बोल रहे हैं ये जब भी आप फ्यूचर में गुडविल बेचोगे तब आप 50 लाख उसमें उस, उस से क्या कर दोगे आप लेस कर देंगे चलिए अब एक और चीज समझना वापस आप अपनी बुक में आइए एक बार और यहां पर कुछ एट्रीब्यूशन रूल दे रखे अब ये एट्रीब्यूशन रूल कैसे होता है एट्रीब्यूशन रूल कैसे एट्रीब्यूट करोगे आप समझने की कोशिश करना हाँ देखिए जो आपका कैपिटल गेन आया गुडविल का पचास लाख वो गुडविल का पचास लाख अब जो कैपिटल गेन कैपिटल गेन तो मनी देने पे आया है पार्टनर को मनी दिया आपने उसका ओपनिंग बैलेंस लेस कर दिया पचास का कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन आप गुडविल को बांट रहे हो तो अब क्वेश्चन ये आता है ये पचास लाख जो है ये पचास लाख जो है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है तो उसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है पहले द अबोव कैपिटल गेन शेल बी एट्रीब्यूटेबल टू द रिमेनिंग कैपिटल अट एज पर रूल नंबर एट ए बी एंड द अबोव कैपिटल गेन शेड बी डीम टू बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू दिन किस को शॉर्ट टर्म कैपिटल मतलब जब टैक्स लग रहा है तो वो asset जो जिस, जो रिवैल्यू की अटोको अगर शॉर्ट टर्म है तो यह भी शॉर्ट टर्म होगा या वो ब्लॉकऑफ असेट की असेट है तो यह भी शॉर्ट टर्म होगा और वो सेल्फ जनरेटेड असेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो शॉर्ट टर्म होगा बाकी केसेज में लॉन्ग टर्म होगा अब ऐसा भी तो आपके दिमाग में आ सकता है सर कुछ असेट शॉर्ट टर्म है और कुछ लॉन्ग और टर्म है तो कुछ असेट शॉर्ट टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है तो भाई सीधी सी बात है ना जितना शॉर्ट टर्म असेट को बांटा जा रहा है उतना शॉर्ट टर्म हो जाएगा और जितना लॉन्ग टर्म असेट को बांटा जा रहा है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा भाई जैसे मैंने ये एग्जाम्पल नंबर आपका जो थर्ड लिया था इस एग्जाम्पल नंबर थर्ड में यहां पे जैसे एग्जाम्पल नंबर वन जो सीबीडीटी ने दिया था उसमें बीस बीस जो था वो दोनों लॉन्ग टर्म का से कैपिटल असेट थी दोनों लॉन्ग टर्म हो गया ऐसा हो सकता है ना कि ये लैंड जो बीस वाली थी वो शॉर्ट टर्म थी तो बीस शॉर्ट टर्म होगा और बीस लॉन्ग टर्म होगा

वॉट डपिटल गेन चार्ज अंडर सेक्शन गेन किसकी वजह से हुआ है किसकी किस वजह से हुआ है वो कौन सी assets को आपने किया था? दूसरा हाउ आर सच कैपिटल गेन टू बी एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग कैपिटल असेट ऑफ द फर्म कैसे आप बांटोगे अब एक बात बताओ आपने कोई असेट को रिवैल्यू किया ही नहीं सिर्फ इसी असेट को किया जो आपने ट्रांसफर कर रहे हो आपने बाकी असेट को रिवैल्यूट किया ही नहीं आपने तो सिर्फ एक ही असेट का रिवैल्यूशन किया है जो उसको दे रहे हो बाकी कोई असेट को, को रीवैल्यू किया ही नहीं अरे जब बाकी जो बची है उस असेट को आपने रीवैल्यूड ही नहीं किया है तो उस केस में हम भैया वो कैपिटल गेन नहीं बांटेंगे कहीं पर भी अगर आपके पास जो बची हुई एसेट है उसको रीवैल्यू करो अगर आपने उसको रीवैल्यू किया ही नहीं है तो उस केस में कैपिटल गेन का एट्रिब्यूशन नहीं होगा वो आपका जो कैपिटल गेन आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा जो कैपिटल गेन आएगा वो पे करना पड़ेगा सीधी सी बात है अगर आपने रीवैल्यूएशन किया ही नहीं है तो जो कैपिटल गेन आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है जो आपका कैपिटल गेन आया दैट इज रिलेट्स टू ओनली कैपिटल असेट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म सिर्फ जो फर्म से मिला था ना उसी का रिवैल्यूशन बाकी कोई असेट बची है उसका रिवैल्यूशन किया ही नहीं जैसे अपने एग्जांपल में तीन प्लॉट के लैंड थे जो लैंड के जो प्लॉट थे वो तीन थे कौन कौन से प्लॉट थे यहां पर आपके थे यहां पे एस टी और यू था मान लो यू जो है उसकी एफ एम बी पचास लाख है बाकी यहां पे इस इसको और इसको रीवैल्यू किया ही नहीं इन दोनों को रीवैल्यू किया ही नहीं है तो भैया जब रीवैल्यू ही नहीं किया तो जो इसका कैपिटल गेन आएगा वो हम कहीं पे भी नहीं बांटेंगे दैट इज कॉल आपका एट्रीब्यूशन नहीं होगा दैट इज द नो एट्रीब्यूशन नो एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन नहीं होगा लेकिन अगर मान लो आपने रीवैल्यूशन किया है रिलेट्स टू रीवैल्यूशन ऑफ एनी कैपिटल असेट ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड एंटिटी के पास में रीवैल्यूशन जो असेट है बची है उनका रीवैल्यूशन किया है तो कितना कैसे प्रपोर्शन में बांटेंगे तो देखिए कैपिटल गेन चार्ज अंडर सेक्शन 454 कितना है तो कैपिटल गेन जैसे अपने पहले जो एग्जांपल में 40 लाख ,00 था मल्टीप्लाई करिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सच कैपिटल असेट बिकॉज ऑफ रीवैल्यूशन मीस उस कैपिटल असेट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई और डिवाइड करिए टोटल कितनी इंक्रीज हुई डिवाइड करिए टोटल कितनी इंक्रीज हुई ये तो री वाली बात हो गई कि भैया डिवाइड करिए टोटल कितनी इंक्रीज हुई तो देखिए मैं अगर इस एग्जाम्पल की बात करूँ इस एग्जाम्पल की तो देखिए आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ कितनी हुई थी यहाँ पे देखिए इसमें इंक्रीज हुई साठ की और इसमें भी इंक्रीज हुई साठ की तो टोटल इंक्रीज़ कितनी हुई एक सौ बीस की टोटल इंक्रीज कितनी हुई थी 120 की और 60 की इधर और 60 की इधर करके तो टोटल 120 की हुई तो उस असेट को कितना कैपिटल गेन एट्रिब्यूट होगा तो आपका कैपिटल गेन 40 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ था रिवेल्यूशन 120 का हुआ था तो 20 जो है वो एक असेट का कॉस्ट बनेगा या फिर जब फ्यूचर में आप उसको बेचोगे तो उसके ट्रांसफर एक्सपेंसिस की तरह यह माना जाएगा अब ये तो बात हो गई जब आप रीवैल्यू कर रहे हो बहुत बार क्या होता है जब असेट क्रिएट कर देते हो जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बनाते हो रीवैल्यूएशन कहां होता है वो तो बनती है सीधी आप उसको रीवैल्यू नहीं उसको तो वैल्यू करते हो उसको वैल्यू करते हो तो उस केस में क्या होगा तो देखिए सिंपल सी बात है रिलेट्स टू वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल या अट ऑफ द स्पेसिफाइड लाइक एंटिटी मतलब फर्म फर्म क्या करती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में लेके आती है तो कैपिटल गेन कितना था मल्टीप्लाई बाय रिकॉग्नाइज कितना किया अभी आपने गुडविल को रिकॉग्नाइज कितना किया सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एंड डिवाइड किससे करोगे एग्रीगेट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू वैल्यू ऑफ 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 ऑल ऑल कैपिटल बिकॉज रीवैल्यूएशन और रिकॉग्निशन द सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड अट बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ये आप थर्ड एग्जांपल से समझ जाओगे एक बात बताओ थर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो थर्ड एग्जांपल जो सीबीडीटी का था उस एग्जांपल में देखिए क्या क्या बढ़ रहे थे आपके पास में आपके पास ये दो चीजें बढ़ रही थी इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो ये लैंड एस तो उसको बेच दी थी उसका तो कुछ करना ही नहीं था उसके बाद एक तो आपका टी बढ़ रहा था तो टी कितना बढ़ रहा था फोर्टी फाइव से सिक्सटी बढ़ रहा था तो फोर्टी फाइव से सिक्सटी मतलब ये पंद्रह बढ़ रहा था और ये तीस बढ़ रहा था यह एफ एम भी यहां तीस बढ़ रहा था तो यहां पे जो आपका कैपिटल गेन आएगा जो भी तुम्हारा कैपिटल गेन था वो कैपिटल गेन को आपने कैसे डाला था जैसे पंद्रह का कैपिटल गेन था पंद्रह बाय गुडविल कितनी बनाई आपने गुडविल बनाई आपने 30 की और टोटल इंक्रीमेंट कितना है 45 का है तो उस प्रपोर्शन में आपका 10 आया वो 10 क्या होगा वो जब भी इन फ्यूचर आप वो गुडविल को बेचोगे तो वो गुडविल को बेच दे टाइम 10 है वो उसके ट्रांसफर एक्सपेंसेस माने जाएंगे करके ठीक है मैं इन इस दोनों को मैंने अलग अलग बताया ये वाले पार्ट को बट मैं इन दोनों को मर्ज भी कर सकता था ये इनको अलग अलग बताने की जरूरत थी नहीं लॉ में नहीं बताया हुआ बट मैं इसको मर्ज भी कर सकता था क्योंकि मैं अगर यहाँ पे री क्योंकि पहले में मैं री वैल्यूशन बोल रहा हूँ मिस असेट पहले से रिकॉर्ड थी फिर आप रीवैल्यू कर रहे हो और दूसरे में क्या है आप खुद जो असेट को है वो वैल्यू कर रहे हो मिस असेट को बुक्स में ला रहे हो करके इन सिंपल वर्ड के गुडविल वगैरह के, के केस में क्या होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल असेट तो आई नहीं तो रीवैल्यू थोड़ी होता है वो तो फिर सीधा आप क्या कर रहे हो रिकोग्नाइज कर रहे हो अपनी बुक में चलिए और लास्ट पार्ट अगर डज नॉट रिलेट टू एनी ऑफ द अब कैटेगरी अगर मान लो वो जो तुम्हारा कैपिटल गेन है जो री है वो इन असेट्स की वजह से नहीं है री इन असेट्स की वजह से नहीं है तो उस केस में आपको कुछ भी एट्रिब्यूट करने की जरूरत नहीं है सिस कंप्लीशन और यह सेक्शन जो फोर्टी एट की मैं बात कर रहा हूं फोर्टी एट की मैं बात कर रहा हूं कि जितना एट्रीब्यूशन होता है वो उसका फ्यूचर में जाके वो उसका कॉस्ट बनेगा इन सिंपल वर्ड या मैं बोल दूं आपका ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर एक्सपेंसिस है वह बनेगा तो वेन एवर कैपिटल गेन चार्ज अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव फोर इज एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग असेट एज पर रूल नंबर एट ए बी देन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच असेट शैल बी रिड्यूस वाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन इन फ्यूचर में जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे तो उसको आप रिड्यूस कर दो गे डन अब एक बात समझना दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम माय साइड अगर आपके और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मैं आपकी बात है मैं एक बार आपको देख लेता हूँ पाँच मिनट के लिए मैं इससे ज़्यादा और इस पर टाइम नहीं दे सकता बिकॉज एग्जाम में कितना आएगा आई डोंट नो जो था मैंने सी के क्लेरिफिकेशन वगैरह मैंने सब बता दिए जितना सी ने बोला था वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी जो जो सी ने बोला था वो सब मैंने बता दी एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा आई डोंट नो बट मैंने इतना जो टाइम दिया है ये टाइम का मेरा मेन औचित्य ये भी है कि आप अपने ऑफिस में जब ये डील करोगे तो ऑफ़िस में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्या एग्जैक्टली उस टाइम होगा क्या क्योंकि इसका एक फॉर्म भरना पड़ेगा पता है जिस ईयर में पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें एक फॉर्म भरना पड़ रहा है कि आपका जो कैपिटल गेन पे टैक्स भरा है वो कौन सी सेट का एंट्रीब्यूटिव कर रहे हो आप और वो आपको फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरना पड़ रहा है और वो जो फॉर्म है वो फिर फ्यूचर में काम आएगा जब वो आप असेट बेचोगे तब एलटीसीजी एसटीसीजी का क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो आप जो दे रहे हो जो आप जो आप एट्रिब्यूट कर रहे हो वो डेप्रिसिएबल असेट को कर रहे हो तो डेप्रिसिएबल असेट, तो असेट को जब आप कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म होगा ना तो कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म है सर एसटीसीजी एलटीसीजी किस प्रोपोर्शन में डिसाइड करेंगे uh, क्वेश्चन डिपेंड करेगा ना आप कौन सी असेट को एट्रिब्यूट कर रहे हो अगर वो एल को कर रहे हो ठीक है एल वाली असेट है तो एल उतना और बाकी शॉर्ट टर्म क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ बताओ ना मैं उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ एक बात बताओ जो तीसरा एग्जाम्पल है उस तीसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा था आपके पास टोटल कैपिटल गेन पंद्रह था अब ये पंद्रह को आप कैसे बांट रहे थे एक तो आप पेटेंट में बांट रहे थे पेटेंट डेप्रिशिएबल असेट है तो पांच आपका जो है ये डेप्रिशिएबल असेट को जा रहा था और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये दस जा रहा था यहां पे दोनों ही शॉर्ट टर्म थी क्योंकि डेप्रीशियेबल असेट को शॉर्ट टर्म ही मानते हैं और इसको भी शॉर्ट टर्म मानते हैं मान लो यहां पेटेंट टी की जगह यहां पर लैंड टी होती पेटेंट टी की जगह यहां लैंड टी होती तो वो पंद्रह का जो कैपिटल गेन है ना उस पंद्रह में से पांच लॉन्ग टर्म होता और दस शॉर्ट टर्म होता पांच लॉन्ग टर्म होता और दस है वो शॉर्ट टर्म होता पांच लॉन्ग टर्म होता दस शॉर्ट टर्म होता यस इन सिंपल वर्ड मैं बता दू प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो नॉर्मली ब्लॉक ऑफ की सब होती है आपकी ब्लॉक ऑफ अट की अट होती है तो ब्लॉक ऑफ की asset होती है तो नॉर्मली हर जगह शॉर्ट टर्म ही जाएगा और अगर लैंड वगैरह है तो वहां लॉन्ग टर्म जाएगा यस yes. जाएगाजल अभी तक एग्जाम्पल वन में फंसी हुई है एग्जाम्पल वन में सर कैपिटल का बैलेंस 21 लाख ,00 क्यों लिया था एक बात बता मुझे काजल एक बात सिंपल सी बात बता दो 21 क्यों लिया था उसके पीछे का रीजन है रीजन ये है इधर देख इधर देख काजल इधर देख, इधर देख इधर देख इधर देख, देख काजल इधर देख क्यों लिया था वहां पे 21, उसके पीछे का रीजन मैं तुझे बताता हूं समझ लेना हा? देख इसमें से क्या हुआ कि लैंड जो यू थी इस यू वाली लैंड को बेच दिया बेच दिया किसी को कितने में बेचा पचास में और उसकी कॉस्ट थी दस तो मुझे एक बात बता इधर इधर देख इधर देख काजल इधर देख एक बात बता ये पचास में बेचा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आया होगा पचास और मान ले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो पंद्रह आया तो पैंतीस का कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना आया पता है टैक्स आया बीस परसेंट की रेट से तो सात टैक्स आ गया तो अब एक बात बता सात का टैक्स भरना पड़ेगा अब आप बुक्स में क्या एंट्री करोगे बुक्स में आप क्या एंट्री करोगे बुक्स में आप एंट्री करोगे कि 50 में बेचा और 10 में खरीदा था तो बुक्स के हिसाब से तो प्रॉफिट 40 आया बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट 40 आया अब 40 में से 7 लाख टैक्स की लाइबिलिटी आई फर्म की तो 7 टैक्स कटा तो बचा कितना 33 बचा और ये तैतीस जो बचा आपका कैपिटल गेन ये तैतीस को आप क्या करोगे जो आपका कैपिटल गेन नहीं बोल सकते तैतीस का जो गेन बचा वो तीनों पार्टनर में बांट दोगे तो तीनों पार्टनर में इक्वल रेशियो में आपने ग्यारह ग्यारह लाख रुपया बांट दिया तो आपका ये इक्कीस ये इक्कीस और ये इक्कीस ऐसे आपका आ गया करके ठीक है सर टैक्स को पे कर रहा पर बट फायदा रेमेनिंग पार्टनर को मिल रहा है टैक्स तो फॉर्म भर रही है ना फॉर्म भर रही है टैक्स अभी है ना इससे रिलेटेड और आपके डाउट है आई कांट मतलब आपके पार्टनर का क्या बोल रहे हैं डीम टू बी ट्रांसफर जैसा प्रोविजन नहीं है स्टिल दे आर चार्जिंग री फोर. A, मतलब देख फोर्टी फाइव फोर इज आपको सिंपल सी चीज है कि वो क्या कर रहे हैं मतलब देखो फ्यूचर में कैपिटल गेन तो लगता जब आप गुडविल गुडविल बेचते तो फ्यूचर में लगता ही ना ये प्रीपोन्ड कर रहे हैं अगर वन वर्ड में बोलना चाहूं जो इसको कनेक्ट कर पा रहा है ये कैपिटल गेन को क्या कर रहे हैं प्रीपोन्ड कर रहे हैं मतलब प्रिपोर्ड मतलब अभी ले रहे हैं लेना चाहिए फ्यूचर में जब आप फ्यूचर में अगर कभी गुडविल वगैरह बेचोगे तब ले लो ना बट बोलते नहीं हम अभी लेंगे सो फोर्टी फाइव फोर एंड नाइन भी पढ़ने के बाद तो आपका दिमाग ही हिल गया होगा कि बोला ये क्या है करेगा ठीक है बट ये है गाइस और आप आई सी मटेरियल चेक कर सकते हो सब चीजें आईसीआई ने दे रखी है मैंने इसको जो आई सी ने दिया है वो इस नोटिफिकेशन को बड़ा ही थेरेटिकल दे रखा है मैंने उसको ट्राई किया कि हर चीज में उसको इजी बनाने के लिए तो आपके लिए मैंने इजी बना के आपके लिए दिया है करके ठीक है चलिए सो so, यहाँ पे आपके वॉल्यूम वन से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स है वो कंप्लीट हो गए आज का आपका महा अमेंडमेंट लेक्चर था जिसमें आपके महा अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है वो इस लेक्चर में कवर किए अब आप बोलोगे सर और कितने अमेंडमेंट बचे हैं तो ज़्यादा नहीं इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ अमेंडमेंट है और वो मैं आपको प्रोमिस करता हूँ दो घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं रहेगा दो घंटे के अंदर अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन में जितने अमेंडमेंट्स हैं, वो मैं आपको करा दूंगा तो एक बार देखो आप लोग जब एग्जाम दे रहे हैं और आपने नया बैच नहीं लिया है पुराना लिया है तो ये अमेंडमेंट लेक्चर आपने थ्रू किए इतने टाइम तक आपने मुझे झेला करके ठीक है उसके लिए थैंक्स अलॉट पीपल क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मैंने बताई और मैंने जो इसमें अमेंडमेंट में जो कराए हैं वो एज इट इज़ फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर डाले हैं कुछ एज़ वेल एज द रेगुलर बैच के कुछ लेक्चर डाले हैं वैसे डाल के और मैंने आपको अमेंडमेंट इन डिटेल है वो इन डिटेल कराए क्योंकि आजकल तो आप देखोगे मार्केट में भी लाइक सी ए ऑफिस में भी फोर्टी फाइव जो फोर है उसको लेके तो सी ए के ऑफिस में ही कन्फ्यूजन है ऑफिस में भी लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैंने ट्राई किया मेरा बेस्ट दिया आप लोगों के लिए और आपको ये रिविजन ये अमेंडमेंट लेक्चर मैंने कराया अब आप रिविजन लेक्चर्स देखोगे तो आपको फटाफट फटाफट चीज़ें है वो दिमाग में चली जाएगी ठीक है चलो सो थैंक्स ऑफ पीपल दैट्स न फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और रिविजन लेक्चर आप देखते रहिए अमेंडमेंट लेक्चर एक इंटरनेशनल टैक्सीशन का छोटा सा और डालूंगा उसके बाद आपके अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएंगे थैंक यू